गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी नमस्ते क्या हालचाल है सभी के स्वागत है आप लोगों का बाउंस बैक 2.0 तो जल्दी से एक बार चैट में बताओ हाउ इज द जोश क्योंकि मेरा जोश तो देखिए बहुत हाई है बाउंस बैक नाम सुन के ही मजा आ जाता है राइट right? क्योंकि 1.0 ने भी इतने बच्चों को सक्सेस दिलाई और 2.0 भी उससे बढ़ के कमाल दिखाएगी तो ये जो एक काइंड kind ऑफ of एक फेस्टिवल बन गया है हर साल का हर कोई वेट करता है जैसे हम दिवाली का वेट करते हैं उस दिवाली के साथ साथ बच्चों के लिए बाउंस बैक की दिवाली भी आती है तो जल्दी से चैट में बताओ कि कितना उत्साह कितना जोश है आपके अंदर और एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो लाइक बटन दबा दो ताकि आपका जोश दिख जाए वो लाइक बटन ऐसे शूट करना चाहिए जैसे आप अपने जेई में मार्क्स शूट करते हुए देखना चाहते हो ऊपर की तरफ ठीक है तो जल्द से जल्द लाइक बटन दबाओ और देखते हैं आप लोगों का जोश कितना हाई है ऑल राइट चैट में दिख रहा है देखो इसी बात से जोश समझ में आता है और आज तो मेघ इंद्र भी प्रसन्न है है ना आज मैंने सुना है कि हर जगह बहुत तेज वर्षा हो रही है आ, मेरे यहाँ पर भी बाहर अभी देखिए इतनी तेज घुमड़ घुमड़ के बादल वर्षा कर रहे हैं जैसे कि वो भी बाउंस बैक का स्वागत कर रहे हैं कि वाह बाउंस बैक का ही वेट था बाउंस बैक आ गई तो वो भी खुशी मना रहे हैं तो इतने अच्छे माहौल में जब एक बाउंस बैक सीरीज की शुरुआत होती तो बड़ा आता है तो देख सकते हैं। आपके जो, जो ड्रॉप भी, भी बोलते हैं कि हमारे कहा से कहा इंप्रूव कर दिए सर कहा हमें कुछ नहीं आता था और बाउंस बैक पढ़ के जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बने मजा आ गया तो अब ये मजे को हम और आगे ले जाएंगे ठीक है अब काफी बच्चों को शायद ये लग रहा होगा कि सर वन पॉइंट हो तो अटेंड कर ली अब अब टू पॉइंट क्या करें भी कि नहीं करें क्या इसमें कुछ अलग होगा बिल्कुल अलग होगा बच्चों देखो आ, नदी तो गंगा ही है है ना गंगा माता वही है लेकिन नित नया जल उसमें बहता है तो वैसे ही यहां पर भी आपको हर लेक्चर हर बाउंस बैक चाहे अभी टू पॉइंट हो अगले साल थ्री पॉइंट हो फोर पॉइंट हो हम बहुत कुछ आपके लिए नया लाएंगे नए प्रश्न होंगे समझाने का तरीका नया होगा कुछ अलग तरीके से बताई जाएंगी तो आपको बिल्कुल नया एक लेक्चर का एहसास होगा ऐसा नहीं लगेगा कि कि कुछ रिपीट हो रहा है 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 ठीक और यही कारण है कि हम लोग भी उत्साहित रहते हैं पढ़ाने के लिए क्योंकि लोग बोलते हैं सर यार आप तो आठ नौ साल से पढ़ा रहे हो बोर नहीं हो गए वही 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 पढ़ाते हो बोलता हूँ वही कहाँ पढ़ाते हैं जो पिछले साल पढ़ाया इस साल उसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन निकल के आता है यही तो मजा है है ना तो टीचर वही होता है जो नित नया कुछ कुछ ढूंढे अपने एक्सप्लेनेशन के तरीकों में अपने समझाने के तरीकों में है ना तो मजा बना रहता है चलिए तो शुरुआत करते हैं लेट स्टार्ट ठीक है ऑल राइट right. तो वॉइस डिस्टर्बिंग क्या हो रहा है वॉइस सही है कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में ठीक है आई थिंक परफेक्ट है चलिए बढ़ते हैं आगे है ना लेट स्टार्ट कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में सब बढ़िया जरा बता दो सही है वॉइस हाँ काफी बच्चों ने कह दिया सही है तो बढ़ते हैं बच्चों आगे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि देखिए ये मेरा इंट्रो है इलेक्ट्रॉनिक्स uh, कम्युनिकेशन में मैंने बीटेक टेक किया एनआईटी कैलिकट सदर्न इंडिया का वन ऑफ द टॉप एन और आठ से ज्यादा सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ काफी ज्यादा सिलेक्शन अभी तक मेन्स और एडवांस ने हुए हैं और पूरी आइटम्स की टीम आपको तो पता है कितने बच्चों को उन्होंने मदद करी है फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोक्रेटाइज करा एजुकेशन को और कोने कोने में जब मैसेज आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर कोई फाइनेंशियल हमारे पास कुछ नहीं था एड सिर्फ बाउंस बैग एकमात्र सहारा था हमने लास्ट ईयर देखी स्कूल के अलावा ये करा और सर अब मेरा आई आई धनबाद में हो गया अब मेरा आई दिल्ली में जा रहा हूँ आई uh, मद्रास में जा रहा हूँ तो ये जब सुनने को मिलता है तो बड़ी संतुष्टि होती है यही सबसे हमारा गिफ्ट है कि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्लेस हो जाए दैट्स ऑल वी तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा इसको साथ ही साथ कुछ बच्चे ऑलरेडी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी बैच क्योंकि उनको लगता है कि यूट्यूब तो खैर चल ही रहा है लेकिन पर्सनलाइज डाउट वगैरह और इसके लिए एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है टेस्ट देना है डीपीपीस करना है तो वो लोग बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो जिसको भी करना हो बस इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ू सीधे टॉपिक पे चलेंगे कई सारे बैचेस हैं नर्चर है इलेवेंथ के बच्चों के लिए है ना उसके बाद इवॉल्व बैच है ट्वेल्थ के लिए अचीवर टू पॉइंट ओ है ड्रॉपर के लिए तो सबके लिए बैचेस चल रहे हैं इनको एनरोल करते वक्त आप एक कोड डाल दीजिएगा कोड इज अभिलाष ये डालते ही आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी आपको जो भी दिक्कतें आएंगी आपकी प्रिपरेशन में मैं आपको उसको पर्सनली सॉल्व करने में मदद करूंगा चलिए तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो अनसेट है ये पंद्रह तारीख को होने जा रही है इसको भी कोड अभिलाष लगा के रजिस्टर कर लेना तो यहाँ से स्कॉलरशिप उठा सकते हो बड़ा अच्छा मौका है है ना तो ये भी अनसाइट के लिए रजिस्टर कर लें बढ़ते हैं तो ये कोड याद रखिएगा ताकि आपको मेंटरशिप भी मिल सके बढ़ते हैं अब टॉपिक की ओर यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है कि क्या बताऊं आपको बच्चे बोलता यूनिट डायमेंशन क्या पढ़ना पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं है पहला चैप्टर तो वेक्टर कैलकुलस है और उसकी भी इंपॉर्टेंस कितनी है आप जानते हो वेक्टर कैलकुलस के बगैर फिजिक्स में प्रवेश ही नहीं है चलिए लेकिन सर वेक्टर कैलकुलस से तो सवाल ही नहीं आते जेई में माना ऑल्दो आए हैं वैसे तो बट तो माना नहीं आते लेकिन इससे इससे गारंटेड मैं लिख देता हूं लोग बोलते हैं ना लिख के देते हैं हां लिख के दे रहे हैं लो गारंटेड गारंटेड 1 टू तो टू क्वेश्चंस तो तो इन बोथ ध्यान रखिए सिर्फ मेंस नहीं एडवांस में भी गारंटी लिख के दे रहे इन जे मेंस एंड एडवांस दोनों में इसके प्रश्न आता ही आता है एक से दो प्रश्न ठीक है तो आपको लिख के दे दिया है अब इससे ज्यादा आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या बताऊं इस चैप्टर की वरना गारंटी नहीं ली जा सकती फ्लूइड जैसा चैप्टर हम कह भी नहीं सकते कि एडवांस कुछ पूछ देगा उससे एक्सक्लूसिव या नहीं पूछेगा या जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है उससे आएगा ही नहीं आएगा हर साल ये भी कोई गारंटी नहीं है लेकिन इससे आएगा गारंटीड तो इसीलिए इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना और इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं वो सब हम देखेंगे ठीक है अब मैं आपको कंटेंट ऑफ लेक्चर बताता हूं ताकि क्लैरिटी रहे कि लास्ट तक क्या होगा नहीं तो बच्चे क्या है पहले से ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो वाला टॉपिक होगा कि नहीं उनके माइंड में एक टॉपिक रहता है जैसे मेरा तो सर वो वर्नियर कैलिपर वीक है मुझे समझ में नहीं आता स्क्रू गेज समझ में नहीं आता सर स्क्रू गेज समझ भी आ जाता लेकिन जब उसमें एरर के क्वेश्चन आते हैं ना तो वो समझ नहीं आता जीरो एरर वगैरह तो क्या ये सब कवर होगा बिल्कुल होगा बच्चों ये देखिए आज के कंटेंट द कंटेंट ऑफ द लेक्चर इज दिस कम से कम पांच छह पार्ट आज इस लेक्चर के हैं पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड जो कि जेई एडवांस का है ठीक है 21 का भी करेंगे 20 का भी करेंगे तो एडवांस प्लस मेंस दोनों बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट कुछ पुराने अच्छे कुछ अलग रेफरेंस ए क्वेश्चन सब करेंगे आज हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ ये वैसे आपको टॉपिक लगता है कि अरे ये क्या पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर इसमें तो बस दो चार रूल्स हैं देखिए ये डायरेक्टली इसका भले ही क्वेश्चन ना आए मेंस में तो खैर आता भी है लेकिन कई बार अप्रॉक्सिमेशन उसमें ये बहुत मैटर कर जाता है स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर में जब एड या सब्ट्रैक करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे प्रोपोगेट होते हैं ना दो नंबर मल्टीप्लाई करें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर थे आंसर में कितने होंगे ये कैसे पता चलता है वो भी आज हम सब डिस्कस करेंगे एरर तो अपने आप में एक खतरनाक चीज है जानते हैं लोग लेकिन इसको भी पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक लेके जाएंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज काफी लोगों का पेन पॉइंट 90 परसेंट ऑडियंस को ये दिक्कत होती है इसमें ये भी आज करेंगे एरर जब आता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में आ, जीरो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है सब करते हैं एड करते हैं इसमें बहुत दिक्कत आती है राइट और लास्ट में कुछ स्पेशल जेई एडवांस के प्रॉब्लम है स्पेशल का मतलब क्या सर देखो जेई एडवांस कई बार क्या करता है ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही लगता है आपने चाहिए सब पढ़ लिया हो लेकिन फिर भी आपसे हो सकता है वो ना बने ऐसे एटलीस्ट दो बार तो पूछा है जेई एडवांस ने क्वेश्चन वो दो जो स्पेशल टाइप के जिसमें कोई एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा आई क्यू लगेगा ज्यादा वो वाले भी आज हम देखेंगे तो सर इसका लेवल हम क्या एक्सपेक्ट करें क्या हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ सकते हैं बिल्कुल इस सीरीज की देखिए शुरुआत जो होगी वो बेसिक से होगी बेसिक से एकदम है ना जीरो लेवल से अप टू मेंस होते हुए वाया मेंस बेसिक वाया मेंस टू एडवांस ठीक है ये हमारा आज का लेक्चर का स्ट्रक्चर रहेगा जिससे क्या होगा पहली बार पढ़ने वाले को भी फायदा जो मेंस स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है उसको भी फायदा और जो अब एडवांस पढ़ना चाहता है कि मेरा तो टारगेट एडवांस है यहां तक मुझे आता है उसका भी फायदा तो सबके लिए सब कुछ है है ना बस अब आपको करना है तो क्या करना है मेहनत करनी है दैट्स ऑल ठीक है क्लियर है सब लोगों को लेक्चर लेंथ कितनी है वो सब देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता जब समझाने में फ्लो बनता है तो जो देखिए हमें भी नहीं मालूम पड़ता ठीक है क्यों हम नहीं थकते हैं छ सात सात घंटे पढ़ाने में क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे जाता है ऐसा लगता है जैसे हम तो माध्यम है कोई और ही आपको पढ़ा रहा है है ना सुपर नेचुरल पावर आपको पढ़ा रही है तो इसीलिए टाइमिंग का छोड़िए बस आप भी फुल कंसंट्रेशन से लग जाइए और देखिए आप बस आपको एकमात्र काम करना है मेहनत कर लेनी है हम आपके लिए सब कुछ लेके आए मैंने भी फुल मेहनत करी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए ठीक है तो आज आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ब्लैक स्लाइड्स लेके आइए आंखों में स्ट्रेस पड़ता है तो आपके लिए ब्लैक स्लाइड्स में आज होगा लेक्चर ये भी एक बहुत अच्छी बात है थोड़ा बहुत इसके कारण रिफ्लेक्शन होता है ब्लैक में एडजस्ट करिएगा बढ़ते हैं अब आगे ठीक है है लेट अस स्टार्ट चलिए वॉइस लो तो देखिए आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लें है ना सिस्टम का तो वॉइस सही आ जाएगी चलिए और थोड़ा बहुत जो गुरु साउंड है वो देखिए फैन की हवा के कारण होगा तो थोड़ा बहुत चलता है बढ़ते हैं आगे बच्चों अब मैं आपको कह रहा था मेहनत कर लो तो शुरुआत हो रही है लेक्चर की लेकिन आज के सुविचार के साथ आत्माराम तुकाराम भिड़े है ना तो बोर्ड पे जो सुविचार लिखते हैं आत्माराम भिड़े ऐसा एक सुविचार आप लोगों के लिए सारी टप्पू सेना के लिए कि देखो भाई छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना वही आपको कामयाबी दिलाते हैं छोटे प्रयास की प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा भी इस पत्थर को हम खसकाते तो पता नहीं पड़ता कि क्या कुछ हो भी रहा है कि नहीं लेकिन ये थोड़ा 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 जब जुड़ते जाता है तो आप देखते हो आप इसको ग्राउंड से लेके हाइट तक ले गए हो तो कई बार आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा वहां हार नहीं माननी है उन सारे प्रयासों को जोड़ते चले जाना है ठीक है ये छोटे छोटे प्रयास ही जो बच्चों आपके रहेंगे ना ये आपको टॉप तक ले जाएंगे तो प्लीज कभी भी डिप्रेस मत फील करिए अपनी प्रिपरेशन में बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मैंने तो कई लोगों ने तो कहेंगे कि मैंने ड्रॉप लिया है ड्रॉप ईयर भी लगता है वेस्ट हो रहा है कुछ लोग रेगुलर ट्वेल्थ है, है, बड़ी दिक्कत आ रही तो इन दिक्कतों से जब आप आगे बढ़ोगे ना थोड़ा थोड़ा प्रयास रोकना नहीं है रुक गए गए तो गये। चलते जाना है धीरे 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 देखा जाएगा बस करते जाओ मेहनत है ना रिजल्ट पे अभी ज्यादा मत ध्यान दो कुछ बच्चे अभी से ही बोलने लग जाते हैं इलेवंथ में आते हैं तो बोलते हैं सर आई बॉम्बे का सी अच्छा है कि आई आई का सी अच्छा है फिर चार पांच चैप्टर होते हैं इलेवंथ के फिर वही इलेवेंथ का बच्चा बोलता है सर धनबाद में माइनिंग कैसी है तो बोलते हैं बहुत अच्छी है बेटा तो ये इसीलिए होता है क्योंकि शुरुआत में हम कुछ सोच के रखते हैं फिर मेहनत नहीं करते मेहनत करोगे तो सब होगा ठीक है आईआईटी बॉम्बे दिल्ली सबके सीएस मिलेंगे लेकिन अभी से मत सोचो अभी मेहनत पे जानो शुरू करते हैं चलिए स्टार्ट हो रहा है लेट एस बिगिन तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आज का है फिजिकल क्वान्टिटीज है ना तो समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया आज के लेक्चर का हम शुरुआत तो करेंगे बेसिक वाया मेन अप टू एडवांस तो थोड़ी बेसिक से शुरुआत करते हैं फिर मेन्स एडवांस तक भी लेक्चर को उठाएंगे चलिए शुरुआत की जाए अब क्वांटिटी है क्या था देखो क्वांटिटी जो ये वर्ड है ना ये बना है क्वांट से क्वांट एक सब्जेक्ट भी होता है कैट की जो तैयारी करते हैं ना एमबीए आगे करने वाले होते हैं पहले तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं आईआईटी में सीट ले लेते हैं

तो क्वांटिटी का सीधा मतलब हो गया ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सको क्या मेजर कर सकते हैं हम लेंथ मेजर कर सकते हैं मास मेजर कर सकते हैं वेट है ना किसी की हाइट मेजर कर ली आपने बहुत सारी चीजें वॉल्यूम मेजर कर लिया तो जो भी चीजें मेजर की जा सकती हो वो तो क्वांटिटी होती है तो क्या ऐसी कोई चीजें जो मेजर नहीं की जा सकती है? बिल्कुल है ऑन द अदर हैंड कोई कितना गुस्सा है कोई कितना खुश है ये क्या कभी आप मेजर कर सकते हो क्या आपने कभी किसी को बोल के सुना है कि निकल जाए यहां से मुझे दो किलो गुस्सा आ रहा है दो किलो गुस्सा फेंक के मारूंगा है ना तो बहुत ज्यादा लगेगी तो गुस्सा और खुशी कभी भी किलो लेंथ मीटर इन सब में मेजर नहीं की जा सकती तो हैप्पीनेस और इमोशंस बेसिकली ये क्वांटिटीज नहीं है तो सिंपल सी आपकी परिभाषा है कि जो चीज मेजर की जाए क्वांटिटी जो मेजर नहीं कर सकते वो क्वांटिटी नहीं है सीधा अब क्वांटिटी को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड और एक पार्ट होता है यूनिट ये क्या सर बला है अभी समझते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं देखो अगर मैं आपके सामने लिख दू टू कोई सेंस है इस बात की है ना जिनको मीम आते हैं वो समझ गए होंगे कोई सेंस है इस बात की टू लिख दिया कोई सेंस नहीं है इस बात की है ना टू कुछ भी हो सकता है अभी दो लोग हो सकते हैं दो फीट का कोई चबूतरा हो सकता है है ना दो लीटर पानी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो दो का तो कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर अब मैं इसके आगे लिख दूं किलो अब सेंस है इस बात की हाँ, अब सेंस है सर इस बात की ये दो किलो मास रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने क्या समझा आपने समझा कि एक पार्ट तो है नंबर मैग्नीट्यूड और एक पार्ट है यूनिट जो कि किलोग्राम तो दोनों का होना जरूरी है क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिख दूं लीटर कोई कोई सेंस सेंस है है इस बात की। लीटर, कोई सेंस नहीं है इस बात बात की की लीटर नहीं क्या लीटर क्या कुछ भी हो सकता है तो यहां पर भी आपको एक नंबर आप ध्यान रखिएगा कि हर उसमें में, एक पार्ट तो आपका होता है जो कि मैग्नीट्यूड होता है ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड नंबर में है ना जो आगे लिखा हुआ नंबर होता है और एक पार्ट जो होता है आपका वो हो जाती है यूनिट तो इस तरीके से हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा बेसिक सी बात आगे बढ़ा जाए क्या क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं बिल्कुल होते हैं क्वांटिटी दो टाइप में डिफाइन की गई है दुनिया की हर प्रकार की क्वांटिटी दो टाइप में डिफाइन करी गई है एक फंडामेंटल और एक डिराइव इसको कैसे समझें सर चतुर्गी डेफिनेशन रट रट लेते हैं

अंग्रेजी में सिर्फ कितने लेटर होते हैं छप्पन छप्पन अल्फाबेट सॉरी सॉरी छब्बीस छप्पन नहीं तो कितने अल्फाबेट होते हैं भाई ट्वेंटी सिक्स पता है ना सबको ट्वेंटी सिक्स होते हैं जबकि हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं बावन लगभग फिफ्टी टू स्वर और अक्षर दोनों को मिला के बावन अल्फाबेट होते हैं इसमें अब क्या आप मानते हो कि ये जो लिखा हुआ है छब्बीस इंग्लिश के अल्फाबेट अगर ले लिए जाए तो दुनिया के जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं वो इन्हीं से मिलके बने क्या ये बात आपको समझ आई कोई भी शब्द आप लेके आ जाइए है ना चाहे फिर कोई बोल दे डेस्परेटिंग फरागो वगैरह वगैरह है ना एक्स्परेटिंग फरागो ऑफ लाइफ ऐसे ऐसे शब्द कोई ले आए फ्लेवर गास्टेड ले आए तो आप सर खुजारेगी क्या बोलना चाह रहे हैं कैसा भी कठिन शब्द आ जाए लेकिन बना तो इन्हीं छब्बीस से होगा इन 26 के अलावा नहीं स्पेशल 26 है ये ठीक है सिमिलरली हिंदी में कोई ले आए किम कर्तव्य विमूड है ना बड़े कठिन से कठिन प्रश्न आत्र त्राण ऐसे ऐसे शब्द कोई ले आए हर शब्द बना तो इन बावन वर्णमालाओं के अक्षरों से ही है तो हम कहते हैं कुछ बेसिस हैं जिनके कारण ही बाकी सारी चीजें बनी हैं। ये छब्बीस वर्ड जो है ये बेसिस है बाकी सारे वर्ड्स के लिए ये छब्बीस अल्फाबेट वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनका क्या मतलब होता है ये एक तरह से वर्णमाला है इन क्वांटिटीज को आप गिन लो ये वैसे सिर्फ सात होती हैं है ना दे आर आर ओनली ओनली सच फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर जैसे यहां छब्बीस अल्फाबेट है ना ऐसे फंडामेंटल सिर्फ सात हैं क्या है वो सात अभी आपको बताऊंगा और इन सात से मिलके ही दुनिया की सारी दूसरी क्वांटिटीज बनी है तो वो जो सारी दूसरी क्वांटिटीज है वो क्या हो गई वो डिराइव्ड हो गई तो समझ आई अब आपको रेंचो की भाषा है ना चतुर की तो डेफिनेशन हो गई लेकिन रेंचो की भाषा समझ आ गई कि कुछ ऐसे फंडामेंटल तो मतलब होता है अब चलिए डेफिनेशन भी आपको दिखा देते हैं दीज आर ओनली फ्यू मतलब यहां पर सेवन है सेवन सच क्वांटिटीज दीज आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट of all other quantity and they act, they act as basis ये दूसरे सारे क्वांटिटीज का बेसिस हैं इन्हीं से मिलके बाकी सारी क्वांटिटीज बनी है ठीक है समझ आया ये वर्ड होता है बेसिस का मतलब और डिराइव तो डिराइव वो जो कि आप फंडामेंटल को जोड़ के मल्टीप्लाई करके घटा के जो जो भी ऑपरेशन करके स्क्वायर करके फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही कुछ ना कुछ मिश्रण करो तो डिराइव बन जाती है ठीक है जैसे इन लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज करो आपने एन उठा लिया कहीं से एन उठा लिया ओ उठा लिया मिलके एक लेटर बन गया नो no, है ना फिर आपने के एन ओड्लू ये उठा लिया मिक्सचर कर लिया तो ये बन गया एक लेटर तो ऐसे मिक्स करके फंडामेंटल से जो बनता है वो होता है सिंपल चलिए अब आपको एग्जाम्पल देते हैं सर ये सात कौन सी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज ये रही पहली तो है लेंथ लेंथ अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास टाइम है ना तो नंबरिंग करते जाओ लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ठीक है अब ये इंटेंसिटी वगैरह भूल जाओ नहीं तो कंफ्यूज होगी कि सर ये इंटेंसिटी वगैरह क्या है सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है current, तो चौथा इलेक्ट्रिक करंट पांचवा टेम्परेचर ठीक है तो टेम्परेचर एक है क्वांटिटी ऑफ मैटर और सातवा लूमिनस इंटेंसिटी ठीक है ये सात ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको अगर बढ़ाया घटाया जाए तो क्या होगा बाकी सारी क्वांटिटीज बन सकती है ठीक है क्लियर है सबको चलिए आ गया समझ में तो ये चीज होती है फंडामेंटल हां कुछ लोग कह रहे हैं सर वर्ड नहीं लेटर होता है लेटर नहीं वर्ड होता है ठीक है ग्रामर नाची रेंचो की एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है ना उसमें वर्ड्स और इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती भावनाओं को समझिए समझ आ गया है ना कि जिनको मिला के बाकी सब बनते हैं वही होती है तो इन्हीं को जोड़ो घटाओ बढ़ाओ और देखो बाकी सब बनेगा अब आपको दिखा देते हैं जैसे आपने कहा कि सर मुझे एक काम करो एक्सलरेशन बना के दिखाओ इनसे चलिए एक्सेलरेशन अभी आपके लिए बना देते हैं एक्सेलरेशन मेरे भाई बताइए होता क्या है तो आप बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बिल्कुल सही कहा अब वेलोसिटी क्या होती है तो वेलोसिटी तो सर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम नीचे क्या है नीचे फिर से टाइम है अच्छा डिस्टेंस क्या होती है तो डिस्टेंस तो सर लेंथ होती है और नीचे क्या आ गया टाइम स्क्वायर तो आपने देखा एक्सेलरेशन भी ले दे के फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बना हुआ है तो ये बात आई समझ में सबको क्लैरिटी मिली तो ये होता है डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफरेंस है ना सबको क्लैरिटी मिल गई होगी एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड ठीक है चलिए कोई कह रहा है वीडियो क्वालिटी नॉट गुड अरे ओम आपको है ना उसमें सिलेक्ट करना होता है वो ऑटो पे डला होगा तो आप उसमें सिलेक्ट करिए 720 पिक्सल 480 पिक्सल 1080 पिक्सल तो उससे चेंज होगा है ना चलिए जैसे वो होता है ना कोई मिल गया मैं माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा उतार के अब मुझे सब दिखाई दे रहा है तो चश्मे में गड़बड़ होती है हम सामने वाली चीज को गलत ना कहें तो खैर आ जाइए अब इसके ऊपर तो सात फंडामेंटल क्वांटिटी इनको समझा भी देता हूं लेंथ सबको पता है मास सबको पता है टाइम भी सबको पता है करंट अब एक बात सुन लीजिए सर करंट को फंडामेंटल क्यों बोला क्या करंट चार्ज से नहीं बना है करंट तो बेसिकली होता है चार्ज पर यूनिट टाइम तो सर ये तो डेफिनेशन गलत हो गई क्या लगता है आपको डेफिनेशन गलत हो गई ना क्योंकि फंडामेंटल में आपने लिखवाया विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी सर करंट तो डिपेंड करता है करंट डिपेंड करता है चार्ज पर यूनिट टाइम पे तो फिर इसको फंडामेंटल क्यों बोला देखिए बात आपकी सही है लेकिन फंडामेंटल उन्हीं को चुना जाता है जो मेजर भी किया जा सके बताइए चार्ज को क्या आप मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते एकदम परफेक्टली आप नहीं बता सकते कि कितना चार्ज है या कर भी सकते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो करंट को इसीलिए बोला ध्यान दीजिएगा करंट को इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटी बोला है बच्चों बिकॉज इट इज इजी टू मेजर ठीक है ये क्या है इट इज इजी टू मेजर है इसीलिए इसको बोला है तो अब से चार्ज को आप फंडामेंटल मत समझना चार्ज को आप करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना ठीक है अब हम चार्ज को क्या लिखेंगे बताइए तो अगर करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है तो अब से हम चार्ज को करंट इनटू टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है क्यू इक्वल्स आई टी ये याद रखिएगा है ना तो प्लीज इसमें कभी भी कंफ्यूज आगे चल के मत होइएगा अब इनके सिंबल भी देखो यहां पर बने हुए हैं ये क्या है ये इनके सिंबल हैं सिंबल कई बार बदलते भी हैं कैसे बदल जाते हैं जैसे मास का तो एम रहता है है ना सॉरी लेंथ का तो एल हो जाता है सिंबल देखा जाए तो एक एल हो सकता है मास में एम फिर बताइए टाइम का क्या हो सकता है टाइम का हो जाएगा टी ये बेसिकली ये तो इसके कहना चाहिए कि यूनिट्स के सिंबल हैं क्वांटिटी का सिंबल अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आय से होता है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक तो के से करते हैं बिल्कुल टी से मत कर देना देखो टी ऑलरेडी टाइम है तो टी को टेम्परेचर मत ले लेना तो टेम्परेचर को या तो के और कुछ लोग थीटा से भी लिखते हैं ठीक है थीके? थीटा या के दोनों चलता है क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर को कई बार लोग एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल है ना कि कितने एटम्स हैं एक सिस्टम में वो नंबर ऑफ मोल एन से भी रिप्रेजेंट हो जाता है अच्छा लूमिनस इंटेंसिटी तो लूमिनस इंटेंसिटी का देखिए यूज यूज तो वैसे आप देखोगे नहीं किसी भी प्रॉब्लम में आप पाओगे नहीं बट कई बार इंटेंसिटी को एस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एस रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी सर ये होता है, क्या है लूमिनस इंटेंसिटी क्योंकि टेम्परेचर हमें पता है हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर भी केमिस्ट्री पढ़ी है एवेगेड्रो नंबर पता है ये लूमिनस इंटेंसिटी क्या है देखो इंटेंसिटी बताती है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है है ना कितना प्रकाश उसमें से निकल रहा है ये लूमिनस इंटेंसिटी बताती है ये जनरली ज्यादा यूज होती है एस्ट्रोनॉमी uh, में एस्ट्रोनॉमी में जो बताया जाता है कि भाई वो प्लानट कितनी लाइट एमिट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे है वहां से कितना सन uh, कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है वो सब लूमिनस इंटेंसिटी तो ये एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज है ठीक है ठीक है सर इलेवेंथ क्लास पूरा पढ़ाओगे बिल्कुल पढ़ाएंगे यहां हर बच्चा पढ़ सकता है चाहे में पहली बार पढ़ रहा हो ट्वेल्थ वाला बच्चा हो जो रिवाइज कर रहा हो या ड्रॉपर हो सब पढ़ेंगे इसमें क्योंकि बेसिक वाया मेंस अप टू एडवांस ये आज के लेक्चर का प्लान है चलो बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल क्लियर हो गया डिराइव क्लियर हो गया बढ़ते जाते हैं आगे अब आते हैं यूनिट्स पे तो ये पहले कुछ बड़ी बेसिक बातें चल रही हैं चैप्टर ही बड़ा बेसिक है तो क्या करें आगे लेकिन एडवांस के सवाल भी आएंगे तो तैयारी रखिएगा ठीक है चलो तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स यूनिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी तो क्या यूनिट्स क्या भेदभाव करती है कि फंडामेंटल होगा तो ही मैं लगूंगी उसके आगे डिराइव क्वांटिटी है तो मैं नहीं लगूंगी ऐसा यूनिट्स करती है क्या नहीं करती ना जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है वो सबके लिए होता है चाहे आप बोल दो कि लेंथ तो आप बोलोगे भाई लेंथ रिप्रेजेंट कर दो टू मीटर्स ये आ गई सिस्टम ऑफ यूनिट टू मीटर लेकिन आप देखते हो कई बार इस मीटर को आप दूसरे टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यही टू मीटर क्या बन सकता है यही टू मीटर बन सकता है टू हंड्रेड सेंटीमीटर है ना ऐसे ही मास मास के लिए भी यूनिट्स होती हैं सर आपने फोर किलोग्राम लिख दिया वही चार हजार ग्राम हो गया तो ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं अब ये तो सर फंडामेंटल थे क्या डिराइव्ड के लिए नहीं होती यूनिट्स बिल्कुल होती है क्वांटिटीज की यूनिट होती है देख लीजिए स्पीड अब स्पीड को हम लिख सकते हैं देखिए 18 किलोमीटर पर आर और यही 18 किलोमीटर पर आर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ये लीजिए तो यूनिट सबकी होती है यूनिट्स कोई भेदभाव नहीं करती ये बोथ के लिए होती है लिखा ना बोथ फंडामेंटल के लिए भी और डिराइव के लिए भी अब इनके कुछ अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं तीन मेजर यूनिट्स ऑफ सिस्टम है जो आपको पढ़ने मेंस में थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इसलिए नाम ध्यान रखो है ना अंडर एस्टिमेट मत करो टॉपिक को ये नाम बड़े जरूरी है याद रखना चलिए देखते हैं पहला होता है सिस्टम का मतलब जिसको हम कहते हैं सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बेसिकली तीन चीजों को यहां पर हिसाब से ये नाम दिए जाते हैं तीन चीजें क्या है टाइम लेंथ मास टाइम इस ऑर्डर में देखा जाता है देखो लेंथ इसमें क्या है सेंटीमीटर में मास इसमें क्या है ग्राम्स में टाइम क्या है सेकंड्स में तो ये कहलाता है सी ठीक है जैसे यहाँ पर था ये सी है सेंटीमीटर में था फिर जॉर्जी सिस्टम एम है ना एम में फिर क्या मतलब है तो एम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स तो लेंथ मीटर में होगी मास किलोग्राम में होगा टाइम सेकेंड्स में होगा तो बेसिकली इसी एम के एस को एक तरीके से एस आई यूनिट भी कहा जाता है जो एस SI आई आपने पढ़ा होगा ना कि एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है तो वो एस आई सिस्टम यही होता है एम के एस को ठीक है को. तो याद रखिएगा फिर कुछ ऐसे देश हैं जो अलग ही सिस्टम में चलते हैं है ना वहां पर टेम्परेचर वो लोग डिग्री फेरन में, में मेजर करते हैं ठीक है वहां पर गाड़ी की स्पीड माइल्स पर आर में, में मेजर की जाती है वहां पर वेट जो होता है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है और इतना सब सुन के आप समझ गए हो कि वो कौन सा देश है जो ये करता है ठीक है तो काफी लोग मजाक भी इसका बनाते हैं कि एक देश ने अपना अलग ही दुनिया बना रखी है ठीक है तो उनको पूछा जाए कि कहाँ आप जाना चाहते हो तो वो अपने देश में ही कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं उनके लिए बाहर की दुनिया है ही नहीं अब वो देश कौन सा है आप समझ गए होंगे है ना मुरिका यस yes, मुरिका इज द कंट्री तो काफी लोग इसको एक नए नाम से भी बोलते हैं इसको बोलते हैं रिटार्डेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये काफी इस तरीके से भी बोला जाता है तो आपने सुना भी होगा जो लोग डब्ल्यू देखते होंगे कि अंडरटेकर की एंट्री या केन की एंट्री होती थी तो क्या बोलते थे कि ही सिक्स फीट टॉल एंड weighing ओवर टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड पाउंड ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया द अंडरटेकर है ना ऐसे अनाउंसमेंट <laughs> तो वहां पर पाउंड्स में वेट कहा जाता है तो ये मुरिकन सिस्टम है एक तरीके से अब ये देखिए इसका यहाँ पर टेबल में आपके सामने लिख दिया है ये जो मुरिका का सिस्टम है इसको एफ बोलते हैं मुरिका बेसिकली एक टर्म है कहने के लिए अमेरिका तो एफ पी एस, फुट पाउंड ये होता है आपका एफ पी एस सिस्टम यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो फुट में मेजर करते हैं वजन पाउंड में होता है और टाइम सेकेंड में होता है एफ पी एस ठीक है सी जी एस अभी हमने देखा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड्स तो देखिए टाइम में तो दोनों तीनों ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टाइम के लिए एक ही यूनिट मानते हैं इज चलिए अब बढ़ते हैं आगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती देर आर सम क्वांटिटीज विच हैव नो यूनिट कौन सी ऐसी क्वांटिटीज रेशो वाली क्वांटिटीज ठीक है ऐसी क्वांटिटीज जो रेशो होती हैं उनकी कोई यूनिट्स नहीं होती सर क्या एग्जाम्पल है रेशो क्वांटिटीज का जैसे देखो रिलेटिव डेंसिटी आपने सुना ही नहीं रिलेटिव डेंसिटी जैसे मर्क्यूरी कैसे निकालते हैं ये जो रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा है तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए मर्क्यूरी की डेंसिटी लेते हैं और उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं है ना लिखा ना डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर तो कितनी आती है इसकी तो ये देखो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू थ्री होती है और वाटर खुद टेन रेस टू थ्री होता है अब यूनिट्स यूनिट्स कैंसिल हो गई तो ये सिर्फ है, है no ना स्ट्रेन आगे आप पढ़ेंगे जो इलेवेंथ में अभी शुरुआत कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ चुके हैं वो तो जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ये होता है स्ट्रेन ठीक है तो ये सब यूनिटलेस क्वांटिटी होती है लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो है तो रेशो ही लेकिन फिर भी उनकी यूनिट है तो फिजिक्स में एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है और ये इसका श्रेय मैथमेटिशियंस को देना चाहिए फिजिक्स वालों को मत दो तो। क्योंकि ये बेसिकली मैथ्स का है हमारा नहीं है और ये है एंगल तो एंगल इज एन एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी जो कि है तो रेशो ही लेकिन फिर भी क्या है फिर भी वो है यूनिट के साथ आता है यूनिट लेस नहीं होता देखो एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं अगर एक आर्क हो आपसे बोल दिया जाए ये आर्क है इसका एंगल थीटा इसकी लेंथ एल इसका रेडियस आर तो बताइए एंगल को डिफाइन कैसे करोगे तो आप बचपन से लिखते आ रहे हो लेंथ अपॉन रेडियस अब आप ध्यान से देखिए कि लेंथ भी हो गई मीटर में आर्क की और नीचे रेडियस भी हो गया मीटर में तो वैसे तो मीटर मीटर कैंसिल कर गए लेकिन फिर भी एंगल की जो है वो यूनिट होती है क्या रहती है या तो डिग्री बोलते हैं या रेडियन बोलते हैं थ्री डी एंगल भी आता है आगे चल के आप देखोगे एक थ्री डी एंगल भी होता है थ्री डी एंगल कैसे होता है जैसे मान लो ये एक सरफेस है अब ये सरफेस भी एंगल बना सकती है यहां तो आर्क था थ्री डी में भी एंगल आ जाते हैं जैसे ये ये सरफेस कितना एंगल बना रही है इधर यहां पर ये कौन का एपेक्स एंगल समझ लो है ना ये वाला इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं सॉलिड एंगल तो यहां पर होता है सॉलिड एंगल इसकी भी यूनिट होती है ऑल दो है तो सॉलिड एंगल भी डायमेंशन आप लोग जानते ही हैं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा चुका हूं ट्वेल्थ वालों को वो जानते हैं ड्रॉपर्स भी जानते हैं तो सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर सॉलिड एंगल देखता है कि इसका एरिया कितना है सरफेस का आ, इसका एरिया निकाल लो और फिर क्या करते हैं फिर रेडियस का स्क्वायर ये जो डिस्टेंस होती है, इस तक की, आर, वो देखी जाती है तो इसकी एंगल की यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन स्टेरेडियन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इस वाले एंगल को इस वाले को डिग्री और रेडियन में तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं सॉलिड एंगल चिंता ना करें आप ट्वेल्थ में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा सॉलिड एंगल वरना प्लस का जो बैच चल रहा है वहां पर भी मैं पढ़ा चुका हूं इसको ठीक है तो इजीली आप पढ़ सकते हैं अच्छा बाय द वे अभी मुझे याद आया कि काफी लोग बाद में बोलेंगे कि सर नोट्स कहाँ हैं नोट्स कहाँ है, बाद में पूछते रहते हैं तो आपको पहले ही बता दूं कि नोट्स कहाँ तो नोट्स देखिए इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे ये मेरा टेलीग्राम है टी डॉट मी अभिलाष शर्मा आई आई टी जे ठीक है तो स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा और इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितने भी बाउंस बैक के नोट्स हैं वो आपको तुरंत हाथों हाथ इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कुछ अपडेट्स होंगी तो वो भी आपको मिलती रहेंगी ये टेलीग्राम भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं आगे तो देखो रेशो वाली क्वान्टिटीज डायमेंशन लेस होती है लेकिन क्या सारी रेशो वाली डायमेंशन लेस होती है नहीं अब स्पीड भी तो रेशो वाली है स्पीड है लेंथ अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकिन वो तो डायमेंशन लेस नहीं है देखो रेशो से मतलब सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज का रेशो जैसे ये भी लेंथ थी ये भी लेंथ थी यहां पर भी आप देखो ये डेंसिटी थी ये डेंसिटी थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो ऐसा नहीं रेश, रेशो ऑफ एनीथिंग रेशो ऑफ टू सिमिलर ये सिमिलर वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना तो हर रेशो वाली क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं है बस जो सिमिलर का रेशो है उनकी बात चल रही है ठीक है चलिए अब देखिए बढ़ते हैं आगे निकालिए पहला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल है आपके सामने बड़ा बेसिक तरीका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट निकालनी कैसे निकालें बताइए तो सर आसान है फोर्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट यही अपियर होता है आर यहां पर डिस्टेंस होता है एम मास होता है फोर्स है तो सर बाकियों की यूनिट लिख दो ऐसा यूनिट हम तो जानती हैं बाकियों की फोर्स की न्यूटन होती है जी की हमें निकालनी है मास किलोग्राम किलोग्राम और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर है ना तो जी की ऐसा यूनिट देखिए निकल गई कितनी आ रही है जी की ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर ऊपर गया नीचे किलोग्राम स्क्वायर आ गया ये लो आगे आंसर तो किसी भी आप अनोन कांस्टेंट की भी यूनिट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी बस आप तो फॉर्मूला लिख लेना उसमें जो भी अन हो उसकी यूनिट निकल जाएगी बाकी सबकी यूनिट रख देना ठीक है सिंपल इज दैट अब देखिए ये क्वेश्चन एक आया एक्सप्रेस यूनिट ऑफ एनर्जी एसआई यूनिट एनर्जी की क्या है जूल्स है राइट right? बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसको एसआई यूनिट ऑफ मास लेंथ और टाइम में लिखो जूल बताइए मास लेंथ और टाइम में कितना होता है तो चलिए करते हैं इसको एक जूल तो सर जूल मतलब तो एनर्जी है ना एनर्जी होती क्या है एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का कोई फॉर्मूला लगा लेते हैं एनर्जी का कोई फॉर्मूला मिल जाए तो आसानी से निकाल देंगे तो एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाफ एम बी काइनेटिक एनर्जी भी होती है तो एनर्जी का एक फॉर्मूला मैं देखो लिख लेता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर अब देखो ये नंबर जो होते हैं नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती या हाफ है या आगे टू लगाओ थ्री लगाओ इनकी कोई नहीं है इनकी है अब इनकी इनकी अब लिख देते हैं मास की तो हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी की क्या हो गई पर सेकंड क्योंकि ही बोला है ना तो मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा ये लो आगे आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये होता है जूल ठीक है नहीं काफी लोग यहां पर कर रहे हैं एम एल टी माइनस टू मैंने डायमेंशन नहीं पूछे आप डिफरेंस समझिए ये डायमेंशन नहीं है ये क्या है ये यूनिट है डायमेंशन अलग चीज होती है तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए एनर्जी इज 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 डिफरेंट 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 आई मीन यूनिट चैप्टर का नाम ही ना यूनिट डायमेंशन और फिर मेजरमेंट अलग आएगा आगे <laughs> चलिए अब आ गए डायमेंशन नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर खैर ये शैतान नहीं ये अच्छा यार काफी बार तो ये पता है आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करता है मेंस में चार ऑप्शंस हैं उसमें आप कुछ तो डायमेंशन देख के ही एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो ये वाली बात होती है होगा, हाँ, हाँ, कर दो जी। नाराज नहीं होते जी सेकेंड स्क्त डायमेंशन लेस क्वान्टिटीजन अब डायमेंशन होते क्या है सर अब काफी लोगों को फिर से गलती होती है ये एम एल और टी जो हम लिखते हैं ये डायमेंशन होते हैं बिल्कुल नहीं गलत हो जाएगा एम एल और टी डायमेंशन नहीं होते तो क्या होते हैं डायमेंशन एम एल और टी में चढ़ी हुई पावर्स तो जैसे कई बार आप देखते हो ना ऐसा लिखा होता है किताबों में भी एम एल टी माइनस टू तो लोग क्या समझते हैं एम एल टी माइनस टू डायमेंशन है नहीं पावर्स डायमेंशन है तो जैसे मास की पावर वन लेंथ की पावर वन टाइम की पावर माइनस टू ये जो पावर्स हैं ये डायमेंशन कहलाते हैं ठीक है तो ये चीज पहले समझिएगा अब होता है क्या डायमेंशन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको बता दूं सी फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि कैसे डायमेंशन निकाले जाते हैं तो डायमेंशन आपको यह बताता है कि जो डिराइव क्वांटिटी है जैसे एक लेटर है तो लेटर में कोई भी आप लेटर ले लो ठीक है चलिए मेरा नाम ही लिख देते हैं ना यह लिख दिया नाम अब इस लेटर में हम ये पता लगा सकते हैं कि, कि कितने वर्ड्स कितनी बार यूज हुए हैं जैसे मैं देखूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ये लेटर्स होती हैं है ना इस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं कितने लेटर्स हैं तो ए दो बार आया है है ना तो मैं कह दूंगा कि ए का डायमेंशन दो है दो बार आया है बी का डायमेंशन वन है एच का डायमेंशन भी टू है आई का डायमेंशन वन एल का डायमेंशन वन एस का डायमेंशन वन तो कितनी बार एक क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है ठीक है उसको कहते हैं डायमेंशन समझ आया इट्स लाइक काउंटिंग सो व्हेन अ डिराइव क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देन हाउ मच पावर द फंडामेंटल विल बी हैविंग इस डायमेंशन ठीक है तो अब एग्जाम्पल लेते हैं जैसे स्पीड अब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमें डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना है अब डिस्टेंस तो लेंथ तो है ही फंडामेंटल टाइम टाइम भी फंडामेंटल अब यहां पर एक और चीज है आप जब भी एक्सप्रेस करो उसको न्यूमरेटर में ले आओ ठीक है हर चीज को न्यूमरेटर में लिखना है नीचे कुछ भी नहीं लिखना है तो ऊपर लाओगे तो माइनस वन हो जाएगा है ना एल टी माइनस वन तो अब आप क्या बोलोगे स्पीड के डायमेंशन क्या है तो डायमेंशन देखो आप ऐसे लिखोगे इसके तो देखो जो लोग स्कूल एग्जाम देने जाएंगे इलेवेंथ के बच्चे उनको बता दूं कि गलती हो जाएगी अगर आप सिर्फ यहां छोड़ के आ गए आपके स्कूल टीचर नंबर काट लेंगे वो बोलेंगे डायमेंशन तो तुमने लिखे नहीं आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डायमेंशन इज वन इन लेंथ पावर कितनी है देखो वन वन इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम टाइम में कितने माइनस वन डायमेंशन और लेंथ में कितने वन डायमेंशन तो ये डायमेंशन है ये जो नंबर ये जो पावर्स आ रही हैं ये डायमेंशन है याद रखिएगा ठीक है, है सर यहां तो सीधा सीधा फंडामेंटल था कोई और बताओ चलो फोर्स ले लेते हैं है ना फोर्स का शायद यहां पूछा भी गया अगले पेज पे कि फोर्स के डायमेंशन बताओ हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आ गया फोर्स के डायमेंशन बताओ तो देखो भाई फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं पहले फॉर्मूला लिखो मास इन मास तो फंडामेंटल है क्या एक्सलेशन फंडामेंटल है नहीं तो सबसे पहले तो आप एक्सलरेशन को फंडामेंटल में कन्वर्ट करो क्योंकि कंडीशन क्या है देखो डिराइव क्वांटिटी इज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल सबसे पहले फंडामेंटल के फॉर्म में लेके आओ तो अभी तो फंडामेंटल तो नहीं है तो चलिए लेके आते हैं एक्सेलरेशन uh, को लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं ये नहीं है तो इसको फिर से फंडामेंटल में लिखो तो वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस लेंथ होती है तो यहां से देखिए क्या बना यहां से बना एम एल अपॉन टी है अब इसको कैपिटल में लिखना होता है है ना हमेशा ये जो लेटर्स होते हैं कैपिटल में लिखे जाते हैं अब मैं इसको कैपिटल में लिख दूंगा कि फोर्स मेरे पास डायमेंशन आ चुके हैं मास की पावर तो वन दिख रही है लेंथ भी ऊपर दिख रही है और टी ऊपर आएगा तो माइनस टू कर लेगा तो क्या हो गए? Mass, तो किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो उसको फंडामेंटल के फॉर्म में लेके आते जाओ जब तक नहीं आता कन्वर्ट करते रहो करते रहो उसके तह तक पहुंचो रूट तक जाओ जब रूट्स आ गई तो डायमेंशनल वे में लिख दो ठीक है आ गया समझ में अब एक बार जब एक चीज आ जाती है ना तो दूसरी अपने आप आ जाती है अब दूसरी से क्या मतलब अब फोर्स आ गया तो देखना बाकी सब कितना आसान होगा जैसे अब आपके सामने आ गया एनर्जी निकाल दो चलो तो एनर्जी आसान है अब आप बोलोगे यार एनर्जी का सिंपल सा सर, सर लॉजिक है एनर्जी हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि एनर्जी वर्क होती है और वर्क जो होता है वो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है और सर फोर्स हमने पहले ही निकाल दिया तो कितना आसान हो गया है ना तो एक के मदद से दूसरे बहुत निकल जाते हैं अब फोर्स को आप रख दो एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस लेंथ होती है तो बताओ एनर्जी के क्या डायमेंशन आ गए तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो आप किसी एक नॉन क्वांटिटी के डायमेंशन यूज कर सकते हो दूसरी क्वांटिटी के निकालने के लिए जल्दी से उसका क्या होता है आंसर आ जाता है ठीक है क्लियर हुआ तो ये आसान तरीका होता है इसको करने का ठीक है चलिए अब और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ू उससे पहले आपको जो सिंबल होते हैं डायमेंशन के वो बता दूं लेंथ आएगा तो एल से करना मास को एम से रिप्रेजेंट करना टाइम को टी से करंट को हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है टेम्परेचर जो होता है उसको कई बार थीटा से और कई बार के से के भी चलता है कई बार वो दिख नहीं रहा है कलर में आपको दूसरे से यहां लिख देता हूं ठीक है तो कई बार इसको के से भी करते हैं टेम्परेचर को ठीक है नंबर ऑफ मोल्स एन होता है और लुमिनस इंटेंसिटी जे या कई बार एस से एस से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इनके डायमेंशनल सिंबल हो गए ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे कुछ बातें समझिए अब चाहे क्वांटिटी हाइट हो विथ हो रेडियस हो डिस्प्लेसमेंट हो सबके डायमेंशन एल ही तो कहलाएंगे ना ये मत सोचिएगा कि रेडियस है तो आर लिख दू ये मत सोचिएगा विथ्थ है तो डब्ल्यू लिख दू नहीं लेंथ मतलब लेंथ चाहे फिर वो कोई सी भी लेंथ हो चाहे वो विथ्थ हो हाइट हो सब वो लेंथ ही होंगे और जो नंबर होते हैं नंबर आर डायमेंशन लेस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है चाहे नेगेटिव नंबर हो जीरो हो रेशो हो ज डायमेंशन लेस ठीक है तो नंबर डायमेंशन लेस होते हैं तो चाहे आपके सामने टू एल लिख दिया जाए तो टू एल के भी डायमेंशन बताओ कितने होंगे तो टू एल के डायमेंशन भी आप एल लिखना ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ को दोगुना कर देने से क्या वो टाइम में बदल जाएगी क्या नहीं दोगुनी लेंथ कर दी तो भी तो वो लेंथ ही रहेगी और सिमिलरली एक और बात याद रखना कि अगर आपके सामने एक वॉल्यूम निकाला वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बना था दो वॉल्यूम को जोड़ के V1 वन प्लस वी तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि इस वॉल्यूम का डायमेंशन भी लिखा एल क्यूब इस वॉल्यूम का डायमेंशन भी लिखा एल फाइनल आंसर बोलते हैं इसका डायमेंशन होगा टू एल क्यूब गलत है डायमेंशन ऐड नहीं होते मैंने आपको कहा ना दोगुनी लेंथ करने से वो लेंथ ही रहेगी दो वॉल्यूम को जोड़ोगे तो भी वो वॉल्यूम ही रहेगा है ना तो फाइनली वी के डायमेंशन भी आप यहां क्या लिखोगे ंग टू से यहां पर v का डायमेंशन भी कितना लेना चाहिए हमें इधर v का डायमेंशन भी होगा आपका एल क्यू भी ठीक है बिकॉज दो वॉल्यूम को जोड़ के भी वॉल्यूम ही बनता है कुछ और नहीं बनता ठीक है तो ये ये गलती मत कर देना ये डायमेंशन को एड कर देने की नहीं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा चलो अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर 2022 का पहला पीवाई क्यू आज की, की क्लास का सब लोग पहले मैं इसको हटा देता हूँ पहले आप निकालो अपनी नोटबुक टेबल चेयर पे बैठ जाओ है ना क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं अभी अभी भी मैं बता रहा हूँ अभी भी ऐसे पलंग पे लेटे होंगे एक हाथ ऐसे मोबाइल यूं रखा है तकिया पीछे लगा है चदर ओढ़ी हुई है बाहर बारिश हो रही है इधर पकोड़े रखे हुए हैं भजिए रखे हुए हैं भजिए खाए जा रहे हैं देखे जा रहे हैं हाँ 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 मास्टर जी डायमेंशन पढ़ा रहे हैं हाँ मास्टर जी ने अभी पी करवाया तो देखिए ये ऐसे पढ़ोगे तो सरस्वती जी फिर आशीर्वाद नहीं देती है ना सरस्वती आशीर्वाद देती है जब पढ़ाई को एक पूजा की तरह आप लोग ठीक है तो आपको क्या करना है जब भी पढ़ाई करो नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो जाओ ठीक है टेबल चेयर हो टेबल चेयर नहीं हो तो कम से कम एक छोटी सी स्टूल हो है ना वो रखो आगे नोटबुक खोलो प्रॉपर मोबाइल को कहीं पर सेट कर दो अगर उस पर देख रहे हो तो लैपटॉप पे देख रहे हो तो उसको सेट कर दो ठीक है और फिर प्रॉपरली एज ए क्लास रूम एनवायरमेंट करो नहीं तो होता है क्या ये लोग ऐसे देख रहे होते हैं फिर डायमेंशन चल रहा है डायमेंशन चल रहा है नींद लग गई जब आंख खुली तो वर्नियर कैली पर आ गया और टाइम ट्रेवल कैसे हो गया तो मेरे भाई टाइम ट्रेवल नहीं होगा तुमने तो स्लीप ट्रेवल कर लिया कहा डायमेंशन था कहा वर्नियर कैली पर चार घंटे बाद ठीक है तो ऐसे काम नहीं करना ठीक है टेबल चेयर पर बैठ के पढ़िए तो ठीक है अब चलते हैं पहला सवाल आ रहा है टेबल चेयर पे बैठ जाओ आराम से ये रहा पहला सवाल ऐसा यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी पास्कल अल डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस क्वांटिटी विल बी इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एक है कोई अननोन है बस उसकी यूनिट दे दिया हमें ठीक है मैं, तो कुछ अननोन क्वांटिटी उसको एक्स कह देते हैं एक्स के डायमेंशन क्या है भाई लोगों एक्स के डायमेंशन दिए हैं पास पास्कल्स इनटू सेकंड्स कि कई बार मैं पास्कल पढ़ता हूं, मेरे को बड़ा हंसी आती है मतलब कोई अपने बच्चे का नाम पास्कल क्यों रखेगा किसी भी शरारती तत्व को बस एक चीज करने की जरूरत है ये पी में एक डंडी लगा दो और रजनीकांत भी खुश हो जाएगा जैसे ही पी में आपने एक डंडी लगाई चलो पी में डंडी लग गई दैट्स इट ओवर तो अपने बच्चे का नाम कभी भी पास्कल मत रख देना ठीक है री इंपॉर्टेंट तो अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वान्टिटी है जिसका यूनिट है पासकल इन टू सेकेंड्स ठीक है तो बताइए इसका क्या डायमेंशन होंगे हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा आसान है पासकल किसका होता है तो हमने याद किया कि सर पासकल्स तो प्रेशर होता है और सेकेंड्स सेकेंड तो सर टाइम होता है तो एक्स जो क्वान्टिटी है वो प्रेशर इंटू टाइम है अच्छा जी अब प्रेशर क्या होता है सर प्रेशर तो हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया हाँ बिल्कुल सही कहा आपने प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब फोर्स क्या है तो फोर्स हमने डायमेंशन निकाले हैं, देखो फोर्स के डायमेंशन जी फोर्स के डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू तो फोर्स के डायमेंशन रख देते हैं एम एल टी माइनस टू अच्छा एरिया का डायमेंशन सर एरिया और क्या हो सकता है पाई आर स्क्वायर तो रेडियस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ तो वो भी लेंथ का स्क्वायर ही हुआ तो नीचे एरिया जो होगा वो लेंथ स्क्वायर होगा टाइम टाइम का तो टी है सर ये लीजिए तो फाइनल आंसर देखो क्या बन रहा है ये एक एल ऊपर आएगा सबको तो हमें ऊपर लिखना पड़ता है तो एम एल माइनस इसने इसको टी माइनस लो जी ये आ गया आपके एक्स के डायमेंशन तो कौन सा ऑप्शन है जी ए ऑप्शन सही हो गया ठीक है तो आसान था और इस साल का 2022 का पीवाई के सोचो और कुछ लोग हैरानी की बात है इसको भी गलत कराए कितनी बुरी बात होती होगी सोचिए जब इतना आसान प्रश्न एज अ टीचर हमें कितना दुख होता होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन गलत कराए ये तो पक्का करके आना था क्यों गलती हो जाती है क्योंकि अभी एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना तो पूरा फुल फोकस होता है लेकिन जब एग्जाम देने गए होते हैं तो दो साल का सिलेबस आपके माइंड में दो साल का सिलेबस दो मिनट है क्वेश्चन को पढ़ना है आइडेंटिफाई भी करना है कि इसमें क्या पूछा गया है वो दो साल का जो डेटा है उसमें से सॉर्ट आउट करके निकालना कि अच्छा ये डायमेंशन था ये यहां पर रखना हो सकता है वहां पर बच्चों को फोर्स का याद ही ना आए डायमेंशन कि फोर्स का क्या डायमेंशन था तो ऐसी चीजें एग्जाम प्रेशर में आपको गड़बड़ा देती है ना तो मैं काफी बच्चों को देखता हूं क्वेश्चन देख के बोलते हैं इजी 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 वेरी बहुत ईजी फिर काफी एडवांस का भी क्वेश्चन करा दो सोल्यूशन बता दो वेरी इजी वेरी इजी सर बहुत आसान क्वेश्चन था कुछ और अच्छा इरोडोप कराओ सर सर एक काम करो पाथ फाइंडर कराओ फिर मैं बोलता हूँ बेटा अभी यूनिट टेस्ट हुआ था कितने नंबर आए थे फिर अचानक से बच्चा गायब हो जाता है <laughs> फिर कोई जवाब नहीं आता तो देखिए ऐसे ईजी ईजी बोलना आसान है एग्जाम प्रेशर बहुत अलग चीज़ होती है उसको मजाक में ना लें प्रॉपर प्रैक्टिस करें ठीक है हर चीज़ की ऑल राइट चलिए आगे अगले सवाल की ओर अब ये खतरनाक चीज आ गई सर वोल्टेज अब यहां पर ट्वेल्थ वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी सॉरी इलेवेंथ वालों को है ना अब डायमेंशनल सर इलेवेंथ वाले बोलेंगे सर ये चैप्टर ससुरा बड़ा ही हमें तकलीफ देता है कहे तकलीफ देता है हम कहते हैं सर ये ससुरा इसीलिए तकलीफ देता है ये ऐसे ऐसे टर्म ले आता है कि इसकी डायमेंशन बताओ उसकी डायमेंशन बताओ हम परेशान हो जाते हैं कभी ले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स और हमने कभी सुना ही नहीं इलेवंथ का सोचिए बच्चा जो अभी टेंथ से इलेवंथ में आया है उसको कोई बोल दे कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालो वो घबरा क्या है सेल्फ इंडक्टेंस फिर कोई बोल देगा कि भाई एक काम करो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो बोलेगा अरे ये क्या टर्मिनोलॉजी है तो देखिए इलेवंथ वाले जितने बच्चे घबराइए मत जब आप ट्वेल्थ में आएंगे ये सारी टर्म्स आपको समझ आ जाएंगे एक बार इन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता चल गया तो आप डायमेंशन निकाल दोगे जैसे फोर्स का डायमेंशन आपने निकाल दिया आसानी से क्यों फोर्स का इसीलिए निकाल पाए कि आपको फॉर्मूला आता था अब प्रेशर का इसलिए निकाल पाए कि आपको फॉर्मूला आता था तो ये इलेवेंथ के बच्चे ने भी कर दिया फोर्स अपॉन एरिया लेकिन वोल्टेज मैं फंस जाता है वो बच्चा इलेवेंथ वाला अब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं सर इजी है वोल्टेज सर क्या बोल रहे हो वोल्टेज हमने टेंथ में भी पढ़ा है वी इक्वल आई आर तो मैं बोलता हूँ अच्छा चलो निकाल के बताओ इससे V इक्वल आई आर से सर ये क्या करंट की पावर वन रेजिस्टेंस की पावर वन अरे बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना होता है करंट तो फंडामेंटल है क्या रेजिस्टेंस फंडामेंटल है नहीं है तो रेजिस्टेंस को फंडामेंटल में लाना होता है ठीक है तो अब इसको फंडामेंटल में लाएंगे अरे सर लेकिन इसका फॉर्मूला भी तो हमें आता है रो एल अपॉन ए सर हो गया आप तो है ना लेंथ एरिया हमें पता है करंट पता है अच्छा और ये रो रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टिविटी का पता है और ये यहां भी फंस गए सर तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के करते हैं इसको एक अलग तरीके से करते हैं ना तो इस पाथ में मत जाइएगा ये पाथ आपको कंफ्यूज कर देगा ठीक है यहां पर कुछ ऐसी क्वांटिटीज आती जाएंगी जिनके आपको डायमेंशन नहीं पता फिर क्या करें देखो तो वोल्टेज को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अब ये ट्वेल्थ वाले इसको कर पाएंगे बिकॉज दे नो कि वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना ट्वेल्थ वालों को पता है ना अब कई ट्वेल्थ वाले बोल रहे हैं कि अच्छा है सर को पता नहीं कि मैं ट्वेल्थ होके भी मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता <laughs> तो होते हैं कितने तेजस्वी लोग है हमारे हैं हमारे यहाँ है ना इतने उच्च विचार रखते हैं ट्वेल्थ में होके ये पढ़ लिया है फिर भी आज पहली बार अच्छा है। ये होता है क्या वोल्टेज आज मालूम पड़ा हाँ तो ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये एक तरीका है एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस वो भी बताऊंगा पहले मेथड वन कर लेते हैं है ना पहली मेथड मेथड नंबर वन तो मेथड वन कहती है वर्क पर यूनिट चार्ज वर्क जो होता है वो एनर्जी होती है है ना तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि वर्क इज एनर्जी और चार्ज जो होता है वो क्या होता है चार्ज होता है करंट इंटू टाइम मैंने आपको बताया था कि चार्ज फंडामेंटल नहीं है चार जब भी लिखो तो करंट इन टाइम लिखना बस ये आपने लिख दिया अब क्या है अब तो सॉल्व हो गया एनर्जी के डायमेंशन हमें आते ही हैं सर कहाँ आते हैं अरे भाई अभी करे थे ये देखो एनर्जी के डायमेंशन एनर्जी कैसे आई थी एनर्जी आई थी फोर्स इंटू डिस्टेंस से सर फोर्स कहाँ से आया था और मास इंटू एक्सलरेशन ये सब चेन है फोर्स का नहीं आता तो एनर्जी का नहीं आएगा एनर्जी का नहीं आता तो वोल्टेज का नहीं आएगा वोल्टेज का नहीं आता तो रेजिस्टेंस का नहीं आएगा है ना तो सब चेन है ये एक भी मिस करा तो सब मिस हो जाएगा तो इसलिए करंट का डायमेंशन तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से टाइम का टी से तो बताओ क्या डायमेंशन आया वोल्टेज का तो सर जी वोल्टेज का डायमेंशन यहां पर आ रहा है एम एल स्क् ऊपर आ जाएगा तो पावर माइनस वन और टी एक और ऊपर आ जाएगा तो माइनस थ्री सर यही है डायमेंशन वोल्टेज का है ना बिल्कुल तो इस तरीके से आप कोई खतरनाक दिखने वाली क्वांटिटी भी हो ना उसका भी डायमेंशन निकाल पाएंगे इलेवेंथ वाले बच्चों आप ये बाद में पढ़ पाओगे ट्वेल्थ में तब आपको समझ आएगा अब मेथड टू देखते हैं मेथड टू मेथड टू क्या है मेथड जो दूसरी है वो एक और फॉर्मूला है और वो है वेद का इसको मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूं वेद चार वेद होते हैं कौन कौन से चार वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है ना तो वेद पाठ इससे याद रख लिया करो पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस वैसे ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है ओरिजिनली तो बट डायमेंशनली हम इतना याद रख सकते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज तो बच्चों वही तो हो गया देखो ऊपर फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस एनर्जी तो होती है वर्क ही तो होता है वही चीज आ गई तो ऊपर क्या आ गया ऊपर वही आ गया एनर्जी नीचे क्या आ गया नीचे आ गया चार्ज चार्ज वही है करंट इनटू टाइम तो समझ आया तो किसी भी तरीके से आप सेम ही आंसर निकालेंगे एक ही आंसर आएगा जो यहां आया था ना वो तो यहाँ पर भी आएगा ठीक है तो क्लियर है ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे यस जो था वो सबसे पहला वेद जो उसको था और पहले तो एक वेद था फिर उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया था और हर एक की खासियत होती है आप पढ़िएगा इसके बारे में ऋग्वेद में प्रेयर्स हैं है ना बारिश होने के लिए मौसम अच्छा होने के लिए फसल अच्छी होने के लिए अथर्वेद में थोड़ा बहुत आ, सोशल एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स हैं फिर सामवेद जो होता है वो गाया जाता है ठीक है इट इज फॉर सिंगिंग हर एक का अपना खासियत है जनरल नॉलेज में आता है यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं इसके चलो अब एक और पीवाई क्यू की और चलते हैं नेक्स्ट पीवाई क्यू सी इन द फॉलोइंग आई रेफर्स टू करंट and the other symbols have their usual meaning choose the option that corresponds to dimensions of electrical conductivity are baap re ye kya aa gaya sir ye kya bala hai electrical conductivity to maine kaha na sab chain hai conductivity tabhi nikal paoge jab voltage ka aata hoga और voltage का तभी समझ पाओगे जब आपने ये समझा होगा है ना आप देखिए वोल्टेज का यूज होगा आगे आने वाले में देखिए कैसे अब कंडक्टिविटी सबसे सब पहले याद करो कहाँ देखी थी सर कंडक्टिविटी हमने देखी थी हमें याद आ रहा है कुछ रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना रो रो से रिप्रेजेंट नहीं नहीं रो से नहीं सर सिग्मा से सिग्मा से रो से तो रेजिस्टिविटी होती है सर, बिल्कुल सही बात सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टिविटी को ट्वेल्थ वाले रिलेट कर पाएंगे इलेवेंथ वाले थोड़ा वेट करें आपका भी समय आएगा ना सबका टाइम आएगा ठीक है जेई की तैयारी अभी आपने शुरू करी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा होती थी सर सिग्मा क्या होता था सिग्मा होता था वन अपॉन रो और रो क्या होता था रो रेजिस्टिविटी होता था तो हमें यह फॉर्मूला याद आ गया जिसका की यह अर्थ है कि कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी अब रेजिस्टिविटी कहां से आएगी रो वो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आर इक्वल l अपॉन ए याद है रेजिस्टेंस कैसे ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है है ना तो रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे ऐसे डिपेंड करता है जहां पर रो इज द रेजिस्टिविटी तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको रीअरेंज ऐसे करेंगे कि वन बाय रो इधर ले आएंगे नीचे है ना और ये आर को इधर डिवाइड कर देंगे एल अपॉन ए आर अब ये जो वन अपॉन रो है यही क्या है यही वो आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास वन रो के डायमेंशन आ गए अब एक समस्या है सर लेकिन रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो नहीं आता कोई बात नहीं ओम बाबा के पास चलते ओम बाबा कहेंगे कि वी इक्वल है ना ओम बाबा यहां पर आ गए और ओम बाबा ने कहा कि रेजिस्टेंस को बच्चे लिख दे वी अपॉन आए आपने कहा ठीक है महाराज रेजिस्टेंस को हम लिख रहे हैं वी अपॉन आय चलिए ओम बाबा की बात मानते एल अपॉन ए रेजिस्टेंस को लिखा v अपॉन i ये लो जी अब वोल्टेज तो हमें पता है करंट तो वैसे ही फंडामेंटल है एरिया लेंथ स्क्वायर हो जाएगा लेंथ लेंथ हो जाएगी बस हो गया काम खत्म मजे करो वन बाय रो के डायमेंशन क्या आ गए ऊपर लेंथ हो गई जी एरिया क्या होता है एरिया लेंथ स्क्वायर होता है जी वोल्टेज वोल्टेज अभी-अभी निकाला था याद करो और एक काम करते हैं को ऊपर भेज देते हैं ठीक है समझ आया क्या किया आय को ऊपर भेज दिया और नीचे जो वोल्टेज है उसको अब लिखते हैं हम है ना चलो तो वोल्टेज को लिखते हैं एम एल माइनस वन एम एल माइनस वन टी रेस टू माइनस थ्री ये लो जी वन बाय रो के डायमेंशन आ गए अब बताओ क्या आंसर आ रहा है तो सर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है देखो मास नीचे बस एक मात्र है ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा तो यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं फाइनल आंसर के लिए m ऊपर आ रहा है m 1 ये लो जी m ऊपर आया अच्छा नीचे l2 l2 l की पावर 4 l की पावर 4 ऊपर आएगी -4 बनेगी -4 प्लस 1 -3 ये आ गया जी अच्छा नीचे एक आई माइनस वन है ऊपर जाके क्या बन जाएगा ऊपर जाके आई स्क्वायर बन जाएगा आई स्क्वायर बन गया लो ऊपर जाके और t की पावर माइनस थ्री ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी t की पावर थ्री बन जाएगी ये लो आगे आंसर कौन सा है जरा मैच करना m माइनस वन एल माइनस थ्री टी क्यूब आई स्क्वायर ये वाला b ऑप्शन b ऑप्शन सही है जी ठीक है चलो भाई अभी लेक्चर पे ध्यान दे अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेवेंटी फाइव परसेंट क्राइटेरिया ये वो अभी इसको सब छोड़ दो है ना फिर वही वाली बात होगी सी एस का आई आई टी बॉम्बे सी एस अच्छा कि आई टी डेली अरे भाई पहले हम चैप्टर्स तो कर लें पहले क्वेश्चन तो कर लें सेवेंटी फाइव नहीं होने की ही संभावना है ना के बराबर है ना वेरी लेस चांस फॉर इट टू बी देयर इसको ध्यान रखिए तो ये आ गया तो समझ में आया आपको कैसे सब कुछ सीरीज में है एक चीज से शुरू करा हमने फोर्स से फोर्स से एनर्जी आई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स का यूज हुआ फोर्स अपॉन चार्ज फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकला पोटेंशियल जब निकला तो उससे फिर कंडक्टिविटी निकली कंडक्टिविटी में वो पोटेंशियल का यूज हुआ तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए है ना ये बात है बाउंस बैक के साथ कौन सी बुक सॉल्व करनी है सबसे पहले सॉल्व करनी है एच वर्मा एच वर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट वो बिल्कुल जरूरी है अगर एच सी वर्मा नहीं करोगे कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे ठीक है आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा एच सी वर्मा और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं उसके बच्चे सारे सवाल करते नहीं है एक दो ईजी कर लेते बोलते अरे वेरी ईजी मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है एच सी वर्मा ईजी है तो चैलेंज लो मैं कहीं से भी एच सी वर्मा में से कोई भी प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना अगर वो क्वेश्चन नहीं बनाना तो जेई की तैयारी छोड़ देना फिर एकदम से अरे नहीं नहीं सर एच सी वर्मा बहुत अच्छी बुक है आप क्यों बुरा मान रहे हो मैं अभी सॉल्व करने जाता हूँ <laughs> तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कोई भी बुक को अंडर एस्टिमेट ना करें मैंने तो एक सेशन लिया था कि जेई एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक दो तो क्वेश्चन मैंने प्रूफ के साथ दिखाए जो जेई एडवांस में एच वर्मा में से आए ठीक है तो एच वर्मा को करना ही करना है हमें ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप उसके सोल्ड एग्जाम्पल उसकी एक्सरसाइज ये करना है टीपीपीस करनी है और डीपीपीज कहाँ मिलती है नोट्स कहाँ मिलते हैं नोट्स के क्वेश्चन दोबारा करना है ये मत सोचो कि लेक्चर सुन लिया तो अब क्वेश्चन हो गया नहीं अगर आप ये खुद जाके करेंगे ना आप बिलीव करिए यही क्वेश्चन आप क्लास के बाद जाके करिएगा आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे देखिएगा कि अरे वो सर ने ये यहाँ पर क्या किया था समझ ही नहीं आ रहा है फिर आपको देखना पड़ेगा वीडियो अच्छा अच्छा ऐसे किया था तो रिटेंशन हमारा बहुत कम रहता है तो क्लास के बाद ये क्वेश्चन दोबारा करने और जैसे मैं कह रहा हूँ कि डीपीपीज वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पहले भी मैंने लिखा था फिर लिख देता हूँ अभिलाष शर्मा आई आई टी जेई है ये है टेलीग्राम इसको जरूर ज्वाइन कर लें -पी -पी, नोट्स यहाँ से सब आपको मिलते रहते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे एडवांस भाई पहला एडवांस का पीवाई क्यू तैयार हो जाओ अरे कोई अभी से ही ब्रेक मांग रहा है भाई इतना तो स्टेमिना रखो अभी क्या हुआ है एक घंटा हुआ है एक घंटे में हार मान गए जेई एडवांस में आपको छे घंटे एग्जाम देनी होती है तीन घंटा सुबह तीन घंटा शाम में कम से कम तीन घंटे का तो स्टेमिना रखो पढ़ने का तो ये स्टेमिना आपको डेवलप करना पड़ेगा बच्चों ऐसे ना भागी खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है एडवांस 2021 ताजा ताजा क्वेश्चन है पिछले ही साल का है अभी बाईस का भी लेंगे चिंता मत करो पर यह तो इक्कीस का है अब यहां देख के काफी लोग घबरा जाएंगे इलेवंथ वाले स्पेशली क्योंकि इलेवंथ वाले बोलेंगे ये क्या है ई और बी क्यों डरा रहे हो बच्चों को है ना जान लोगे क्या बच्चों की देखो इलेवेंथ वाले बच्चों आपको फिर से कहूं वेट करो ट्वेल्थ में आपको ये सब समझ आएगा कि ये क्या है ठीक है अभी आप चिंता मत करो आपके जो ट्वेल्थ वाले उनको कौन सा समझ आ रहा है <laughs> वो भी सोच रहे हैं कैसे करें इसको तो आप सब एक ही नाव में सवार हो चिंता मत करो ठीक है अभी आपको सोल्यूशन बताते हैं पहले पढ़ लो पढ़ लो क्या है देखा आपने फिजिकल क्वांटिटी है एस जो कि ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो एक चैप्टर है ट्वेल्थ का जिसका नाम है ई एम वेव्स ठीक है तो एक ट्वेल्थ का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका आपको यहां पर उपयोग होगा उसका ना भी उपयोग हो तो आप दूसरी कोई चीज कर सकते हैं जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव्स का उपयोग है इसके लिए आपको मैग्नेटिक एनर्जी आना चाहिए कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है ये अगर आपको आएगा तो एडवांस का क्वेश्चन कर पाओगे तो देखिए एडवांस कभी भी चिंदी नहीं पूछेगा वो ऐसा थोड़ी पूछ देगा ये मेंस ने पूछ दिया पास्कल सेकंड्स ऐसा आएगा क्या एडवांस में नहीं आएगा वो तो ऐसे ही पूछेगा भाई और हर साल पूछता है इसलिए तैयारी हम पूरी करेंगे एडवांस के हिसाब से करेंगे देखते हैं क्या है चलो सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी और ई वेव्स दो चैप्टर आने चाहिए देखते हैं कैसे अब E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट है अब मुझे वेक्टर वगैरह से मतलब नहीं डायमेंशन लेना है मुझे तो ठीक है तो डायमेंशन लेते हैं तो S जो है उसको मैं लिख दूंगा E B अपॉन म्यू नॉट ठीक है जस्ट स्केलर फॉर्म बिकॉज डायमेंशन निकालने मुझे तो अब ई एम वेव्स एक चैप्टर है ट्वेल्थ का वहां पर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन वहां पर आपको समझ आएगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रिलेटेड है वो कहता है e BC. ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इनटू सी क्या है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं ना आप तो ये एक फॉर्मूला है इसका हम उपयोग करते हैं चलिए यहां पर सब्सिट्यूट करते हैं सो लेट सब्सिट्यूट तो हमें चैप्टर e से पता चला कि ई e को हम बी सी लिख सकते हैं अपॉन नॉट ये आपका बन गया बी स्क्वायर सी अपॉन नॉट अब ध्यान दीजिए अब मैंने आपको कहा दूसरा आपको जरूरी है मैग्नेटिक एनर्जी का पता होना अब मैग्नेटिक एनर्जी आपको आती है मैग्नेटिज्म चैप्टर में जहां पर आपको यह बताया जाता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है याद करिए एनर्जी डेंसिटी अगर नहीं पता है तो चिंता मत करो ये सब फॉर्मूला आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे फिर से मैं कह रहा हूं ये इस चैप्टर की गलती नहीं है क्या है कि ये चैप्टर ये क्वेश्चन जब आते हैं तो वो दो साल का सिलेबस के बाद आते हैं तो ये ही एक्सपेक्ट करती है आपने दो साल का सिलेबस पढ़ाया अगर नहीं पढ़ाए तो जब पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है तो एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्र अपॉन टू मू नॉट याद करिए एनर्जी डेंसिटी का यह फॉर्मूला ना तो ये दो फॉर्मूले इसमें उपयोग हुए एक वेव्स e का और एक मैग्नेटिज्म का दो फॉर्मूला लगे अब बी नॉट ये एनर्जी डेंसिटी हो गई टू का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और बताइए सी क्या है सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है ठीक है तो सी को मैंने स्पीड लिख दिया चलो अब क्या करें अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं डायमेंशन रख देते हैं चलो वॉल्यूम का डायमेंशन रखो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा पहले एनर्जी को मैं एनर्जी रहने देता हूं ठीक है एनर्जी को एनर्जी रहने दिया वॉल्यूम को मैंने लिख दिया लेंथ क्यूब लेंथ क्यूब लिख दिया और स्पीड को स्पीड को लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अब देखो एक एल ने इसको एल दिया और टी को मैं ऊपर भेज देता हूं एनर्जी अपॉन टाइम और इसने इसको बना दिया एल एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है कुछ याद आया एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होती है पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम याद करिए पावर का फॉर्मूला पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम है ना और वर्क डन एनर्जी तो है तो एनर्जी अपॉन टाइम बेसिकली पावर है तो ये पावर हो गई और नीचे लेंथ स्क्वायर क्या होता है लेंथ स्क्वायर यानी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ तो बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन आ गया ठीक है अब कुछ लोग खुश हो जाएंगे डी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे लेकिन जब पेपर एग्जाम देखेंगे तो आधा ही नंबर आया होगा क्योंकि तो एडवांस में मल्टीपल चॉइस करेक्ट होते हैं। देखो लिखा हुआ है क्वांटिटीज हो सकता है एक से ज्यादा सही हो अब एक से ज्यादा सही कैसे निकलेगा तो एक से ज्यादा सही के लिए इसको और थोड़ा रीअरेंज करते हैं ठीक है अब एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया ये है ये बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया अब इसी को दोबारा से लिखते हैं तो एस को मैं दोबारा लिख रहा हूं देखिए ये कलर सही नहीं रहेगा है ना दूसरा कलर ले लेता हूं चलो एस को मैंने लिखा कि यहां पर हमने निकाला एस इज एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन लेंथ ये मैंने यहां से दोबारा लिख लिया चलो अब एनर्जी क्या होती है बच्चों वर्क होता है और वर्क क्या होता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अब मुझे बताइए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी तो लेंथ ही है तो एक लेंथ से एक लेंथ चली गई तो ऊपर बचा फोर्स नीचे टाइम और एक लेंथ तो फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम आया कि नहीं तो बी ऑप्शन भी सही है फोर्स लेंथ टाइम आया मजा ठीक है तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही थे तो देखा आपने एडवांस इस चैप्टर को भी कैसे लेवल उठा देती है ऐसी ऐसी चीज जो आपने सोची ना हो वो चीजें लग जाती है तो मैं फिर से कह रहा हूं इलेवेंथ वाले बच्चों प्लीज आप डरिए मत इस क्वेश्चन से आप एक माइंडसेट ना बना ले देख के कि एडवांस तो हमसे होगा ही नहीं ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला आपको नहीं आते थे इसलिए नहीं हुआ अच्छा बताओ अगर मैं ये फॉर्मूला दे दूं तो आपसे हुआ कि नहीं यहां तक आ जाने के बाद क्या आपसे बना कि नहीं तो बस तो ये तो आप पढ़ ही लोगे ट्वेल्थ में बस सवाल है ये आ जाने के बाद कैसे मैनिपुलेट किया वो आया कि नहीं तो आपसे हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे अरे एक और एडवांस का सवाल सर क्या बात है आज तो एडवांस ही एडवांस चल रहा है बिल्कुल चलेगा बेसिक से शुरू करेंगे मैंने कहा था आपको बेसिक से मैंने यूनिट्स भी पढ़ाई सेंटीमीटर ग्राम ये सब भी पढ़ाया और जब लेवल की बात आ रही है तो हम एडवांस पे भी जा रहे हैं तो सब कवर होगा इस लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहेगा फर्स्ट टाइमर से लेके जो दूसरी तीसरी बार भी पढ़ रहा है सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है चलो लेट्स स्टार्ट अब देखिए रिपीटेशन की जो बात है ना जो आप लोग कह रहे हैं कि रिपीट करो तो देखो यूट्यूब में रिपीट का कोई सेंस नहीं है क्योंकि तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा आप पीछे जाके दोबारा भी देख सकते हैं अभी पीछे मत जाइए मैं आपको फिर से कहूं लाइव लेक्चर देख रहे हो तो आगे बढ़ो आपको वैसे भी क्लास के बाद ये क्वेश्चन दोबारा करने रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे तो क्लास के बाद इस लेक्चर को दोबारा जाके सारे लेक्चर्स करिएगा अभी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही आगे बढ़ जाओ डोंट गो बैक राइट नाउ गो लेटर ठीक है चलो अब इसको देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट हम बना रहे हैं जिसमें मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस ये क्या बात कर दी ये कह रहा है कि मास जो है वो डायमेंशनलेस है डायमेंशनलेस का क्या मतलब नंबर है कांस्टेंट है नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं होता ना 2 1 1 इनके कोई डायमेंशन नहीं होते है. और एंगुलर मोमेंटम भी एंगुलर मोमेंटम क्या है l l भी कांस्टेंट है तो मास और एंगुलर मोमेंटम दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो बताइए फोर्स का क्या लीनियर मोमेंटम का क्या एनर्जी पावर इन सब का निकालना है तो देखो मास कांस्टेंट हो गया अब एंगुलर मोमेंटम होता है क्या है एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर या एमवीएल जो भी आप लिखना चाहो जहां पर आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो ये एल से हमें ये पता चला एल का हमने फार्मूला रख दिया अब मास तो वैसे भी कांस्टेंट है ठीक है तो मास की जगह वैसे भी मैंने कांस्टेंट लिख दिया इसके कोई डायमेंशन नहीं वेलोसिटी वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम अच्छा ये आर क्या होता है आर होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ना तो इक्वल्स कांस्टेंट अब देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज दो इसको l स्क्वायर कर दो l स्क्वायर अपॉन t डायमेंशनलेस है l स्क्वायर अपॉन t डायमेंशनलेस का मतलब क्या इसका मतलब ऊपर जो डायमेंशन है नीचे वही है क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था जो क्वांटिटी सेम डायमेंशन का रेशो होती है सिमिलर क्वांटिटी का रेशो होती है वही तो डायमेंशन लेस होती है याद करिए पीछे जाके कैसे हर लेक्चर का हर एक पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने ये चीज पढ़ी थी कहां गई ये चीज हाँ कि रेशो रेशो वेन अ क्वांटिटी इज रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती उसका कोई डायमेंशन नहीं होता ठीक है तो बस यही चीज हम यहां लगाते हैं कि अगर इस रेशो का एल डायमेंशन नहीं है इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं तो इस नए सिस्टम में एल स्क्वायर और टी बराबर हैं ये दोनों सिमिलर हैं एल स्क्वल टू टी इसकी यूनिट भी वही है जो नीचे वाले की यूनिट है तभी दोनों का रेशो क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है डायमेंशन लेस आ रहा है पर क्या ऐसा वाकई में होता है वाकई में नहीं होता प्लीज समझिए ये कंसीडर है ये लेट अस कंसीडर ये सिर्फ कंसीडर किया गया है ऐसा मत समझिएगा रियल लाइफ में ऐसा है रियल लाइफ में तो ऐसा हो भी नहीं सकता ये मीटर स्क्वायर है ये सेकंड्स है ये कभी बराबर कैसे हो सकते हैं लेकिन जे एडवांस कह रही है इमेजिन करो लेट अस कंसीडर रुको जरा सोचो जरा है ना तो सोचने में क्या जाता है एक नई दुनिया एक नई दुनिया है। चलो अब इसके हिसाब से सारे डायमेंशन निकालते हैं लेट अस डू ऑल द डायमेंशन चलिए एक एक करके पहले ए ऑप्शन ए ऑप्शन तो कह रहा है भैया कि फोर्स का निकालो अब फोर्स का हमें मालूम है अब देखिए ये अब आपको रटे होने चाहिए एक दो के तो फोर्स का याद कर लो फोर्स का जैसे ही याद हुआ एनर्जी का निकल जाएगा बाकी सबके निकल जाएंगे ना तो फोर्स का बस रट लो एम एल टी माइनस टू तो फोर्स का डायमेंशन बोल रहा है एल माइनस टी होगा कैसे होगा भाई तो मास जो है मास तो कांस्टेंट है चलिए तो मास का तो कोई डायमेंशन नहीं लेंथ अब भाई लेंथ को तो लेंथ रहने देते हैं अच्छा बताओ टाइम की जगह क्या लिख दू टाइम टाइम की जगह लिख दो एल स्क्वायर एल स्क्वेर की पावर माइनस टू तो बताओ ये कितना आया कांस्टेंट का तो कुछ रहा नहीं एल इंटू एल की पावर माइनस फोर इज एल की पावर माइनस थ्री तो सही है क्या नहीं पहला ऑप्शन तो जी गलत हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स इज नॉट एल माइनस टू इट इज एल माइनस थ्री चलो सेकेंड पे चलते हैं भाई बी ऑप्शन डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब भाई लीनियर मोमेंटम तो होता है मास इन टू वेलॉसिटी ये होता है फिर से जी मास तो कांस्टेंट है उसके कोई डायमेंशन नहीं पहले ही दिया हुआ है मास इज कांस्टेंट, अच्छा v क्या है v होता है लेंथ अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम अच्छा जी अब लेंथ को तो लेंथ रहने देते हैं नीचे टाइम को क्या लिखते हैं टाइम को लिख दो एल स्क्वायर ये बन गया एल माइनस वन क्या ये सही है बिल्कुल सही है जी मिल गया एक ऑप्शन मिल गया हमारा बी ऑप्शन सही है ठीक है अब बाकियों पे चलते हैं सी और डी पे चलते हैं एनर्जी का पूछ रहा है चलो जी सी ऑप्शन पे आया जाए एनर्जी एनर्जी होती है एम एल माइनस टू अब लेक्चर ने देखिए रफ्तार पकड़ ली है शुरुआत में धीरे 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 टेक ऑफ हो रहा था अब विमान पूरी तरीके से टेक ऑफ कर चुका है अब हाई लेवल की चीजें चल रही है है ना तो अब आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो कुछ दिक्कत आ भी रही है इलेवेंथ वालों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए फर्स्ट टाइमर्स को लेकिन चिंता ना करो प्रैक्टिस करना मैंने कहा कर, थोड़ा थोड़ा प्रयास ये सारी चीजें होंगी पहली बार वाले बच्चों साथ ऐसा होता है। पहली बार आता है, नहीं पड़ता हम भी जब स्टूडेंट्स थे पहली बार इलेवंथ में एडवांस के क्वेश्चन करे थे नहीं हो रहे थे धीरे धीरे लेकिन हम हार नहीं माने प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे फिर होने लगे ठीक है तो होगा चिंता मत करो तो एम एल स्क् टी माइनस टू लेकिन होगा तभी जब क्लास के बाद आप खूब मेहनत करो दोबारा जाके इसको देखो दोबारा से प्रयास करो करते रहो मास फिर से जी कांस्टेंट है और लेंथ स्क्वायर को लेंथ स्क्वायर रहने दो जी टाइम को टाइम को एल स्क्वायर रख दो एल की पावर माइनस टू है जी और ये क्या आ गया आ, ये टू है या माइनस फोर है टू तो माइनस फोर आपको दे देगा माइनस टू तो एल की पावर माइनस टू अरे सही है जी सी ऑप्शन भी सही है सी ऑप्शन भी सही हो गया अब डी ऑप्शन देख लो बस लास्ट डी ऑप्शन डायमेंशन ऑफ पावर तो पावर दिखा दो अपनी अब कुछ बच्चे होंगे जो बहुत इसको डिराइव करने में लगेंगे अरे नहीं डिराइव करना जी पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम और एनर्जी अभी, अभी अभी तो निकाला एनर्जी अपॉन टाइम होता है एनर्जी अभी अभी हमने निकाली कितने डायमेंशन है एल माइनस टू इस नए सिस्टम में ठीक है तो कंफ्यूज मत होना कि सर एनर्जी के तो ये थे ना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थे बेटा लेकिन यहां पर हम इस नए सिस्टम की बात कर रहे हैं इस नए एडवांस के द्वारा क्रिएटेड सिस्टम में एडवांस के द्वारा क्रिएटेड सिस्टम में एनर्जी एल माइनस टू है ठीक है हमेशा ये नहीं होता इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने दिया है तो बस अब देखो क्या आ रहा है नीचे टी की जगह फिर से क्या रखोगे टी की जगह फिर से एल स्क्वायर रख दो ये ऊपर जाएगा इसको एल की पावर माइनस फोर बना देगा तो ये मैच कर रहा है नहीं ये मैच नहीं कर रहा तो बस क्या आंसर हो गया हमारा बी और सी बी एंड सी आर करेक्ट आंसर आया समझ ठीक है चलिए करेक्ट भाई एंड लगा दो नहीं तो काफी बच्चे मजे ले रहे हैं <laughs> तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर डायमेंशंस मैंने काफी सारी क्वांटिटीज के आपके सामने लिख दी हैं ये सारे आपको डिराइव करने आपका ये होमवर्क है होमवर्क टू डिराइव डिराइव ऑल दीज क्वांटिटीज घर पे आपको इन सब के डायमेंशन निकालने डिराइव देम ये आपका होमवर्क है आज का ये सारे डायमेंशन जो लिखे हुए हैं डिराइव करना और फिर क्रॉस चेक करना इसमें से कुछ तो मैंने करा दिए कौन कौन से करा दिए वेलोसिटी करा दिया है एक्सलेशन एनर्जी फोर्स uh, करा दिया है पावर अभी अभी हमने देख ही लिया था पोटेंशियल uh, हमने कर लिया है है ना जो बचे हुए हैं आपको बाकी सब करने ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू देम चलिए बढ़ते हैं आगे <laughs> सर रट लेंगे रटना नहीं है इसको नहीं रटना ठीक है ये याद नहीं रहेंगे माइनस टू माइनस थ्री ये सब बेकार हो जाएगा ठीक है चलो अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे तो ये मत समझिए लेक्चर खत्म हो गया होमवर्क मिलते ही चलो पैक करते हैं और चलते हैं नहीं अभी तो रुकिए रुको जरा सब्र करो अब तो अगली चीज आ रही है एप्लीकेशन सर इतना सब पढ़ा अब तो इसका एप्लीकेशन क्या है देखो मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ भी कम हो रही है एडवांस की दिक्कत ही यही है जैसे ही एडवांस का सवाल फेंको आधी जनता बोल्ड हो जाती है तो बोल्ड मत हो धीरे धीरे पहले खेलो डॉट बॉल ही खेलो भली लेकिन उसके बाद आपको छक्का लगाना आना चाहिए एडवांस पे भी ठीक है होगा धीरे धीरे होगा प्रैक्टिस के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन खुद भी प्रैक्टिस करते थे इतने लेवल पे अचीव हो गया जब लास्ट के उनका रिटायरमेंट भी पास था उसके बाद तक प्रैक्टिस करते रहे है ना नेट प्रैक्टिस चलती रही लोग कहते थे यार आपको क्या प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं प्रैक्टिस तो सबको करना चाहिए नहीं तो टच चला जाएगा है ना ठीक है तो बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो अभी तक हमने पढ़ा उसका क्या एप्लीकेशन है तो जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ रहा है एक एक करके सबसे पहला एप्लीकेशन है कि कॉन्स्टेंट्स के यूनिट्स निकालना कई बार ये होता है ना कि हमें यूनिट्स निकालनी है किसी कॉन्स्टेंट की जो हमें पता नहीं है जैसे हमने एक क्वेश्चन किया भी था हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की यूनिट निकाल दी थी राइट इस जी की हमने यूनिट निकाली थी याद रखिए क्या थी इधर हमने यूनिट्स रखी सबकी यूनिट्स रख दी तो जी की यूनिट्स आ गई थी याद है क्या आई थी देखो दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम ये जो ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं ना कांस्टेंट्स की यूनिट निकाल देना ये इसका काम है ठीक है पहला पहला इसका जो यूज है वो है कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल देना दूसरा यूज कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकाल देना अब हम डायमेंशन भी तो निकाल सकते हैं जैसे आपने एक सुना होगा प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत बार आता है ठीक है प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में कई बार सुना होगा एच एच से रिप्रेजेंट होता है है ना एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन टू पाई याद है तो एनएच अपॉन टू पाई वो जो एच आता है उसमें वो क्या रहता है वो रहता है अब कोई आपसे बोल दे निकाल के बताओ के डायमेंशन तो या तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लें एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स एन एच अपॉन टू पाई या आप एक और चीज यूज कर सकते हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों के पास एक और फॉर्मूला है फोटोन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी क्या होती है तो फोटोन की एनर्जी बच्चों होती है, एच न्यू है ना एच न्यू इन एनर्जी अब निकालते हैं इसको एनर्जी के डायमेंशन रख देते हैं क्या है एनर्जी के डायमेंशन निकाले ही हुए हमने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी इधर रख दिया एच एच तो भैया जी हमें निकालना है और न्यू क्या होता था वहां फ्रीक्वेंसी होती थी याद करिए है ना ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला बेसिकली कह रहा है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी है ना फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है एच इंटू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी होती क्या है फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है ना हाँ तो बस अब ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया जी क्या आ गया है? h के डायमेंशन तो t इधर आ गया तो ml स्क्वायर t 1 ये रहा हमारा आंसर ml स्क्वायर t 1 है ना बढ़िया किसी भी कांस्टेंट के आप डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से आ जाते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये दूसरा यूज है पहला यूज है यूनिट्स निकालना दूसरा यूज है Constance के डायमेंशन निकालना जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट अभी आगे आगे काम भी आएगा ध्यान रखना इसका आगे एक प्रश्न में यूज होगा अब एक करते हैं। viscosity. Viscosity के है। तो के कैसे निकालें तो सर विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला दो देखिए इलेवेंथ में फ्लूइड्स में आता है, ना, में एक आता है। क्या फॉर्मूला आता है याद करिए एक फॉर्मूला था जिसमें हम ड्रैग फोर्स निकालते हैं ड्रैग फोर्स था ईटा एक्सड जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं ये फॉर्मूला था राइट और उसमें जो ईटा होता है वो क्या होता है वो विस्कोसिटी होती है ये ईटा पत्थर ये जो ईटा है ये ग्रीक सिंबल है है ना ईटा तो इज विस्कोसिटी तो यहां इस फॉर्मूला में विस्कोसिटी आती है तो यहां से इसके डायमेंशन निकाल लेंगे देखो फोर्स का तो हमें पता है एमएलटी टू, विस्कोसिटी का तो निकालना ही है अच्छा एरिया का कितना होता है एरिया का होता है लेंथ स्क्वायर अच्छा डीवी क्या है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है लेंथ अपॉन टाइम नीचे क्या है डीजेड डीजेड डिस्टेंस होता है तो वो भी लेंथ है तो चलो अब विस्कोसिटी के डायमेंशन यहां से निकल जाएंगे देखो कितने आ रहे हैं तो ये एल एल से एक एल कट गया ना ये टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी की पावर माइनस वन और मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके डायमेंशन आ रहे हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन ट्राई करके देखो यही आ रहा है ML -1, T -1. तो कोई भी आपसे जब पूछा जाए ना उसका एक फॉर्मूला निकालो जैसे हमने क्या करा था अभी प्लैंक कॉन्स्टेंट का जब उसने पूछा तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा पहले उसका ग्रेविटेशन का पूछा मैंने उसका एक फॉर्मूला लिखा तो सबसे पहला काम होता है जो पूछा जाए उसका एक फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला में बाकी सबके डायमेंशन सब्सिट्यूट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर है सबको चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर है ना नेक्स्ट सवाल की बात कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये बड़ा ही जरूरी इसका यूज है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है ये सेंटीमीटर से मीटर में सर इसके लिए डायमेंशन की क्या जरूरत सही बात है सेंटीमीटर टू तो मीटर तो हम कर देंगे आ, आसानी सी बात है कि सर एक सेंटीमीटर कोई पूछे तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट लेकिन कई बार बच्चों जैसे फोर्स की एक यूनिट है डाइन और न्यूटन दो न्यूटन तो आपने सुन रखी है फोर्स की मान लो आपके सामने डाइन आ जाए डायन तो आ जाओगे तो क्या करो सबसे पहले तो भागोगे आप बोलोगे सर भागेंगे सबसे पहले डायन आ गई सामने नहीं ये डाइन जो है ये फोर्स की यूनिट है तो न्यूटन और फोर्स ये डाइन के बीच में कन्वर्जन हमें करना है चलो तो क्या तरीका होता है जरा करके देखते हैं तब मैं आपको तरीका बताता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं स्पीड एक मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आहार होते हैं बताइए एक मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आहार होते हैं अठारह बटे पांच किलोमीटर पर आवर होते हैं ना सब जानते हैं इस बात को 18 बटे 5 क्या इतना ही होता है या उल्टा लिख दिया उल्टा लिख दिया क्या चेक करो मीटर अपॉन सेकंड्स तो सेकंड्स में एक बटा 3600 3600 ऊपर जाएगा और 3600 ऊपर जाके हाँ बिल्कुल सही है सही लिखा है ना एक बटा 3600 और मीटर को क्या लिखोगे किलोमीटर में 0.001 वो नीचे आएगा हाँ तो सही लिखा है 18/5 सही है अब ये हम जानते हैं क्या इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं लेट्स ट्राई टू फाइंड इट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस तो देखिए क्या करना होता है आपको जो क्वांटिटी दी हो ना सबसे पहले उसका डायमेंशन लिखो तो तरीका ध्यान से देखते जाएं स्टेप 1 पहली स्टेप आपकी रहती है जो भी क्वांटिटी कन्वर्ट कर रहे हो उसका डायमेंशन लिखो तो जैसे यहां पर स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन कैसे यही तो होगा लेंथ एल टी माइनस वन स्टेप नंबर टू की डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट से बदलते नहीं है ये डायमेंशन की खासियत है डाइन में हो तो भी एम एल टी माइनस टू फोर्स चाहे न्यूटन में हो तो भी एम एल टी माइनस टू तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो डायमेंशन चेंज ठीक है जो जरूरी पॉइंट आपको लिखना है यहां पर वो ये डायमेंशंस अरे थोड़ा सा ब्राइट कलर लेते हैं यहां पर डायमेंशंस रिमेन सेम इन ऑल इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन सेम होते हैं ना तो चाहे आप मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लिख रहे हो तो भी एल्टी माइनस वन होगा चाहे आप किलोमीटर पर आर में लिख रहे हो तो भी क्या होगा एल्टी माइनस वन ही होगा क्या ये बात सही है आ गया समझ में ठीक है क्लियर है चल तो अब यहां पर समझते हैं डायमेंशन अगर सेम है तो अब आप देखिए मैं क्या करूंगा डायमेंशन अगर स्पीड के सेम है तो मैं उस डायमेंशन को मीटर पर सेकंड में भी लिखूंगा और उसी डायमेंशन को किलोमीटर पर आर में भी लिखूंगा देखिए कैसे सो स्टेप नंबर टू इज डायमेंशन को इन यूनिट्स में लिखो तो मैं लिख रहा हूं देखो सबसे पहले वन मीटर पर सेकेंड लिखते हैं एक मीटर पर सेकेंड में डायमेंशन वही रहेगा एल टी माइनस वन आफ्टरऑल इसका भी तो डायमेंशन ये भी तो स्पीड ही है चाहे मीटर पर सेकेंड हो है तो स्पीड ही अब लेंथ बताइए कितनी लू लेंथ को लेना है वन मीटर क्योंकि वन की बात चल रही तो हर चीज वन लेना होती है तो वन मीटर लिया टाइम वन सेकेंड लिया पावर माइनस वन ठीक है ये लिख लिया अब यही आप लिखो वन किलोमीटर पर आर में वन किलोमीटर पर आर में भी डायमेंशन तो क्या होंगे यही होंगे एल टी माइनस वन डायमेंशन सेम रहता है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में अब यहां लेंथ आप लिखोगे एक किलोमीटर टाइम को लिखोगे एक घंटा ये लो है ना तो दोनों में आपने डायमेंशन सेम रखे और उनकी वैल्यू रख दी उस सिस्टम के अनुसार अब आप क्या करो आप डिवाइड कर दो स्टेप थ्री देखो स्टेप नंबर थ्री आई स्टेप नंबर थ्री बोलती है डिवाइड करो तो चलिए डिवाइड करते हैं वन मीटर पर सेकेंड अपॉन वन किलोमीटर पर आर कितना आएगा देखो डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे वन मीटर अपॉन वन किलोमीटर और यहां पर वन सेकेंड अपॉन वन आर माइनस वन अब ये पावर माइनस वन है तो उसको पलट दो पलट के देखो क्या आ जाएगा और ये किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं थाउजेंड मीटर या अभी चलो रहने देते हैं एक साथ नहीं करते हैं सब कुछ एक एक स्टेप एक बार तो देखो बच्चों R चला गया ऊपर और सेकेंड आ गया नीचे इससे बन गई पावर प्लस वन समझ गए आप मैंने इसको रेसिप्रोकल करके प्लस वन बना दिया अब देखो क्या हमारा आंसर आ रहा है ऊपर मीटर है उसको मीटर रहने देते हैं नीचे किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हजार मीटर लिख दिया हजार मीटर लिख दिया ऊपर एक घंटा लिखा है यानी के छत्तीस सौ सेकेंड और नीचे क्या है नीचे उसको सेकेंड ही रहने दो अब देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है मीटर से मीटर कटा सेकंड से सेकंड्स कट गया छत्तीस सौ बटा हजार कितना है छत्तीस सौ बटा हजार है बच्चों 18 बटे पांच तो क्या आपको समझ आया एक मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वन किलोमीटर पर आर इज अठारह बटे पांच ये किलोमीटर पर आर को हम उधर भेज भी सकते हैं ना ये हमने निकाला क्या ये रेशो निकाला है तो आप ये वन किलोमीटर पर आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देखो क्या आ जाएगा जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक मीटर पर सेकेंड अठारह बटे पांच किलोमीटर पर आ आ गया आंसर डायमेंशन से आया कि नहीं सेम सेम आंसर आया डायमेंशन से तो ये डायमेंशन का यूज होता है ठीक है काफी बच्चे अभी तेजस्वी बालक इसी में कन्फ्यूज हैं फाइव 18 होगा फाइव बाई एटीन होगा अरे भाई फाइव बाई एटीन होता है जब किलोमीटर से मीटर में मीटर से किलोमीटर कर रहे हो तो एटीन बाय फाइव होगा ना आप आप सिर्फ अगर रटोगे चीजों को तो ऐसी गलतियां करोगे रटो मत सोचो भी तो आपने जो रटा था वो था किलोमीटर से मीटर में करने का तो वो पांच बटे अट्ठारह होता है लेकिन मीटर से किलोमीटर तो अठारह बाय पांच होगा थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ी मर्यादा रखिए थोड़ी मर्यादा रखिए है ना ऐसे एक एंकर का वीडियो है बड़ा फेमस <laughs> तो वैसी वाली बात है थोड़ा अटेंशन रखिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इसका उपयोग मैं आपको करके बताता हूं डाइन और न्यूटन के बीच में ये चुड़ैल है तो ये भी भूत से क्या कम है न्यूटन बाबा ये इतने बड़े भूत हैं और इनका फेस भी जब दिखाया जाता है ऐसा फोटोज भी देखना बुक्स में ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी अभी सेब गिरा है सर के ऊपर है ना तो ये न्यूटन बाबा का अलग ही रहता है सो तो एक डायन और एक भूत इनके बीच का क्या कन्वर्जन है चलो देख लेते हैं Let's see. So, Dine जो है वो सीजीएस की और न्यूटन जो बाबा है वो एम के एस के एम के एस यानी देखो ब्रेक मिलेगा आपको चार बजे दो घंटे बाद ब्रेक मिलता है ना तो चार बजे आपको ब्रेक दूंगा अभी आ जाओ डाइन और न्यूटन का कन्वर्जन देखते हैं तो डाइन भाई साहब सीजीएस की है, तो लिख लेते हैं कि एक डाइन एक डायन क्या कर रही है एक डायन है तो फोर्स ही है तो आफ्टर ऑल फोर्स तो पहले तो इसके डायमेंशन लिखो स्टेप वाइज चलना ठीक है स्टेप वाइज क्या है डायमेंशन लिखा जाए तो फोर्स के डायमेंशन हमें पता है लिख देते हैं एम एल टी माइनस टू तो डायन में भी यही डायमेंशन होंगे और भूत में भी भूत यानी न्यूटन में भी न्यूटन में भी डायमेंशन तो यही होंगे बदल नहीं सकते ठीक है अब ये न्यूटन के डायमेंशन भी यही फिर क्या कहती है स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर कहती है अब इस डायमेंशन में जो यूनिट्स हैं वो रख दो लेंथ की जो है वो रख दो टाइम की जो है वो रख दो दोनों डायमेंशन में चलो रख देते हैं डायन में रख देते हैं डायन कह रहा है सीजीएस सीजीएस याद है आपको पढ़ाया था लेक्चर की शुरुआत में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड याद आया तो सीजीएस का ये मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एस क्या था मीटर किलोग्राम सेकेंड है ना ये आपका एमके एस था तो चलो लिखते हैं डायन सीजीएस है, तो आपका ग्राम्स में आ, लेंथ काय में आएगी लेंथ आएगी जी सेंटीमीटर में और टाइम टाइम जी सेकेंड में आएगा लिख दिए जी ये लो अब न्यूटन में लिखो तो न्यूटन में मास आएगा एक किग्रा लेंथ क्या आएगी एक मीटर और समय यहां भी सेकंड्स ये लो अब क्या करें अब इसको डिवाइड करें देखिए स्टेप वही है ना सारी डायमेंशन लिखे दोनों में डायमेंशन में वैल्यूज रखी दोनों डायमेंशन को डिवाइड कर दिया वैल्यूज को चलिए डिवाइड करते हैं अब है ना तो ये तो आपकी थी स्टेप नंबर वन या टू जो भी नंबर जो भी है वो अब गौण है उससे हमें इतना मतलब नहीं है अब हम आते हैं डिवीजन में चलो करा जाए एक डायन बटा एक न्यूटन तो एक डायन बटा एक न्यूटन जब डिवाइड करा तो एक ग्राम का डिवाइड किससे हो गया एक किलोग्राम से और सेंटीमीटर का डिवाइड हो गया एक मीटर से और सेकंड सेकंड का हो गया से। तो बहुत बढ़िया ये तो कैंसिल ही हो गया सेकंड सेकंड है ना और यहां पर तो ग्राम और किलोग्राम है तो क्या करें तो ऊपर ग्राम ही रहने दो जी और नीचे किलोग्राम को हजार ग्राम लिख दो लेंथ की बात करो तो ऊपर सेंटीमीटर रहने देते हैं नीचे सौ सेंटीमीटर लिख देते हैं एक मीटर को और यहां तो खैर वन ही आ गया है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है टाइम में देखो समझ आया किलोग्राम को थाउजेंड लिख दिया मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया आसान है अब क्या हुआ अब ये आ रहा है टेन रेस टू माइनस थ्री टेन रेस टू माइनस टू और वो तो खैर वन ही है ना दैट इज वन वन की कोई भी पावर कर दो वन ही होगा तो बस आ गया कन्वर्जन क्या कन्वर्जन आया जी डायन और भूत में तो डायन और भूत में ये निकल के आया कि एक डायन टेन रेस टू माइनस फाइव न्यूटन के बराबर है आ गया कन्वर्जन है ना तो एक डायन टू भूतों के बराबर है तो उल्टा भी लिखा जा सकता है एक भूत में टेन रेस टू फाइव डायन करती है, है ना सोचिए अब आप आप सोचो कि लेक्चर चला रहे हो और आपके घर वाले अचानक से एंटर करें उनको सुनाई दे एक डायन में इतने भूत होते हैं तो वो दो मिनट के लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बच्चा तुम साइंस पढ़ रहे हो कि कोई काला जादू का कोई वीडियो देख रहे हो तो अब क्या करें शब्द ही ऐसे है ना तो इसमें और चीज लिखी जा सकती है कि एक भूत में वन न्यूटन में टेन रेस टू फाइव डायने निवास करती है दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इधर का उधर किया जा सकता है ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे कैन नीट स्टूडेंट फॉलो दिस बिल्कुल यार एग्जाम बाद में देनी है पहले समझना है तो समझो ना आप भी नीट वाले भी समझो क्या दिक्कत है नीट वाले आई है अब देखिए क्वेश्चन है ये अधिकतर बच्चों से होता नहीं और पहली बार देखने में समझ में नहीं आता है क्या करें है ना? काफी अलग टाइप का देखिए एक बार क्वेश्चन फिर मैं आपको समझाता हूं देखो पढ़ो क्या बोल रहा है दो सिस्टम ऑफ यूनिट है देर आर टू सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक है सिस्टम वन सिस्टम टू है ना तो सिस्टम वन है सिस्टम टू है और उनके अंदर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो किस तरह रिलेटेड है देखो v1 v2 a1 a2 तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि सिस्टम वन ये एक यूनिट है ये दूसरा सिस्टम सिस्टम का मतलब जैसे हो सकता है ये सीजीएस हो या एमकेएस हो है ना जैसे अभी एक डायन था एक न्यूटन था ये हो सकता है तो अलग अलग तो एक में जो वेलोसिटी है ना वो वी वन है

कि इन्हीं दो सिस्टम में लेंथ और टाइम किस तरह रिलेटेड है जैसे कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इसका टाइम टाइम और इसका ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है ये हमें निकालना है और इन दोनों का हमें दिया हुआ है ठीक है आ गया समझ में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज भी होगा अरे रवि यादव आप शुरुआत में नहीं आया मैंने पूरा कंटेंट बताया कि सब होगा है ना जो पहले नहीं देखा गया वो भी सब होगा कुछ वर्नियर कैलेपर में जेई एडवांस के कुछ अलग टाइप के सवाल हैं वो भी आज होंगे है ना पूरा सब कुछ होगा चलिए तो क्वेश्चन समझ आया जल्दी बताओ इधर वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी इधर का एक्सेलरेशन इधर का एक्सेलरेशन इधर की लेंथ टाइम इधर का लेंथ टाइम दो में रिलेशन दिया बाकी दो में पूछा है तो कैसे निकालें तो पहली बार तो देख के समझ में नहीं आता करे कैसे क्या किया जाए लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे डायमेंशन के अनुसार खेलोगे सब कर पाओगे ठीक है तो देखिए मैं कैसे अब यहां पर खेलता हूं एक्सेलरेशन मैंने देखा वहां एक्सेलरेशन कैसे दिखाई दे रहा है और एक्सेलरेशन देखते ही मुझे आइडिया आया कि यार इन्होंने में रिलेशन दिया है अल्फा बीटा ए टू ये इन्होंने रिलेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन होता है क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होता है ना तो वी वन अपॉन टी वन कर दो जी और अल्फा बीटा एज इट इज है और ये ये अपॉन कर दो अब इसका देखिए क्या इस लॉजिक से लेना देना है जो अभी अभी हमने पढ़ा उससे ये ये कैसे रिलेटेड रिलेटेड है है ऐसे कि मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख पाया इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी और इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी क्यों क्योंकि यहां पर ये वाला पॉइंट मैटर करता है डायमेंशन सेम रहते हैं सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में चाहे आपका ये पहला सिस्टम हो चाहे दूसरा एक्सलरेशन का फॉर्मूला डायमेंशन दोनों में सेम रहेगा तो ये डायमेंशन यहाँ के डायमेंशन सेम ही है ठीक है तो ये इसका लॉजिक था चलिए अब वेलोसिटी का आपके पास एक चीज आ गई अब वेलोसिटी को हम यहाँ से लिख सकते हैं देखो ये दे रखा है वी वन इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू वी है ना तो ये हमें दिया हुआ है तो उसका उपयोग करते हैं तो v1 की जगह देखो मैं लिख रहा हूं V1 की जगह में लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन, अपॉन टी वन इक्वल्स अल्फा बीटा है ना ये मैंने क्या करा ये मैंने वी वन को सब्सिट्यूट कर दिया गिवन से तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूजिंग गिवन डेटा हमने गिवन डेटा को यूज किया है बस तो देखो क्या आ रहा है टू टू कट जाएंगे अल्फा टू टू बीटा तो।, तो, तो जल्दी बताइए क्या रिलेशन आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है हाँ ये बीटा सर ऊपर चला जाएगा वो बीटा फिर इधर चला जाएगा नीचे है ना और और ये अल्फा चला जाएगा ऊपर तो सर यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है टी वन इज कितना अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर टू देखिए थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था तो कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन आ गया सबसे पहले तो चलिए तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है अब बात आती है लेंथ में कैसे निकालें तो अब टाइम में रिलेशन आ गया है टाइम में रिलेशन आ गया तो लेंथ में भी आ जाएगा कैसे सर अब वेलोसिटी का उपयोग करते हैं वेलोसिटी क्या दी हुई है तो वेलोसिटी हमें दी हुई है बी वन इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा वी टू ये दी है वेलोसिटी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम है ना लेंथ अपॉन टाइम ही होती है वेलोसिटी और वो दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम डायमेंशन होंगे डायमेंशन नहीं बदलते डायमेंशन इस सिस्टम में भी वही उस सिस्टम में भी वही अब रख देते हैं एलवन तो यहाँ है टीवन की जगह क्या रखते हैं टी वन की जगह ये रख दो अल्फा अपॉन बीटा टी टू टी वन की जगह रख रहे हैं अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर टी टू और ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा ये है आपका एल टू और नीचे है टी टू ठीक है अब यहां देखिए टी टू टी टू हो गए और L1, एल टू में रिलेशन आ गया ये बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा क्यूब बन जाएगा तो L1 इज अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब एल टू आ गया रिलेशन तो कौन सा ऑप्शन है जरा बताओ ए ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है क्लियर है तो इस तरीके से करना होता है तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ इस चैप्टर का इसमें और वो कॉन्सेप्ट था कि डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ बदलते नहीं है दोनों में सेम रहते हैं ठीक है सो एवरीबडी क्लियर चलो अब लास्ट चीज जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन इसके पहले हो सकता है आपको ब्रेक दे दें और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आगे फिर हम बढ़ेंगे तो अभी आपको ब्रेक दे दूं चलेगा है ना तो अभी ब्रेक लेते हैं लेकिन इसको मिस मत करिएगा ये बहुत जरूरी है तो ध्यान रखिए कि भाग मत जाइएगा कि ब्रेक मिला तो अब तो निकल ही गए तुरंत आइएगा 20 मिनट का ब्रेक हम लोग ले रहे हैं यहां पर 20 मिनट के ब्रेक के बाद आपको वापस आना है आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है बच्चों है ना एक ही चीज नहीं है बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो फिर आपको मेहनत उस हिसाब से ही करना पड़ेगी तो 20 मिनट का यहां हम डालते हैं टाइमर और जल्द से जल्द लौटते हैं चलो सो ट्वेंटी मिनट्स है स्टार्टेड ठीक है अभी खत्म नहीं हो गया कुछ लोग बोल रहे हैं डीपीपी ले दो अभी खत्म थोड़ी हो गया लेक्चर अभी तो और चलेगा दो घंटा हुआ है अभी तो चार घंटा और चलेगा ठीक है <laughs> अभी तो वर्नियर कैलिपर है अभी तो इसके यूजेस हैं सिग्निफिकेंट फिगर एरर्स वर्नियर कैलिपर कितनी चीजें बाकी ऑल राइट वेलकम बैक स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू करेंगे इस बड़े ही जरूरी चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जैसा मैं आपको पहले से कहते आ रहा हूं गारंटीड लिख के दिया है आपको कि गारंटीड एक क्वेश्चन एडवांस में आएगा गारंटीड एक क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन मेन्स में आएंगे ठीक है दो भी आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर भी आ जाता है स्क्रू गेज भी आ जाता है कई बार दो दो एक साथ ठीक है तो चलिए अब देर किस बात की शुरू करते हैं Let us start. Continue किया जाए तो आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि हम कर क्या रहे थे हम लोगों ने डायमेंशन वगैरह पढ़े यूनिट्स पढ़े यूनिट्स के सिस्टम पढ़े फिर हम एप्लीकेशन देख रहे थे डायमेंशन के कि क्या क्या एप्लीकेशन है पहला हमने देखना कि डायमेंशन निकाल देना कॉन्स्टेंट्स के फिर हमने देखा कि भाई इसके बाद आप देखते हो कॉन्स्टेंट्स फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की यूनिट्स डायमेंशन दोनों निकाले जा सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने आखिरी देखा था उस पर बेस्ड एक सवाल किया था और अब हमें आगे बढ़ना है जो एक और जरूरी चीज आ रही है आपके सामने एंड इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एंड दैट थिंग इज वॉट इज दैट इट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस आपको बता सकता है कि इक्वेशन सही है या नहीं कोई भी इक्वेशन सही है या नहीं वो आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताएगा ठीक तो है तो चलिए देखते हैं किस पे आधारित है ये आधारित है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके तीन चार पॉइंट है जो मैं आगे, आगे आपको बताऊंगा उससे पहले ये देख लें कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन क्या है मतलब आपके सामने मान लीजिए कोई ये इक्वेशन दे दे एफ इक्वल एम a अब ये इक्वेशन गलत है हम जानते हैं राइट इट इज रॉन्ग और ये रॉन्ग है ये आपको कैसे पता चलेगा ये अगर फॉर्मूला तो डायरेक्टली बता सकते हो कि गलत है लेकिन फॉर्मूला नहीं आता तो आप डायमेंशन देख के चेक कर सकते हो जैसे यहां पर आप डायमेंशन रखते जाओ जैसे इधर डायमेंशन क्या आएंगे फोर्स के एम एल टी माइनस टू और इधर क्या हो गया इधर हो गया एम स्क्र और एक्सलेशन का क्या होता है एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ बराबर नहीं आए है ना दीज आर नॉट इक्वल और अगर दोनों तरफ डायमेंशन बराबर नहीं आए इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है है ना इसीलिए हमने इसको रॉन्ग कहा है तो डायमेंशन ने आपको बता दिया कि भाई ये जो इक्वेशन है दिस इज रॉन्ग इक्वेशन एम स्क्वा कभी भी नहीं होता ठीक है एफ इक्वल एम ए होता है स्क्वायर कभी नहीं होता तो ये स्क्वायर ने गड़बड़ कर दी ठीक है तो इसमें आपने एक चीज यूज करी क्या कॉन्सेप्ट आपने यूज किया आपने ऑटोमेटिकली ये कह दिया कि एल एच एस के डायमेंशन आरएचएस के इक्वल होने चाहिए राइट ये आपको कैसे पता चला यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है आरएचएस और एल एच एस के डायमेंशन बराबर होने चाहिए और भी ये बहुत कुछ बातें कहता है उसको समझते हैं एक एक करके तो अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सारी बातें क्या क्या है पहली बात जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वो ये कि ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अब आप खुद सोचिए क्या इस बात की कोई सेंस है टू किलोग्राम प्लस टू सेकेंड्स क्या इस बात की कोई सेंस है नॉन सेंस जेठा लाल कहेगा इसको देख के है ना क्या नॉन सेंस ही बात लिखी हुई है क्या कभी मास और टाइम एड हो सकते हैं नहीं नो सेंस एट ऑल दिस इज रॉन्ग ठीक है तो कभी भी दो डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती सिमिलरली कोई आपसे बोल दे कि भाई टू सेंटीमीटर में से मैंने तो भाई चार किलो घटा दिए आप फिर से बोलोगे कि नॉन ये क्या बात हुई ये भी गलत है कभी सेंटीमीटर में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट होता है क्या बिल्कुल नहीं होता तो हमेशा याद रखिएगा सेम के क्वान्टिटीज ही एड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो यहां पर आप किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड कर सकते हो ये चलेगा दिस इज परफेक्ट दिस इज करेक्ट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ही ऐड होगा ये आपको तो समझना है ठीक है ये लीजिए तो ये काम करके जेठालाल को नाराज नहीं करना ठीक है तो जेठा जी एकदम से नॉन सेंस चलो अब अगले दूसरा जो अभी अभी हमने इस्तेमाल किया कि एल के डायमेंशन आर के हमेशा बराबर होते हैं ठीक है दे आर ऑलवेज इक्वल एल एच एस आर एच एस हमने अभी देखा भी था और होना भी चाहिए क्योंकि फिर से कोई बोल दे कि दो किलो बराबर है चार लीटर के दो किलो बराबर है चार लीटर के हो सकता है नॉन सेंस ठीक है ये भी नॉन सेंस है तो हमेशा डायमेंशंस दोनों तरफ के बराबर होने पड़ते हैं इससे आपको यह समझ में आ जाता है जैसे मान लो कई बार ये देते हैं वाई इक्वल्स टू सेंटीमीटर अब y इक्वल टू सेंटीमीटर दिया यानी y के डायमेंशन क्या है इससे आपको पता चल गया y इज ऑल्सो लेंथ क्योंकि दूसरी तरफ लेंथ है आर एच एस में अगर लेंथ है तो एल एच एस में भी क्या होना पड़ेगा लेंथ होना पड़ेगा यह आपको प्रिंसिपल से पता चल गया अब तीसरी जो सबसे जरूरी इस पे जेई के क्वेश्चन आते हैं मेन्स एडवांस दोनों के कि जो पावर्स होती है ना पावर्स हमेशा डायमेंशन लेस होती है बच्चों ध्यान रखिएगा पावर्स टू अ क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशन लेस तो जैसे आपको यहां पर लिख दिया एक्स टू द पावर वाई तो एक्स के भले ही डायमेंशन हो x के डायमेंशन हो सकते हैं बट सो so x कैन हैव डायमेंशन बट कैन नॉट y के क्यों नहीं हो सकते क्योंकि y जो है वो पावर हो गई ठीक है और पावर्स जो होती हैं, पावर्स हमेशा डायमेंशन लेस होती हैं, ध्यान रखिएगा ठीक है तो एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स लिखा है या एक्सपोनेंशियल की पावर ए कुछ लिखा है है ना तो इसमें आप समझ ही जाना या जैसे ई e की पावर ए लिख दिया तो इससे आप तुरंत समझ जाइएगा एक्सपोनेंशियल की पावर ए है दिस इंप्लाइज ए इज डायमेंशन लेस

ये एक ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है ठीक है ट्वेल्थ ग्रेड का आरसी सर्किट इस तरह की वहां पर चार्जिंग होती है सीई वन माइनस ई रेस टू नेगेटिव टी बाय टाओ अब हमें डायमेंशन लेस ये डायमेंशन से एक चीज पता है कि भाई पावर डायमेंशन लेस होती है और अगर पावर डायमेंशन लेस होती है तो बताओ टाओ के डायमेंशन क्या होंगे अब आपने लिखा कि भाई e की पावर है नेगेटिव पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ता आप e की पावर नेगेटिव भी कर दो ना तो भी a डायमेंशन ही होगा पावर पावर होती है प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपने जैसे ही देखा कि e की पावर में t अपॉन टाउ है तो आपने क्या लिखा सबसे पहले आपने कहा कि देखो भाई इससे समझ में आया कि t अपॉन टाउ डायमेंशन होना चाहिए डायमेंशन होना चाहिए अपॉन टाउ और अगर दो क्वान्टिटी का रेशियो डायमेंशन लेस हो मतलब टाओ है टाइम मतलब, के डायमेंशन है टाओ के पास और इसीलिए हम इसको टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है आर सी ठीक है तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर सी जहां पर आर रेजिस्टेंस सी कैपेसिटेंस तो आप क्या बोलोगे कि आर सी के डायमेंशन टाइम है ऐसे ही आप इंडक्टर और रेजिस्टर सर्किट देखते हो एल आर वहां पर क्या आता है एल अपॉन आर आता है टाउप है ना तो वहां पर भी आप क्या कहोगे एल अपॉन आर के जो डायमेंशन है वो क्या है टाइम के डायमेंशन है तो 2022 मेंस में एक सवाल आया था जहां पूछा था विच ऑफ द क्वांटिटीज क्वान्टिटीज हैव डायमेंशन ऑफ टाइम एक ऑप्शन था आर सी तो इसके तो होंगे एक ऑप्शन था एल अपॉन आर उसके भी डायमेंशन टाइम के होंगे एक था फ्रीक्वेंसी का इनवर्स वन अपॉन ओमेगा उसके भी डायमेंशन टाइम के होंगे फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम होता है और एक कुछ चौथा दे दिया था जिसके नहीं थे तो वो आपको चुनना था ठीक है तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ठीक है चलो अब बढ़ते हैं आगे देखो इसका सिंपल सा यूज करके फिर से आपको बता देता हूं बोला जा रहा है बताओ क्या ये इक्वेशन सही है

गलत हो गया दिस इक्वेशन इज रॉन्ग है ना ये इक्वेशन क्या है है, है। है? हमारा answer है। तो ये equation सही नहीं, ठीक और इधर एम टी माइनस टू आया गलत अब एक और चीज दे दी आपको देखो चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ये कोई एक इक्वेशन दी हुई है टू एफ अपॉन एल क्यूब जीरो जहां पर कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करी आपको बोला हुआ है देखो रो डेंसिटी जी ग्रेविटी एल लेंथ फोर्स हाइट जरा चेक करके बताओ क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं तो चैट में जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं आपको बताना है ये इक्वेशन सही है या नहीं चलिए करके देखते हैं देखो भाई लेंथ में एल में तो लेंथ आ गया बिकॉज हाइट क्या होती है लेंथ ही होती है एक तरह इधर क्या आ गया इधर टू का तो कोई डायमेंशन नहीं वो कॉन्स्टेंट है फोर्स फोर्स बोला हुआ है ना F फोर्स है फोर्स के डायमेंशन हमें आते हैं एम एल टी माइनस टू नीचे लेंथ क्यूब है ग्रेविटी ग्रेविटी क्या होता है भाई ग्रेविटी होता है एक्सेलेशन एक्सलेशन के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना ऐसे आप याद रख सकते हो यूनिट से भी याद रख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और डेंसिटी अब डेंसिटी बताओ क्या होता है तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है एल क्यूब है ना यही डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम तो चलिए चेक करिए क्या ये सही आ रहा है तो देखो इधर एल क्यूब से एल क्यूब कट गया टी माइनस टू से टी माइनस टू एल से एल एम से सब कट गया नो डायमेंशन इधर तो सब, no तो. सब कैंसिल हो गया भाई यहां तो है ना तो ये कह रहा है इक्वल टू नो डायमेंशन गलत रॉन्ग इक्वेशन ये इक्वेशन गलत है क्यों गलत है क्योंकि आरएचएस में डायमेंशन आ ही नहीं रहे और एल एच एस में लेंथ आ रही है इधर भी लेंथ आना चाहिए था तो ये सही होती ठीक है इसीलिए ये गलत है तो ये इक्वेशन गलत है तो इस तरह से आपने इक्वेशन की करेक्टनेस बता दी अब देखो ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आएंगे ध्यान रखिए स कभी नहीं पूछेगी टेल वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट नॉट लेकिन वो घुमा के पूछेंगे घुमा के कैसे ये जितने प्रिंसिपल मैंने आपको बताए ना होमोजीनिटी के ये सब काम आने वाले कि पावर लेस होती है बराबर करो सेम क्वांटिटी ही एड्रैक्ट हो सकती है अब देखो इसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखिए इस बार दो, दो हजार बाईस का क्वेश्चन है देखिए ताजा ताजा क्वेश्चन है अभी अभी धुआं भी निकल रहा है इसमें से इतना फ्रेश अभी अभी अवन में से निकला है तो अभी आपको पता है जुलाई जो अटेम्प्ट हुआ था जून और जुलाई में हुई थी मेंस तो जुलाई अटेम्प्ट का ये सवाल है देखिए क्या बोल रहा है वेंडर वॉल इक्वेशन है केमिस्ट्री की है ना तो वेंडर वॉल इक्वेशन बना दी और उसमें ए और बी कांस्टेंट है तो बोल रहा है ये जो ए और बी का अगर हम रेशियो लें डायमेंशनली तो किसके बराबर है ए और बी का रेशियो अगर लिया जाए तो डायमेंशनली किसके बराबर होगा ठीक है लेट्स सी अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज होगा पहले ये ब्रैकेट देखो v- माइनस बी अब मुझे एक बार बताओ कि अगर b को वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या पहला प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल कहता है ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन का ही हो सकता है, है ना तो वॉल्यूम में से आप वॉल्यूम ही तो घटाओगे वॉल्यूम में से लेंथ थोड़ी कम कर सकते हैं इससे क्या समझ आया इससे यह समझ में आया B इज ऑल्सो वॉल्यूम B के डायमेंशन क्या है वॉल्यूम है समझ में आया तो B के डायमेंशन वॉल्यूम हो गए क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिर यहां एडिशन हो रहा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर अब प्रेशर में आप ये ऐड कर रहे हो तो प्रेशर में ऐड कर रहे हो इसका मतलब ए अपॉन वी अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन किसके बराबर होंगे प्रेशर के बराबर होंगे क्या ये बात समझ आई ये प्रेशर में अगर ऐड हो रहा है तो ये भी प्रेशर ही होगा अब वॉल्यूम स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बन गया पी इंटू वी स्क्वायर तो ए आ गया और बी जो है वो तो वी के बराबर है ही तो बस अब आपसे कितना आसान सवाल देखिए इसी बार का सवाल ए बाय बी का रेशो आपसे पूछ रहा है ए बाय बी का रेशो हो गया पी वी स्क्वायर अपॉन वी जिसका कि आंसर आ गया पी वी कितना इजी सी ऑप्शन करेक्ट है ना तो बस क्लास को ध्यान से भी सुन लेना तो कुछ सवाल तो ऐसे ही बन जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसको याद रह गया उसने ये 2022 में आसानी से चार नंबर अचीव कर लिए और चार नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो हो जाता है पता है ना आपको एक एक नंबर पे हजार हजार रैंक नीचे गिर जाती है जब लोअर ब्रैकेट में हम आते हैं ऊपर में तो गैप ज्यादा रहती है लेकिन जैसे नीचे आते हैं पांच हजार छह हजार आठ हजार रैंक के रेंज में आते हैं तो एक एक नंबर पे हजार हजार रैंक का डिफरेंस आ जाता है तो ये एक सही किया हुआ सवाल आपका सिलेक्शन करवा सकता था अगर आप नहीं हो रहे थे सिलेक्ट ठीक है इतनी इंपॉर्टेंट है, है इस इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की ठीक है और है कितना इजी ठीक तो चलो बढ़ते हैं आगे 2022 में एक और आया था हर शिफ्ट में एक सवाल था अब इससे आप इम्पॉर्टेंस समझिए इस चैप्टर की हर शिफ्ट में एक सवाल देखिए ये एक और सवाल अब ये थोड़ा बेटर वर्जन है इसमें एक्सपोनेंशियल वगैरह दिए हुए हैं तो ये क्या लिखा है मैं जरा आपको लिख देता हूं आप पढ़िए तब तक रीड द क्वेश्चन यूर सेल्फ एंड आई विल राइट डाउन यूर और ये पता रिपीटेड क्वेश्चन था ऐसा ही 2021 में भी पूछा है और ऐसा ही एक बार पहले 18 या 17 में भी आया था रिपीटेड सवाल क्वेश्चनों का अकाल पड़ गया है मेंस के पास तो वही रिपीट करती रहती है ठीक है तो ये एक्सपोनेंट की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी ये लिखा हुआ है बेसिकली आधे लोग तो क्या है ना यही नहीं समझ पाए एक्स ई एक्सपी का क्या मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डी के आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल राइज देखा होगा ये वो ई e लिखा हुआ है ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू दिस आपको बोला हुआ है, है ना? अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ बीटा के डायमेंशन क्या है वॉट इज दशन ऑफ बीटा तो बीटा के डायमेंशन कैसे निकलेंगे अब देखिए एक एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होगा यहाँ कैसे सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे आपने सबसे पहले देखा पावर पावर के बारे में मैंने कुछ बता रखा है क्या बताया है? कि भाई पावर रेस टू क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस कुछ भी पावर चढ़ी हो वो डायमेंशन लेस होती है तो चलो डायमेंशन लेस कर देते हैं इस पावर को डायमेंशन लेस कर देते हैं तो पहला जो हमारा यहाँ से कंक्लूजन uh, निकला है दैट कंक्लूजन इज एक्स स्क्वेर अपॉन अल्फा के टी शुड बी डायमेंशन लेस ये डायमेंशन लेस होना चाहिए चलो डायमेंशन लेस कर देते हैं अब इसके लिए मुझे आप ये बताइए कि KT के टी के डायमेंशन क्या है के इज बोल्डमैन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज टी तो आपको याद होगा कि एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलाउंग पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी ये थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ाया जाता है के में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस

अल्फा हमें चाहिए और के टी के टी होता है एनर्जी और एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं याद होना चाहिए आपको अब तक तो अब हमने इतनी बार कर लिया है कि आपको रटे हुए होने चाहिए एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया अल्फा आ गया एम माइनस वन टी स्क्वायर अब अल्फा पूछ लेता तो अभी यही आंसर आ जाता कि अल्फा के ये डायमेंशन है लेकिन चालाक ने पूछा है बीटा कि बीटा के बताओ भाई तो बीटा के डायमेंशन निकालते हैं लेट्स सी बीटा यहां बैठा हुआ है और एक्सपोनेंट के डायमेंशन क्या होते हैं एक्सपोनेंट का तो कुछ होता नहीं है तो नंबर है नंबर के कोई डायमेंशन नहीं अब बस अल्फा बीटा और एफ यही बचा है तो अब आर एच एस इक्वल एल एच एस यूज करते हैं चलिए तो अब मैं कहूंगा कि एल एच एस के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू आर एच एस तो यहां से ये यह पता चला कि लेफ्ट में फोर्स है फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू राइट right में अल्फा है है ना अल्फा अल्फा अभी अभी हमने निकाला देखो एम माइनस वन टी अल्फा लिख दिया हमने और साइड में बैठा है बीटा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल का कुछ नहीं होता वो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस नो डायमेंशन ऑफ दैट तो बस बीटा का आ गया देखो ये एम इधर उचक के गया एम स्क्वायर एल ऐसा ही है टी इधर जाके और क्या बना देगा माइनस फोर बना देगा उसको तो लो ये आ गया स्क्स टू माइनस फोर टी रेस टू माइनस सिंपल इज रूल्स हैं अगर आप उनको यूज करोगे ना तो आसानी से सवाल बनेंगे तो फ्रेश क्वेश्चन था ये तो अभी अभी का था क्लियर हुआ होगा है ना समझ आया होगा बढ़ते हैं आगे अब जो पांचवा एप्लीकेशन है डायमेंशनल का पांचवा एप्लीकेशन इज टू तो डिराइव न्यू फॉर्मूला नए को डिराइव करने के लिए काम आता है नए फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर लें भाई मान लीजिए आप ऐसा कोई फॉर्मूला हो जो आपको पता हो तो डिराइव करने की जरूरत नहीं लेकिन नहीं पता हो अगर आप नहीं जानते कि ये फॉर्मूला है क्या तो आप इसके थ्रू डिराइव कर सकते हैं जैसे कोई भी आप फॉर्मूला ले लीजिए एफ इक्वल एम ए ले लेते हैं ये वाला F equal M. अब ये तो हम जानते हैं इसको डिराइव क्यों करें बिल्कुल सही बात है आप तो जानते हो अस कंसीडर एक छोटा सा बच्चा फोर्थ ग्रेड का जिसने अभी तक एफ इक्वल एमए नहीं है चौथी पांचवी कक्षा में जो ये भी नहीं जानता कि एफ इक्वल एम ए होता है ठीक है तो एफ इक्वल एम ए अगर होता है उसको यह भी नहीं मालूम तो वो कैसे डिराइव करेगा तो उसको हम सिखा देंगे बस डायमेंशन तू डायमेंशन सीख ले डायमेंशन एक बार सीख गया तो एफ इक्वल है उसको नहीं मालूम एफ इक्वल है तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि बेटा फोर्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है ये बता दो मास और एक्सलरेशन तो आपने बता दिया कि भाई मास और एक्सलरेशन पर डिपेंड करता है ठीक है उसने ये बात सुन ली लेकिन कैसे करता है उसको नहीं मालूम उसके लिए तो सारी पॉसिबिलिटी है वो तो बोल सकता है एफ इक्वल एम अपॉन ए भी हो सकता है और एफ इक्वल ए स्क्वायर अपॉन एम भी हो सकता है उसके लिए तो उसको पता ही नहीं है ना उसके लिए सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो वो कैसे पता लगाएगा तो बिकॉज उसको पता नहीं है कि क्या है इन में से सही फॉर्मूला तो उसको हम कहेंगे कि बेटा तुम पावर अज्यूम कर लो फोर्स को तुम डिपेंडेंट दिखाओ मास मास पे लेकिन होगी माइनस वन होगी हो तुम्हें नहीं पता ना तो उसकी पावर एक्स मान लो अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की माइनस वन है पावर टू है तुम्हें नहीं पता तो तुम एक काम करो इसकी पावर वाय मान लो तो आपने उसको कहा कि जो भी क्वांटिटीज हैं उसकी पावर कंसिडर कर लो एक्स और वाई और अब तुम्हारा एक ही काम है एक्स और वाई को निकाल लेना एक बार एक्स वाई निकाल लिए तो तुम्हें पता चल जाएगा ये फॉर्मूला सही है ये सही है या दोनों ही सही नहीं है उसको पता चल जाएगा है ना अब वो प्रपोर्शनलिटी हटाएगा और प्रपोर्शनैलिटी हटा के एक कॉन्स्टेंट लगाएगा कॉन्स्टेंट के तो देखो वैसे भी कोई डायमेंशन होते नहीं है इट इज डायमेंशनलेस अब उसको हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगा दे इधर के डायमेंशन इधर के बराबर कर दे चलो करो यहां पर एम एल टी माइनस टू है उधर के का तो कुछ होता नहीं कांस्टेंट, और एम का एम की पावर एक्स है, और वाई वाई जो है वो आई मीन एक्सलेशन ये है तो उसने दोनों तरफ के इक्वल कर दिए अब देखो क्या आ रहा है यहां से यहां से आ रहा है एम की पावर एक्स l की पावर y t की पावर -2y इधर आपका आ रहा है mlt -2 अब उसको हम कहेंगे बेटा कंपेयर कर लो यहाँ से ये x है और इधर 1 है है ना इधर मास की पावर 1 इधर मास की पावर x जिससे क्या पता चला तुम्हें जिससे पता चला कि x 1 है तो इधर l की पावर देखो इधर l की पावर देखो जिससे ये पता चला कि y भी 1 है x और y दोनों निकल गए और x और y दोनों निकलेगा अब ये उठा के कहां रख देगा ये उठा के वापस ओरिजिनल फॉर्मूला में रख दो और देखो आंसर आ गया क्या आंसर आया तो अब वो साफ साफ लिख देगा दैट की और a की पावर पावर और तो डिराइव कर लिया ना उसने एफ इक्वल एमए उसका एफ इक्वल एमए डिराइव हो गया एक चौथी का बच्चा पांचवी का बच्चा उसने एफ इक्वल एमए डिराइव कर लिया वैसे कई बार मुझे एग्जाम्पल देता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बच्चा इतना कर सकता है क्या वो एफ इक्वल एमए याद नहीं रख सकता लेकिन अब बोलने के लिए बताना पड़ता है एग्जाम्पल देने के लिए तो एफ इक्वल के टाइम्स में एक ड्रॉबैक है इस मेथड का और ड्रॉबैक क्या है के जो है वो अनोन ही रह जाता है आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते इस मेथड से अच्छा है ना नहीं निकाल पाते बच गए अपन की के रह जाता है नहीं तो सोचो सारे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दुनिया में बंद हो जाते सारे लोग दुकान खोल के बैठ जाते जितने भी साइंटिस्ट हैं फिजिसिस्ट हैं वो बस एक ही चीज करते हैं डायमेंशनल इधर से जोड़ो तोड़ो मरोड़ो डिवाइड करो इस पर डिपेंडेंसी उस पर डिपेंडेंसी डिराइव कर करके देखते रहो कुछ नया फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं है ना यूं ही नोबल बट रहे होते हर उसमें जैसे पीएचडियां बटती है इंडिया में है ना तो पी एच डी आजकल ऐसे बांटी जा रही है कि बस जैसे ले लो भिंडी बाजार में भिंडी ले जाओ आधा किलो डॉक्टरेट चाहिए ले जाओ आधा किलो हाँ भाई तुम्हें किसने पी एच डी चाहिए अच्छा ले जाओ नोबे प्राइज़ एक भी नहीं इंडिया के पास इतने IITs, इतने इतने सालों से से काम कर रहे हैं डॉक्टरेट वहां से निकल चुके हैं लेकिन इंडिया के पास नोबल प्राइज नहीं कुछ लोग हैं जो जेन्यनली काम करते हैं उनकी वजह से नाम रोशन हो रहा है तो इसलिए हमारे पास डीआरडीओ है डी आर डी ओ की सक्सेस स्टोरी सब जानते हैं और अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में काम किया इसरो है हमारे पास सक्सेस के लिए वो एक है लेकिन बाकी जो अब आसपास देखते हो डॉक्टर लगाने के लिए ऐसे ही घूम रहे थोक भाव में तो चलिए अगले पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए ग्रेविटी कैसे डिपेंड करती है अब इसके बाद एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे एडवांस क्वेश्चन पे जाए उससे पहले ये देख लो अब मान लीजिए किसी को पता नहीं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है तो हमने बस उसको बता दिया कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे कि टाइम पीरियड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा ये उसको बता दिया और बोला कि डिराइव करो तो टाइम पीरियड उसको पता है इन दो चीज पर डिपेंड करता है कैसे करता है नहीं पता तो बोलेगा लेंथ की पावर एक्स ग्रेविटी की पावर वाई ये मान लिया फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया के की वैल्यू फिर से उसको पता नहीं रहेगी है ना के की वैल्यू अननोन रह जाएगी अभी भी लेकिन डायमेंशन तो बराबर किए जा सकते हैं तो इधर है K है यहां पर कांस्टेंट लेंथ लेंथ की पावर एक्स हो गई ग्रेविटी ग्रेविटी हो गई एल टी माइनस टू उसकी पावर वाय ये हो गई ठीक है अब देखिए टी इक्वल यहां से देखो l की पावर x और यहां से l की पावर y x plus y है ना इधर से लेंथ की पावर x आई है इधर से लेंथ की पावर y आई है मैथ्स है ना सेम वेरिएबल की पावर्स जुड़ जाती हैं तो पावर्स जुड़ गई और t की पावर minus -2y ही रह गई ठीक है तो इतना बेसिक मैथ तो आता होगा सबको पावर्स का तो पावर्स का फंडा ये अब देखिए t की यहां पावर 1 है यहां पर 2 आए तो यहां से ये यह पता चला 1 इज इक्वल टू -2y तो y की वैल्यू आ गई माइनस हाफ ये पहली चीज दूसरा यहां लेंथ प्लस वाई है और यहां लेंथ है ही ही नहीं नहीं है नहीं मतलब जीरो। तो प्लस भी जीरो। तो x x की वैल्यू माइनस वाई आ गई और माइनस वाई आने के प्लस हाफ आ गई तो बस अब जैसे ही ये वैल्यूज आई क्या करेंगे हम उठा के इस फॉर्मूला में रख देंगे और देखिए t आ जाएगा हमारा दी इज के एल की पावर तो x है x पॉजिटिव हाफ है और g की पावर माइनस हाफ है तो यहां से t आ गया t रूट एल अपॉन जी के अननोन रह जाता है ये आप लोगों को बाद में जो इलेवेंथ वाले बच्चे हैं इलेवंथ वाले बच्चों को ये बाद में पता चलेगा कि ये टू पाए होता है है ना और तब हम इसको कॉन्सेप्चुअली डिराइव करेंगे ये फेक डेरिवेशन है ये बस ऐसे ही तुक्का जुगाड़ इंडिया में जुगाड़ बहुत चलती है ना तो ये जुगाड़ है तो जुगाड़ कभी परफेक्ट नहीं होती थोड़े टाइम के लिए काम कर जाएगी बट जुगाड़ है, तो इसमें के नहीं मालूम पड़ता कॉन्सेप्चुअली जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे अब आगे आए देखिए एडवांस का एक सवाल जिसमें बोला जा रहा है एक नई आपके सामने क्वांटिटी आ गई तो क्या क्वांटिटी है ये आई है टू फाइंड द डिस्टेंस ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन सिग्नल देखना है रेलवे को है ना तो रेलवे का सिग्नल है जो बाहर उसको दूर देखना है और रेलवे इंजीनियर यूजेज डायमेंशन एंड अज्यूम दैट डिस्टेंस क्वेश्चन को पढ़ी कह क्या रहा है डिस्टेंस ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन कितने दूरी तक सिग्नल दिख सकता है तो सिग्नल कितनी दूरी तक दिख सकता है वो डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है देखिए प्रपोर्शनैलिटी वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द मास डेंसिटी तो एक तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो रो की पावर एक्स कर देते हैं है ना और बताइए क्या है इंटेंसिटी इंटेंसिटी को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस की पावर वाई इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है एफ की पावर जेड तो तीन चीजों पे यहां पर सिग्नल डिपेंड कर रहा है तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं बताइए डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थ्री कंडीशन तो प्रपोर्शनलिटी हटाते हैं कॉन्स्टेंट लगाते हैं के लगाया रो की पावर एक्स एस की पावर वाई एफ की पावर जेड है ना ये कर दिया डिस्टेंस तो लेंथ होता है आप डायमेंशन रखते हैं के का तो कोई डायमेंशन नहीं डेंसिटी का बताओ डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम तो एम एल माइनस थ्री डायरेक्ट लिख दूं या चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम की पावर एक्स अच्छा अब बताओ इंटेंसिटी क्या लिखा है पावर अपॉन एरिया और पावर खुद क्या होता है पावर खुद होता है एनर्जी अपॉन टाइम और नीचे एरिया तो पहले से ही है उसकी पावर वाई और फ्रीक्वेंसी तो देखियो हो, होता ही है टाइम इनवर्स टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है टाइम का रेसिप्रोकल होता है हाँ एस्थेटिक कह रहे रिपीट प्लीज रिपीट का मैंने आपको फंडा दे दिया है कि देखिए यूट्यूब में रिपीट का सेंस नहीं है आप अभी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करें क्लास के बाद जब स्ट्रीम एंड हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको सबको दोबारा करने और तब आप रिपीट फॉर्म में देख सकते हैं इनको है ना तो रिकॉर्डेड का तो यही खासियत है तो देखिए ये चीज समझ आई क्या है डिस्टेंस इन इन क्वांटिटीज पे पे डिपेंड डिपेंड कर रहा है है तो जो जो क्वांटिटी करता है, उनकी रैंडम पावर्स हम अज्यूम कर लेते हैं और हमारा मकसद है अब इन पावर्स को निकालना तो हम दोनों तरफ के डायमेंशन अब बराबर कर देते हैं इधर डिस्टेंस लेंथ है और इधर सारी चीजें जो है वो दिख रही है चलो अब डायमेंशन रखो इसमें लेट्स ऑल द डायमेंशन तो तो लेंथ तो लेंथ रह गई इधर ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा m की पावर x l की पावर माइनस थ्री एक्स है लेंथ ऊपर आ गया नेगेटिव बन के अच्छा एनर्जी बताओ क्या है भाई एनर्जी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और नीचे क्या है टाइम और ये क्या है एरिया एरिया क्या होता है लेंथ स्क्वायर उसकी पावर y और टाइम की पावर माइनस जेड तो देखिए ये तो हो ही गया टी टू द पावर माइनस जेड ऑटोमेटिकली चलिए तो सबके डायमेंशन रख दिए अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया यहां पर और ये बन गया एम टी टू द पावर माइनस थ्री तो देखिए अब ये क्या दिखाई देगा आपको अब ये आपको दिखाई देगा एल इक्वल एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर माइनस और यहां से क्या आएगा यहां से लेंथ लेंथ तो कट जाएंगे एम की पावर वाई आएगा एम की पावर y और टी की पावर माइनस थ्री वाई है ना समझ में आ रहा है ये ऑपरेशन है ये एल स्क्वायर तो गए T जब ऊपर आएगा माइनस तो थ्री कर देगा माइनस थ्री का वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थ्री वाई और टी की पावर माइनस जेड तो है तो अब टोटल सबको एक क्लब कर लो देखो मास की पावर कितनी आ रही है एक्स प्लस वाई आ रही है देखो लेंथ की पावर कितनी आ रही है तो लेंथ में तो बस माइनस थ्री एक्स है और टाइम में देख लो यहाँ माइनस थ्री वाई और यहाँ से माइनस जेड ये इसके बराबर अब दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल कर देते हैं तो देखो क्या आएगा तो लेंथ यहाँ पर वन है तो माइनस थ्री एक्स इक्वल वन पहला तो ये इम्प्लाय हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव वन बाय थ्री अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई इधर एक्स प्लस वाई कुछ है ही नहीं तो y की तो की वैल्यू कितनी आई? और और के देखिए यही वो पूछ रहा था, y. Y क्यों वो पूछ रहा रहा था था क्यों वो वो क्योंकि कह रहा है कि की की है क्या डी इज प्रपोर्शनल टू एस की पावर वाई तो ये जो वाई है वही वन अपॉन है ठीक है सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन कि y इज ओनली 1 अपॉन n जो y है उसी को तो 1 अपॉन n दिया ये देखो 1 अपॉन n जो पावर है तो बस y को 1 अपॉन n के बराबर कर देते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 इज द आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 है ऑलराइट right. तो देखिए सिंपल सी मेथड है आप चाहो तो एक बार मैं क्विक रिकैप जरूर दे दूं इस मेथड का कि ये मेथड काम कैसे करती है सबसे पहले एक क्वांटिटी दी जाती है जैसे यहाँ डिस्टेंस दिया गया बोला जाता है कि ये डिपेंड करता है आपको सिर्फ बोल रहा है डिपेंड्स देखो इट डिपेंड्स कैसे डिपेंड करता है ये नहीं बताया तो आपको पता नहीं है ना कैसे डिपेंड कर सकता हो सकता है डेंसिटी स्क्वायर हो हो सकता है एस की पावर माइनस फाइव हो आपको नहीं पता तो जब नहीं पता है तो हम उसको वेरिएबल लेंगे पावर्स को तो जो जो दिया जाता है बस हम वो लिख लेते हैं क्वांटिटी उनकी पावर्स को वेरिएबल अज्यूम करते हैं फिर वेरिएबल पावर लेने के बाद दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर करते हैं इसके डायमेंशन भी रख दिए सबके एल में जो है उनके भी डायमेंशन रख दिए थोड़ा बहुत सॉल्व किया मास मास अलग कर लिया लेंथ लेंथ अलग कर ली टाइम टाइम अलग कर लिया और पावर्स को कंपेयर कर लिया बस हर क्वेश्चन में यही करना होता है ठीक है क्लियर चलिए तो अब अगला देखते हैं हाँ ट्वेल्थ का कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब देखिए यहां पर इस चीज से रिलेटेड एक और चीज है जिससे एडवांस बहुत क्वेश्चन पूछता है तो अगला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना ये एडवांस स्पेसिफिक है एडवांस का फेवरेट फेवरेट टॉपिक ऑफ एडवांस तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा एडवांस वाले हमेशा इसी से ही पूछते हैं उनको इससे हर बार क्वेश्चन देने में बड़ा मजा आता है तो क्या है ये टॉपिक देखिए ये टॉपिक है जब बेस डायमेंशन को चेंज कर देना यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बदल देना है ना तो ये सपोज करवाता है एडवांस को कोई नई दुनिया बनाने में मजा आता है जैसे यार वो एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था आज कि जहां पर मास को डायमेंशन बोल दिया एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन थी फिर एनर्जी का पूछा था फोर्स का पूछा था ऐसा तो जैसे कई बार क्वेश्चन होंगे वहां पर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर देगा क्वेश्चन विल चेंज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है ना उनको ही बदल देगा वो बोलेगा अब ये नहीं है कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे बोलेगा कि मान लो फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई एनर्जी को फंडामेंटल बना दिया डेंसिटी को फंडामेंटल बना दिया अब इनके टर्म्स में स्पीड निकाल के बताओ जैसे अभी तक हम फोर्स को मास लेंथ टाइम के टर्म्स में निकाल रहे थे स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में निकाल रहे थे अब वो बोलेगा स्पीड को निकाल के बताओ फोर्स डेंसिटी और ऐसी कोई तीसरी क्वांटिटी के टर्म्स में समझ रहे हो तो एक क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में निकालना इसको कहते हैं चेंजिंग द बेस डायमेंशन तो क्वेश्चन साफ साफ लिखेगा कि अब फंडामेंटल क्वांटिटी बदल गई है देखो जैसे एक बार मेंस में भी आते हैं इसके सवाल कुछ मेंस में इजी आते हैं एडवांस थोड़ा इनके डिफिकल्ट पूछता है तो दोनों देख लेते हैं तो मेंस ने जैसे एक बार दिया देखो क्या बोला स्पीड वी एरिया ए फोर्स आर चोजन एज फंडामेंटल बदल दिया ना अब क्या मास लेंथ टाइम है नहीं अब क्या हो गए अब ये तीन फंडामेंटल हो गए थ्री आर फंडामेंटल तो बोल रहा है कि अब यंग्स निकालो इनके टर्म में जो भी पूछा जाता है ना उसका पहले आप क्या करो उसको इनके टर्म्स में लिख लो। क्या -क्या है पहले वो देखो तो फंडामेंटल स्पीड दे दिया, है, उसने एरिया दे दिया और उसने फोर्स दे दिया तो बेसिकली एक तरह से फॉर्मूला डिराइव करना ही हुआ ना इट जस्ट लाइक जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ंग्स मॉडल इन पर डिपेंड करता है कैसे करता है हमें नहीं पता तो क्या करें तो हम एक काम करते हैं यंग्स मॉडुलस को प्रोपोर्शनल मान लेते हैं वेलोसिटी की 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 पावर 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 एक्स के एरिया की पावर के के एरिया वाई और फोर्स जेड समझ में आया हमें वाई इनके टर्म्स में निकालना है और हमें पता नहीं कैसे डिपेंड करता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं और फिर वही चीज डायमेंशन दोनों तरफ बराबर कर दो यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन क्या होते हैं यंग्स खुद है फोर्स अपॉन एरिया ठीक है और इधर क्या है इधर है आपका वेलोसिटी वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन की पावर एक्स इधर क्या है आपका इधर है आपका एरिया जो कि लेंथ स्क्वायर की पावर वाई और ये क्या है आपका फोर्स एम एल टी माइनस टू की पावर जेड है ना वैसे तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा आंसर बट दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर कर देते हैं तो बताइए एफ अपॉन ए के डायमेंशन क्या आएंगे फोर्स तो है एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू को एल स्क् डिवाइड करोगे तो क्या आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू है ना एम एल टी माइनस टू गया और इधर देखो क्या आ रहा है इधर मास की पावर बस एक ही आ रही है जेड जेड इज द मास की पावर अच्छा लेंथ की पावर क्या क्या आ रही है यहां से आई एक्स यहां से लेंथ एक्स आया यहां से लेंथ टू आया और यहां से लेंथ z आया क्या बात है लेंथ की तो इतनी सारी पावर्स आई देखो यहां भी लेंथ है यहां भी लेंथ है यहां भी लेंथ है करें तो करें क्या और t की पावर तो t की पावर यहां से तो -x आ रही है और इधर से -2z आ रही है ये लो तीनों हो गए ठीक है तो अब आपको साफ-साफ नजर आ रहा होगा कि पावर बराबर कर देनी है मास की पावर क्या हो गई 1 अगर मास की पावर 1 है तो दिस इंप्लाइज z equal one. तो z क्या था फोर्स की डिपेंडेंस फोर्स की पावर वन होनी चाहिए देखो सब में चंट चालाक ऐसे हैं कि जो सबसे इजी है वो कॉमन दे दिया कि सब में फोर्स की पावर वन z इज वन अब निकालते हैं x और y तो देखिए t की पावर माइनस टू और इधर क्या है माइनस टू और इधर माइनस एक्स माइनस टू जेड अब जेड को यहां वन रख दो जेड को जैसी यहां वन रखोगे तो देखो क्या बन रहा है

आप अब एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड को माइनस वन से इक्वल कर देना तो वो भी आ जाएगा है ना इसको और इसको भी बराबर कर देना तो ए माइनस वन आ जाएगा अच्छा एक और तरीका था वैसे इसको करने का कि हमें सीधा ही पता है ना देखो अल्टरनेट मेथड शॉर्टकट जिसको मैं कह दू लेकिन ये शॉर्टकट हमेशा नहीं चलता ठीक है तो इसकी आदत मत डालो बट शॉर्टकट आपको बताता हूं यंग्स मॉडुलस होता है क्या है फोर्स अपॉन एरिया है ना ये होता है और फोर्स और एरिया खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बस हो गया ना एफ की पावर वन और एरिया की पावर माइनस वन और वेलोसिटी है ही नहीं तो जीरो तो सीधा ही तो आंसर आ गया इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन ये बाय चांस है ये जस्ट कोइंसिडेंटली ऐसा बन गया कि साफ साफ दिख गया आंसर में कई बार साफ साफ दिखता नहीं है तो वहां ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा ठीक है यू वुड दिस अब देखिए अब ये भी देखो जैसे मेंस का ही सवाल है तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है जहां पर आपको इक्वेट करने हैं जल्दी जल्दी वैसे ही जैसा अभी अभी हमने किया ये आपको बोल रहा है विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालो मोमेंटम एरिया और टाइम के टर्म्स में कैसे निकालोगे विस्कोसिटी निकाली जाए किसके टर्म्स में मोमेंटम एरिया और टाइम अब देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो यहां पर आपको निकालना ही पड़ेगा ठीक है यहां पर कोई चारा ही नहीं है करना ही पड़ेगा चलो करके देखो अब विस्कोसिटी का क्या था थोड़ा सा याद करिए हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी विस्कोसिटी के डायमेंशन थे याद रखोगे तो मदद मिलेगी मोमेंटम क्या है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी उसकी पावर एक्स एरिया क्या होता है लेंथ स्क्वायर और टाइम तो टाइम तो दिया ही है कि पावर जेड तो बस यहां से डायमेंशन इक्वल कर दो देखो मास के डायमेंशन क्या आ रहे हैं एक्स यहां से कुछ आ ही नहीं रहा है मास का चलो बढ़िया है मास का सिर्फ डायमेंशन एक्स हो गया लेंथ का क्या आ रहा है बताओ लेंथ का यहां से एक्स प्लस टू आए और टाइम का यहां से माइनस एक्स और यहां से जेड दोनों आ गया चलो जल्दी से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू तो आ गई वन तो x आने के मोमेंटम मोमेंटम की पावर वन सारे ही ऑप्शन में आप दूसरा देखते हैं आ, लेंथ की पावर आपको करनी है। एक्स प्लस टू वाय माइनस वन है ना ये दिया हुआ है x को वन रखते हैं तो y क्या आ रहा है माइनस वन तो y माइनस वन यानी कि एरिया की पावर माइनस वन तीन ऑप्शन है तो लास्ट करना ही पड़ेगा और लास्ट वाला है यहां पर टी की पावर माइनस वन है वहां पर टी की पावर माइनस एक्स प्लस जेड है अब एक्स है वन तो जेड आ गया जीरो राइट एक्स है वन तो जेड आ गया जीरो और जेड है टाइम यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट तो ये तो इजी मेंस लेवल के सवाल थे ना मेंस के क्वेश्चन थे अब एडवांस इतना इजी नहीं पूछेगा एडवांस आप देखिएगा मैंने पहले ही कहा आपको ये एडवांस का फेवरेट टॉपिक है क्या लिखा मैंने फेवरेट टॉपिक ऑफ एडवांस तो आपको क्या लगता है एडवांस ऐसा ऐसा पूछेगा छिंदी वो बोलेगा इज्जत क्यों खराब कर रहे हो मेरी मैं एडवांस हूँ मैं मेंस थोड़ी हूँ ठीक है तो आप तैयार हो एडवांस कैसे पूछेगा डरोगे तो नहीं देख के डरना नहीं भैया ना एडवांस का सवाल आ रहा है और कौन से ईयर का जानते हैं दो का दो हजार बाईस जेई एडवांस विच है ना। तो अभी अभी रिसेंट जो जे एडवांस उसका प्रश्न ये रहा आपके सामने इतना गर्म है कि अभी अभी धुआं भी निकल रहा है इसमें से अब ये देखो ये भाई साहब क्या डिपेंड करवा रहे एक तो सबसे पहले चार क्वान्टिटी पर डिपेंड कर रहा है और क्या मैग्नेटिक फील्ड प्लैंगी वगैरा वगैरा ठीक है सब कुछ इस पर डिपेंडेंसी है तो ताज़ा ताज़ा 2022 का फ्रेश क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कोशिश करें इधर मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज है मास है प्लैंक कांस्टेंट और परमिटिविटी सब है ठीक है चलो करके देखो इस सवाल को <laughs> क्यों हिला डाला ना आप जे एडवांस ऐसे कहेगा ना, क्यों हिला डाला ना तो अब एक एक करके सारे कॉन्स्टेंट्स की आप पहले डायमेंशन निकालें सबसे पहला प्रॉब्लम आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड अरे सर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है ससुरा और गूगल मत करना मैं पहले ही बता रहा हूँ ये गूगल करने वाले अभी आदत डाल लेते हैं फिर एडवांस वहाँ जे ही मेन्स में बैठे होते हैं क्वेश्चन करते हैं बुध अरे चलो गूगल करें बोलो अरे अपन तो एग्जाम में बैठे हैं ये ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करें तो वहां पर उनको फिर याद आता है कि अरे गूगल ही नहीं यूज कर सकते तो इसीलिए अगर अभी हो रहा है आपसे बिना गूगल के तो ही समझना हो रहा है वरना नहीं तो बच्चे क्या करते हैं गूगल से तुरंत टापा अरे चिंदी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अच्छा तो काहे नहीं कर लिए पिछले साल हैं जब इतना ही चिंदी और इजी है तो और अगर पिछले साल नहीं अभी पहली बार देने जा रहे हो तो रैंक देखेंगे फिर बेटा तुम्हारी चिंदी क्वेश्चन तो, तो गूगल की मदद वाला कोई काम का नहीं होता ठीक है तो चलो मैग्नेटिक फील्ड सोचो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन तो ट्वेल्थ वाले बच्चे इसको समझ पाएंगे चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर एक काम करते हैं म्यूनोट आई अपॉन टू पायर यह फॉर्मूला जैसे देखो एग्जाम में आपके क्या ख्याल आएंगे एक हम जानते हैं ये वाला इनफाइनाइट वायर की फील्ड होती है ये ये क्या लगा दें देखो लगा सकते हो ये लेंथ है करंट है लेकिन म्यूनॉट फंस जाएगा क्या के आते हैं? नहीं आते तो इसको निकालने जाओगे और ये ससुरा म्यूनॉट फंस जाएगा तो क्या करें आप तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कुछ और ढूंढो ऐसा ढूंढो जहां पर फील्ड के साथ साथ बाकी जो भी हो वो आपको पता हो सोचिए जरा कोई और तो आप याद करिए मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में था एफ इक्वल क्यू बीबी याद आया एफ इक्वल क्यू बीबी यह था ना मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में ये लगाया जा सकता है है ना इसमें सारी चीजें आपको नोन है तो करके देख लेते हैं तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू चार्ज को मैंने बताया था क्या लिखना आई इंटू टी लिखना करंट इन टाइम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो एल टी माइनस वन और बचा क्या मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आपके सामने आ गए ना इजीली कोई भी एक चुन लेना चाहिए जिससे डायमेंशन आ जाए लेकिन बाकी सबके पता होने चाहिए तो देखो क्या आया भाई एल से एल तो कट गया ये टी और टी भी खा गया तो बचा क्या यहां पर तो बचा एम एक तो और जैसा मैंने कहा एल से एल कट गया है ये टी इसको खा गया आई की पावर माइनस वन आएगी और टी की पावर माइनस टू आएगी देखो जरा कंफर्म करो यही है सब बच्चे बताएंगे क्या ये सही है मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला है चलो जी सब कंफर्म करें एम एल माइनस टू कोई कह रहा है एम एल माइनस टू नहीं होगा बच्चों क्योंकि एल तो यहां है देखो है ना और एल से एल कट गया है तो लेंथ की तो कोई टर्म बची नहीं राइट और चार्ज आई इन टू टी है ये टी इसको खा गया यहां से तो ये भी गायब हो गया टी सिर्फ ये टी बचा है और करंट इधर आ गया है ना सही है चलो करेक्ट ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी इक्वल ई सी से कर लो देखो आई I मीन mean, वो होता ई इक्वल बी सी है ना कि उल्टा लेकिन वहां पर फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना पड़ेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो ठीक वरना वहां पर फिर दिक्कत आ जाएगी तो इसीलिए ये इजीली निकल गया एक स्टेप में निकल गया है ना सर t माइनस वन होगा t माइनस वन क्यों होगा देखो यहां t खा गया ना इसको ये ये वेलोसिटी थी और चार्ज गए तो ये एम एल टी माइनस टू तो, तो माइनस टू ही रहेगा माइनस वन क्यों होगा ठीक <laughs> है तो सही है तो t माइनस वन होगा कुछ लोग कह रहे हैं भाई टी माइनस वन क्यों होगा आप सोचिए ये वेलोसिटी है है ना वेलोसिटी क्या होती है एलटी माइनस वन होता है और ये चार्ज हो गया आपका और ये एमएलटी माइनस टू हो गया तो कंफ्यूज ना हो एफ इक्वल बिल हाँ देखिए ये वाला भी फॉर्मूला सही है आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला कि सर ये वाला भी तो फॉर्मूला है बिल साइन थीटा क्या इससे करें हाँ इससे भी कर सकते हैं बिल्कुल यहां पर रखो एम माइनस टू भी पता नहीं करंट करंट की क्या वैल्यू ले सकते हैं हम तो करंट की अगर बात करें तो करंट हमारा I I ही हो जाएगा सिंपली और ये लेंथ हो जाएगा तो बच्चों वही तो आ रहा है क्यों कंफ्यूज हो रहे हो L से L यहां पर भी कटा और यहां से भी देखो क्या आया एम आई माइनस वन टी माइनस टू तो वही तो आ रहा है देखो क्यों घबरा रहे हो सही जवाब है तो ये माइनस वन जिन्होंने भी लिखा है इसीलिए कहते हैं गूगल में दस हजार रिजल्ट आते हैं सारा रिजल्ट सही नहीं होता ठीक है तो गूगल में भी आप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ध्यान से करना तो कोई भी करो B की वैल्यू यही आ रही है है ना मैग्नेटिक फील्ड का यही रिलेशन आ रहा है चलिए एक पार्ट तो निकल गया चार्ज का क्या होता है वो हमें पता है आई एन टी मास पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट निकाला था प्लैंक्स कॉन्स्टेंट फिर से कर लेते हैं। नहीं याद है तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया भाई प्लैंक्स कांस्टेंट था ईक्वल एच न्यू ये एनर्जी है एच हमें निकालना है और ये टाइम इनवर्स है ठीक है ये हो गया अब देखो क्या आ रहा है यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट तो इधर एम रहा एल स्क्वायर भी रहा और बस ये इधर जब आया तो ये टी रेस टू माइनस वन कर गया तो एच के भी डायमेंशन हमारे पास आ गए तो बी आ गया एच आ गया बचा क्या के परमिटिविटी अब बताओ परमिटिविटी के डायमेंशन के, के डायमेंशन के के। तो के के लॉ का फॉर्मूला लगाया तो यहां पर क्या है यहां पर फिर से फोर्स है के, के डायमेंशन आपको चाहिए ना? और क्यू वन क्यू टू अब Q1 Q2 क्या है चार्ज का स्क्वायर और चार्ज खुद होता है आई टी तो आई टी का भी स्क्वायर कर रहे हैं ठीक है चार्ज का स्क्वायर नीचे लेंथ का स्क्वायर तो यहां से बताओ k के डायमेंशन कितने आए तो यहां से अगर देखा जाए कि k का डायमेंशन क्या आ रहा है तो वो भी आपको दिख रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है देखिए एडवांस तो ऐसे ही होता है एडवांस हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछता ठीक है चलिए जल्दी बताइए क्या आ रहा है ये सर एल स्क्वायर इधर जा रहा है एम है तो एम एल क्यूब हो जाएगा सबसे पहले तो एम एल क्यूब लिख दो चलो एम एल क्यूब लिख दिया है ना ये इधर चला गया ये टी स्क्वायर है ये टी माइनस तो, तो की पावर माइनस फोर हो जाएगी और यहां पर आई स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो आई की पावर माइनस टू बना देगा तो सबसे खतरनाक डायमेंशन तो के के ही आ रहे हैं ये तो जो के है इसके सबसे खतरनाक डायमेंशन है ना वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस डायमेंशन चलो अब क्या करें अब यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं अब उन्होंने फॉर्मूला आपको बना के ही दे दिया जैसे जो हम अज्यूम करते थे ना एक्स वाइज एड तो एडवांस कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं लो ये पावर लो बना के भी दे दिया अब भी अगर दम है तो करके बता दो तो एडवांस इतनी खुली चुनौती देता है बच्चों को कि लो बच्चों तुम्हारा आधा काम भी मैंने कर दिया पहली स्टेप भी बता दी क्या करना है और अभी भी क्या दम है कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं अब, क्योंकि हमने बाउंस बैक से पढ़ा है बिल्कुल करेंगे देखो अभी तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को बी की वैल्यू रखो जरा मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया है और के पावर डेल्टा ये लिखा हुआ है चलो जी जल्दी से चार्ज आई की पावर अल्फा मास की पावर बीटा एच एच अभी अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस वन की पावर गामा और डेल्टा क्या है डेल्टा के है तो के बड़ा खतरनाक है भाई एम एल क्यूब टी माइनस फोर आई माइनस टू ये बड़ा खतरनाक है जो डेल्टा पावर है ना डेल्टा इज वेरी डेंजरस चलो और इधर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला ये देखो एम आई माइनस वन टी माइनस टू ये हो गई लो अब बस उधर मास को अक्यूमुलेट कर लेते हैं एक साथ लेंथ को एक साथ तो देखो मास को एक साथ किया तो इधर से आया बीटा अल्फा तो है नहीं इधर से आएगा गामा और इधर से मास का आ रहा है डेल्टा ये हुआ इसके बाद बताओ लेंथ अब लेंथ को एक साथ अक्यूमुलेट करते हैं तो लेंथ में यहां दिख रहा है इधर कहीं कोई लेंथ नहीं यहां है टू डे टू गामा फिर यहां से लेंथ आ रही है प्लस थ्री डेल्टा चलिए अब टाइम को कर लेते हैं एक जगह तो टाइम यहां से निकल रहा है अल्फा टाइम यहां से आ रहा है माइनस गामा टाइम यहां से आ रहा है माइनस फोर डेल्टा ये हो गया टाइम है ना ये भी परफेक्ट है अब करंट रह गया अब करंट को देख लेते हैं तो करंट में यहां से आ रहा है अल्पा करंट और कहीं यहां से माइनस टू डेल्टा है ना और कहीं करंट है क्या देखो तो इतना ही है इतना ही है जी बस इतना ही है बस आधा काम हमारा हो गया अब क्या करना है अब बस उठा के पावर्स को बराबर कर देना है लेट्स जस्ट इक्वेट द पावर्स तो मास की पावर पहले इक्वेट करते हैं ना तो इधर मास की पावर है वन और इधर ये तो वन इक्वल बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये तो पहली चीज दूसरा करंट को कर देते हैं या लेंथ को ले लेते हैं इधर लेंथ है ही नहीं और इधर ये तो टू गामा प्लस थ्री डेल्टा इक्वल जीरो तो लेंथ की पावर्स इक्वेट कर दी इधर लेंथ है ही नहीं तो जीरो ले लिया टाइम टाइम इधर है माइनस टू और इधर कितना है माइनस टू और इधर है अल्फा माइनस गामा माइनस फोर डेल्टा और एट लास्ट करंट की करंट इधर माइनस वन है और इधर कितना है अल्फा माइनस टू डेल्टा बस अब है क्या चार वेरिएबल चार इक्वेशन सॉल्व कर लो कैसे करेंगे यहां से आप एक काम करो इसमें डेल्टा और गामा है तो आप चाहो तो सबसे पहले यहां पर डेल्टा की जगह सब्सिट्यूट कर दो है ना या गामा की जगह सब्सिट्यूट कर दो आपके हाथ में आपको क्या करना है जैसे सबसे पहले अल्फा को उठा के यहाँ रख देते हैं है ना अल्फा की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूँ अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू इक्वल अल्फा की जगह यहां से आ रहा है टू डेल्टा माइनस वन है ना टू डेल्टा इधर आएगा माइनस वन तो अल्फा रखा गया माइनस गामा माइनस फोर डेल्टा तो बताइए कितना आ रहा है तो ये भाई साहब हमारा आ रहा है टू डेल्टा माइनस फोर डेल्टा माइनस गामा तो ये आपका आ रहा है माइनस टू डेल्टा माइनस गामा माइनस वन ठीक है जहां से आपका क्या बना और ये भी आपके हाथ में ध्यान रखिएगा दिस थिंग इज ऑल्सो देर तो दोनों चीजों का प्रयोग करें यहां से एक काम करते हैं डेल्टा को या गामा को उठा के रख देते हैं गामा इज माइनस थ्री डेल्टा बाई टू इसको उठा के यहां रख देते हैं तो समझ में आए क्या, क्या क्या किया पहले तो अल्फा को यहां रख दिया सबसे पहली स्टेप दूसरी स्टेप गामा को उठा के यहां रख दिया इससे हमारा आंसर आ जाएगा देखो और जैसे ही एक आया तो फिर बाकी लाइन से आना शुरू हो जाएंगे अब ये देखो ये माइनस वन इधर आके इसको माइनस वन कर देगा माइनस टू डेल्टा माइनस गामा और गामा का माइनस विल बी डेल्टा बाई टू तो बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है तो आंसर आ रहा है टू डेल्टा प्लस टू आ रहा है क्या माइनस फोर ये और टू गया तो डेल्टा आ गया टू सही है ये डेल्टा टू है है ना अब डेल्टा टू है तो उसको उठा के यहां रख दिया तो डेल्टा टू को उठा के यहां रखा तो गामा कितना आ गया तो गामा आ गया माइनस थ्री ठीक है गामा माइनस थ्री गामा और डेल्टा दोनों आ गए तो अब अल्फा आ जाएगा अब अल्फा कितना है माइनस वन प्लस टू डेल्टा तो अल्फा आ गया थ्री और अल्फा और ये सब आ गए तो बीटा भी आ जाएगा बीटा कितना आ जाएगा गामा है माइनस थ्री डेल्टा है टू तो देखिए बीटा कितना आ रहा है बीटा आ रहा है टू ठीक है हाँ तो अब सबको ऐड कर दो तीन दो पांच दो सात सात में से तीन गए चार तो चार इसका आंसर है इन सब को जब ऐड किया तो कितना फाइनल आंसर है तो फाइनल आंसर है चार कितनी संतुष्टि होती है जब इतना बड़ा सवाल करो तो ठीक है अब कौन कहता है कि यूनिट डायमेंशन में तो चिंदी सवाल होते हैं लेके आओ उसको पकड़ के लेके आओ जो कहता है ना कि चिंदी सवाल ही आते हैं अभी लेके आओ बैठा के पूरा करवाओ उसको ठीक है कहना जाने नहीं देंगे अगर एक गलती हुई तो फिर ध्यान रखना एक भी पावर और कैलकुलेशन तूने अगर गड़बड़ करी तो फिर छोड़ेंगे नहीं ठीक है तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में ठीक है चलो बढ़े आगे अगले फेज पे चलते हैं अब एक एडवांस का सवाल मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं अगर आज ही मैंने वो भी कराया तो हमारा ये लेक्चर सुबह तक चल जाएगा ठीक है तो सुबह तक हमें लेक्चर चलाना नहीं है लिमिटेड रखना अभी बहुत सारी चीजें करनी है तो एक और एडवांस का सवाल है आपको होमवर्क दे रहा हूं ये आपको चैट में बताना है इसका आंसर ये भी अच्छा सवाल है इसमें भी वही कर रहे हैं कि डायमेंशन बदल रहे हैं ना एक्स को ही एक क्वांटिटी बना दिया तो इसको आपको करना है एज अ होमवर्क अभी करेंगे तो लेक्चर बहुत खिंच जाएगा सुबह तक चल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं करिएगा जरूर अच्छा प्रश्न है ये भी ठीक है तो देखिए आप एडवांस में बीस में भी आ रहा है बाईस uh, में फ्रेश आया इक्कीस का हमने पहले ही कर लिया था वो एस इक्वल ई क्रॉस बी वाला तो हर साल एडवांस के एक सवाल फिक्स है गारंटीड क्वेश्चन आता है एडवांस हो चाहे means, पक्की बात है आना तो अब बढ़ जाते हैं देखो भाई लिमिटेशन समझ लेते हैं ये जो अभी अभी हमने पढ़ा इनकी कुछ लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की इससे यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाएगा फिर एरर और वर्नियर कैलिपर में हम चलेंगे तो लिमिटेशन क्या क्या है तो लिमिटेशन में है कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन हो सकते हैं एग्जाम्पल क्या है फोर्स नहीं फोर्स और टॉर्क नहीं होगा ये होगा एनर्जी और टॉर्क ठीक तो है एक्चुअली इसको आप लिखो एनर्जी एनर्जी और टॉर्क के सेम डायमेंशन है आप चेक करिए टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ जिसकी अगर आप यूनिट देखो न्यूटन्स इंटू मीटर हो गई यानी वही हो गया फोर्स इंटू डिसमेंट और एनर्जी देखो एनर्जी होती है एफ डॉट डी और यहां पर भी क्या हो गया न्यूटन मीटर तो भाई ये तो टॉर्क एनर्जी के डायमेंशन लेके आ गया तो क्या इसका मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है नहीं दोनों क्वांटिटी अलग है तो ये प्रूव करता है कि डायमेंशनल हर जगह काम नहीं कर सकता दो तो अलग अलग कंप्लीटली अनरिलेटेड क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ठीक है दिस इज अग लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करना यह भी फुल प्रूफ नहीं है हंड्रेड परसेंट सही नहीं बता सकता जैसे मान लो मैं आपके सामने यह इक्वेशन लिख दू एस इक्वल यूटी प्लस टू ए टी अब ये देख के ही कितनी चिड़ मछरी ना ओ ट्रिगर कर रहा होगा सर इसको हाफ करो बड़ा मुझे दुख रहा है मुझे देखा नहीं जा रहा ये आदत है इसको हाफ देखने की एकदम देख तो क्या करें लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से देखोगे तो ये इक्वेशन भी सही है क्योंकि डायमेंशन आप दोनों तरफ के इक्वल करके देखो इट विल टेल यू द करेक्ट इक्वेशन इधर डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया प्लस टू के तो कोई डायमेंशन होते नहीं ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के तो डायमेंशन होते नहीं एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू और खुद टाइम स्क्वायर वहां लगा हुआ है तो डायमेंशन एनालिसिस आपको कह रहा है ये हो गया सिर्फ एल और यहां से भी आया एल तो डायमेंशनल तो आपको कह रहा है कि दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन लेकिन बताइए क्या ये इक्वेशन करेक्ट है नहीं दिस इज रॉन्ग इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग इक्वेशन लेकिन डायमेंशनल ने तो निकाल के बता दिया सही है कहां गलती हो गई क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते ना तो चाहे इसको कोई टू कर दे थ्री कर दे कोई माइनस वन कर दे कुछ भी कर दे डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इक्वेशन तो आपकी सही निकलेगी डायमेंशनली लेकिन ओरिजिनली रॉन्ग है तो ये लिमिटेशन समझ आई है ना तो ये एक दूसरी लिमिटेशन हो गई तीसरी लिमिटेशन जो हमने देखा था कि कांस्टेंट नहीं निकल रहे थे वो याद है टाइम पीरियड में हमने क्या निकाला था के रूट एल अपॉन जी अब ये जो के था ये के तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है आपको डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट नहीं निकलवा सकता ये इसका तीसरा लिमिटेशन है चौथी लिमिटेशन अगर क्वांटिटी लेट्स से चार चीजों पर डिपेंड करती है है ना मोर देन फिजिकल क्वांटिटीज और आपके पास मान लीजिए इक्वेशन ना बने अब यहां तो देखिए अच्छा था एडवांस वाले क्वेश्चन में कि हमारी चार इक्वेशन बन गई एक दो तीन इक्वेश चार। चार तो करंट भी भी था करंट भी आ गया था है ना तो करंट आ गया था तो उसने हमारी मदद कर दी चौथी इक्वेशन बनाने में लेकिन कई बार सोचिए करंट ना होता यहां और चार वेरिएबल होते फिर आप फंस जाते ना तो ये एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर सकता है जिसमें कि मान लीजिए आपकी फोर वेरिएबल्स एंड ओनली थ्री इक्वेशंस अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो तो फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है ये चार लिमिटेशंस हैं है ना फोर वेरिएबल्स एंड ओनली थ्री इक्वेशंस नॉट सॉल्वेबल तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन हमने बताई इस तरीके से डायमेंशनल लेकिन काफी ईजी क्वेश्चन है, आते हैं और बताऊं आपको कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं इस इस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन को भी तो क्या है ये क्वेश्चंस इसके राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है जरा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें आप लोग भी जल ग्रहण करो फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं ब्रेक uh, बाद में लेंगे अभी रुको अभी राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए वर्नियर कैलिपर पे जाने से पहले ले लेंगे ठीक है अभी तो इसको सुनते जाओ चलो तो देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं तो राउंडिंग ऑफ ऐसे की जाती है बच्चों इसके कई सारे रूल्स हैं कुछ तो जैसे हमारे लिए ऑब्वियस जैसे आप अपने छोटे भाई से भी पूछोगे वो भी बता देगा उसको आप बोलोगे टू पॉइंट एट को अप्रोक्सीमेट कर तो आपका छोटा भाई बहन भी बोलेगा हाँ ये तो थ्री हो जाएगा ये राउंड ऑफ कर दिया उसने है ना ये कोई भी कर सकता है दिस इज राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट सब जानते वहीं पर आप उसको अगर दे देते कि वन पॉइंट वन को कर अप्रोक्सीमेट तो वो आसानी से बोल देता वन हो जाएगा इजी तो दिक्कत कहाँ आती है तो देखिए ये वाले रूल तो सबको पता होते हैं दिक्कत पता है कहाँ आती है आपसे बोल दे 2.85 फाइव को ड्रॉप करना है अब बताओ कैसे होगा या आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया 2.805 अब क्या करें तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें थोड़े से रूल्स काम करते हैं है ना वो रूल्स को कैसे काम करते हैं जरा अभी हम देखेंगे ये इस तरह के प्रॉब्लम है बाकी जो ऑब्वियस है वो तो देखो हमें दिख ही रहे वो पहला रूल है कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप मतलब यानी समझ लो टू पॉइंट थ्री है तो आप किसको ड्रॉप करना चाहते हो थ्री को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप इसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या लिखोगे टू ही तो लिखोगे आपने थ्री के पहले वाली डिजिट को चेंज छोड़ दिया बिकॉज थ्री इज लेसर देन फाइव ये जो क्वांटिटी थी है लेसर देन फाइव पांच से कम थी इसीलिए ड्रॉप कर दिया और कोई एग्जांपल देखो मान लीजिए यही चीज हो जाती अगर आपके सामने टू पॉइंट थ्री एट टू ये हो जाता अब फिर से आप किसको ड्रॉप कर रहे हो टू को ड्रॉप कर रहे हो इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना है तो टू को ड्रॉप कर रहे हो तो टू क्या है तो टू भी लेस देन फाइव है ये भी पांच से छोटा है तो बस इसको हटा दो और कुछ भी चेंज मत लाओ टू पॉइंट थ्री एट इसका अप्रोक्सीमेशन है ना टू को आपने उड़ा दिया लेकिन अगर तो ये तो आपको समझ आए ना लेस देन फाइव हो तो उसको हटाइए और उसके पहले वाली डिजिट को अनचेंज छोड़ दीजिए नो चेंज एट ऑल लेकिन मान लीजिए बड़ी हो जाए मोर देन फाइव हो जाए मोर देन फाइव हो जाएगी तो क्या करोगे अब मोर देन फाइव का मतलब जैसे टू पॉइंट इसको अप्रोक्सीमेट करना है कितने में दो डिजिट में अप्रोक्सीमेट करना है तो अब आपने देखा कि यार ये एट को जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं ये मोर देन फाइव है ये पांच से बड़ा है एट अगर ये पांच से बड़ा है तो जब इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो पीछे वाले डिजिट को क्या करोगे पीछे वाले डिजिट को एक से बढ़ा दोगे टू पॉइंट फोर कर दोगे लिखा ना डिजिट इज रेज बाय वन पिछले वाली यूनिट को एक बढ़ाना होता है अगर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो मोर देन फाइव हो तो क्या ये बात समझ आई तो यहां और भी एग्जाम्पल है सेवन तो बड़ा है पांच से तो एट को नाइन बनाना पड़ेगा 12.78 फिर से 8 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 7 को यहाँ 8 बनाना पड़ेगा 12.8 तो सिंपल सा रूल है ठीक है अब सवाल उठता है कि सर अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे अब सवाल उठता है कि पांच जब आ जाए जैसे आपके सामने आ जाए 2.85 अब पांच को ड्रॉप करना है तो क्या करें 8 को भैया हम 5 तो या आपने कहा था 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो अब फाइव ही आ गया तो क्या करें तो जब फाइव आ गया तो दो केसेस बनते हैं टू तो केसेस क्या दो केसेस हैं ध्यान से देखिए तो अगर फाइव इज फॉलोड बाय डिजिट्स अदर 5 के आगे देखो अगर आपको फाइव को ड्रॉप करना है ना तो सबसे पहले देखो कि इसके यहां पर क्या है ये व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ फाइव फाइव के बाद क्या है फाइव तो के बाद अगर नॉन जीरो है अगर ये जो नंबर है पांच के आगे ये नॉन जीरो है तो प्रिसीडिंग को बढ़ा देना जैसे मान लीजिए यही चीज होती 2.852। अब ये टू क्या है नॉन जीरो है ना। के बाद क्या आ रहा है नॉन जीरो पांच के बाद जो नंबर है वो नॉन जीरो है तो अगर पांच को आप ड्रॉप कर रहे थे तो सबसे पहले उसके बाद में देखेंगे कि बाद में जीरो है या नहीं जीरो नहीं था और अब आपको पांच ड्रॉप करना है तो पिछले वाले को बढ़ाना पड़ेगा तो इसको हम क्या अप्रॉक्सिमेट करेंगे समझ आया क्योंकि पांच के बाद नॉन जीरो आ रहा था इसीलिए इसलिए इसको टू पॉइंट नाइन करना पड़ा यहां पर और देखो सिक्सटीन पॉइंट थ्री फाइव वन ये पांच को ड्रॉप करना है पांच के आगे देखो क्या है पांच के आगे नॉन जीरो है तो इसको सिक्सटीन पॉइंट और कर दिया फिर से पांच को गिरा रहे हैं आगे आठ है तो पांच को जब गिराएंगे 7 को एट कर देना पड़ेगा समझ आ रहा है ठीक है क्लियर अब देखो दूसरा केस अब पांच को ड्रॉप तो करना है लेकिन पांच के बाद आ रहा है जीरो दिख रहा है आपको फाइव के बाद अब जीरो है 3.250 तो पांच के बाद अगर जीरो है और तब आप पांच को गिरा रहे हैं तो पिछले वाले नंबर को क्या करेंगे अनचेंज लीव इट अनचेंज कोई गड़बड़ मत करना पांच के बाद अगर जीरो हो तो पिछले वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है समझ आया तो ये हो गया ट्वेल्व पॉइंट सिक्स क्योंकि सिक्स फाइव जीरो जैसे और कुछ देख लो थ्री पॉइंट फाइव जीरो ठीक है तो अब थ्री पॉइंट फाइव जीरो आपको फाइव को गिराना है पांच के बाद आपने देखा कि जीरो है तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या कर दोगे थ्री कर दोगे क्योंकि पहले वाली जो डिजिट है उसको क्या छोड़ देते छोड़ देते देते हो अनचेंज ले लो सिक्स टू फाइव जीरो इसको अप्रोक्सीमेट करो पांच के आगे जीरो है तो पांच को गिराएंगे पहले वाले को अनचेंज छोड़ देंगे क्लियर हो गया चलो बढ़ते हैं अब आगे लेट्स मूव टू द देखो 5 को गिराना है कुछ लोग कह रहे हैं 3.5 इसका होगा नहीं 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 5 को हटा रहे हैं हम तो 5 को हटा रहे हैं तो बस पिछले वाले को अनचेंज छोड़ दिया यहां भी 5 को हटा रहे हैं तो पिछले वाले को अनचेंज छोड़ दिया सिंपल अब देखिए अब डिजिट टू बी ड्रॉप दिस 5 और फॉलोड बाय जीरोस देन द दे प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड अब इसका क्या मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप डिज फाइव अगर फाइव को ड्रॉप करना है और फाइव के बाद हो, तो क्या करें इस तरह का केस आपके सामने कुछ लाया जा रहा है देखो ये केस क्या था इफ डिजिट टू बी ड्रॉप 5 और फाइव फॉलोड बाई जीरो मुझे लगता है ये कुछ इन्होंने टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं कर दी <laughs> ये मोर देन जीरो था फॉलोड बाई डिजिट मोर देन जीरो Other than zero, तो ये हो गया था अब फिर डिजिट टू बी ड्रॉप डिसाइव फॉलोड बाई जीरो टाइपिंग में मुझे लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं इसको समझ लेते हैं हम क्या कह रहा है इसमें इफ डिजिट टू बी इज रेज्ड बाय वन इफ इट इज ऑड अब देखिए यहां पर क्या हो गया यहां पर ये था कि हम पांच के बाद देख रहे थे क्या है पांच के बाद हम देख रहे थे नॉन जीरो है पांच के बाद हम देख रहे थे कि जीरो है ठीक है देख रहे थे हम तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है डिफरेंस में आपको बता देता हूं हर बार हम पांच के बाद में क्या है वो चेक कर रहे थे आफ्टर फाइव वी वर लुकिंग कि क्या है मान लो आपके सामने ऐसा केस आ जाए कि पांच के बाद कुछ है ही नहीं देखो कोई एक एग्जांपल एक मैं आपको देता हूं पांच के बाद मान लो आपको कुछ दिया ही नहीं रखा है ये दे दिया थ्री इसको भूल जाओ यहां देखो थ्री पॉइंट थ्री सिक्स फाइव अब आपको बोले पांच को ड्रॉप करना है तो अब आप क्या करोगे तो सर अभी तक तो आपने रूल बताया था कि पांच के बाद क्या है देखना है पांच के बाद हम देख रहे थे नॉन जीरो था पांच के बाद तो पिछले वाले को बढ़ा दे रहे थे पांच के बाद अगर लेस देन फाइव था तो क्या कर रहे थे तो हम अलग चीज कर रहे थे लेकिन अब पांच के बाद कुछ है ही नहीं सर देर इज नथिंग आफ्टर फाइव देर इज नथिंग तो क्या करें अब कैसे ड्रॉप करें पांच के बाद अगर कुछ नहीं है तो तो यहां पर हमें यह बोला गया अगर पांच के आगे कुछ ना हो तो फिर आप देखो पिछली वाली डिजिट को कि पिछले वाली डिजिट ऑड है या इवन है देखो क्या लिखा है देन द प्रिस डिजिट इज रेस्ड बाय वन इफ इट इज ऑड अब आपने पिछले वाली को देखा आगे तो कुछ है नहीं नथिंग इन फॉरवर्ड तो बैकवर्ड चलो अब यहां पर देखो अब यहां पर देखो कि ये ऑड या इवन पहले ये आइडेंटिफाई करो ऑड है कि इवन है पहले ये देखो अब आपने देखा ये इवन है तो इवन है तो उसका रूल अभी हम देखेंगे बट बाय चांस ये ऑड होता तो क्योंकि ये रूल ऑड का है देखो इसको मैं कर देता हूं थ्री 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 फाइव तो आपने चेक किया कि प्रिसीडिंग डिजिट क्या है तो प्रिसीडिंग डिजिट आई ऑड तो अगर प्रिसीडिंग डिजिट ऑड है तो क्या करना है उसको वन से रेस कर देना है तो इसको क्या हम अप्रोक्सिमेट करेंगे थ्री पॉइंट थ्री फाइव को ड्रॉप कर रहे हैं प्रिसीडिंग डिजिट ऑड है इसलिए उसको एक से बढ़ा देना थ्री फोर कर देना चेक करिए क्या आपको समझ आया इज इट क्लियर पांच को एक से नहीं बढ़ाना है पांच के पहले वाली डिजिट को एक से बढ़ाना है कुछ लोग क्या कर रहे हैं पांच को एक से बढ़ा दे रहे हैं बोल रहे हैं ये हो जाएगा तो क्या हुआ में एक डिजिट हटाई जाती है ना तो हमने पांच को हटाया पांच को जब हटाया तो पिछले वाली को एक से बढ़ा दिया क्यों बढ़ाया क्योंकि पिछले वाला नंबर ऑड था इट वॉज ऑड और मान लो पिछले वाला नंबर इवन होता यहां पर तो यहां पर केस होता आपका कुछ इस प्रकार थ्री पॉइंट थ्री फोर फाइव अब मान लीजिए पिछला वाला होता ईवन ये वाला आपका होता ईवन अब आपको ईवन दिख रहा है कुछ नहीं है इन फॉरवर्ड देर इज नथिंग अगेन तो फिर आप पीछे देखते हो पीछे आपने देखा ईवन ऑड में तो एक से बढ़ाते हैं इवन में क्या करते हैं अनचेंज छोड़ देते हैं वी लीव इट अनचेंज्ड थ्री पॉइंट थ्री फोर का थ्री पॉइंट थ्री फोर ही रहेगा क्या ये चीज क्लियर हुई आपको तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो टाइपिंग में मुझे लग रहा है कि एक बार जो मैंने स्लाइड टाइप कराई थी तो वाली स्लाइड भी देखो यहाँ पर गुम हो गई एक सिक्स स्लाइड और होनी थी जो बताता कि अगर इवन होता है तो अनचेंज छोड़ देते हैं तो आप वो अलग से लिख लीजिए ऑड में आपको समझ आ गया कि एक से बढ़ाना होता है और इवन में क्या करना होता है बताइए तो अगर ईवन होता है तो अनचेंज छोड़ देना होता है अनचेंज तो हम टाइपिंग को देते हैं तो आपको तो पता ही है सारे सब्जेक्ट टाइप करते हैं तो वो इधर का उधर कभी कुछ ऊपर नीचे कर ही देते हैं तो खैर आई विल रिपीट वन अगेन फ्रॉम स्टार्ट रूल वन और टू तो बड़ा क्लियर है अगर जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो लेसर देन फाइव है तो फिर अनचेंज छोड़ दो जिसको ड्रॉप करा वो लेसर देन 5 है तो प्रीसीडिंग को अनचेंज छोड़ दिया जिसको ड्रॉप कर रहे हो वो मोर देन 5 है 5 से बड़ा है तो पिछले वाले को एक से बढ़ा देना ये दो रूल हो गए तीसरा रूल आया अगर डिजिट को आप जिसको ड्रॉप कर रहे हो वो खुद 5 है और उसके बाद आया है 0 नॉन जीरो है ना 5 को ड्रॉप कर रहे हो और उसके बाद है नॉन जीरो तो आगे कुछ है है ना ऐसा नहीं है कि पांच के आगे कुछ नहीं है पांच के आगे है तो जब तक आगे कुछ है तो आगे वाला ही देखना तो पांच के बाद हम देखेंगे तो पिछले वाले को बढ़ा देना ड्रॉप करते वक्त ठीक है तो पांच के बाद अगर कुछ अवेलेबल हो तो पहले वो देखना अब बाय चांस पांच के बाद अवेलेबल नहीं हो इफ डिजिट टू बी इज फाइव और पांच के बाद मान लीजिए जीरो अभी तो ये नॉन जीरो था ठीक है मान लीजिए पांच के बाद नॉन जीरो तो, मतलब पांच के बाद जीरो हो या कुछ हो ही ना दो केसेस बन रहे राइट जब तक पांच के बाद कुछ था तब तक, तक तो ठीक है बट वॉट इफ इट इज टू पॉइंट फाइव या टू पॉइंट थ्री फाइव लाइक दिस लेकिन इसके आगे आगे देर इज नथिंग आगे कुछ भी नहीं है नथिंग है अब नथिंग है तो फिर क्या करें नथिंग है तो अब आगे नहीं देख सकते पहले तो हम आगे देख ले रहे थे अब आगे नहीं देख सकते तो अब पीछे देखेंगे पीछे देखते हैं क्या है और पीछे हमने देखा कि अगर पीछे ऑड हो तो इसको बढ़ा देना तो ऑड हो तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे टू पॉइंट फोर और अगर पीछे इवन होता टू पॉइंट टू फाइव और आगे नथिंग नथिंग है ना तो आगे नथिंग और फिर से पांच को गिराना है तो फिर से पीछे देखा तो पीछे इस बार आया इवन इवन आया तो आप क्या करोगे अनचेंज छोड़ दोगे 2.2 पॉइंट टू इज दी आंसर गया समझ में आई थिंक ये देखो यहां पर लिखा हुआ है इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है ना अगर इवन है तो अनचेंज छोड़ देना है राइट right? इफ जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो उसके आगे कुछ नहीं है या आगे जीरो हो तो भी चलेगा नॉन जीरो का तो हमने देख लिया आगे नथिंग हो या जीरो बोथ वर्क इधर फॉलोड बाय जीरो और नथिंग या तो कुछ भी ना हो या उसके बाद जीरो भी हो दोनों के लिए काम करता है इवन ऑड वाला ठीक है तो आगे जीरो हुआ या नथिंग हुआ तो पीछे ही देखना है फिर और पीछे में जब भी देखोगे तो चेक करना है ऑड है इवन है ऑड रहा तो बढ़ा देना इवन रहा तो ऐसे ही कर देना अनचेंज्ड ठीक है हाउ कैन वी ड्रॉप मिडिल मिडिल का भी ड्रॉप नहीं किया जाता ऐसा नहीं होता कि भाई कोई पूछ रहा है कि टू पॉइंट थ्री टू फाइव टू एट सर आप तो मिडिल वाले अप्रोक्सिमेट कर लो तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम टू फाइव को मैं यहां पर थ्री लिख दूं और इसको यह बना दूसरा गलत हो जाएगा ड्रॉप हमेशा लास्ट वाले होते हैं बीच से कभी कोई ड्रॉप नहीं होता ठीक है ड्रॉपिंग ऑलवेज एंड चीज समझिएगा चलो अब एक मेंस का इस पे सवाल देखते हैं 2.5 का क्या होगा? जैसे एक किसी का डाउट है कि सर 2.5 का क्या 2.5? इसका क्या अप्रोक्सीमेशन होगा अब देखिए पांच के बाद क्या है तो पांच के बाद नथिंग कुछ भी नहीं है अब पांच के जब आगे कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे फिर पीछे देखोगे पीछे देखो और पीछे क्या है इवन है कि ऑड है इवन है इवन है तो अनचेंज छोड़ना है और ऑड है तो रेस करना है तो बताइए पांच के पहले इवन है कि ऑड है इवन है इवन है तो अनचेंज छोड़ देना है टू एप्रोक्सीमेशन हो जाएगा तो 2.5 का एप्रोक्सीमेशन शुड बी टू ठीक है और 2.50 का 2.50 का भी यही टू पॉइंट फाइव जीरो का भी टू आएगा क्योंकि तो इसमें दोनों चीज है ना या तो सिर्फ पांच हो या पांच के बाद जीरो दोनों में यही काम करता है ऑड इवन वाला फंडा ठीक है जी क्लियर है चलो अब बढ़ते हैं आगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 2020 पी वाई क्यू देखिए हा जीरो भी ले सकते हो पांच के बाद या तो कुछ ना हो या पांच के बाद जीरो दोनों एक ही बात है अ स्टूडेंट मेजरिंग द डायामी ऑफ अ पेंसिल बोलोगे सर वर्नियर स्केलोगे तो पढ़ाया और पहले ही वर्नियर का सवाल दे दिया मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आता हो ना तो आप बिना कुछ और चीज जाने भी कई बार सवाल कर सकते हो यू कैन डू क्वेश्चन इवन विदाउट नोइंग वर्नियर कैलिपर सिर्फ आपका ये देख के ठीक है निक्की रेडी कह रहे थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव इज फोर Not three, sir. 3 का फोर होगा क्यों होगा क्योंकि थ्री पॉइंट फाइव में क्या है देखो जरा थ्री पॉइंट फाइव में आगे तो है nothing. कुछ भी नहीं है आगे तो आप क्या देखोगे पीछे और पीछे क्या है ऑड ऑड होता है तो क्या करते हैं इफ इट इज ऑड रेज बाय वन तो थ्री पॉइंट फाइव का फोर होगा लेकिन टू पॉइंट फाइव का क्या होगा टू पॉइंट फाइव का अभी अभी हमने देखा कि जब पीछे देखते हैं तो पीछे होता है ईवन और ईवन होता है तो अनचेंज रहता है टू रहता है तो का टू पॉइंट फाइव का लेकिन थ्री पॉइंट फाइव का अप्रोक्स फोर करना ठीक है आया समझ में तो दिस इज द लॉजिक अब ये क्वेश्चन देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका राउंडिंग ऑफ से हो जाएगा राउंडिंग ऑफ से कैसे हो जाएगा देखिए तो यहां पर आपको कह रहा है कि जो आपके मेजरमेंट हुए हैं वो कितनी डिजिट के हैं? देखो द मेजरमेंट दैट यू हैव डन ये कितने डिजिट के हैं ये सारे के सारे आप मेजरमेंट देखो 5.55 5.50 5.45 ये सारे के सारे टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो भी आपने मेजरमेंट यहां करा है वो कितना है टू डिजिट आफ्टर डेसिमल तक है तो जो आपका फाइनल आंसर भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए राउंडेड ऑफ कितने होना चाहिए टू डेसिमल बस आंसर आ गया क्या आप विश्वास कर सकते हो ये वर्नियर कैलिपर का सवाल सिर्फ इतने से हो गया सीधा सीधा सिर्फ राउंडिंग ऑफ की जानकारी से राउंडिंग ऑफ की जानकारी थी कि जब आपके ऑब्जर्वेशन ही दो डिजिट आफ्टर डेसिमल के हैं तो आंसर भी तो दो डिजिट आफ्टर डेसिमल हो सकता है ये तीन चार पांच कहां से आ गए इनको अप्रोक्सीमेट करो भाई अब अप्रोक्सीमेशन में देखो मजा आता जब ये ऐसे दो ऑप्शन देते ऐसे दो ऑप्शन देते दो डिजिट वाले तो उसमें से हमें चूज करना पड़ता तो चलिए देखते हैं कि फाइव पॉइंट फाइव फोर कैसे आया क्या आया था एवरेज देखो एवरेज सबसे पहले आप देखो एवरेज इज फाइव पॉइंट फाइव थ्री सेवन फाइव फाइव पॉइंट फाइव थ्री सेवन फाइव इसको अप्रोक्सीमेट करना है चलो इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं इसको राउंड ऑफ करते हैं बताइए कौन सी डिजिट आपको ड्रॉप करनी है आपको ये सेवन ड्रॉप कर देना है ना यहां से ड्रॉप कर देना है सेकंड डिजिट से ये इधर से ड्रॉप कर देना बस दो रखना है अब कौन सा रूल लगा द डिजिट टू बी ड्रॉप सेवन देख रहे हैं आप सेवन को आपको ड्रॉप करना है सेवन क्या है मोर देन फाइव है लेस देन फाइव मोर देन फाइव अगर ये मोर देन फाइव है तो पिछले वाली जो डिजिट है उसको एक से बढ़ाया जाता है 5.54 किया जाता है ठीक है क्लियर हुआ सेवन को ड्रॉप कर रहे हैं तो पिछले वाले को एक से बढ़ा दिया तो 5.54 आंसर होगा सिमिलरली यहां पर देखिए 0.07395 इसको भी अप्रोक्सीमेट करना है 07395, अब किसको ड्रॉप करना है दो डिजिट तक रखना है तो दो डिजिट तक रखो उसके बाद ड्रॉप कर दो यहां से ड्रॉप कर दो तो डिजिट टू बी इज थ्री और थ्री कैसा है पांच से बड़ा है या पांच से छोटा है पांच से छोटा है तो अगर पांच से छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा वही आपको दिख रहा है सिंपल है आया समझ में तो राउंडिंग ऑफ के रूल लग रहे हैं यहां पर डिजिट टू बी ड्रॉप ग्रेटर देन फाइव इंक्रीज प्रोसीडिंग बाय वन डिजिट टू बी ड्रॉप लेसर देन फाइव लीव इट अनचेंज सिंपल ठीक हुआ क्लियर आया समझ में चलो ये था आपका जेई मेन्स दो हजार बीस का सिंपल राउंडिंग ऑफ से हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्निट्यूड एक और चीज है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है तो कई बार आपको सवाल ऐसे दिए होते हैं जहां पर उसकी पावर कुछ कुछ ऐसा दिया होता है राइट जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया टू इंटू टेन रेस टू फाइव ये है या आपके सामने लिख दिया लेट्स से सिक्स इंटू टेन रेस टू सेवन ऐसा कुछ आपके सामने नंबर है ना तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस तरह के नंबर्स का तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है पावर सबसे पहले तो ये देखें फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स एक्स होता है क्या है जो टेन के ऊपर चढ़ा होता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज पावर ऑन द टेन टेन के ऊपर जो पावर होती है ना वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन यहां थोड़ा सा कैच है कैच क्या है तो सर क्या यहां पर सेवन और यहां पर फाइव आंसर है देखो यहां का आंसर तो फाइव सही है यहां का आंसर सेवन गलत है सर क्यों टेन की पावर सेवन ही तो है नहीं देखो एक और कंडीशन बोलिए जो आगे नंबर लगा है एन ये हमेशा क्या होना चाहिए एन शुड लाई बिटवीन पॉइंट फाइव एंड फाइव बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्या कह रहा है ये कि वही पावर आप कंसीडर करना जब आपका आगे जो नंबर हो वो पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में हो तो ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा तो सर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे तो बना लो पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में इसको ला सकते हो बिल्कुल ला सकते हैं कैसे देखो इसको आप ये नहीं लिख सकते पॉइंट इंटू टेन रेस टू एट लिख सकते हो कि नहीं पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू एट तो अब आपका पॉइंट सिक्स जो है वो आ गया इस रेंज में पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में तो आंसर क्या होगा तो यहां पर आपका ऑर्डर जो होगा वो एट होगा तो जो इसको देख के सेवन आंसर कर रहे थे वो गलत हो गए क्यों गलत हो गए उन्होंने ध्यान नहीं दिया आगे वाला जो नंबर एन है जो एन आगे लगा रहता है एन पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में होना चाहिए ठीक है तभी ऑर्डर आता है और यहां यहां ऑलरेडी पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में तो यहां आंसर कितना है यहां पर तो ऑर्डर ऑलरेडी टू हो गया तो सॉरी फाइव हो गया पावर फाइव है ना पावर ऑर्डर होती है नंबर नहीं तो गलती मत कर देना ठीक है ऑर्डर जो होता है वो पावर होती है आगे लगा हुआ नंबर नहीं तो फाइव ही आंसर है क्योंकि ये जो है पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में अब सवाल ये उठता है कि सर फाइव .5 5 के बीच में हो लेकिन मान लो एक ऐसा नंबर आ जाए फाइव इंटू टेन रेस टू टू अब क्या करें सर? इसको हम लिखने को तो दोनों लिख सकते हैं तो अब बताइए कौन सा हम सही लेंगे क्या हम इसका टू आंसर लें या थ्री आंसर लें तो देखिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कन्वेंशन के आधार पर ही इसको मानना पड़ेगा हमें क्या इसका आंसर हम टू कहें या थ्री कहें तो देखिए जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड कहता है कि इसका आंसर आपको वो रखना पड़ेगा जहां पर आगे वाली डिजिट क्या हो फाइव हो ठीक है आगे फाइव वाला जो आंसर है वो कंसिडर होगा जैसे ये पॉइंट फाइव ये फाइव लिखा हुआ है तो फाइव का ऑर्डर ऑफ मैग्नेट्यूड जीरो ही हम कहेंगे इसको पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू वन नहीं किया तो पॉइंट फाइव वाला हम नहीं स्वीकारेंगे ये नहीं होगा और ये वाला सही होगा तो इसका सही जवाब होगा टू ठीक है तो टू आपको लेना चाहिए अगर फाइव आ जाए तो तो क्लियर हो गया तीनों केसेस क्लियर हो गए बीच का नंबर अगर नहीं हो इसके बीच में तो लेके आओ फिर है और ऑलरेडी बीच में हो तो सीधा सीधा आंसर तो देखिए एक सवाल रेडियस ऑफ अर्थ इस फोर हंड्रेड इंटू टेन रेस टू थ्री तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सब लोग चैट में इसका आंसर करेंगे तो देखिए इसको मैं पहले लिख सकता हूं सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस टू दो जीरो इधर दे दिए क्या भी order of magnitude है? नहीं ये .5 से 5 के बीच में लेके आओ तो पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में तो पॉइंट सिक्स फोर जब ये बनेगा तब आएगा यानी सेवन तो आंसर क्या होगा आंसर होगा सेवन इस क्वेश्चन का आंसर है सेवन इज द आंसर ठीक है क्लियर है अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं इसका रीजन क्या है पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में क्यों लेके आते हैं इसके रीजन आपको मिलेंगे मैथ्स में लॉग एनालिसिस में इसका लेना देना लॉग से जब भी ये पावर्स आती है ना तो लॉग का इसमें केस आ जाता है तो पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में क्यों लेके आ रहे हैं ये आपको लॉग समझाएगा तो बाद में आप मैथ्स टीचर से इसका प्रूफ पूछिएगा कि क्यों लॉग का यहाँ पर खेल होता है चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर भी मुझे लगता है जल्द से जल्द हम कर लेंगे और ये करने के बाद जब वर्नियर कैली पर आएगा तब ब्रेक लेंगे और अभी सिग्निफिकेंट फिगर कर लेते हैं जल्दी से तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं मैं आपको इस बात से समझा सकता हूँ आपके सामने एक पिक्चर मैंने लगा रखी है देखिए यह पिक्चर क्या है सिग्निफिकेंट के बाद ब्रेक मिलेगा ठीक है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आपके सामने एक पिक्चर लगी हुई है ये पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में हम इस लाल कलर की जो पट्टी है इसकी लंबाई नाप रहे हैं। लंबाई किस प्रकार नाप रहे हैं? इस स्केल के द्वारा। आपको रूलर दिख रहा है ये रूलर इसकी लंबाई नाप रहा है अब आप क्या मुझे यहां से देख के बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी आ रही है तो जीरो वन टू टू के बाद एक दो तीन और तीन और चार के बीच में क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है तीन और चार के बीच में तीन और चार के बीच में आपको दिखाई दे रहा है कहीं तीन और चार के बीच में कर रहा है। तो मुझे एक बार बताओ आप आंसर क्या क्या लिखोगे कि लेंथ लेंथ है तो लेंथ आप बोलोगे श्योरिटी के साथ कि देखो भाई 2.3 तक तो मैं तुम्हें पक्का कह सकता हूं श्योर 2.3 मुझे दिखाई दे रहा है कि थ्री को तो क्रॉस कर दिया है चार से पहले है है ना बिटवीन 2.3 एंड 2.4 के बीच में लेकिन थ्री के बाद क्या है नॉट श्योर sure. कि कुछ भी हो सकता है अब ये सब अपने अंदाजे लगाएंगे कोई बोल सकता है सर मेरे को तो एकदम बीच में दिख रहा है तो 2.35 होना चाहिए कोई आएगा नहीं नहीं मेरे को बीच से थोड़ा सा इधर दिख रहा है तो 2.32 होना चाहिए कोई आएगा बोलेगा नहीं, नहीं नहीं ये टू पॉइंट मेरे को तो पांच से भी आगे दिख रहा है टू होगा आंसर तो आप समझ रहे हो ये जो आखिरी डिजिट है इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि वो बीच मझधार में लटक गई वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट हाँ लेकिन इन दो नंबर जो हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं इनके बारे में हम श्योर हैं वी आर श्योर अबाउट दीज टू नंबर तो बताइए ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये जो लेंथ है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती क्या है जिनके बारे में आप श्योर हैं कि हाँ ये सही है ये पक्का है हाँ, इधर वाला जिसके बारे में श्योर नहीं हो वो इनसिग्निफिकेंट होती है तो जिस डिजिट्स में आप श्योर हो ना वही आपकी सिग्निफिकेंट होती है ये हो गई आपकी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर समझ आया आप तो देखिए अब यही डेफिनेशन आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू टेल्स यू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी है ना श्योरिटी श्योरिटी इन दो नंबर की है कि टू पॉइंट थ्री है लेकिन थ्री और फोर के बीच में आगे वाला क्या आएगा वो हमें नहीं पता थ्री पॉइंट टू हो सकता है थ्री पॉइंट फाइव हो सकता है थ्री पॉइंट सिक्स हो सकता है आगे क्या है नहीं पता बट श्योरिटी तो दो में है तो जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना उतने नंबर ऑफ डिजिट वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं तो क्लियर हो गया कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर सेकेंड पॉइंट कह रहा है लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज एक्यूरेसी होना ही चाहिए ना मान लो कोई बोल रहा है हमारे पास तो इतनी थ्री फाइव टू एट सिक्स थ्री इतने हम श्योरिटी के साथ हैं हाँ बस जो लास्ट वाला अब जो आ रहा है उसके बारे में हम श्योर नहीं है तो देखो ना कितनी एक एक्यूरेसी है इन्होंने मान लो ये सेंटीमीटर में कुछ मेजर किया है तो कितना एक्यूरेट तो किया है बस लास्ट डिजिट का नहीं पता लेकिन इतने सारे की तो श्योरिटी है इतने के बारे में ये लोग श्योर हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात सेवन सिग्निफिकेंट सेवन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी सीधा सा लॉजिक है मोर द एक्यूरेट द एक्सपेरिमेंट विल बी मोर द नंबर ऑफ डिजिट्स ठीक क्लियर है है आ गया समझ तो ये इसका अर्थ है कि सिग्निफिकेंट होता क्या है अब इसके भी रूल्स होते हैं वो एक एक करके देख लें कि कैसे पहचाने कौन से सिग्निफिकेंट जैसे अभी मैं कुछ देख रहा था कि चैट में कोई पूछ रहा था कि सर ये कौन सी डिजिट ड्रॉप करनी है ये कैसे पता पड़ता है आपने राउंड ऑफ तो सिखाया बट राउंड ऑफ में हमें कैसे पता चला कि किसको ड्रॉप करना है क्या ये क्वेश्चन में बोलेगा यार थोड़ा दिमाग चलो ना ये अभी हमने क्वेश्चन करा इसमें आपको कैसे पता चला कि टू डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है बताओ क्या आपको आके किसी ने बताया कान में कि सुन भाई इसमें टू डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना क्या गूगल बाबा आए जिन्होंने आपको मैसेज भेजा टेक्स्ट कि दो डिजिट तक राउंड ऑफ करना तो कैसे आपको पता चला कि दो तक राउंड ऑफ करना था क्योंकि जब मेजरमेंट ही सारे दो डिजिट्स तक हो रहे हैं तो आप अपना आंसर उससे ज्यादा कैसे दे सकते हो श्योरिटी ही बस दो डिजिट्स की है राइट जब दो डिजिट्स की सियोरिटी है तो दो में ही तो राउंड ऑफ करोगे तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है कि कौन से को ड्रॉप करना है कितने तक राउंड ऑफ करना है ना तो क्वेश्चन में देख के समझ आएगा कोई बोलेगा नहीं आपको तो ये वाली बात होती है अब सिग्निफिकेंट में आते हैं कैसे पता चलेगा कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं तो चलिए आपको रूल बताते हैं पहला रूल जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे जितने भी नॉन जीरो हैं सारे सिग्निफिकेंट ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है याद कर सकते हो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट इसमें देखो एक दो तीन एक दो तीन चार दो और तीन पांच इसमें पांच हैं जितने नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट अब जीरो अब जीरो आता है तो केस बनते हैं ठीक है थीके? जीरो में दो केस बनते हैं क्या केस बनते हैं अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फ इट अपियर्स बिटवीन टू नॉन जीरो इसको मैं पता है क्या कहता हूं इसको मैं कहता हूं सैंडविच जीरो तो याद रखना सैंडविच जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है सैंडविच सैंडविच जीरो है ये सैंडविच जीरो इसको मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि तो देखो दो नंबर के बीच में ये सैंडविच रहेगा है ना दो नंबर्स के बीच का जो सैंडविच जीरो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है तो सैंडविच से आप याद रखना दैट सैंडविच जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट तो देखो यहां पर ये सिग्निफिकेंट है तो एक दो तीन तीन सिग्निफिकेंट हो गए एक दो तीन चार इसको भी गिना हमने चार हो गए क्योंकि तो ये सैंडविच है अच्छा इसके पहले जीरो हो तो हाँ तो इसके पहले जीरो लेकिन इधर भी तो नंबर है ये भी बीच में दबा हुआ है दोनों ये जीरो बीच में दबे हुए सैंडविच हो रखे हैं तो दोनों सिग्निफिकेंट है तो दो ये और दो वो टोटल चार समझ आया तो सैंडविच जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट अब सैंडविच ना हो या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो तो क्या तो अब लेफ्ट राइट right में क्या है वो देख लेते हैं अब लीडिंग जीरो लेफ्ट वाले लीडिंग जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते ये जो आगे आगे लगे होते हैं क्योंकि आप खुद सोचिए जब ये नंबर आपको दिख रहा है 0.00 तो क्या आप इन जीरोस को पढ़ते भी हैं क्या क्या आपको ये मैटर भी करते हैं मान लीजिए ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो की जगह जीरो जीरो और फिर सिक्स होता आप सीधे कहां स्किप करते हो आप सीधे यहां पे आते हो आप बोलते हो मेरे को तो फाइनल नंबर क्या है वो बता पहले तुमने कितने जीरो लगा रखे मुझे उससे कोई मतलब नहीं डिसाइडिंग फैक्टर तो लास्ट वाला ही होगा ये बदलने से ही वैल्यू बदलेगी इन जीरो को तुम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ यही फाइनल नंबर डिसाइडिंग मेजरमेंट रहेगा तो जो पहले के जीरो होते हैं ना लीडिंग जीरोस जिनको कहते हैं लेफ्ट वाले लेफ्ट लेफ्ट वाले कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते ठीक है तो यहां पर देखो ये लेफ्ट वाला कोई काम का नहीं बस तीन दो एक इतने सिग्निफिकेंट है है ना? सिग्निफिकेंट so इनको छोड़ देना अब राइट right का सर क्या भाई राइट right में तो आप देखो यार जीरो प्लेस टू द राइट आर सिग्निफिकेंट ये तो बिल्कुल होना चाहिए क्यों होना चाहिए मान लो कि आपको हजार रुपए आपके खाते में है अब आपने कहा अरे सर लीडिंग जीरो थोड़ी सिग्निफिक आई मीन ट्रेलिंग जीरो थोड़ी सिग्निफिकेंट होते हैं ट्रेलिंग जीरो इनको कहते हैं ना तो आपके खाते में थे हजार रुपए तो मैंने कहा अच्छा बेटा ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते ना तो एक काम करते हैं आपका एक जीरो हटा देते हैं चलेगा हजार रुपए में से एक जीरो हटा दिया क्या ही करना ट्रेलिंग जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट है हटा देते हैं चल जाएगा आपको कितने रुपए रह जाएंगे सौ रुपए रह जाएंगे बाकी का पेटीएम खा गया तो समझ रहे हो ट्रेलिंग की बहुत है और यहीं पर आप खुश हो जाओगे जब आपके इस हजार रुपए खाते में जो है उसमें कोई एक जीरो और बढ़ा दे तो आप धन्य धन्य हो जाओगे कि वाह मजा ही आ गया एक जीरो और बढ़ गया तो ये ट्रेलिंग जीरो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं तो ट्रेलिंग जीरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट दे आर सिग्निफिकेंट ठीक है तो पीछे कुछ लघु जो जीरो होते हैं वो हमेशा जरूरी है और इसी एग्जाम्पल से याद रखना है ना कि लास्ट का खाते में से जीरो कम ना हो ये हम चाहते हैं इसलिए पीछे वाले सब जरूरी हैं तो देखो कितने हो गए इसमें इसमें चार दो और तीन पांच तीन और तीन छ सिग्निफिकेंट फिगर है ना क्लियर है लेकिन हम तो निग्लेक्ट कर देते हैं हाँ अभी कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर फोर पॉइंट थ्री थ्री होता है ना तो उसको हम फोर थ्री थ्री जीरो को सर हम तो फोर पॉइंट थ्री थ्री लिखते हैं तो ये कैसे सिग्निफिकेंट हुआ देखो बेटा यहां पर इसीलिए ये जरूरी है क्योंकि ये आपको कह रहा है जैसे आपने देखा होगा ना कुछ आ, आपके शॉपिंग मार्ट्स होते हैं या कुछ पैकेजिंग होती है जिसमें कुछ ऐसा देखिए लिखा रहा होता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री पैसा हमें रुपीस तो इन्होंने क्या किया है ये लोग जो हैं पैसा भी काउंट कर रहे हैं रुपी तो काउंट कर ही रहे हैं कि तेईस रुपए का बिल बना तेईस रुपए के साथ साथ तेईस पैसा भी हो गया रिपीटेटिव लग रहा है कुछ और नंबर कर देते कर देते आप समझ रहे हो आप आपने एक प्रोडक्ट उठाया उसमें पीछे एमआरपी लिखी है एमआरपी लिखी है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर थ्री इसका मतलब उसके लिए ये लास्ट के जो दो फोर थ्री लिखा है पैसा पैसा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इसमें लोग काउंट कर रहे हैं अब आपने यहां पर दो तीन चीजें ली ठीक है सबको आपने एड करा मान लीजिए दो प्रोडक्ट लिए अब दो प्रोडक्ट लेके कुछ ऐसा हुआ कि आपका बिल इतना बढ़िया बन गया देखो ये जो आपने यहाँ लिया ना ये था आपका फाइव सेवन जो दूसरा प्रोडक्ट था उसकी कीमत थी बीस रुपये सत्तावन पैसे समझ आया तो दो प्रोडक्ट आपने लिए प्रोडक्ट नंबर वन प्रोडक्ट नंबर टू बताइए आपका टोटल बिल कितना बना वट विल बी योर टोटल बिल बताइए तो टोटल बिल आपको कुछ दिखाई दे रहा है कितना आ रहा है तो बिल्कुल सर यहां से टोटल बिल देखें तो हमारा फोर्टी फोर रुपीज पॉइंट जीरो जीरो पैसा चवालीस रुपए जीरो जीरो पैसा तो बताइए क्या ये जीरो जीरो, 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 जीरो जो लिखे जरूरी है कि नहीं है ये बता रहे हैं कि पैसा जो था वो काउंटेड है लेकिन वो परफेक्टली एड होके जीरो बन रहा है Is this correct? समझ आया आपको यानी ने या जो भी आप पे गए हो उसने इनको काउंट किया है पैसा को लेकिन पैसा को काउंट करने के बाद भी वो जीरो आया है इसलिए दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अब उतरी बात भेजे में अब समझ आ गया है ना कि लास्ट में पॉइंट जीरो जीरो लिखा हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है Although हम इसको इग्नोर करते हैं हम क्या बोलते हैं चवालीस रुपए का बिल बना डे टू डे लाइफ में हम यही हैं चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे पता लगाए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कैसे पता चलते हैं तो इसका सीधा सा रूल है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर न्यूमेरिकल पोर्शन ही बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जैसे वन पॉइंट थ्री टू टेन रेस टू माइनस टू बस जो आगे लिखा है वही जरूरी है ये यही जरूरी आपके पास है ना और इसका एक उदाहरण भी है उदाहरण देखिए क्या है हम स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिख देते हैं थ्री इंटू टेन रेस टू एट वैसे एग्जैक्ट थ्री होती नहीं है टू पॉइंट नाइन एट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ होता है ना लेकिन हम थ्री इंटू टेन रेस टू एट लिख देते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास श्योरिटी बस थ्री की है उसके बाद की नहीं मान लीजिए इसको कोई लिख दे कि नहीं मैंने तो और एक्यूरेटली मेजर किया टू पॉइंट नाइन नाइन हाँ लेकिन उसके बाद क्या है वो मुझे पता नहीं नाइन नाइन एट के बाद क्या है वो पता नहीं बस यहां तक मैंने मेजर किया तो टू पॉइंट नाइन नाइन एट इंटू टेन रेस टू तो अब इसने जितना इसको श्योरिटी थी उतना बाहर लिखा बाकी सब पावर में डाल दिया तो बेसिकली जो जरूरी होता है वो हम आगे लिखते हैं बाकी सब कचरे में डाल देते हैं <laughs> तो यहाँ सिर्फ थ्री मेजर था बाकी कचरे में यहां इसने चार डिजिट मेजर कर रखी थी बाकी सब कचरे में तो ये चार सिग्निफिकेंट हो गए इसमें एक सिग्निफिकेंट हो गया तो जो पहले होता है बस वही सिग्निफिकेंट होता है ऑल राइट तो ये इसका लॉजिक है अब 2011 उस समय उसको ए आई ट्रिपली बोलते थे आज इसको जेई मेन कहते हैं तो 2011 में देखो इसके ऊपर एक प्रश्न आया था आपसे बोल रहा है कि इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ पहले में बताओ कितने हैं। अरे सैंडविच है ना भूख लग रही है सुन ही नाम ये सैंडविच जीरो है सैंडविच जीरो है तो काउंट होगा दो तीन चार पांच तो पांच है पहले में तो पहले में पांच हो गए अच्छा ये ये इनिशियल वाले ये तो काम के ही नहीं है बस लास्ट वाली डिजिट देख लो वन एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट हाँ इसमें जो आगे रहता है वही काउंट होता है तो टू बस आगे आंसर पांच एक दो बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट क्लियर है जी बी ऑप्शन इज राइट क्योंकि जो आगे नंबर होता है वही देखा जाता है अभी भी हमने पढ़ा ट्रेलिंग वाले ये लेफ्ट वाले काउंट नहीं होते तो बस एक ही था इसमें सैंडविच था तो पूरा काउंट हुआ चलो सबको क्लियर है एवरीबॉडी डन आया समझ ठीक है जी अब मजा तब आता है ना जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को एड करते हैं करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड तब सिग्निफिकेंट फिगर का क्या होता है तो जरा वो देखते हैं हम है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या होगा तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं आई मीन ऐड और सब करते हैं तो चलिए ऐड और सब में क्या रूल है जरा देखते हैं तो ये कहता है काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द डेसिमल पोर्शन ओनली सिर्फ जो डेसिमल पोर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर है ना जिनको आप एड याब्रैक कर रहे हो, सिर्फ डेसिमल वाले काउंट करना जैसे मैं आपको करके बताता हूं, दो नंबर्स हम ले लेते हैं. अब टू पॉइंट का है तो सिग्निफिकेंट है ना तो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसमें मान लो मैं ऐड कर रहा हूं फोर पॉइंट टू सिक्स तो ये कह रहा है कि सबसे पहले काउंट करो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेसिमल पोर्शन पूरा नहीं लिखना है डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है वो बताओ इसमें बताओ डेसिमल के बाद कितने इसमें डेसिमल के बाद तीन है इसमें डेसिमल के बाद दो है तो इसमें तीन है इसमें डेसिमल के, तो के बाद दो है फिर क्या कह रहा है एड और सब इन नॉर्मल फैशन अब एड कर दो चलिए एड कर देते हैं जीरो आया ये आठ आ गया ये पांच आ गया और ये छ हो गया सिक्स पॉइंट फाइव एट जीरो अब ये क्या बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पोर्शन ऑफ आंसर अब जो आंसर का डेसिमल पोर्शन है शुड बी एप्रोक्सीमेटेड टू द लीस्ट ऑफ टू नंबर इनमें से जो सबसे लोएस्ट था उसको एप्रोक्सीमेट कर दो तो लोएस्ट डेसिमल के बाद कितना था लोएस्ट डेसिमल के बाद टू था तो ये जो आंसर है इसको हमें क्या एप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा टू डिजिट्स तक तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 6.58 और फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट हो गई फिर थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ गए आप क्यों ऐसा है समझिए देखो माना ये एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेट है ये एक्सपेरिमेंट कितना एक्यूरेट है देखो तीन डिजिट तक मेजर करता है लेकिन ये कह रहा है मैं तीसरे के अबाउट श्योर नहीं हूं मैं दो तक तो श्योर हूं तीसरे का श्योर नहीं हूं अब सोचिए एक अनश्योर नंबर एक श्योर में ऐड हो गया ऐसा नंबर जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है वो आपने ऐड कर दिया श्योर में तो फाइनल आंसर तो कबाड़ हो गया ना अब ये लास्ट अनश्योर ही तो हो गई क्योंकि अनश्योर के साथ उसको ऐड कर दिया गया तो ये बेकार हो गई लास्ट वाली सिर्फ दो में ही आपका कॉन्फिडेंस है बस दैट्स इट आप कहोगे हाँ ये दो का पक्का और इसमें तो दो का पक्का था ही तो लास्ट तक भी आप दो का ही कह सकते हो डेसिमल के बाद दिस क्लियर Understood? चलो एक और एग्जाम्पल देखो तीन तीन है यहाँ पर एड कर दिए थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट वन वन जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री अब देखो यहां पर क्या काउंट करना होता है डेसिमल पोर्शन में ही सिर्फ सिग्निफिकेंट देखो तो डेसिमल पोर्शन में यहां एक है दो है यहां तीन है है ना तो एक वाला काउंट लेंगे ये एक है यहां पर डेसिमल के बाद दो है यहां डेसिमल के बाद तीन है अब आपने एड सब जैसे था वैसे कर दिया ये देखो तो ऐड कर दिया थ्री वन और वन टू तीन और एक चार और तीन सात इनको ऐड कर दिया अब जो फाइनल आंसर आया है उसको किसके अप्रोक्सीमेट करें लीस्ट अप्रोक्सीमेट टू टू लीस्ट ऑफ द टू नंबर जिसमें भी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद उससे अप्रोक्सीमेट करो तो बताइए अब इसको हम कितना अप्रोक्सीमेट करें वन आफ्टर द डेसिमल तो पॉइंट इसको हमें सिक्सिमेट करना है अब डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी है तो डिजिट टू बी ड्रॉप दिस टू कोई बोलेगा सर कैसे पता चला भाई मुझे आंसर डेसिमल के बाद एक रखना है तो टू और थ्री को मुझे उड़ाना है टू और थ्री को हमें भगाना है क्योंकि डेसिमल के बाद एक आंसर बस होना चाहिए तो जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो टू है और टू फाइव से छोटा है तो अनचेंज छोड़ दो थर्टी आंसर आया समझ में क्लियर हुआ तो ये लॉजिक होता है ना जो सबसे लीस्ट कॉन्फिडेंस हो वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो और वो बाकी दो एक्सपेरिमेंट में ऐड हो रहा है टोटल फाइनल रिजल्ट निकल रहा है तो इसकी अनएक्यूरेसी बाकी सब में आ जाएगी पूरा सेटअप ही फिर गलत हो गया है ना इसीलिए उसके अकॉर्डिंग सब डिसाइड होता है और देखा आपने राउंडिंग ऑफ भी कैसे लग रहा है सब मिक्स होके चीजें चल रही हैं अब सब्ट्रैक्शन का देख लो सेम ही लॉजिक है डेसिमल के बाद यहां पर तीन है डेसिमल के बाद यहां पर कितने एक दो तीन चार चार हैं आपने इसको नॉर्मली घटाया अब डेसिमल के बाद चार आ रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेट कितने में करें? डेसिमल के बाद तीन में करेंट करो तो देखो थर्टी एट कितने में अप्रोक्सीमेट करना है तीन में डेसिमल के बाद तीन तो ये जो चौथा है ये मुझे हटाना है इस चौथे वाले को हटा दो अब जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो वो फाइव से बड़ा या लेसर तो दिस टू बी ड्रॉप इज मोर देन फाइव और जब मोर देन फाइव को ड्रॉप करते हैं तो राउंड ऑफ में पड़ा था ना क्या होता है पिछले वाले को एक से बढ़ाना होता है तो जब आपने इसको ड्रॉप किया क्या आएगा तो आएगा ये one को two बना देंगे तो देख रहे हो आप कैसे राउंडिंग ऑफ के रूल लग रहे हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स आर एप्लीकेबल जो हमने पहले पढ़ा सिग्निफिकेंट में अगला देखिए एक क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए तो सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को दो गोल्ड पीसेस का खुद का मास टू पॉइंट थ्री है तो टोटल मास कितना हुआ देखिए एक बॉक्स है सबसे पहले तो एक बॉक्स हो गया ये आपका बक्सा है बक्से के अंदर दो सोने के बिस्किट हैं एक ये सोने का बिस्किट एक और सोने का बिस्किट दो सोने के बिस्किट इसमें रखे हैं अरे अच्छे नहीं लग रहे इसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं वर्टिकल अच्छे नहीं लग रहे है ना क्या बोलते हो और सोना है तो सर कलर थोड़ा सा गोल्डन लो चलो भाई फिजिक्स की क्लास चल रही है ड्रॉइंग की क्लास चल रही है बनाया अच्छा नहीं <laughs> तो फिजिक्स की क्लास चल रही है डायग्राम पे इतना ध्यान मत दो बट फिर भी अच्छा बना तो ये एक बक्से के अंदर दो सोने के बिस्किट पड़े है ना अब हमें इसका टोटल वेट निकालना है तो चलिए इसका टोटल वेट निकालते हैं टोटल वेट क्या होगा तो देखो, बक्से का पॉइंट 2.3 ग्राम बाकी दो गोल्ड पीसेस का मास 0.035। तो दो बार 0.035 ऐड करें ये सब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा समझ गए ये दोनों बिस्किट्स का मास और ये इस बॉक्स का मास सबको ऐड करो क्या आया जीरो थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन थ्री टू अब चेक क्या करना है डेसिमल के बाद लीस्ट कहां था यहाँ डेसिमल के बाद एक है यहां डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट है अब देखो ट्रेलिंग तो काउंट नहीं होता है ना ट्रेलिंग काउंटेड तो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट सिर्फ दो ही कहलाएंगे यहां भी सिग्निफिकेंट दो तो तो अब क्या क्या करें डेसिमल के बाद एक एक पे करो। और एक पे पे करो और कर 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 रहे 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 हो तो आप कर रहे हो हो यानी आप को को ये को आपको ड्रॉप करना है और सेवन को अगर ड्रॉप करके अलग करना है तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन फाइव और ग्रेटर देन फाइव है तो एक पहले वाले को बढ़ा के चला जाएगा टू पॉइंट फोर ग्राम तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा समझ में आया काफी लोगों ने ए क्लिक कर दिया किसी ने सी कर दिया पूरा लॉजिक देखो सबको हमने ऐड किया लिस्ट जो था वो 2.3 था है ना तो डेसिमल के बाद एक तक अप्रोक्सीमेट करना था तो सेवन और जीरो को ड्रॉप करना था तो सेवन वैसे भी फाइव से बड़ा है फाइव से बड़ा है तो जब ड्रॉप किया तो पिछले वाले को एक से बढ़ा दिया 2.4 कर दिया आया समझ में ये अब समझ तो आ रहा है ना सबको सिग्निफिकेंट पहले इससे डर लगता होगा लेकिन अब रूल से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी ठीक है चलो तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं एक देखिए पी क्यू और आया मेंस में 2019 में क्या बोला गया इसमें इसमें बोला गया था एरिया ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर का एरिया दे दिया 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया दे दिया ऐसे सात और स्क्वायर हमने लिए तो बताइए उनका टोटल एरिया कितना होगा तो टोटल एरिया निकालो भाई तो टोटल एरिया में आपको ऐड करना पड़ेगा है ना ए प्लस ए प्लस ए, ए ऐसा कितनी बार करोगे सेवन टाइम्स करना पड़ेगा आपको सात बार इसको ऐड करोगे इस एरिया को तो सात बार ऐड करोगे तो क्या निकलेगा फाइव पॉइंट टू नाइन इंटू सेवन कितना होगा सिक्स गया 14, 6, 20, तो टू इधर थर्टी फाइव थर्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री तो आंसर आएगा थर्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखिए डेसिमल के बाद हमने सबको ऐड किया है ना तो बेसिकली मैंने तो मल्टीप्लाई करके दिखा दिया बट हुआ क्या है असल में असल में हुआ ये कि आप 5.29, 5.29 इन सबको ऐड करते गए ऐसे एडिशन चलता गया और फिर जाके फाइनल रिजल्ट आया 37.03। अब बताइए कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट है वो टू है तो फाइनल आंसर में भी तो टू है फाइनल आंसर इज आल्सो टू सिग्निफिकेंट अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत ही नहीं है है ना और अगर अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत ही नहीं है तो बताइए आंसर क्या हो गया जब फाइनल आंसर भी ये आ रहा है तो आपको अपना जवाब मिल गया क्या आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल थर्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री ठीक है बिकॉज फाइनल में भी डिजिट्स कितनी है दो ही है क्लियर चलो तो सिंपली ये मेंस का प्रश्न था बड़ा आसान था. अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होगा तब क्या होगा तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूल थोड़े अलग हैं क्या रूल अलग हैं देखो यहां भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वैसे ही करना है जैसे आप करते हो नॉर्मल फैशन में लेकिन इस बार आप यहां पर क्या कर रहे थे देखो ओनली ओनली इन द डेसिमल पोर्शन हम गिन रहे थे राइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली इन द डेसिमल पोर्शन लेकिन अब क्या होगा बच्चों अब होगा आपको पूरे एंटायर नंबर एंटायर नंबर को देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में नॉट जस्ट डेसिमल पोर्शन पहला बदलाव मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पूरे नंबर को अकाउंट में लो सिग्निफिकेंट फिगर पूरे नंबर के देखे जाएंगे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं क्या एग्जाम्पल लें हम यहां पर तो जैसे मान लीजिए है टेन पॉइंट जीरो को टेन पॉइंट जीरो आपका एक्स है और y जो आपका है वो है 52 टू फाइव ट्वेंटी पॉइंट जीरो सिक्स मान लीजिए तो अब क्या करना है अब आप पूरे नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो इसमें बताओ टोटल कितने हैं इसमें टोटल पूरे नंबर को मिला के थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना थ्री है इसमें पूरे नंबर को मिला के बताओ कितने है? तो ये सैंडविच जीरो ये भी काउंट होंगे तो एक दो तीन चार पांच इसमें टोटल पांच सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो पूरे नंबर को देखना है अब सिर्फ डेसिमल नहीं पूरे नंबर को अब मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू वाई तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया जैसे करते हैं टेन पॉइंट जीरो इंटू फाइव ट्वेंटी पॉइंट जीरो सिक्स तो आंसर क्या आएगा तो इसमें बस दस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ जाएगा फाइव टू डबल जीरो पॉइंट सिक्स है ना ये आ गया अब क्या कहता है क्वेश्चन फिर से जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उससे अप्रोक्सिमेट कर लो तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने तीन तो हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहां पर अप्रोक्सीमेट करना है तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्सीमेट करना है तो इस नंबर को तीन पे ले आओ तो तीन लाने के लिए ये दो हटाने पड़ेंगे ये हटा दिया आप सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट आनी चाहिए तो इसका आंसर बताइए क्या हुआ इसका आंसर आ जाएगा फाइव ट्वेंटी दट इट समझ आया जब लोएस्ट थ्री था तो फाइनल आंसर में भी सिर्फ तीन होना चाहिए तो बाकी दो हमने हटा दिया सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट रखे फाइव ट्वेंटी राइट देखिए और एग्जांपल देखिए वन फोर्टी टू पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट टू थ्री बताइए इसमें कितने इसमें टोटल टोटल गिनना तो टोटल इसमें अगर गिनोगे तो दो और तीन पांच इसमें टोटल पांच है अच्छा ये लेफ्ट वाला जीरो तो तो काउंट नहीं होता, तो इसमें सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करा तो अब आंसर कहां तक होना चाहिए अप्रोक्सीमेट जो लीस्ट है वहां तक लीस्ट यानी कि टू इसको टू तक अप्रोक्सीमेट करो अब अगर आपको टू में अप्रोक्सीमेट करना तो ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर आया है आप चाहते हो सिर्फ दो में हो जाए दो में करना है तो ये गिरा दो ये सारा सिर्फ दो डिजिट रहे अब ध्यान दीजिए जो आप नंबर को गिरा रहे हो दैट इज सिक्स सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव और लेस देन फाइव ग्रेटर देन फाइव तो अगर आप सिक्स को गिरा रहे हो तो प्रिसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय वन तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर होगा थर्टी थ्री थर्टी थ्री विल बी दी राइट आंसर आया समझ में क्लियर हुआ तो इस तरीके से ये सारे रूल्स हैं जो काम करते हैं और आई होप सबको मजा भी आ रहा होगा चीजें कितने अच्छे से वर्क कर रही है और एग्जाम्पल देखिए एक के बाद एक एग्जाम्पल है इसमें गिन लेते हैं कितने इसमें है तीन दो पांच पांच सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें तीन है ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो फाइनल जो भी आंसर आया उसको थ्री में अप्रोक्सीमेट करो तो तीन में अप्रोक्सीमेट सिक्स सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट फोर सिक्स सिक्स तीन में अप्रोक्सीमेट करना है तो तीन के बाद जो भी वो गिरा दो तो जिसको गिरा रहे हैं वो फोर है फोर फाइव से छोटा होता है तो फाइव से अगर छोटा होता है तो इसका आंसर हो गया सिक्सटी ओनली देखो वही आंसर सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट आ रहा है सबको मजा आ रहा है समझ में आ रहा है कि सर अब तो एकदम क्लियर हो गया और देखिए जो जो पढ़ा था सब कनेक्टिंग है इसमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी काम आ रहे हैं जो पहले पढ़ा था राउंडिंग ऑफ काम आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में एक एक रूल कि सैंडविच जीरो है तो काउंट करना ट्रेलिंग जीरो है तो मत लेना वो सारे रूल्स भी यूज हो रहे हैं और जो अभी आपने बताया कि लोएस्ट लेना है वो भी काम आ रहा है सब कुछ मिक्सचर होके एक साथ आ रहा है तो ये इसका फायदा एक और देखो ये आप डिवीजन भी कर सकते हो जरूरी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी यही रूल है ये देखो डिवाइड किया इसमें कितने है? अब लीडिंग वाला तो काम का नहीं है जो दो है बस दो सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले में नीचे और नीचे वाले में तीन है इसके तीन सिग्निफिकेंट फिगर है ऑल नॉन जीरो तो जो फाइनल आंसर है कितने में अप्रोक्सीमेट करें दो में अप्रोक्सीमेट करो और दो में अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो देखो टू वन वन टू सिक्स सेवन सिक्स सिर्फ दो में अप्रोक्सिमेट करना है तो डेसिमल के बाद दो ये दो क्यों दो देखो क्योंकि ये वाला तो काउंट होता ही नहीं है ना दिस इज नॉट काउंटेड जो लीडिंग है वो कभी सिग्निफिकेंट होता ही नहीं तो जब हम दो कह रहे हैं हम दो ये डेसिमल के बाद गिन रहे हैं है ना गिना पूरे में ही जाता है जैसे तो यहां पर जब उसने कहा कि भाई सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेना तो तीन में पहली दो भी काउंट हुई और ये एक काउंट हुआ टोटल में देखा जाता है यहां पर जब वो तीन कह रहा है तो तीन में कौन सी लूंगा अरे सॉरी दो कह रहा है तो दो में कौन सी लूंगा शुरुआत से गिन लो लेकिन अभी सिग्निफिकेंट था ही नहीं ये पहला सिग्निफिकेंट ये दूसरा सिग्निफिकेंट बस बाकी को ड्रॉप कर दो ये वन ड्रॉप हो रहा है तो आंसर क्या आ गया पॉइंट टू वन ओनली ठीक है तो ये है इसका फायदा ऑल राइट आ गया समझ में ये होता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा ये भी जेई मेन्स का पीवाई क्यू है दिस इज ऑल्सो पीवाई क्यू जो मुझे लगता है अब आप कर पाओगे ये आया था आपका 2020 में 2020 का पीवाई क्यू है इस ये इसमें भी यही कहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मेटल शीट आर गिवन देखो लेंथ और ब्रेथ दिए तो इसका करेक्ट आंसर बताना है बता सकते हो एरिया तो आप कहोगे एरिया हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेथ तो उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो देखो इस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अब ये देख के कोई समझ ही नहीं पाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का है लेकिन है उसी का ही अब इसको जरा मल्टीप्लाई करना प्रॉपर प्रॉपर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है मैं तो कैलकुलेटर से कर लेता हूं आप लोग मत करिएगा आपको एग्जाम में करना है नाइन पॉइंट थ्री सेवन एट टू फोर एट है ना ये आ रहा है देखो इसका आंसर तो ये आ रहा है लेकिन अब हम क्या देखेंगे अब देखो भाई हम चेक करेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट कहां थी तो लीस्ट सिग्निफिकेंट देखने जा रहे हैं तो इसमें कितनी थी इसमें चार हैं तीन और एक चार चार सिग्निफिकेंट है इसमें और इसमें ये सैंडविच जीरो है तो ये भी काम के चार तो फाइनल आंसर में भी टोटल चार सिग्निफिकेंट होने चाहिए तो एक दो तीन चार बाकी ये हम ड्रॉप कर देते हैं और जो ड्रॉप कर रहे हैं वो वैसे भी क्या है वो वैसे भी टू है तो अगर ड्रॉप किया तो क्या आएगा तो नाइन पॉइंट थ्री सेवन एट ही आंसर आ जाएगा जो कि हमारा पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है तो देख रहे हो अब आपसे कैसे सही हो गया प्रश्न ठीक है हाँ एग्जाम में तो आपको करना ही पड़ेगा देखा एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो समझ में आ रही है सारे रूल सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ कैसे ये एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा है ना अब इसके बाद बारी है एरर की लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं है ना एरर में जाएं उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है और एरर भी जरूरी है देखिए तो एरर को छोड़िएगा मत एरर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर को भी कर लेते हैं चलो बट ब्रेक फर्स्ट ब्रेक लेते हैं पंद्रह मिनट का ले है ना पंद्रह मिनट का ले लेते हैं चलिए पर आइएगा ज़रूर क्योंकि एरर से बहुत सवाल आते हैं एडवांस और मेंस दोनों चलिए दोस्तों शुरू किया जाए Let us start. बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं हो रहे एक के बाद एक कॉन्सेप्ट राइट <laughs> right. चलो तो शुरू करते हैं कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो आप किसी ने बोला है कि सर यूनिट डायमेंशन तो बहुत छोटा और इजी चैप्टर है उसको कहूंगा कि सात घंटे का तू लेक्चर ले वॉन्च बैक का फिर बोलना यही चीज कि इजी और सिंपल चैप्टर है तो खबरदार है किसी ने बोला है ईजी और सिंपल चैप्टर तो इतनी इतने इतने कॉन्सेप्ट हैं इतने इतने रूल्स हैं इतनी चीजें हैं करने को अभी एरर आएगा एरर के बाद वर्नियर कैले पर प्रोपोगेशन ऑफ एरर इतनी सब दुनियादारी है कि क्या कहें है ना चलो तो एरर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एरर को एनालाइज करते हैं एरर तो देखिए जीवन में होते ही रहते हैं राइट right? तो एरर का तो क्या ही कहना हम सब ने दुनिया में एरर कमिट किए हैं सो इट इज ऑब्वियसली देयर और एग्जाम में कितने एरर हो जाते हैं हम लोगों से मार्क्स कम आ जाते हैं उसकी वजह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में आए हुए एरर की एक्सपेरिमेंट में आए हुए एरर किस तरीके से एनालाइज करते हैं उसके बारे में जरा समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट में आए हुए एरर्स को जिस तरीके से दूर किया जाता है वो है एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करना ठीक है तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हो आपने लैब रिपोर्ट में भी देखा होगा एक आपसे कॉलम बनवाते टेबल और उसमें बोलते हैं जब आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तब कितनी वैल्यू आई दूसरी बार किया तब कितनी तीसरी बार किया तब कितनी तो आप कई बार एक एक्सपेरिमेंट को करते हो देखो हर बार का डेटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑल द डेटा यू कैन सी हीयर ये सारा डेटा है जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे आया और फिर आप क्या करते हो जब बहुत बार एक ही चीज को कैलकुलेट करते हो तो फिर उसकी ट्रू वैल्यू आप क्या बोलोगे उस सबका एवरेज है ना जैसे मान लो एक पेंडिलम है पेंडिलम का आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो कि ये इधर जाता है और जाके वापस आने में ये कितना टाइम लेता है इसको आप कह रहे हो टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक बार तो करोगे नहीं कई बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो मान लीजिए जो आपका पहला वैल्यू आई वो आपकी आई लेट्स फिर आपने दूसरी बार किया तो थोड़ा सा डिफरेंस आया 1.9 आ गया तीसरी बार किया तो 2.1 आ गया थोड़ा सा इधर चला गया और चौथी बार किया चौथी बार किया तो फिर टू सेकेंड आया है ना तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया तब जाके अलग अलग टाइम पीरियड आए तो आप ट्रू वैल्यू क्या कहोगे द ट्रू वैल्यू यू विल कॉल एज मीन वैल्यू वही होती है जो एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाए और सारी वैल्यू का जब हम एवरेज ले, ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू तो बताइए ट्रू वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी इन सबको ऐड कर दो टू प्लस वन पॉइंट नाइन प्लस टू पॉइंट वन प्लस टू बाय टू तो क्या आ रहा है जी ये ये हो रहा है चार चार और चार आठ आठ बटा दो फिर से आई आ रहा रहा है है ना दिख रहा होगा आप ये चार और फिर उधर से भी चार और डिवाइडेड बाय टू क्यों करा डिवाइडेड बाय फोर करना था इसलिए तो मैं सोचूं कि क्यों गलत आ रहा है डिवाइडेड बाय जी एवरेज में देखते ना कितने नंबर हैं चार नंबर है तो नीचे चार से डिवाइड किया डिवाइडेड बाय एन सबको एड करके एन से डिवाइड करना तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है टू सेकेंड आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू टी एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम है ना ए लिखा है देखो ए एम यानी ट्रू वैल्यू तो यहां से आपकी ट्रू वैल्यू आ गई कि ट्रू वैल्यू तो भैया टू है अब इसके बाद एरर कैसे निकालते हैं अब एरर ऐसे निकालते हैं कि अब आप गिनो कि पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था तो सही था क्या हाँ पहली बार सही था देखो कोई एरर नहीं टू और टू दूसरी बार किया तो सही था क्या नहीं सही नहीं था वन पॉइंट नाइन और एक्चुअल हुई की। अच्छा तीसरे बार में यहां भी गलती हुई है यहां वन की। ज़्यादा आया। या ये पहला वाला और लास्ट वाला लास्ट वाला फिर सही है तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो एरर निकालने के लिए आप सब कर रहे हो ना आप देख रहे हो कि ट्रू वैल्यू से ये वैल्यू कितनी डिफरेंट है तो आप बेसिकली ही तो कर रहे हो तो ये को ही हम कहते हैं एरर एरर तो निकाला जाता है ट्रू वैल्यू को हर एक डेटा से सब्रैक करके तो आप टीएम को टी वन में से घटा दो तो वो पहला आपका एपसल्यूट एरर आएगा ऐसे डेल्टा से लिखते हैं डेल्टा ए वन दिस इज द एपसोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट तो जो ट्रू वैल्यू आई है उसमें से पहला डेटा सब्ट्रैक कर दो तो बताइए डेल्टा टी वन क्या आएगा पहली बार किया हुए में तो टीएम माइनस टी वन अब देखो टीएम तो टू है और टी वन भी टू है तो पहले बार तो कोई एरर हुआ ही नहीं है ना यही ये यह चीज कह रही है कि पहले बार कोई एरर नहीं हुआ पहले बार एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा दूसरी बार तो देखो भाई दूसरी बार में फिर से ट्रू वैल्यू माइनस टी टू तो ट्रू वैल्यू तो टू है और टी टू की वैल्यू कितनी है दूसरी बार वैल्यू क्या वन पॉइंट नाइन इस बार एरर आया प्लस पॉइंट वन का तो दूसरी बार करते वक्त पॉइंट वन की दिक्कत हो गई तीसरी बार करते वक्त तीसरी बार करते वक्त अब ट्रू वैल्यू में से ये सब करते हैं तीसरी वैल्यू तो इस बार आया नेगेटिव पॉइंट वन है ना ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा मीन डिविएशन ये अभी हम डिविएशन निकाल रहे हैं ये आपका एवरेज आया पहले मीन निकालते हैं फिर मीन को हर एक डेटा में जो सब करते हैं तो ये क्या आता है ये डिविये आता है फिर अब देखना इन का भी हम मीन लेंगे तो उसको कहेंगे मीन डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है तो खैर अभी ये डिविएशन हम निकाल रहे हैं हर डेटा में से सब कर रहे हैं सबको तो तो समझ आ रहा है ना फिर से ट्रू वैल्यू माइनस तीसरा आई मीन चौथा यहां पर ये तीसरा था और ये चौथा था तो इस बार फिर से जीरो तो ये आ गए आपके एपसल्यूट एरर एपसोल्यूट एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है पॉजिटिव भी आया है नेगेटिव भी आया है तो ये दोनों हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एब्सोल्यूट देख के ये मत सोच लेना ये हमेशा पॉजिटिव होगा नॉट नेसेसरी इट कैन बी बोथ है ना तो दोनों हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव तो ये आ गए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अब क्या करेंगे ये डिविएशन है डिविएशन का फिर हम क्या लेते हैं मीन मीन ऑफ डिविएशन तो अब ये जितने डिविएशन आए अब इनका एवरेज लो तो जब एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अब ये जितने आपने एरर के निकाले हैं इन सब का एवरेज लो लेकिन ध्यान रखो क्या मॉड लगाना है है ना तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स टेंथ में भी पढ़ते हो ना आप ये टेंथ या नाइन्थ में ये पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिक्स में आ, मीन क्या होता है डेटा का डेटा का डिविएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन डिविएशन जिसको कहते हैं वो अब निकलेगा देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा कितना आएगा बताओ जरा हमारे केस में इसको लिखते हैं डेल्टा टी बार जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर बार लगा दो या कई बार सिर्फ डेल्टा टी भी चलता है नॉर्मल प्रैक्टिस में तो डेल्टा तो टी बार तो इन सबका देखो एवरेज ले, ले लेते हैं एरर्स का तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो जीरो प्लस पॉइंट वन प्लस अब ये नेगेटिव को भी पॉइंट वन लेना डिवाइडेड बाय फोर तो बताओ कितना आ गया तो यहां पर आ गया जीरो पॉइंट टू जीरो Divided by फोर जो कि हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव इतने सेकेंड्स का मीन एरर आया है अब एक बार जैसे ही आपका मीन एप्सल्यूट एरर आ गया अब आप ट्रू वैल्यू के साथ जमा के इसको लिख दो कैसे लिखेंगे अब हम इसको तो रियल वैल्यू अब हम ऐसे लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम बोलेंगे कि टाइम पीरियड को इस तरीके से लिखा जाए टाइम पीरियड प्लस माइनस डेल्टा टी ये बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं ये हम कहना चाह रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई नहीं जा सकती किसी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियां हुई हो हम आपको एक रेंज दे सकते हैं कि इसके बीच में लाए कर रहे हैं आंसर वी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर कि यही होगा हाँ एक रेंज आपको दे रहे हैं और वो रेंज यहां से निकल जाएगी ये देखो तो अब बताइए जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का इसमें यह आ गया मीन और ट्रू क्या आया था ट्रू आया था टू सेकेंड्स तो रख देते हैं तो हमारे केस में जो रियल वैल्यू है वो क्या आएगी तो हमारे केस में रियल वैल्यू आएगी टीएम टू सेकेंड प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये हमारा आंसर है ठीक है तो हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि देखो टाइम पीरियड लाइज बिटवीन इसके बीच में टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट में गलतियां होती हैं तो सबसे पहले सब, सब करो तो क्या आएगा 1.95 1.95 सेकंड से लेके ले आपका 2.05 के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है ये पार्ट समझ में आया तो फिजिक्स बेसिकली इस प्रैक्टिकलिटी को समझता है फिजिक्स कहता है कि यार एक्सपेरिमेंट में गलतियां होती हैं गलतियां सबसे होती हैं तो एवरेज को भी हम इवन रियल नहीं कह सकते आप देखो कहने को तो हमने एवरेज एवरेज निकाला था हमारा आया था हमारा आया लेकिन हम इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं रखते हैं कि एग्जैक्ट ही आंसर है हम उसमें भी रेंज दे रहे हैं हमने इसलिए एब्सोल्यूट एरर निकाले उनका एवरेज लिया और फिर उसको और ऐड किया इस रेंज में कुछ हो सकता है आंसर दैट इज वॉट गोइंग टू राइट है ना तो समझ आया आप लोगों को बड़ा सिंपल सा एवरेज का कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है ना यही एरर का तरीका है अब इसी चीज को देखो यहाँ लिख दिया गया है कि फाइनल रिजल्ट ऐसे एक्सप्रेस होता है ए ए एम प्लस माइनस डेल्टा इससे इस रेंज के बीच में लाए करता है बिल्कुल सही ये अभी हमने देखो यही रेंज निकाली ना एक बार क्या किया एक बार ऐड किया एक बार सब किया इस रेंज के बीच में आपका आंसर लाए करता है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है अब क्या होता है कई बार हम देखते हैं कि ये जो एरर आया है ये ओरिजिनल वैल्यू के तुलना में कितना बड़ा है हाउ बिग इज द एरर कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू तो क्या 0.05 बहुत बड़ा है टू से तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं हम देखते हैं कि जितना एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके देखो कि क्या ये बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है तो हमारे केस में निकालते हैं देखो हमारे केस में जो फ्रैक्शनल एरर आएगा जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया टाइम पीरियड वाला उसमें बताइए फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा तो जैसा कि बताया गया डेल्टा टी को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना होता है ना डेल्टा टी शुड बी डिवाइडेड बाय टीएम मीन वैल्यू से डिवाइड करो और बेसिकली आप ऐसे देख लिया करो जो प्लस माइनस के बाद लिखा हो उसको डिवाइड कर दो उसके पहले वाले से ना तो इसको डिवाइड कर दिया इससे तो 0.05 जीरो जीरो को किससे डिवाइड करते 2 से तो कितना आया 0.0025 यही आया इतना आपका फ्रैक्शनल एरर है और फ्रैक्शनल एरर डायमेंशन लेस होता है कोई इसकी यूनिट नहीं होती ठीक तो दिस इज दिस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव जीरो जीरो टू फाइव होगा कि टू फाइव होगा एक जीरो ज्यादा लगा दिया ना मैंने हाँ एक जीरो ज्यादा लगा दिया जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव होगा इतना होगा ज्यादा लगा दिया था हमने जीरो खैर अब ये जो फ्रैक्शनल एरर आया ना इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तो परसेंटेज परसेंटेज एरर एरर निकलेगा निकल जाएगा तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से तो जब फ्रैक्शनल एरर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है परसेंटेज एर चलिए निकाल देते हैं परसेंटेज एरर विल बी जब आपका फ्रैक्शनल एरर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो बताइए इस फ्रैक्शनल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं को 100 परसेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा तो 2.5 परसेंट तो ज्यादा एरर नहीं हुआ है ना 2.5 परसेंट इज वेरी 25 परसेंट आंसर नहीं है 2.5 परसेंट है पच्चीस परसेंट तो कितना गलत हो जाएगा सोचिए वो एक्सपेरिमेंट तो कैंसिल करना पड़ेगा एरर्स जो हैं वो इसी रेंज में होने चाहिए एरर शुड बी हार्डली वन टू टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट इट एक से लेकर पांच परसेंट के बीच में पांच परसेंट से ऊपर जब आपका एरर जाता है तो बहुत ज्यादा गलत है एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा करने की जरूरत है उस एक्सपेरिमेंट को ठीक है तो ये चीज समझ आई चलो अब एक सवाल देखते हैं मेंस का जो पहले आया हुआ है इसके ऊपर तो यहां पर वही करा देखो जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कितनी बार कर रहा है बिल्कुल हमारी नकल हो रही है देखो ये मेंस वाले कुछ भी नया नहीं करते हमारी नकल कर रहे टाइम पीरियड को मेजर कर रहा है और कर भी रहा है तो चार बार जैसे बिल्कुल हमने किया तो चार बार इसने मेजर किया देखो इसका क्या क्या आया तो इसका पहला बार आया नाइन्टी से दूसरी बार जब इसने मेजर किया तो क्या आया 91 आया, तीसरी बार इसने किया तो इसका फाइव आया? आया और चौथी बार बता दो कितना आया इसका चौथी बार इसका आया नाइन्टी टू सेकेंड्स तो ऐसे इसने चार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया है ठीक है और ये एक ऑप्शन यहां पर देखिए ये ये टू होगा ठीक है ये गलती से इन्होंने लिखा नहीं ये टू है टू एक ऑप्शन है थ्री एक है फाइव वन पॉइंट फाइव और टू ऐसे ऑप्शन तो खैर अब ये चार बार डेटा है आपके सामने तो चार डेटा आपके सामने तो सबसे पहले क्या करेंगे मीन निकालेंगे तो मीन में सबको ऐड करके और डिवाइड कर लो 90 प्लस नाइन्टी वन 92 फाइव टू बटा चार तो कितना हुआ ये थ्री सिक्सटी एट बाय फोर है ना जो कि आ गया आपका नाइनटी टू टीएमटी टू है एवरेज इस पक्का नाइनटी टू इसलिए सारे ऑप्शन नाइनटी टू है देखो अब सारा खेल है एब्सोल्यूट एरर निकालने का तो चलो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो पहले में कितना एरर हुआ तो पहले में एरर जो होता है ट्रू वैल्यू में से पहली वैल्यू सब करो तो बताओ कितना होगा 92 में से 90 सब ट्रैक करेंगे तो टू सेकेंड्स पहला एरर टू सेकेंड्स आया अब दूसरा तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना ये ट्रू वैल्यू 92 है और t2 कितना है 91 तो दूसरे केस में वन आया तीसरे केस में मीन एब्सोल्यूट तो ट्रू वैल्यू 92 टू माइनस नाइनटी या आया नेगेटिव और चौथे बार कितना आया है बता दो तो 92 में से आप चौथी वैल्यू सब करो तो इस बार सर जीरो एरर है तो सबका आप एवरेज लो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर में इन सबका मॉड लेके एवरेज लिया जाएगा टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस जीरो बाय फोर है ना ये जो सारे एब्सोल्यूट एरर आए इनका मॉड लेके एवरेज लिया तो कितना आया चार तीन तीन दो पांच छ बटा चार छ बटा चार इस कितना थ्री बाय टू और थ्री बाय टू कितना होगा वन पॉइंट फाइव ऐसा कुछ है वन पॉइंट फाइव सेकेंड आ रहा है जल्दी बताओ वन पॉइंट फाइव आया है ना वन पॉइंट फाइव सेकेंड्स इज वॉट वी आर गेटिंग इन दिस केस अब देखिए ये तो हो गया डेल्टा टी अब हमें इसको लिख कैसे देना चाहिए अब साफ साफ जब आपके पास टीएम की भी वैल्यू है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर की भी वैल्यू है सारी वैल्यू आपके पास मौजूद है तो आप क्या करोगे तो आप सर सीधा सीधा लिख दो यहां तो टीएम प्लस जैसा आपने बताया था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर हमें आंसर क्या लिख देना चाहिए सर तो यहां पर लिख देना चाहिए ट्रू वैल्यू नाइनटी टू प्लस माइनस वन पॉइंट फाइव अब काफी लोग कहेंगे ये आंसर लेकिन एक कैच है मैं देख रहा हूं चैट में सी ऑप्शन की बाढ़ आ गई है लेकिन इसका सही जवाब सी ऑप्शन नहीं है तो इसका सही आंसर क्या इसका सही आंसर एक्चुअली ए ऑप्शन ए ऑप्शन क्यों है सर ऐसा कहते सर साफ साफ दिख रहा है क्या बात कर रहे हो आप वन पॉइंट फाइव जब हमने निकाला है सामने आया है तो क्यों आप कह रहे हो ए ऑप्शन इसीलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि देखो क्लॉक क्या मेजर कर सकती है आपकी आपकी घड़ी कितना मेजर कर सकती है इफ द मिनिमम डिवीजन ऑफ मेजरिंग क्लॉक इज वन सेकेंड मिनिमम टू मिनिमम वो एक सेकेंड मेजर कर सकती है एक के बाद वो अगला क्या मेजर करेगी दो सेकेंड दो के बाद अगला क्या करेगी तीन सेकेंड क्या क्लॉक पॉइंट फाइव आधे आधे में मेजर कर सकती है क्या जो घड़ी आप यहां पर लगाए हो क्या वो आधा मेजर कर सकती है बताइए आधा मेजर नहीं कर सकती राइट इट कैन नॉट मेजर हाफ तो आप आंसर में हाफ कैसे ला सकते हो टाइम में यू कैन नॉट हैव अ डेसिमल बिकॉज़ क्लॉक डजंट अलाउ क्लॉक में डिवीजन ही नहीं है एक के बाद सीधा दो आता है 1.5 आता ही नहीं है क्या ये समझ आया तो इस वजह से इसका आंसर 1 होगा और 1 में भी इसको 2 की जगह हमें 1 करना पड़ेगा क्योंकि इसका एप्रोक्सीमेशन हमने सीखा है अगर आप डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है 5 से पहले नहीं सही है सही है फाइव से पहले ऑड है कि इवन है देखो राउंडिंग ऑफ के रूल भी लग रहे हैं मुझे बताओ राउंडिंग ऑफ का रूल क्या रहेगा इसको करना करना है तो फाइव फाइव करना है तो तो के 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 पहले 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 या देखें इसको ड्रॉप आगे तो नथिंग पीछे देखना पड़ेगा पीछे ऑड है इवन है पीछे ऑड है ऑड होता था तो क्या करते थे एक से बढ़ा देते थे तो नाइनटी टू प्लस माइनस टू तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन 92 टू प्लस माइनस टू ये आपका सही जवाब है ना तो समझिए इस बात को कि क्यों ए ऑप्शन कहा गया ए ऑप्शन इसीलिए कहा गया बिकॉज क्लॉक क्लॉक मिनिमम वन सेकेंड ही मेजर कर सकती है एक के बाद सीधा वो दो पे चली जाएगी जैसे मैं आपसे कहूं अगर किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्लस ई अब मैं आपसे बोलूं क्या प्लस ई के बाद उससे बड़ा चार्ज कौन सा हो सकता है इस बॉडी पे एक ऑब्जेक्ट है आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस बॉडी पे कितना आया प्लस ई अब मैं आपसे कहूं इससे बड़ा चार्ज और क्या हो सकता है क्या 1.5 पॉइंट e ई हो सकता है आप बोलोगे नहीं हो सकता सर क्योंकि अब अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन मिनिमम टू मिनिमम आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे इस बार आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए टोटल तो प्लस ई का अब प्लस टू ई होगा सीधे। so, से सीधे टू पे जंप होती है e नहीं हो सकता है ना चार्ज इज क्वान आधा चार्ज ई e जैसी कोई चीज ही नहीं होती ऐसे ही इस घड़ी में सिर्फ एक सेकेंड एक के बाद सीधा दो है दो के बाद सीधा तीन है आधा कुछ नहीं तो समझ लो क्वांटाइजेशन की तरह है क्लियर है चलो बढ़ते हैं आगे अब एरर कैसे प्रोपोगेट होते हैं जरा वो देखते हैं एरर जो है प्रोपोगेट करते हैं कैसे प्रोपोगेट करते हैं जैसे मान लो एक क्वांटिटी एक्स एक्स जो है उसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हो यू आर नॉट मेजरिंग एक्स आप मेजर तो कर रहे हो ए और बी को ए और बी को आप मेजर कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली लेकिन ए और बी डिटरमाइन करेंगे एक्स की वैल्यू अब सोचिए अगर ए गलत कैलकुलेट हुआ है और बी गलत कैलकुलेट हुआ है तो दोनों की गलतियां एक्स में भी गलती पैदा कर देगी है ना दो गलतियां मिलके गलतियां ही बनती है कभी भी सही नहीं बन सकता तो दो गलत चीजें मिलके गलती बनाएंगी तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां पर एरर्स कंसिडर करूं तो ए प्लस माइनस डेल्टा A और इधर बी प्लस माइनस डेल्टा भी और इसके कारण एक्स में एरर आ जाएगा क्योंकि ए और बी में एरर आए तो एक्स में भी एरर आ गया और यहां से आप देख सकते हैं ए और बी को आप आई मीन I mean, साइड बाय साइड लिख दो और एरर्स को यहाँ पर ऐड कर दो ऐसा लिखा जाएगा अब आप खुद देखो एक्स और ए प्लस बी बराबर है इनको काट दो कट गए तो आपके पास एरर इन एक्स आ गया कि एरर इन एक्स क्या होगा एरर इन एक्स होगा दोनों का एडिशन दोनों क्वांटिटीज का एरर ऐड कर दो तो जो तीसरी क्वांटिटी है उसका एरर आ जाता है क्लियर हुआ है ना क्लियर चलो अब ये तो आप कहोगे सर आसान है कि एडिशन था तो हम समझ गए एरर ऐड हो गया लेकिन मैं आपको जो हैरान करने वाली बात कहूंगा कि सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है अगर x इक्वल ए माइनस बी हो ना तो भी तो भी एरर होते हैं इवन देन डेल्टा x विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लॉजिकली सोचो ना देखो भले ही आप सब कर रहे हो लेकिन अभी भी a भी गलत है और b भी गलत है तो जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा गलत होगा दोनों की वजह से गलत होगा ऐसा थोड़ी कि बस जस्ट बिकॉज आप सब कर रहे हो तो दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू सही हो जाएगी नहीं सब करते वक्त भी दोनों गलत है एड करते वक्त भी दोनों गलत है तो फाइनल आंसर तो गलत ही होगा ना गलतियों हो का पुलिंदा बनेगा जब दो गलत चीजों को ऐड करो या ट्रैक करो आंसर तो गलत ही आएगा तो चाहे ऐड करो चाहे सब करो एरर तो एरर ही रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आया इज दिस क्लियर तो एरर्स हमेशा ही ऐड होते हैं चाहे एडिशन हो सब हो एरर ऐड ही होगा एरर एड्स इन बोथ दोनों में एरर add होते हैं ठीक है ये ध्यान रखिएगा एरर add ही होंगे चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जैसे आपसे बोला गया या मैं पहले एक करके बता देता हूं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल कर देते हैं जैसे आपको बोल दिया गया कि भाई आपका x जो है वो दो क्वांटिटी का सम है कौन कौन सी तो टू प्लस माइनस पॉइंट वन ये ए है और दूसरी है थ्री प्लस माइनस पॉइंट टू तो बताइए फाइनल आंसर क्या है तो अब आप सीधा से यहाँ लॉजिक लगाओगे कि देखो भाई ये तो क्वांटिटी ऐड हो रही है प्लस हो रही है तो फाइव आ गया और एरर्स एरर्स तो ऐड होते ही है पॉइंट तो वन और ये मिलके पॉइंट थ्री बन गए है ना इजी लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस भी दे दिया जाए कि भाई वाई है और वाई जो है इन्हीं दोनों को सब करके बन रहा है टू प्लस माइनस पॉइंट वन माइनस थ्री प्लस माइनस पॉइंट टू वाई जो है इन दोनों का डिफरेंस है तो यहां पर भले टू और थ्री को तो आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे टू माइनस थ्री होगा ये नॉर्मल फैशन में होगा तो ये तो माइनस वन ही हुआ लेकिन जो एरर है क्या एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं एरर अभी भी एड होंगे पॉइंट थ्री आएगा एरर में तो, तो ये चीज आप अपने माइंड में बैठाएं कि चाहे क्वांटिटीज ऐड हों चाहे क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जो एरर वाला पार्ट है एड ही होता है हाँ, आगे जो नंबर है वो और होते हैं अकॉर्डिंग टू कि प्लस है कि माइनस है वो उनमें होता है, है। तो देखिए क्वेश्चन है कि बताइए इनिशियल uh, और फाइनल टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको तो बोल रहा है कि कितना राइज हुआ टेम्परेचर में ये बताओ हाउ मच राइज इन टेम्परेचर तो आपके पास इनिशियल भी है फाइनल भी है। तो टी वन कितना है? तो T1 है, plus minus degree Celsius. T2 कितना है तो T2 है plus minus degree Celsius. अब ये आपसे कह रहा है कि राइज निकालो तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है वो तो फाइनल में से इनिशियल को सब कर दो तो 78.3 प्लस माइनस 0.3 को को किसमें से सब कर दें इनिशियल वाले में से ये हम सब कर रहे हैं लो हो गया सब अब 78 में से 40.6 को घटाओ कितना आएगा जरा बताना तो 13 में से 6 गए सात ये तो सात बनेगा और इधर से एक चला गया था तो ये सेवन बन गया सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन ऐसा चेक कर लेना है ना यस आई थिंक इट्स करेक्ट नहीं थ्री कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या अच्छा फोर भी तो है सात में से चार गया तो वो थ्री है हाँ मैंने थ्री देखा नहीं कि इसमें फोर था तो यहाँ थ्री आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट सेवन अब ये तो सब हो गए लेकिन एरर का बताओ एरर का क्या होगा एरर एड ही होंगे तो जो एरर वाला पार्ट है ना वो पॉइंट फाइव आएगा वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये आपका आंसर है क्लियर हो गया प्लस माइनस पॉइंट फाइव ठीक क्लियर हो गया चलो बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कहना चाहिए बच्चे गलतियां करना शुरू कर देते तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं डेरिवेशन में नहीं करूंगा बाइनोमियल वगैरह बड़े बड़े ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे छोड़ो डेरिवेशन को जो इम्पोर्टेंट है वो ले लो फॉर्मूला कि मान लीजिए अगर आपका x जो है वो a और b का या तो प्रोडक्ट है या दोनों ही केसेस में सेम फॉर्मूला या a और b का डिवीजन है जैसे एडिशन सब्टन में सेम होता है ना ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम फॉर्मूला होता है कोई फर्क नहीं पड़ता एरर को तो यहां पर क्या होता है तो यहां पर एरर निकलता है एक फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला है जी फॉर्मूला ये है देखो आप एरर इन एक्स लिखो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स ये फ्रैक्शनल एरर ही हुआ ना एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए एम ये वही तो हुआ फ्रैक्शनल एरर फ्रैक्शनल एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन तो वहां पर एरर ऐड हो रहे थे देखो वहां पर एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एरर्स ऐड होते हैं और यहां पर क्या ऐड होते हैं यहां पर फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं इतना अंतर होता है ठीक है तो मल्टीप्लीकेशन hmm. डिवीजन में सिर्फ डेल्टा ए डेल्टा बी एड ऐड मत कर देना उनका फ्रैक्शन लेना और फिर ऐड करना तो जो फाइनल आंसर भी आएगा वो फ्रैक्शनल आएगा ठीक है ये चीज ध्यान रखना अब इसको मैं आपको करके बताऊँगा दोनों के लिए बोथ हैव सेम फॉर्मूला चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो आपको यही करना है दोनों में सेम फॉर्मूला लगाना ठीक है तो चलिए इसको करके देख लेते हैं जैसे मैं आपको दे दूं एक एग्जाम्पल कि भाई हमें दिया गया है यहां पर एक्स जो है वो है आपका टू प्लस माइनस पॉइंट वन इन टू थ्री प्लस माइनस पॉइंट थ्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कैसे करें एक्स में एरर निकालना है तो जैसे मैंने अभी क्या कहा फ्रैक्शनल एरर ऐड करना अब फ्रैक्शनल एरर कैसे ऐड करें तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं बिना एरर के वॉट विल बी एक्स एक्स होगा कितना तो एक्स होगा इन दोनों का प्रोडक्ट थ्री और टू सिक्स अब जो प्लस माइनस है वो हमें नहीं पता वो अभी हमें निकालना है वो जो प्लस माइनस होगा वही तो डेल्टा एक्स है दैट इज डेल्टा एक्स वो हमें निकालना है लेकिन एक्स की वैल्यू तो पता चल गई जो विदाउट एरर, एरर वाला पार्ट हमें चाहिए। अब कुछ तेजस्वी लोग बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स शुड बी टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अब डेल्टा ए अपॉन ए देखो ये डेल्टा ए ए का एरर अपॉन उसकी वैल्यू टू बी का एरर डेल्टा बी अपॉन बी उसकी वैल्यू ठीक है अब यहां से क्या आंसर आएगा अब यहां से जो भी आंसर आएगा एक चीज ध्यान रखना वो फ्रैक्शनल एरर है तो लोग क्या करते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और सोचते हैं यही आंसर है यही डेल्टा एक्स है नहीं ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है तो अब आप ये एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करोगे डेल्टा एक्स निकालने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत भूलना ये लोग जनरली मिस कर जाते हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने बहुत बार देखा है लोगों को ऐसा ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं तो उससे उनका डेल्टा एक्स सही नहीं आता है तो अब बताइए कितना आ रहा है एक्स को सिक्स रख देते हैं सिक्स वैल्यू तो है ही हमारे पास एक्स की तो एक्स को यहाँ पे सिक्स रख दो तो ये थ्री बन जाएगा पॉइंट थ्री यहाँ सिक्स रखा तो टू तो, तो ये बना पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन आएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है तो है ना सरप्राइजिंग कोई सोच रहा था कि यही मल्टीप्लाई हो जाएंगे नहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू इज पॉइंट नाइन तो यहां आप क्या लिखोगे यहां आप लिखोगे एक्स सिक्स प्लस माइनस पॉइंट नाइन ये आपका आंसर आएगा तो क्लियर हुआ तो ध्यान देना यहां पर नीचे भी एक्स होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है जो लोग अक्सर करते नहीं है और गलत आंसर निकाल लेते हैं वो डेल्टा एक्स बाय एक्स को यहां लिख देते हैं। भाई डेल्टा एक्स, एक्स, तो एक्स निकालना होता है। वो तब होता ना जब ऐड करते मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चल रहा है तो मल्टीप्लाई थ्री और टू को करोगे तो सिक्स ही तो आएगा कितने तेजस्वी लोग हैं यहां चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं लेंथ और ब्रेथ दिया है हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 4 एंड दिस कैलकुलेट द एरिया ठीक है तो लेंथ कितनी है जरा बताना 4 प्लस माइनस पॉइंट वन ब्रेथ कितनी है तो ब्रेथ हमारी है टू प्लस माइनस पॉइंट टू एरिया निकालना है तो एरिया तो और कुछ नहीं लेंथ इनटू ब्रेथ होगा और लेंथ होगा तो मल्टीप्लाई करना है तो दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एक काम करते पहले तो एरिया ऐसे ही लिख देते विदाउट एरर है ना तो फोर को मल्टीप्लाई कर दो किससे से टू से तो कितना आ जाएगा एंड दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक ही वैल्यू हो गई है ना ये एरिया है आपका अब ये था विदाउट एरर मैंने सिर्फ आगे जो नंबर है उनको ले लिया एरर के रहित अब एक्चुअली तो आगे डेल्टा ए भी हमें निकालना है अब डेल्टा ए कैसे निकालें तो फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी चलिए अब लिख देते हैं डेल्टा एल अपॉन एल कितना है देखो तो लेंथ का एरर पॉइंट वन डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू फोर प्लस ब्रेथ का एरर पॉइंट टू डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू 2 ये हो गया अब फिर से a को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भूलना मत तो a को नीचे से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बताइए कितनी वैल्यू आएगी अब a को आप 8 रख दो a हमने पहले से ही निकाल रखा है तो 4 जा, यहां 2 बनेगा तो 0.2 यहां 4 जा तो 0.8 तो वन आ रहा है क्या वन आ रहा है बिल्कुल सो द एरर इज कमिंग आउट टू बी वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आई आपकी डेल्टा ए की वैल्यू और अब आप लिख सकते हो आपका फाइनल आंसर तो यहां से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ओरिजिनल ए प्लस माइनस डेल्टा ए है ना यही आपका आंसर होगा ए हमने पहले ही निकाल लिया एट और डेल्टा ए अभी अभी हमने निकाला वन तो ये एरिया रहेगा समझ आ रहा है सबको वेरी इजी है ना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करो ना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला तो आप आराम से कर पाओगे ये क्या दिया है भाई ये भी आप बड़ी आसानी सब तो आप कर लोगे डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है और स्पीड निकालने को बोला है कितना चिंदी है ना अब तो आप लोगों के लिए आसान हो गया भाई स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिवीजन है दोनों का तो एक बार तो स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है तो डिस्टेंस है 40 मीटर्स विदाउट एरर लिख लो और टाइम है 5 सेकंड्स तो 8 मीटर पर सेकंड क्या बात है सब चीजें एट आ ही जा रही है यहां भी एट आ रहा है 40 बाय 8 1.0 होगा ना सर 1.0 होगा हाँ तो 1.01 एक ही बात है अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे ना सिग्निफिकेंट फिगर से लिखना होता तो मैं 1.0 लिखता अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर में इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी बस मैंने वैल्यू ली one. One रख दिया वैसे आइडियली देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर वाइज होगा बट फिर आप देखिए एक और चीज है जब आप एट में ऐड करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लोगे अब इसमें भले ही आप वन पॉइंट जीरो लिख के दो सिग्निफिकेंट फिगर कर दो लेकिन इसमें तो एक ही है तो एट लास्ट तो एक ही काउंट होगा है ना तो इसीलिए आप एक ही लिख दें राइट right. अब बढ़ते हैं आगे, तो तो पर आ आ गई, अपॉन 40 8 मीटर पर अब स्पीड आ गई है, तो अब अब है, है, निकालना फिर से से वही, वापस से शुरुआत करते हैं वही चीज डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी है ना इन दोनों क्वांटिटी का है, वी का भी करना है उसके बाद तो चलिए कर देते हैं डेल्टा डी बाई डी डिस्टेंस में चेंज है पॉइंट फोर का डिस्टेंस खुद है फोर्टी टाइम का है सिक्स, और नीचे कितना है फाइव ये लो और वी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो डेल्टा वी कितना आ रहा है मल्टीप्लाई हुआ वी खुद एट है ये लो, तो बताओ कितना आ रहा है तो यहां से चेक कर लेना जो भी आ रहा है 1.04 1.04 कोई कह रहा है, आ रहा है है आ सर। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि 1.04 होगा है ना सभी का आ रहा है 1.04। वैष्णवी ने बताया है अभी तो 1.04। अच्छा अनु मृत्युंजय नारायण का कुछ अलग आ रहा है त्रिपाठी जी का अलग आ रहा है तो चेक कर लेना यार कैलकुलेशन है यहाँ से तो ठीक है तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 1.04 ठीक है क्लियर बढ़े आगे नेक्स्ट पे तो कितना आसान होता है आपने देखा एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है अब देखो कई बार क्या होता है ना इसको आप एक और दृष्टि से देख सकते हो कैसे देख सकते हो एक और तरीका इसमें आपको बता देता हूँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है अब इसका एक शॉर्टकट समझिए फ्रैक्शनल एरर है यह भी फ्रैक्शनल एरर है यह भी फ्रैक्शनल एरर है अगर हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ अगर आपने हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जरा सोचिए क्या यही फॉर्मूलाज परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गए कि नहीं आपने जैसे ही हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सब के सब परसेंटेज एरर बदल गए तो अब आप बोल सकते हो कि परसेंटेज एरर इन एक्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी यानी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में या तो आप कह लो कि फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाते हैं या कह लो कि परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाते हैं इस तरीके से भी आंसर दिया जा सकता है अब इससे शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ जैसे कोई सा एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है कौन सा लें ये वाला लें सबसे पहला हमने किया था इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं ये है और ये है ठीक है अब मुझे पता है कि परसेंटेज एरर इन ए और बी मुझे चाहिए जरा बताओ परसेंटेज एरर इन ए और बी कितना है क्या कि आप निकाल सकते हो तो परसेंटेज एरर और कुछ नहीं सर ये फ्रैक्शनल डिवाइडेड बाय वैल्यू बात वही है लिखूंगा मैं वही डेल्टा ए अपॉन ए बस हंड्रेड से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ पॉइंट वन अपॉन टू हंड्रेड कितना आएगा परसेंटेज एरर इन ए परसेंटेज एयर इन ए जो हमारे इस केस में आ रहा है वो है पॉइंट वन बाई टू इंटू हंड्रेड जो कि कितना हो गया ये फिफ्टी तो 5%. तो फाइव परसेंट परसेंट ए में पांच का एरर है अच्छा बी में कितना है तो पॉइंट थ्री बाई थ्री तो बी में जो एरर है आपका वो दस परसेंट का है तो एक में पांच परसेंट एक में दस परसेंट तो एक्स में कितना परसेंटेज आया तो परसेंटेज एरर इन एक्स शुड बी फिफ्टीन परसेंट पंद्रह परसेंट का परसेंटेज एरर है एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है सिक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज सिक्स और जो परसेंटेज एरर है वो फिफ्टीन है यानी सिक्स का पंद्रह परसेंट जो भी होता है उतना एरर आ रहा है तो बताइए सिक्स का फिफ्टीन परसेंट कितना होता है व्हाट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ सिक्स जो भी फिफ्टीन परसेंट ऑफ सिक्स है वही डेल्टा एक्स की वैल्यू है क्योंकि डेल्टा एक्स बता रहा है कि यह पंद्रह प्रतिशत इस वैल्यू में गलती है तो कितना होगा बताओ पॉइंट वन फाइव इंटू सिक्स क्योंकि कितना आता है नाइन तो ये कह रहा है कि एक्स में नाइन इज एरर समझ आया आपको और नाइन ही तो हमने निकाला था पॉइंट नाइन आई मीन होगा क्या होगा तो पॉइंट नाइन इज दी एरर और वही हमने निकाला था देखो लेकिन इस बार मैंने कैसे निकाला इस बार मैंने परसेंटेज देख के मैंने पहले परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया एक्स में अब ये पंद्रह परसेंट किसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो किसका ओरिजिनल वैल्यू का है ना ओरिजिनल से डिवाइड करते इसे देखो पॉइंट वन को टू से डिवाइड किया तो मैंने देखा ये जो है 15 है 15 किसका छ का सिक्स का ओरिजिनल वैल्यू का तो बस सिक्स का पंद्रह परसेंट नाइन दूसरा तरीका समझ में आया आपको क्लियर हुआ कोई पूछ रहा है आप पढ़ाते हुए थकते नहीं देखो अगर आप पढ़ते हुए नहीं थको नहीं थकोगे तो मैं पढ़ाते हुए नहीं थकूंगा बट हैरानी की बात वही होती है बच्चे पढ़ने में थक जाते हैं है ना पढ़ाने में तो बोलना पड़ रहा है कंटिन्यूस जरा भी स्टॉपेज नहीं लगातार बोल रहा हूं मैं दो बजे से है ना लेकिन पढ़ने में तो क्या है? आप बैठे हो सुन रहे हो तो आपको तो और ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ता है लेकिन हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ आधी हो गई सुबह 800 900 बच्चे लाइव देख रहे थे अभी 400 हैं <laughs> और फिर बच्चे बोलते हैं कि जेई में सिलेक्शन हो जाएगा अरे भाई जब तुमसे एक दिन पढ़ाई नहीं हो रही है बैठ के है ना चार पांच घंटे तुम बैठ नहीं सकते पढ़ने के लिए तुम कहाँ से जेई क्लियर करोगे तो अटेंटिव रहो इतना आपका अटेंशन स्पैन होना चाहिए है ना कि आप बैठ के एक बार में पढ़ सको बाकी देखो ताकत तो आप लोगों से मिलती आप है, है आप चैट में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं आपको समझ आ रहा है तो मजा आता है वरना दीवार को पढ़ाएं जहां कोई कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है पता ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना तो आप लोगों की वजह से एनर्जी आ जाती है <laughs> चलो अब आते हैं एक और टाइप के एरर में जब एक क्वांटिटी पे कुछ पावर चढ़ाई हुई होती है ठीक है सम पावर इज देयर क्योंकि अब जैसे कोई बोल सकता है ना कि सर आपने तो बताया कि एक्स इक्वल ए बी या एक्स इक्वल ए बाई बी सर लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो ए अब क्या करोगे या सर हो जाए ए स्क्वायर इंटू बी क्यू या एक ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो कि है ए टू दावर फाइव अपॉन सी टू द पावर सिक्स इंटू डी टू द पावर सेवन ऐसा कुछ आ जाए सर तो तो इस तरह कुछ पावर पर डिपेंडेंसी आ जाए तब कैसे निकालेंगे तो तब वही तरीका है जैसा पहले था बस ये जो पावर का खेल है ना यही बस यहाँ पर हो जाएगा तो क्या खेल है जरा समझते हैं मान लेते हैं कोई क्वांटिटी इसी तरीके से जैसे हमने यहां दो एग्जाम्पल लिखे दीज आर एग्जांपल्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने ठीक है अब मैं कुछ जनरलाइज ले लेता हूं अभी तो मैंने पावर टू थ्री फाइव सेवन सिक्स लिए लेट्स टेक इन जनरल जनरल फॉर्मूला बनाते हैं तो इन जनरल अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लेते हैं क्वांटिटी एक्स डिपेंड करती है ए टू द पावर एल बी टू द पावर एम एल एम एन है ना यही आता है सी टू द पावर एन और जो भी ऐसे कई क्वांटिटीज हो सकती हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है अब देखो c की वैसे नेगेटिव पावर है आपने देखी c नीचे डिनोमिनेटर में तो so, n तो नेगेटिव होगा लेकिन जब हम एरर लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे कैसे अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूं इसका इसका फॉर्मूला क्या हो? इसका होगा इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अब जैसा हमने वहां किया था ना परसेंटेज सॉरी ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर ऐड किए थे बस वही करना है थोड़ी सी बस गैप छोड़ देना पहले ए को लिखो फिर आप बी को लिखो थोड़ा सा गैप छोड़ के बी पे भी डिपेंड करता है सी पे भी करता है तो सी को भी लिखो थोड़ा सा गैप छोड़ के ये लिख दिया अभी जो आगे गैप है, इसमें क्या आएगा तो यही तो अब बस खेल है इस वाले केस में और पिछले वाले में अंतर क्या है ये मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता लेकिन दिक्कत कहां पे आई पावर्स तो बस पावर्स आएंगी जाएंगी खत्म तो ए की पावर कितनी है एल तो उसका मॉड रखना यही मैं कह रहा था कि पावर नेगेटिव भी हो ना तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे मॉड लेके क्योंकि एरर एड ही होते हैं मान लीजिए नेगेटिव होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते एरर एड ही होते मॉड ऑफ एम और सी का जो है वो मॉड ऑफ एन अच्छा एक चीज ध्यान रखना जिसकी जो पावर है वही लिखना ऐसा मत कर देना कि एन को बी के साथ लगा दिया एल को सी के साथ लगा दिया नहीं जिसकी जो पावर है वही उससे मल्टीप्लाई होगी ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ये बहुत जरूरी एक चीज है यहां पर जो आपको याद रखनी है तो क्लियर हुआ यह चीज भी आया समझ में सबको ठीक है अब इसका एप्लीकेशन और यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये परसेंटेज एरर हो गए अगर इनको कन्वर्ट करना चाहें हम तो परसेंटेज एरर हो गए परसेंटेज डेल्टा एक्स इक्वल परसेंटेज इन ए प्लस मॉड एम परसेंटेज़ इन बी प्लस मॉड परसेंटेज़ एरर इन सी है ना ये वही चीज हो गई इस बार भी परसेंटेज एरर ऐड करना है लेकिन पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद चलो करके देखते हैं अभी 2022 में सवाल आया था फ्रेश इसी साल जुलाई अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है देखिए जेड क्या दिया हुआ है जेड हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बी टू दावर टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय रूट सी रूट सी क्या होता है हाफ होता है ना और डी क्यू ये लो जी ये दिया हुआ है आपको अब हमें निकालना है जेड के अंदर एरर और बेस्ट पार्ट है कि उसने परसेंटेज ही पूछा है तो परसेंटेज पूछा है तो हम सीधा ये लगा सकते हैं जो परसेंटेज वाला है सीधा सीधा ये, ये यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी है ना पावर्स के साथ सबके परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज इनैक्स आ जाएगा चलो लगाते हैं तो परसेंटेज एरर इन एक्स हमें चाहिए जो कि हो जाएगा ए की पावर विच इज टू है ना यही ना पावर इनटू उसका परसेंटेज एरर तो ए की पावर है टू और उसका परसेंटेज एरर कितना है टू परसेंट फिर बी की पावर बी की पावर टू बाई थ्री और उसका परसेंटेज एरर वन पॉइंट फाइव फिर C की पावर तो C की पावर है हाफ और C का परसेंटेज एरर फोर और लास्ट में D की पावर तो D की पावर थ्री और परसेंटेज एरर टू पॉइंट फाइव ये लो आंसर आ गया हमारा क्या आंसर आ रहा है देखो जरा फोर प्लस तो वन बन गया टू और वो लास्ट में सेवन पॉइंट फाइव क्या आ रहा है देखना जरा चार दो छह और एक सात सात और साढ़े सात साढ़े चौदह डी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है तो देखा आपने कितनी आसानी से अब चीजें होने लगी तो बेसिकली वही था सारे परसेंटेज एरर ऐड करे हमने लेकिन एक चीज कर दी बस आगे उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया ऑल तो जो भी पावर दी गई हो वो पावर उसके आगे लगा दो और ऐड कर दो आंसर आ जाता है कितना ईजी पड़ता है सो ईजी टू डू है ना चलिए अब अगला देखते हैं एक और 2018 में आया था ये थोड़ा सा अलग है यहां पर आपको एक्सप्रेशन दिया नहीं है यहां पर एक्सप्रेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा कैसे हमें खुद बनाना पड़ेगा जैसे बोल क्या रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग थ्री साइड्स तीन साइड्स हैं क्यूब की उनको मेजर किया उससे उसकी डेंसिटी निकाली तो so, डेंसिटी होती क्या है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम असल में होता है लेंथ क्यूब लेंथ क्यूब और यह हमें बोल क्या रहा है रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास मास में और लेंथ में इतने इतने, इतने एरर है ठीक है तो बेसिकली आपको उसने दे दिया परसेंटेज एरर इन मास कितना दे दिया 1.5 परसेंट और परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दे दिया वो देखिए आपको दे दिया वन परसेंट है ना और पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बताओ तो फॉर्मूला बन तो गया बस यहां पर इन्होंने दे दिया था खुद ही यहां पर हमने बना दिया कि मास की पावर वन है और लेंथ की पावर थ्री है तो बस लगा देते हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी मास की पावर वन इंटू मास का एरर प्लस लेंथ की थ्री इंटू लेंथ का एरर, है ना? कितना आंसर आया वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री फोर पॉइंट फाइव बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं छिंदी एकदम सोचिए और ये मेंस में आ रहे हैं ऐसे सवाल सीधे सीधे बस देख के ही सॉल्व किया जा सकता है सीधा देखा और सॉल्व कर दिया तो एक बार अगर आपको समझ आ जाए ना तो ये चीजें इतनी आसान हो जाती कि मजा ही आ जाता है चलो एक और अलग टाइप का देखो 2020 का तो हर साल पूछता है 22 हो इक्कीस हो, हो, हो 18 हो हो हर साल एक सवाल इस पे आते ही आता है ये देखो अब इस बार क्या है इस बार टाइम पीरियड मेजर कर रहा है नहीं ग्रेविटेशन वैल्यू मेजर कर रहा है किसी प्लेस पे इट इज यूज टू डिटरमाइन डिटरमाइन क्या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जी डिटरमाइन कर रहा है कैसे कर रहा है जी डिटरमाइन एक पेंडुलम से पेंडुलम के टाइम पीरियड से निकाल रहा है तो पहले इनको रिलेट करते हैं तो टू पाए रूट एल बाई जी देखो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अब हमें तो चाहिए जी का फॉर्मूला जी निकल रहा है जो मेजर किया जाता है फॉर्मूला उसका आना चाहिए तो जी हम निकाल रहे हैं तो जी को थोड़ा सा यहां पर बोथ साइड और देखिए आपका क्या बनेगा स्किंग देखिए बोथ साइड कर रहे हैं तो फोर पाए स्क्वायर ऐसा कुछ आया है ना इसको स्क्वायर करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और टी को नीचे ले आया तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अब इसमें जरा देखा जाए तो वेरिएबल क्या है ये तो कॉन्स्टेंट है तो वेरिएबल जो है वो एक तो लेंथ है और टाइम है तो बस ग्रेविटी में एरर आ जाएगा कैसे आएगा तो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू लेंथ की पावर जो भी लेंथ की पावर है वन इन टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस जो टाइम की पावर है टू इन टू परसेंटेज एरर इन टाइम है ना यही होगा इसका परसेंटेज एरर और इसका परसेंटेज एरर अब चलिए इसको लिखते हैं अब सर डेल्टा एल कैसे आएगा क्योंकि हमें एल दिया है एल कितना दिया है देखो एल दे रखा है 25.0 25.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ। सर लेकिन डेल्टा एल कैसे आएगा क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल ही तो रेशो होगा परसेंटेज तो सर वो कैसे आएगा तो देखिए ये आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कुछ समझ आ रहा है ये हम लीस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ यहां क्या मेजर की जा सकती है वैल्यू ऑफ लेंथ दैट वी कैन मेजर कितनी हो सकती है? बताओ डेसिमल के बाद एक प्लेस बस इतना लीस्ट हम कर सकते हैं तो डेसिमल के बाद लीस्ट वन पॉइंट वन सेंटीमीटर ये लीस्ट वैल्यू है जो हम मेजर कर सकते हैं तो अगर एरर हुआ भी तो बताइए कितना हो सकता है पॉइंट वन के फॉर्म में ही हो सकता है ना दिस इज द लीस्ट एरर कैन हैपन सेंटीमीटर तो ये जो लीस्ट वैल्यू मेजर कर पाते हो ना वही क्या बन जाता है वही डेल्टा एल बन जाता है बिकॉज मिनिमम हम इतना ही एरर कर सकते हैं है ना? हम जीरो पॉइंट वन वन का एरर कर सकते हैं क्या नहीं दूसरे डेसिमल प्लेस के बाद दूसरे तक तो बात ही नहीं जाएगी बस पहले पर रुक जाएगा सिमिलरली आप देखो टाइम क्या दिया है टाइम दिया फिफ्टी सेकेंड फिफ्टी सेकेंड्स टाइम दिया है लेकिन स्टॉप वॉच की मिनिमम वैल्यू क्या है फिर से देखो ये स्टॉप वॉच बस वन सेकेंड तक मेजर करती है लीस्ट टाइम दैट वी कैन मेजर तो जो लीस्ट वैल्यू ऑफ टाइम है वो भी फिर यहां पर कितनी है वन सेकेंड तो ये आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डेल्टा टी समझ गए तो ये पॉइंट वन सेकेंड हो गया सॉरी वन सेकेंड हो गया डेल्टा टी तो अब डेल्टा टी है टी है डेल्टा एल है और एल है तो अब परसेंटेज हम लिख सकते हैं तो बताइए क्या आएगा परसेंटेज इन लेंथ क्या हो जाएगा तो परसेंटेज एरर इन लेंथ अब आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि पॉइंट वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू डेल्टा टी बाई I mean, टी अब डेल्टा टी आई मीन डेल्टा टी परसेंटेज क्या होगा तो डेल्टा टी वन है और टी कितना फिफ्टी इन टू हंड्रेड परसेंट ये हो गया तो यहां से आंसर क्या आया देखो ये पच्चीस इंटू फोर तो फोर से ये पॉइंट फोर परसेंट प्लस यहां से टू 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 जॉ फोर परसेंट और आंसर आ गया फोर पॉइंट फोर है ना तो 4.4 परसेंट इसका आंसर है अब यहां पर एक डाउट कुछ बच्चों को आता है वो चीज मैं आपको बता दू शायद हो सकता हो इस पॉइंट पे आपने कभी सोचा भी ना हो विचारा भी ना हो कि ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ बच्चे यहां सोचेंगे सर एक चीज तो आपने कंसिडर ही नहीं करी 40 ऑसिलेशन के लिए 50 दिया था ना आपने तो टोटल यहाँ टाइम पीरियड को फिफ्टी ले लिया सर इसको फोर्टी से डिवाइड तो करो आपको सर टाइम पीरियड फिफ्टी बाय फोर्टी लेना चाहिए था कितने बच्चों का डाउट है ये बताइए ये आप भी कहेंगे कि हाँ सर ये तो मुझे अब सोचने में आ रहा है ये तो आपने बताया तो मैंने देखा कि हाँ फोर्टी ऑसिलेशन के लिए फिफ्टी है तो सर सही बात है अगर पचास ऑसिलेशन के लिए फिफ्टी टाइम लगाए तो चालीस के लिए तो उसका डिवाइड करना पड़ेगा सर टाइम पीरियड तो सर फिफ्टी बाय फोर्टी लो ये लेना चाहिए आपको फाइव बाय फोर है ना तो क्यों फिर मैंने फिफ्टी ले लिया देखो आइडियली दिस इज करेक्ट टाइम पीरियड की एक्चुअल वैल्यू होगी फिफ्टी अपॉन फोर्टी लेकिन फिर अब आप ये भी तो सोचो चालीस ऑसिलेशन में एक सेकेंड का एरर आया है. अगर ये टाइम जो मेजर किया गया ये चालीस के लिए तो उसमें आया हुआ एरर भी तो चालीस के लिए क्या ये बात समझे अगर वैल्यू को चालीस से डिवाइड कर रहे हो तो फिर उसका जो एरर आया है एरर को भी तो चालीस से डिवाइड करो क्योंकि 40 ऑसिलेशन में एक सेकंड का एरर तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर वो भी 40 से डिवाइड होगा तो चाहो तो आप यहां रख सकते हो यहां पे आप जब डेल्टा टी लिख रहे हो तो फिर डेल्टा टी को भी क्या लिखोगे फिर देखो फिर आप डेल्टा टी बाई टी जब करोगे ना तो आप डेल्टा टी को भी क्या लिखोगे वन अपॉन फोर्टी क्योंकि एरर को भी चालीस से डिवाइड किया और टाइम पीरियड टाइम पीरियड को भी चालीस से डिवाइड किया तो इससे क्या हुआ चालीस चालीस कट गए और ये बना क्या वन अपॉन फिफ्टी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या समझ आया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना कि सर टी फिफ्टी क्यों ले लिया आपको तो फिफ्टी बाय फोर्टी लेना था ले लो फिफ्टी बाय फोर्टी ले लो बट फिर एरर को भी चालीस से डिवाइड करो दोनों चालीस से डिवाइड होंगे है ना क्लियर हुआ आया समझ में ऑल राइट right, बढ़िया तो एकदम कनेक्शन फील होता है ना जब लगता है कि हाँ सर ये जो आपने कहा यही तो मेरा डाउट था बिल्कुल वही बात तो सीधा सा बात है कि अगर 40 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है 40 बार उसको ऑसिलेशन होने दिया 40 टाइम्स 40 टाइम्स जब आपने उसको होने दिया और आंसर 50 आया स्टॉप वॉच में पचास दिखा तो आप कहोगे एक का रहेगा डिवाइड बाय फोर्टी अगर चालीस बार करने पे 50 आता है पर तो चालीस बार करने पे एरर कर आया है तो एक बार अगर हम करते तो कितना एरर आता तो इसका वन फोर्टी तो डिवाइड तो दोनों चीजें होंगी ऐसा थोड़ी हो सकता है सिर्फ वैल्यू डिवाइड हो जाए एरर डिवाइड ना हो एरर भी चालीस में बटा और ये टाइम की जो वैल्यू है ये भी चालीस बार बटी दोनों फोर्टी फोर्टी टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं एडवांस एडवांस को कैसे छोड़ दें है ना ये थोड़ा सा यहां छुप गया है लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो ये ध्यान से पढ़िए देखिए अच्छा सवाल है एडवांस का वेरी गुड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यूनिटरी हाँ, मेथड है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें एल समझ नहीं आया एल बताए ना जो लीस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो देखो यहां तो वन सेकेंड बोला हुआ था कि वन सेकेंड इज मिनिमम लेंथ में तो बोला नहीं था लेकिन आपने देखा ना पॉइंट जीरो यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर कर सकते हैं दैट्स ऑल डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जो मेजर हो रहा है दैट इज तो वो एरर बन गया अब एडवांस वाले सवाल पे आते हैं काफी अच्छा है यहां भी एक एक्सप्रेशन दिया ये ऐसा सवाल है जो पूरी समरी बन जाएगा ठीक है एडवांस ऐसे क्वेश्चन बनाती है दिस इज द समरी ऑफ एंटायर एरर्स अगर किसी को एरर रिवाइज करना है ना ये एक सवाल ही कर ले समरी ऑफ एंटायर टॉपिक पूरे टॉपिक की समरी इस क्वेश्चन में आ जाएगी हर एक चीज इसमें हर एक चीज इसमें लग जाएगी ठीक है चलो तो आप समझते हैं इसको कैसे करना है तो इसको ऐसे करना है कि यहां पर भी जी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना वट दे आर फाइंडिंग दे आर फाइंडिंग जी और पीरियोडिक मोशन है किसी पीरियडिक मोशन का टाइम पीरियड पहले निकालते हैं टाइम पीरियड से फिर जी आता है स्मॉल आर और कैपिटल आर कुछ डिस्टेंसेस होंगे रेडियस वगैरह होंगे है ना उनकी वैल्यूज भी दे रखी है तो लिख लेते हैं पहले तो बड़े क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना चाहिए तो जैसे सबसे पहले मैंने कैपिटल आर लिखा कैपिटल आर कितना है कैपिटल प्लस माइनस स्मॉल कितना है स्मॉल आर है टेन प्लस माइनस वो भी वन क्या बात है अच्छा अब एडवांस में क्या होता है ना चार ऑप्शन होते हैं लेकिन कई बार एक आधा ऑप्शन तो बड़ा आसान होता है तो एक ऑप्शन तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो जैसे इसमें पहला वाला देखो द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर इज स्मॉल आर के मेजरमेंट में कितना एरर हुआ तो स्मॉल आर के में एरर तो निकल गया ये लो परसेंट एरर स्मॉल आर का कितना आ रहा है बताओ ये तो सर बिल्कुल इजी पूछ दिया हाँ बिल्कुल इजी पूछा है एक आध ऑप्शन तो इजी होता ही है तो एडवांस में हर क्वेश्चन में से आप कुछ ना कुछ मार्क्स तो उठा ही सकते हो माना आपको बाकी नहीं भी आया तो एक लगा के आगे बढ़ जाओ कम से कम पार्शियल मार्क्स तो मिल जाते हैं पता है ना एडवांस में पार्शियल मार्क्स मिलते हैं लेकिन तब जब आपने एक भी गलत ना किया हो तो क्योंकि लोग क्या करते थे चारों लगा के आ जाते थे तेजस्वी लोग इतने तेजस्वी लोग है हैं हमारे यहाँ कि उन्होंने कहा चारों चारों लगा देते हैं हर एक के तो हर एक में जो सही होगा उसके तो मिल जाएंगे हम ऐसा नहीं है एक भी गलत लगाया ना तो सीधा माइनस तो इसीलिए जो सही वाकई में आप श्योर हो वो मार्क करके आगे बढ़ जाना ठीक है चलो तो डेल्टा आर आर तो दिख गया हमें ये टेन, ये फ्रैक्शनल एरर इसको हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाएगा तो देखो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है टेन परसेंट वाह भाई आपको एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है ऑप्शन तो पक्का अब बाकी में सारी मेहनत है हमारी निकालने की है ना वी हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट थ्री अभी जो बाकी तीन है इनको निकालते हैं जैसे ये कह रहा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी दो ऑप्शन है टी के मेजरमेंट के लिए अब टी में एरर कैसे निकालें तो देखो काफी लोग गलती करते हैं वो ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि अरे देखो टी का फॉर्मूला दिया है तो टी के फॉर्मूला में देखो एरर कहां हो सकता है तो लोग कहेंगे आर और आर में एरर है बस दैट्स दर माइनस आर की पावर हाफ है तो आर माइनस आर कर लो कितना आ रहा है है ना देखो मैं गलती बताता हूँ लोग कहां करते हैं दिस इज द रॉन्ग लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द रोंग मेथड ताकि आप ये ना करो गलती रॉन्ग मेथड रोंग मेथड को भी पहले डिस्कस करते हैं लोग कहते हैं आर माइनस आर का पहले निकाल लेते हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ये तो हो जाएगा फिफ्टी लेकिन एरर्स क्या होंगे एरर्स एड ही होंगे है ना तो मैंने कहा था ना ये समरी है इसमें हर एक टॉपिक यूज होगा देखना तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला यूज हो गया कि एरर तो ऐड ही होते हैं ये हो गया परसेंटेज फ्रैक्शनल यूज हो गया ऑलरेडी अब लोग कहते हैं पहले तो ये निकाल लो आर माइनस आर फिर कहते हैं कि फॉर्मूला लगा लो ये देखो आर माइनस आर की पावर हाफ है रूट लगा हुआ है तो वो कहते हैं देखो r माइनस आर की पावर हाफ है ना तो बस t के अंदर एरर आ जाएगा आप r माइनस आर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दैट्स इट तो लोग क्या करते हैं हाफ इन r आर माइनस आर का परसेंटेज एरर बताओ टू अपॉन फिफ्टी इन हंड्रेड तो बताओ क्या आया यहां से आंसर आ रहा है टू परसेंट एग्जैक्ट और कितने चालू हैं एडवांस वाले एक ऑप्शन भी दिया है टू वाला समझ रहे हो मैंने क्या किया ये रॉन्ग मेथड क्या है ये रॉन्ग मेथड कहती है कि t जो है वो r माइनस आर की पावर हाफ पे डिपेंड करता है तो पावर से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज एरर कर दिया है ना वही वाला लगाया मैंने डेल्टा t t का परसेंटेज इज इक्वल टू पावर आगे रखो और उस क्वांटिटी का परसेंटेज एरर लगा दो तो कितने चालू लोग हैं उसका एक ऑप्शन जैसे ही किसी ने ये लगाया गलत कहानी खत्म तो ये गलत क्यों है सर वाई मेथड सब सही तो लग रहा है ये देखो, power को multiply करते हैं। आपने ही बताया था देखो ये सही होता लेकिन आप खुद सोचिए ना आपने आर माइनस आर का एरर ले लिया आपने ये तो सोचा ही नहीं कि ग्रेविटी में भी तो एरर है ग्रेविटी का एरर डिटरमाइन करना है हमें तो ग्रेविटी को क्यों इग्नोर किया ग्रेविटी बोलेगी कि मेरे को क्यों मारा मेरे को क्यों तोड़ा तो इस ग्रेविटी का भी तो एरर लो आपने तो सिर्फ आर माइनस आर का ले लिया तो गलत तो होना ही था तो ग्रेविटी एरर इन दिस और वही एक ऑप्शन में पूछा हुआ है तो इसलिए so भूल जाना ये गलत है ये काम नहीं करती बिकॉज इट इग्नोर ग्रेविटी आया क्लियर हुआ कि क्यों ये गलत है क्योंकि इसने ग्रेविटी को तवज्जो नहीं दी तो सर फिर टी में एरर कैसे निकालेंगे अगर सी ऑप्शन गलत हो गया फिर तो एक और चीज अच्छी हो गई सी ऑप्शन गलत हो गया अब बी और बचे तो कैसे कैसे निकालें? टी के अंदर एरर कैसे आएगा तो यार देखो समरी है पूरे चैप्टर की एक एक टॉपिक इसमें लगेगा देखो वैल्यूज दी हैं, एरर की जहां से हमने शुरुआत करी थी वो आ गया ट्रू वैल्यू निकालो फिर एपसोल्यूट एरर निकालो फिर मीन एप्सल्यू एरर निकालो ये इन वैल्यूज से आएगा कितना बढ़िया प्रॉब्लम है चलो लगाओ क्या क्या वैल्यूज हैं, प्लस एवरेज ले रहा हूं पहले है ना ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू के लिए एवरेज लेना पड़ता है तो टाइम पीरियड की पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सेवन प्लस फिर इधर 0.5459 है ना समरी बोलिए पूरा चैप्टर लग रहा है कि नहीं परसेंटेज एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर शुरुआती कितनी वैल्यूज़ हैं पांच पांच से डिवाइड करो कितना आएगा ये बताना जरा 0.56 आएगा है ना 0.56 इसका आंसर आएगा ये इसकी ट्रू वैल्यू आई अब ट्रू वैल्यू आने के बाद फिर क्या करते हैं फिर मीन एरर्स निकालते हैं डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू है ना वो सारे निकालने पड़ेंगे बताओ डेल्टा टी वन कितना डेल्टा तो ये ये टी टू कितना तो डेल्टा टी टू रहेगा फिर ट्रू वैल्यू में से ये सब ट्रैक करो जीरो थ्री कितना है तो थ्री के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा पॉइंट फाइव सिक्स में से ये तो नेगेटिव पॉइंट जीरो वन फिर टी फोर तो ट्रू में से ये वाला घटाओ तो जीरो पॉइंट जीरो टू और पांचवा कितना तो ट्रू वैल्यू में से ये वाला घटाओ जीरो पॉइंट जीरो थ्री नेगेटिव में है ना समझ रहे हो आप पूरा वही चीज एवरीथिंग अब इसके बाद मीन एबस एरर इन सब का एरर हमें लेना पड़ेगा एवरेज तो इन सब का एवरेज बताओ क्या आ रहा है सबको ऐड करो सबको ऐड कर देते हैं ये लो और जितने बार ऐड किया उतना एवरेज फाइव क्या आया यहां से तो ये आ रहा है आपका तीन और दो पांच छ और दस है ना जीरो पॉइंट वन एब्सोल्यूट एरर है अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया और मीन वैल्यू आ गई तो अब परसेंटेज एरर आएगा तो ये तरीका था टी का परसेंटेज एरर निकालने का ठीक है तो बताइए कितना आएगा परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा टी अपॉन टीएम जो कि कितना हुआ 0.02 डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू है 0.56 100 अब ये देखिए कितना बन रहा है ये छप्पन दुनी अप्रोक्सीमेटली छप्पन दुनी ये 100 हो जाएगा 2 इंटू टू लगभग 4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 अप्रोक्स 4 परसेंट मुझे दिख रहा है और एप्रोक्स 4 ये देखो बी वाला ऑप्शन तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टीएस 3.57 आया समझ में अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं पूरे टॉपिक की समरी है अभी एक और बचा है अभी जी भी बचा है अब जी कैसे निकालेंगे अब जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा जो इस टॉपिक का कि जब एक वगैरह पे डिपेंडेंस होती है तो कैसे करते हैं है ना तो अब जी निकालना है तो जी का फॉर्मूला बनाते हैं चलो लेट्स के लिए तो चलिए अब जी का मैं फॉर्मूला बना रहा हूं देखिएगा कैसे तो इन लोगों ने दिया है टू पाई रूट अंडर क्या क्या दिया है सेवन आर माइनस आर अपॉन फाइव जी ये दिया जी का फॉर्मूला बनाते हैं स्क्वायर कर देते हैं हेलो ये हो गया तो g का फॉर्मूला बताओ क्या बन रहा है तो g का फॉर्मूला यहां से बन रहा है 28 अच्छा 5g है 28 पाई स्क्वायर r r डिवाइडेड बाय 5 t स्क्वायर ये g का फॉर्मूला बन गया g का फॉर्मूला हमने निकाला है ना अब g का जब फॉर्मूला निकाला तो अब बस आप देखो डिपेंडेंसी किस पे ये तो कांस्टेंट्स हैं है ना तो जी जो प्रोपोर्शनल है वो बस किसके r माइनस आर की पावर वन और t की पावर टू r माइनस आर की पावर वन और t की पावर टू सर इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो कांस्टेंट कांस्टेंट्स में थोड़ी एरर होता है ये और 5 हम मेजर थोड़ी कर रहे हैं ये वैल्यूज हैं ये एरर नहीं होती है एरर इनमें होगा जो मेजर किया जा रहा है बस उसमें तो ये वो वाला फॉर्मूला हो गया कौन सा वाला जहां एक क्वांटिटी पावर पे डिपेंड करती है तो क्या लिखोगे अब तो आप बोलोगे भाई परसेंटेज एरर इन जी शुड बी इक्वल टू द पावर ऑफ ये पावर वन है इसकी परसेंटेज एरर इन आर माइनस आर प्लस पावर ऑफ टी पावर ऑफ टी से मल्टीप्लाई करो इनटू परसेंटेज एरर इन टी ठीक है समझ में आया तो अब ये लास्ट वाला जो चीज थी वो हमने पढ़ी ठीक है तो ये पूरा समरी है इस चैप्टर का अब रख दो बस मुझे बताओ r r में परसेंटेज एरर कितना है वो तो हमने निकाला था r r कहां है देखो इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 50 प्लस माइनस 2 आएगा r r में लिख देता हूं यहाँ पे कहां लिखूं इधर लिख देता हूँ साइड में कि भाई r r इज 50 प्लस माइनस 2 कैसे पता चला दी हुई थी ना वैल्यू इन दोनों को सबट्रैक्ट करो और एरर्स को ऐड करो तो 50 प्लस माइनस टू तो इसका परसेंटेज एरर कितना हुआ तो क्वांटिटी का एरर अपॉन ओरिजिनल इज फोर परसेंट फोर परसेंट एरर है इसमें ये पहला पार्ट तो फोर परसेंट हो गया दूसरा टू इंटू परसेंटेज एरर इन टी टी में कितना आया था ये भी लग, लगभग फोर अप्रोक्स फोर। वैसे है. ले रहा बताइए कितना आया? प्लस चार आंसर आएगा. और वही में दिया है। तो देख रहे हो कैसे पूरी समरी एडवांस पूछ लेती है एक ही क्वेश्चन में पूरा उसने टॉपिक का निचोड़ एक ही क्वेश्चन में डाल दिया आपसे डेटा देके मीन एब्सल्यूट ये सब भी पूछ लिया आर माइनस आर वगैरह देके ये परसेंटेज एरर भी आपसे पूछ लिए सब्ट्रैक्शन करवा दिया सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपोगेट होता है इक्वेशन में एरर कैसे प्रोपोगेट होता है इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सब चीज कुछ छोड़ा ही नहीं तो ग्रैंड सल्यूट बनता है इस क्वेश्चन को है ना क्या क्वेश्चन है ऑल राइट right. अब मैं तो नहीं थका आप तो नहीं थके ना मैं तो बिल्कुल नहीं हूं मैं तो अभी वर्नियर और स्क्रू गेज भी पढ़ाऊंगा है दम आप में है इतनी हिम्मत पढ़ोगे मैं तो रेडी हूं पढ़ाने को बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं ऐसे कैसे हार मान जाए है कितनी देर हुई है अभी दो से शुरू किए थे आठ बज गई घंटा तो हुआ है छे घंटे में क्या होता है आठ घंटा खींचेंगे चिंता क्यों करते हो है ना अभी आगे और पढ़ते हैं रुको सो <laughs> so, रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं मैं झुकेगा नहीं साला, है ना तो चलो छह घंटे हो गए अब इसको आठ घंटे ले जाते हैं Let's go. चलो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज ये सबसे खतरनाक टॉपिक है ना तो खतरनाक टॉपिक की शुरुआत की जाए लेट्स स्टार्ट द खतरनाक टॉपिक अब देखो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो होते हैं वो डराते इसीलिए हैं क्योंकि आप देख नहीं पाते हो आपके हाथ में अगर ये होते ना तो आप बड़ी आसानी से समझ जाते कैसे रीडिंग ली जाती है ठीक है लेकिन आपके हाथ में क्योंकि ये नहीं होते हैं तो थोड़ा समझाना कठिन हो जाता है बट मैं कोशिश करूंगा एनिमेशन के द्वारा दूसरे तरीकों से कि आपको ये क्लियर हो जाए ठीक है सो लेट्स डू इट लेट्स स्टार्ट पहला जो आपके सामने डिवाइस आता है वो है वर्नियर कैलिपर कैलिपर ये वर्नियर भाई साहब थे आई थिंक इटालियन थे या फ्रेंच थे दोनों में से कोई एक इनकी नेशनैलिटी थी और ये फ्रेंच और जो इटालियन आदमी था इसने वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया था ठीक है तो चलिए अब ये क्यों आविष्कार किया पहले समझते हैं ना क्योंकि तो कोई चीज बनाई है तो बनाई क्यों पहले ये तो बताओ आपने क्यों बनाया वर्नियर कैलिपर ये स्केल दिख रही है मुझे तो एक नॉर्मल देखो ध्यान से देखो ये स्केल दिख रही है आपको ये वही स्केल है जो पहले अब आज के जमाने में तो बहुत रूल स्ट्रिक्ट हो गए कि टीचर मार नहीं सकते हमारे टाइम में तो ये लोहे की स्केल होती थी और हाथ आगे करना होता था लाइन से सब बच्चे खड़े हो जाते थे तो बस मारे जा रहा है टीचर मारे जा रहा है हाथ लाल हो रहा है और उसमें सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब टीचर ऐसे मारने वाला आपको पता है पढ़ने वाली है और इन वोलेंट्री आप हाथ पीछे खींच लो और जो हाथ पीछे खींचता था तो टीचर की भद्द हो जाती थी मिस कर गया टीचर तो लोग हंसते थे बच्चे हंसते थे तो टीचर को डबल गुस्सा आता था तो फिर वो बोलते थे हाथ पकड़ लेते थे और फिर दो मारते थे जोर से तुमने मेरी भद्द करवाई हंसी उड़वा दी तो ये वो लोहे की स्केल होती थी और, और भी तेजस्वी टीचर होते थे वो सीधे से नहीं वो मारते थे जैसे एक तो तरीका होता आप ऐसे मारो तो लगेगी आप वो महान ऐसे होते थे तो वो ऐसे करके मारते थे ये इसका जो ये पॉइंटेड एंड है ऐसे मारते थे वो तो उससे और भी बुरी लगती थी। और वो भी ठंड में है ना ठंड में हाथ सिक जाते थे तो तो इसका अलग ही एक मजा होता था अब तो ये सब नहीं होता स्कूल्स में स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि कोई मारेगा पीटेगा नहीं है ना तो टीचर आजकल नहीं करते तो ये वो लोहे की स्केल थी इस स्केल से हम मेजर कर सकते थे तो ये वर्नियर कैली बनाने की जरूरत क्या थी तो ये नीचे एक और ये स्केल दिख रहा है ये क्यों बनाया तो इसका मैं अब आपको रीजन समझा देता हूं देखो वाकई में पाते लेकिन ये जो दूसरा नीचे दिख रहा है ना ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया। एक्स्ट्रा क्यों लगाया आप समझते नामकरण कर देते अब आपने जैसे पहचान ही लिया है कि एक तो ये बड़ी स्केल है तो इसीलिए इसको कहते हैं मेन स्केल ये मारने वाली स्केल है ये मेन स्केल है ठीक है और एक ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है ये आपका है वर्नियर स्केल ये वर्नियर वाइस की स्केल है तो दो स्केल इस डिवाइस में होते हैं हैं एक तो पीछे बड़ी वाली और ये ये जो नीचे छोटे छोटे डिवीजन दिख रहे वर्नियर स्केल है दोनों की अपनी अपनी स्केल है ये अपने से मारता है ये अपने से मारता है है ना और ये जो जॉज है ये आपको दिख रहे हैं है। और ये जॉज आगे पीछे होता है पीछे वाला जॉ ऐसे जाता है और बीच में एक ऑब्जेक्ट को आप फंसा सकते हो और टाइट कर दो जो मूवेबल है दिख रहा है आपको मेरे को यह पिन दिख रही है पिन से आप मूव कर सकते हो आगे पीछे और ऑब्जेक्ट को फंसा दो और यह आपको रीडिंग दे देता है आजकल डिजिटल आ गए पहले जब ऐसे होते हैं ऐसे में आपको खुद को निकालना पड़ता है वैल्यू तो कैसे निकालते हैं वैल्यू जरा समझते हैं उसके पहले यह समझते हैं कि एक और स्केल ऐड क्यों किया क्या समस्या थी तो आपको ले चलता हूं वापस से इस वाले एग्जाम्पल पे जहां पर हम ये रेड कलर की टेप मेजर कर रहे थे इस रेड कलर की टेप में हमने ध्यान दीजिए ऑब्जर्व किया था कि यहां पर कुछ 2.3 और 2.4 याद आया वो सिग्निफिकेंट फिगर में बताया था वही चीज है कि यहां पर हम 2.3 तक तो कह सकते हैं क्योंकि तो 3 को क्रॉस कर गया है 2 कर गया है फिर 1 2.1 2.2 2.3 2.3 तो क्रॉस कर गया लेकिन उसके बाद उसके बाद वाला डिजिट हमें नहीं पता तो इसीलिए वर्नियर डिजिट इसकी पूरी डेसिमल के बाद दूसरी और पूरी डिजिट की तीसरी ये वाली जो डिजिट है ये कहां से पता चलेगी तो उन्होंने कहा वो वर्नियर स्केल से पता चलेगी तो इसलिए जब आप वर्नियर स्केल से रीडिंग भी निकालते ना तो दो पार्ट में आती है एक पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग निकालनी पड़ती है कि मेन स्केल कितना दे रहा है तो जैसे आप कहोगे मेन स्केल टू पॉइंट थ्री दे रहा है ठीक है फिर आप निकालोगे वर्नियर स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग इसमें ऐड करोगे तो बेसिकली ये जो अनोन डिजिट है ना ये कौन डिटरमाइन करता है ये डिटरमाइन करता है डिटरमाइंड वर्नियर स्केल तो समझ में आया एक और क्यों ऐड किया एक और इसीलिए ऐड किया कि वर्नियर स्केल यह डिजिट हमें एग्जैक्टली exactly बता पाता है तो लॉजिक क्लियर हुआ कि व्हाट इज द लॉजिक ठीक है अब समझते हैं कि वर्नियर स्केल इसको निकालता कैसे? उसको समझने से पहले इस डिवाइस के बारे में एक और जरूरी चीज समझते हैं और वो है इसका लीस्ट काउंट अब लीस्ट काउंट क्या होता है देखिए लीस्ट काउंट नॉर्मली जैसे नाम बता रहा है तो लीस्ट काउंट सिंपली मीन्स वैल्यू दैट डिवाइस कैन मेजर है ना जो सबसे छोटी वैल्यू डिवाइस मेजर कर सकता है वो लीस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू दैट डिवाइस कैन मेजर जो सबसे छोटी वैल्यू डिवाइस मेजर कर सके वो कहलाता है लीस्ट काउंट सीधा सीधा नाम ही बता रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है जो एक डिवाइस मेजर कर सके सबसे छोटी वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू निकालने का एक तरीका है उसके लिए फिर से हम इन स्केल्स पे चलते हैं एक मेन स्केल था पीछे जो दिख रहा है आगे एक वर्नियर दिख रहा है ये दोनों पे चलते हैं वापस अब हम क्या करेंगे ना अब देखो ये ये डिविजन आपको दिख रहे होंगे मेन स्केल दिख रहा है जीरो से लेकर टेन तक दिख रहा है आपको तो ये मेन स्केल का मैं डायग्राम बना देता हूं देखो मेन स्केल आपको दिख रहा है मेन स्केल में दिख रहा है जीरो है फिर उसको कई भाग में डिवाइड किया गया है ना जीरो बड़ा बनाते हैं फिर सिक्स सेवन एट नाइन और टेन रहता है तो जीरो से लेके वन तो क्या आपको दिख रहा है ये जो मेन स्केल है जीरो से लेके टेन कई बार यहां बताया हुआ है कई बार जीरो से लेके वन होता है इसमें ये जो बीच में होते हैं ये क्या कहलाते हैं जो बीच में आप देख रहे हो ये डिवीजन कहलाते हैं। These are called divisions. ये जो है तो हम कह सकते हैं कि वन को दस पार्ट में डिवाइड कर दिया है और क्योंकि ये मेन स्केल के डिवीजन है इसलिए इसको क्या कहते हैं इसीलिए इनको हम कहते हैं मेन स्केल डिवीजन और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कई लोगों को खुश कर देगा क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म कई लोगों का फेवरेट प्लेयर है MSD, है ना मेन स्केल डिवीजन। महेंद्र सिंह धोनी तो ये होता है जो मेन स्केल बड़ी स्केल दिख रही है उसका एक जो डिवीजन है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं मेन स्केल डिवीजन ठीक है आया समझ में यहां देख के बता सकते हो कितना है एक मेन स्केल डिवीजन कितना है तो ये पूरा एक सेंटीमीटर है दिख रहा है आपको ये दस एम लिखा है दस एम किसके बराबर होगा एक सेंटीमीटर है ना ये बेसिकली एक सेंटीमीटर है या कह लो वन सेंटीमीटर और टेन एम यही लिखा हुआ है यहां बड़े वाले स्केल में तो बताइए एक डिवीजन कितना हुआ तो एक डिवीजन यहां पर जो हमें दिख रहा है वन एम कितना नजर आ रहा है आपको तो एम mm को 10 भाग में करा तो एक डिवीजन एक mm का हो गया एक mm का है। या कह लो पॉइंट वन सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर को दस भाग में तोड़ दिया एक सेंटीमीटर को दस भाग में तोड़ा तो एक डिवीजन पॉइंट वन का या दस एम mm को दस भाग में तोड़ा तो एक डिवीजन एक mm का क्या समझ आ रहा है कि नहीं क्लियर हो गया ऑल राइट right. है ना समझ आ रहा है ये सब समझना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए अब देखो ऐसी वर्नियर स्केल है ऐसे ही वर्नियर स्केल होता है तो वर्नियर स्केल में जो होता है वहां पर क्या लेते हैं हम वहां पर लेते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन अब यहां पर दूसरे प्लेयर के चाहने वाले आ जाएंगे वीएसडी तो वीएसडी देखते ही वो बोलते हैं विराट कोहली अब आगे अपना कुछ बना लो है ना ये अपना कुछ लोग बोलेंगे तीन प्लेयर हैं ये विराट कोहली रोहित शर्मा का शर्मा या सूर्या है ना और डी से दिनेश कार्तिक तो वी एस डी तो ये तीन प्लेयर हैं ये है वर्नियर स्केल डिवीजन एक डिवीजन की वैल्यू जो वर्नियर स्केल में होती है ठीक है आ गया समझ में ठीक है चलो अब बढ़ते हैं आगे अब हम निकालेंगे लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट में इन दोनों का यूज है एस डी का भी यूज है और वी एस डी का भी यूज है दोनों का यूज है चलो यूज देखते हैं कैसे तो लीस्ट काउंट निकालने का बच्चों एक तरीका होता है सिंपल सा फॉर्मूला है काउंट का। क्या फॉर्मूला है दूला ऑफ लीस्ट काउंट आप याद रखिएगा इस फॉर्मूला को लीस्ट काउंट हमेशा डिटरमाइन किया जाता है इस फॉर्मूला के द्वारा एक एम में से एक वी घटा दो एक एमएसडी में से अगर एक वीएसडी घटा दिया जाए तो जो निकलता है वो क्या होता है वो होता है डिवाइस का लीस्ट काउंट तो एमएसडी अभी देखा आपने क्या था एक मेन स्केल का डिवीजन वीएसडी क्या था एक वर्नियर स्केल का डिवीजन यहां दिख भी रहे हैं आपको देखो ये एक मेन स्केल का डिवीजन है ये एक वर्नियर का डिवीजन है इन दोनों का डिफरेंस ले लो और लीस्ट काउंट आ जाता है ठीक है आ गया लीस्ट काउंट अब निकालेंगे कैसे सर यहां पर दिख तो रहा नहीं है कि क्या डिफरेंस है यहां तो सब बराबर लग रहे हैं बराबर नहीं है सब बराबर नहीं है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एक वर्नियर स्केल कितना एक मेन स्केल कितना देखो मेन स्केल तो हमें पता है कि एक मेन स्केल एक एम mm एम का है ये तो पता है लेकिन वी कितना है सर ये कैसे पता देखो ये आपको हर क्वेश्चन में अलग रहेगा ये आप कोई अज्यूम नहीं कर सकते ये हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे सर वो आपको कुछ इस तरह देगा देखो क्या बोलेगा इन एन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर वन एम एस डी एक एम एस डी जो है इज वन एम एम जो कि हमने पढ़ा एंड टेन वर्नियर स्केल डिवीजन जो दस वी एस डी है देखो यहां पर लिखा हुआ है टेन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइनसाइड विद नाइन मेन स्केल डिवीजन तो देखो जो इन्होंने लिखा है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आसान भाषा में नीचे लिख देता हूं ये कह रहे हैं दस वर्नियर स्केल डिवीजन लो दस मैंने वर्नियर स्केल डिवीजन ले लिए देखो ये दिख रहे हैं दस यही तो वीएसडी है ये आपका वीएसडी है और ये ये एमएसडी है ऊपर एमएसडी है नीचे वीएसडी है ये कह रहा है दस वर्नियर स्केल डिवीजन लो और ये देखो किसके बराबर है ये नाइन ये नाइन हो जाएगा ना दैट कह रहे हैं, दस वी एस डी नाइन एम एस डी के बराबर है तो लिख देते हैं, दस वी एस डी इज इक्वल टू नाइन एम एस डी हो गया ना आया समझ में दस वी डी इज नाइन एम एस डी अब हमें चाहिए थी एक वी डी की वैल्यू निकल गई ना देखो अब ये दस से डिवाइड कर दो तो एक वी डी कितना आया बताओ तो एक वी डी आपका आ रहा है 9 by 10 MSD आया। और नाइन बाय टेन एमएसडी अब एक एम एस डी की वैल्यू कितनी है एक एम एस डी की वैल्यू वन एम mm एम है तो एक वी एस डी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई देखो अब वन वी एस डी हमारा आ गया नाइन बाई टेन एम एस डी यानी नाइन बाय टेन इंटू वन एम एम पॉइंट नाइन एम एम आ गया समझ आया कैसे निकला जो इन्होंने बोला था कि 10 VS 9 MS के बराबर हैं हमने इक्वेट किया यूनिटरी मेथड लगाई जब 10 इतने के बराबर तो एक कितने के डिवाइड करा और फिर एक MSD की वैल्यू हम जानते ही थे तो एक VSD की आ गई तो अब लीस्ट काउंट निकल गया कि नहीं बताओ लीस्ट काउंट आ गया ये फार्मूला लगा दो एक MSD 1 VSD ये फार्मूला लगा देते हैं अब तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है एमएसडी कितना है वन एम एम वी एस डी कितना पॉइंट नाइन एम एम तो लो जी आ गया लीस्ट काउंट आधा तो आपका वर्नियर कैलिपर यही खत्म हो गया ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व इतने में ही आपका काम हो गया कुछ क्वेश्चन तो आप अभी कर लोगे पी वाई क्यूज ठीक है तो जीरो पॉइंट वन एम एम या इसको कह लो 0.01 सेंटीमीटर इतनी लीस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है और देखो यही तो मैंने आपको कहा था कि डेसिमल के बाद दूसरे पोजीशन तक क्या है वो हमें नहीं पता ये क्या होगी ये कौन डिटरमाइन करेगा वर्नियर कैलिपर और देखो कर रहा है ना डेसिमल के दूसरे तक ये मेजर कर सकता है समझ आ रहा है तो ये इसका लॉजिक है अब देखिए लीस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया अब क्या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आते हैं ये देखो 2010 में आया सीधा सीधा क्वेश्चन आया 2010 में क्वेश्चन आया कि वर्नियर mm कैलिपर की वैल्यू दे दी एक एमएसडी दे दिया कितने का है एक एम एस डी एक एमएसडी वन एम एम का है यहां से हमें दिख रहा है फिर देखो क्या दिया फिर बोला है ट्वेंटी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन लेते हो, तो किसके बराबर आते हैं? डिरास वी एस डी सिक्सटीन एम मेन स्केल के बराबर तो बोल रहा है लीस्ट निकालो। और सोचो ये एडवांस का सवाल है ये उस समय ए आई ट्रिपली और आई टी जी होती थी एडवांस थी सोचो एडवांस का सिंपल सवाल हो गया ये लीस्ट काउंट निकालने का तो एक VSD की वैल्यू कितनी आएगी बीस से डिवाइड कर देते हैं, है ना ये डिवाइड कर दिया हमने बीस से अब यहां पर बताओ आप सोला बटे बीस कितना हो गया ये सोला बटे बीस ये अपना हो जाएगा फोर फोरजा फोर फाइव ये कह लो पॉइंट एट यार सीधा कह दो ना क्यों फ्रैक्शन वगैरह करो सीधा कहो कि ये आ, 8 upon 10 हो गया, 8 upon 10 यानी कि point 8 और एक MSD की वैल्यू कितनी है? एक MSD की वैल्यू उन्होंने 1 mm दी है, तो बताओ अब एक VSD कितना आ गया? तो एक VSD हमारा आ गया point 8 mm, ये हमारा एक VSD है, तो बस अब तो हमारे पास सब कुछ है, एक MSD भी है, एक VSD भी आ गया. तो काउंट होता है क्या है दोनों का डिफरेंस तो लीस्ट काउंट और कुछ नहीं एक डी माइनस एक वी एस डी तो जरा डिफरेंस लेना इसका और इसका क्या आएगा तो डिफरेंस आएगा पॉइंट टू एम एम पॉइंट टू एम एम कोई आंसर है क्या हाँ है डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन इसका आंसर है. कितना आसान है ना

और 2010 में अचानक से बच्चे चौंक गए कि तो होता तो था नहीं एडवांस इन मैटर ही हमें कभी नहीं पढ़ाया हमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाया खुद ही करना पड़ता था आ, हमें कभी भी वो ई एम वेवस वगैरह नहीं पढ़ाए खुद ही कर लो हम तो सिर्फ एडवांस पढ़ाएंगे तो होता है चलो अब मेंस में भी आया देखो 21 में 2021 में क्वेश्चन आया वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ़ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर एंड डिवीजन ऑफ़ वर्नियर स्केल को विद एन माइनस वन ऑफ मेन स्केल ठीक है तो क्या बोल रहा है आपको एक मेन स्केल डिवीजन ए सेंटीमीटर का है लिखते जाओ जो बोला जाता है वो लिखते जाना है एक मेन स्केल डिवीजन कितनों के बराबर है ए सेंटीमीटर के बराबर है ठीक है देखिए काफी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मेरा ये क्लास है वो क्लास है बाउंस बैक शुरू हो गई तो अब फिर बाउंस बैक में ध्यान दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है चाहे फिर वो मैं ही कोई दूसरा यूट्यूब पर लेक्चर ले रहा हूं तो अगर आप बाउंस बैक देख रहे हैं तो आपको और कुछ जरूरत नहीं है ठीक है इंक्लूडिंग माई सिर्फ बाउंस बैक पर फोकस रखो पूरी तरीके से अभी बाकी सब भूल जाओ जो हर डायरेक्शन में इधर उधर जाएगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा वो फिर ये बोलेगा कि मैं तो क्लास ही अटेंड करते रह रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है तो यार एक ही चीज को हर जगह से चार जगह से पांच जगह से दस बार पढ़ोगे तो क्या फायदा एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो एटम्स की पूरी टीम बाउंस बैक को बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करी हुई है है ना सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं तो बस बाउंस बैक का आप तो फोकस कर लो और सब भूल जाओ बाकी ठीक है तो चलिए पूरा बाउंस बैक पे फोकस रखें वन एम एस डी इज ए सेंटीमीटर एंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को लिख लेते हैं सॉरी एंथ डिवीजन है ना एन डिविजन तो जो एन डिवीजन वर्नियर स्केल के हैं वो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं एन माइनस वन ऑफ मेन एन माइनस वन मेन से कर रहे हैं कोई तो एक VSD की वैल्यू कितनी हुई यहां से देखो एक VSD की वैल्यू हो गई n माइनस वन अपॉन एन हो गई ये आ गया अब एक MSD की वैल्यू a सेंटीमीटर है, तो यहां रख देते हैं तो क्या आ जाएगा n माइनस वन अपॉन एन इंटू ए सेंटीमीटर ये एक VSD आपका हो गया अब हमसे पूछ रहा है लीस्ट काउंट निकालो तो लीस्ट काउंट देखिए अब निकल जाएगा अब लीस्ट काउंट का सिंपल फॉर्मूला है एक मेन स्केल में से एक वर्नियर घटा दो तो एक मेन स्केल कितना है देखो ए सेंटीमीटर है है ना तो ए में से क्या घटा दें एक वर्नियर जो अभी अभी आपने निकाला ये निकाल दिया अब ए कॉमन लो यहां पर एलसीएम लो तो क्या आ रहा है ए upon एन और ये जो आंसर है आपका सेंटीमीटर में है ना ए यहां पर सेंटीमीटर में काउंट अब सेंटीमीटर में अगर ये है तो मिलीमीटर में क्या होगा तो ये हो जाएगा टेन टेन ए अपॉन एन इन टू मिलीमीटर्स मिलीमीटर में ये हो गया तो कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है ठीक है हाँ तो ये चीज आपको यहां पर समझना थी क्लियर हो गया डन चलो बढ़ते हैं आगे अब रीडिंग कैसे लेते हैं वो देखते हैं सर लीस्ट काउंट आपने समझा दिया समझ में आ गया मेन स्केल क्या होता है एक मेन स्केल में जो डिवीजन होती है उसकी लेंथ होती है आगे हमें समझ वर्नियर क्या होता है एक वर्नियर स्केल में जो लेंथ होती है वो होती है वो भी सर क्लियर है लेकिन अभी तक एक चीज आपने बताई नहीं कि ये इसकी वैल्यू कितनी है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं कि जो सेकंड डिजिट पे ये क्या आएगा तो हम रीडिंग कैसे लें क्या फाइनल तो तो लेना लेते हैं रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले ये वर्नियर है नीचे ये है ना? ये अपने माइंड में बैठा के रखो कि ऊपर आपका मेन स्केल है और नीचे क्या है नीचे वर्नियर स्केल है ये अपने माइंड में आप प्रिंट कर लो अब सबसे पहले आपको देखना होता है चेक द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कि वर्नियर स्केल का जीरो किसको क्रॉस कर चुका है देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है किसको क्रॉस कर दिया है ये जीरो वर्नियर स्केल, ये कितने को क्रॉस कर, थ्री, थ्री कर चुका है अब थ्री और फोर के बीच में क्या है? ये हमें नहीं पता लेकिन श्योरिटी के साथ थ्री तो क्रॉस कर गया है ना? पक्की बात है इट हैज क्रॉस थ्री विथ श्योर तो मैं इसी को मेन स्केल रीडिंग कह लूंगा तो यही लिखा है ना चेक द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल स्केल टू नोट डाउन मेन रीडिंग कितनी हैरानी की बात है कि रीडिंग मेन स्केल की ली जा रही है बट जीरो जीरो किसका देख रहे हैं। जीरो देख रहे रहे हैं हैं वर्नियर का सर ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो तो ऐसा करने का एक कारण है आप वर्नियर का डिजाइन देखो ना मूवेबल सिर्फ वर्नियर होता है वर्नियर स्केल ही मूवेबल है ये मेन स्केल तो फिक्स है है ना ये मूव नहीं करता ये मूव करता है आगे पीछे ये जाता है आगे पीछे इधर उधर तो वर्नियर स्केल मूवेबल है इसलिए वर्नियर का जीरो देखते हैं वर्नियर का जीरो मेन पे कहा गया है समझ रहे हो तो इसलिए वर्नियर का जीरो देखो देखो कहां आ चुका है है जैसे यहां यहां पर देखो। यहां पर एग्जैक्ट दिख रहा है आपको वर्नियर का स्केल एकदम एग्जैक्ट ट्वेंटी पे तो ट्वेंटी रीडिंग हो गई अब यहां पर जो था जीरो वो कहीं बीच मधार में लटक रहा है थ्री और फोर के बीच में तो हम थ्री वैल्यू लेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई स्टेप नंबर वन से स्टेप नंबर वन से हमारी मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई थ्री डिवीजन है ना थ्री मेन स्केल डिवीजन और एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है वन एम mm के तो रीडिंग क्या आ गई थ्री एम mm. समझ गए ये थ्री दिख रहा था तो थ्री एम अब इसके बाद क्या करना है नाउ नाउ फाइंड द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ध्यान दीजिए अब वर्नियर स्केल पे आ जाओ वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन ढूंढो जो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन के साथ क्या इसका मतलब देखो ऊपर भी लाइंस और नीचे भी लाइंस आप देख रहे हो आगे पीछे लाइंस आगे पीछे लेकिन कहीं तो ऐसा होगा जब ऊपर वाली लाइन आगे पीछे ना होके परफेक्टली मैच कर रही है ऐसे ऊपर और नीचे बिल्कुल अलाइंड है ढूंढो ऐसा कहां है परफेक्ट अलाइनमेंट दिख रहा है कहीं परफेक्ट अलाइनमेंट ये देखो ये सब आगे पीछे हैं आगे पीछे ये 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 भी यहां हल्का सा मैच हुआ था, हुआ था था देखो वैसे तो इसके पहले वाला भी मैच कर रहा है लेकिन और सेफ्टी के लिए हम आगे वाला ले लेते हैं है ना एक और आगे देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है जरा देखना कौन सा डिवीजन है जो मैच कर रहा है चेक करिए तो एक में कितने डिवीजन है पांच डिवीजन है राइट जीरो से लेके वन तक पांच तो पांच पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस और पच्चीस के बाद एक दो तीन चार उन्तीस ट्वेंटी नाइन्थ डिवीजन तो कौन सा डिवीजन मैच किया ट्वेंटी नाइन्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ठीक है वर्नियर स्केल का ये कौन सा डिवीजन है ट्वेंटी नाइन्थ है ना समझ आ रहा है आपको ट्वेंटी डिवीजन है ये सर ट्वेंटी कैसे आप खुद ही देख लो जीरो से वन के बीच में हर एक के बीच में फाइव पांच डिवीजन है ना फाइव डिवीजन है तो पांच तक तो वैसे ही 25 हो गए पांच 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 25 डिवीजन यहां तक हो गए और चार और फोर डिवीजन मोर तो 29 25 ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी डिवीजन अच्छा इसका लीस्ट काउंट कितना है लीस्ट काउंट देखो लिखा हुआ है कई बार लीस्ट काउंट दे देता है ये लो ये उसने लीस्ट काउंट दे दिया अब एक बार आपने वर्नियर स्केल रीडिंग ले ली मेन स्केल रीडिंग ले, ले ली अब हमें लगाना है फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट तो लगा देते हैं तो बताइए है, मेन स्केल की रीडिंग क्या आई थी 3 वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आई थी वर्नियर स्केल की यानी कि कौन सा डिवीजन मैच किया 29th किया था तो वी आपका 29th हो गया और लीस्ट काउंट कितना है? तो लीस्ट काउंट लिखा है है। है तो तो लिखा लिखा ऊपर ही बस करो का देखिए पर यूज आता है। रीडिंग लेने में रीडिंग लेने में इसका बहुत बड़ा यूज है तो आप बताइए क्या आंसर आया उन्तीस का दो गुना क्या होता है अट्ठावन है ना तो पॉइंट फाइव एट पॉइंट 0.58 आ गया और आपका आंसर कितना हो गया 3.58 पॉइंट mm. ये आ गई आपकी रीडिंग तो देखिए क्लियर है या नहीं आपको डेसिमल के दूसरे प्लेस तक निकाल दिया कि नहीं है ना जो आप ढूंढ रहे थे वो उसने निकाल के दे दी आपको क्लियर काफी लोगों को अब क्लियर होते जा रहा है वर्नियर स्केल फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या मेथड है स्टेप नंबर वन वर्नियर स्केल का जीरो देखो कहाँ है देखा ये रहा। किसको क्रॉस कर चुका है थ्री को तो मेन की तो रीडिंग वही आ गई सारा लफड़ा है वर्नियर का वर्नियर में क्या हमें ढूंढना पड़ता है मैचिंग वाला तो मैचिंग वाला हमें यहाँ जाके मिला हमने काउंटिंग कर ली कौन सा नंबर का ये तो वो नंबर का था बस उन्तीस को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो मेन से ऐड कर दो टोटल आंसर आ जाएगा अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलती जाएगी हां ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं मैं आपको और दिखाता हूं एक दो जैसे ये देखिए लीस्ट काउंट दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो टू अब एक एक करके देखना सबसे पहले स्टेप नंबर वन जीरो कहां है वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा किसको क्रॉस कर चुका है देखो यहां तक दस डिवीजन है दस के बाद ग्यारह बारह तेरह तेरह डिवीजन को जस्ट क्रॉस किया है है है, है ये, ये तेरवा है। को किया क्योंकि तो, कि पे दस हैं। फिर एक, दो, तीन। तो को किया है, तो, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हुई बताओ तो मेन स्केल रीडिंग तो वहीं पे आ गई कि 13 डिवीजन ऑफ मेन स्केल और एक मेन का डिवीजन एक एम का होता है तो थर्टीन एम mm हो गई है ना ये जीरो देख के ही पता चल गया थर्टीन एम फिर इसके बाद अब मेंस अब वर्नियर पे आओ और मैचिंग वाला ढूंढो तो मैचिंग वाला हम ढूंढते जा रहे हैं पांच पांच दस पंद्रह बीस और इक्कीस ये यहां जाके मैच किया देखो ये रहा है ये वाला मैचिंग है ये वाला तो ये इक्कीसवा डिवीजन है जो मैच करा तो वर्नियर की रीडिंग क्या हो गई तो इक्कीसवा मैच कर रहा है तो वर्नियर की रीडिंग हो गई इक्कीस लीस्ट काउंट दे रखा है तो टोटल रीडिंग निकाल देते हैं रीडिंग क्या आ जाएगी बताओ तो रीडिंग आ जाएगी एमएसआर प्लस है ना ये वाला फॉर्मूला एमएसआर प्लस वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट वीएसआर इक्कीस है और लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो टू है तो बताओ क्या आंसर आ गया तो तेरा प्लस 13.42 या आ गया 13.42 mm क्या यही है मैच करना हाँ 13.42 इज द आंसर तो समझ आ रहा है कैसे दो पार्ट्स होते हैं एक मेन स्केल का पार्ट जो पहले ही आ जाता है फिर वर्नियर में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो मैचिंग वाला ढूंढना पड़ता है वो एक बार ढूंढ लिया तो उसको लीस्ट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को जोड़ दो सिंपल एज दैट ठीक है ऑल राइट right. हाँ तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है मैं बार बार बता रहा हूं बहुत सारी सीरीज फॉलो मत करो एक ही टॉपिक को हर जगह से मत पढ़ो वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा टाइम कम है तो बाउंस बैक से पढ़ो प्रिसाइस पढ़ो और कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना कोई दूसरा चैनल ना कोई दूसरी सीरीज है ना ना कोई दूसरा लेक्चर सिर्फ बाउंस बैक करते जाओ करते जाओ सब हो जाएगा सब इसमें कवर्ड है चलो अब आ जाओ एक और अभी आप लोग करके बताएंगे ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है देखते हैं कितना समझ आया सब लोग यहाँ पर निकाल के बताएं और देखो वैल्यू लिख दी गई है यहाँ एक कंफ्यूजन भी दूर होगा देखना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में वो इस क्वेश्चन के द्वारा दूर होगा चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से लीस्ट काउंट दिया है जल्दी से देख के बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए वट इज दी वैल्यू सबसे पहले देखो जीरो क्रॉस किया है ना एम एस आर की रीडिंग बताओ जल्दी से मेन स्केल की रीडिंग क्या आई बताओ तो एम एस आर अगर आप ढूंढने जाओगे कि डिवीजन ठीक है ये कितने डिवीजन है इसमें ऑलरेडी दस आ गए फिर दस के बाद ये पूरे बीस हो जाते बीस से जस्ट एक पहले रुक गया उन्नीसवे पे है ना ये उन्नीसवा था ये ये 19वां डिवीजन क्रॉस हुआ है तो बस उन्नीस रीडिंग हो गई मेन स्केल की 19 mm तो मेन स्केल की तो 90 19 आ गई अब आते हैं वीएसआर पे ठीक है वर्नियर स्केल रीडिंग इसमें क्या करना पड़ता है मैचिंग वाला ढूंढना पड़ता है अब देखो कंफ्यूजन मैचिंग वाला ढूंढने गए मैचिंग वाला ढूंढने गए तो 5 10 15 20 25 30 और 30 क्रॉस करने के बाद इकतीस और बत्तीस और चौतीस यहाँ चौतीस दिखा रहा है कि 32 दिखा रहा है दिखा दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है है सॉरी क्योंकि एक में पांच है देखो देर आर फाइव इन वन ये थर्टी फोर पे ध्यान मत देना काफी बच्चे क्या है ना ये थर्टी फोर देख के कंफ्यूज जाएंगे ये इन्होंने गलत लिख दिया ये बत्तीस लिखना चाह रहे थे बाय मिस्टेक इन्होंने थर्टी फोर लिख दिया इट इज थर्टी टू इसको थर्टी टू कर लो थर्टी टू है देखो ऊपर भी लिखा हुआ है थर्टी टू डिविजन है है ना तो ये 32 है। तो ये डिवीजन आपको दिख रहा है पांच पांच यहां तक तीस हो गए तीस के बाद एक और दो थर्टी टू थर्टी सेकेंड डिवीजन थर्टी टू इज दी एस आर रीडिंग है ना एम MM एम मत लिख देना ये सिर्फ नंबर है बत्तीसवा नंबर ये एम MM एम नहीं है हाँ मेन स्केल एम एम है ये एम MM एम नहीं है ये सिर्फ नंबर है अभी इसमें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों में जनरली वो ये नहीं समझ पाते कि वर्नियर का डिवीजन लेना है या मेन मेन का 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 लेना लेना है वर्नियर जैसे इसका का देखो कौन सा आ रहा है मेन का देख रहे हैं तो यहां पर 10 20 30 40 और फोर्टी आप देख रहे हो मेन का ये फोर्टी डिवीजन है तो क्या मैंने फोर्टी ली क्या नहीं हम वर्नियर में देखते हैं वर्नियर का कौन सा डिवीजन तो वर्नियर का ये बत्तीसवा है तो वर्नियर का डिवीजन लेना अब रीडिंग निकाल दो एम एस आर प्लस बी एस आर इंटू लीस्ट काउंट बताइए कितना आ रहा है तो बाईस पॉइंट दो है ना बाईस पॉइंट दो एम एम इसका आंसर है ट्वेंटी टू पॉइंट टू भैया थ्री पॉइंट टू हो गया थ्री पॉइंट टू हो गया तो नाइनटीन प्लस आंसर सर परफेक्ट मैचिंग गिवन होगा देखिए एस्थेटिक कुछ क्वेश्चंस में जैसे अभी मैं एडवांस के आपको कराऊंगा वहां पर एक ही मैच हो रहा होगा तो उसमें आपको देंगे नहीं वो आपको देख के ही समझ आ जाएगा हाँ एक ही मैच हो रहा है जहां पर बहुत सारे मैच हो रहे होंगे वो लिख देंगे ठीक है तो आप चिंता ना करो आप कभी ऐसी स्थिति में नहीं आओगे कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मैच कर रहा है नहीं वो दे देंगे आपको या फिर एक ही दिख जाएगा होता हुआ चलो अब एडवांस का देखिए सवाल आ गया एक आसान सवाल है ध्यान से करोगे तो हो जाएगा देखिए क्या कह रहा है एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो क्या कह रहा है इफ द डायामी ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर से डायामी ऑफ सिलेंडर मेजर कर रहे हैं कोई जीरो एरर नहीं है होना भी नहीं चाहिए इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जीरो ऑफ वर्नियर इसी को तो हम ढूंढते हैं कि जीरो ऑफ वर्नियर कहां लाए कर रहा है है ना यही तो हम खोजते हैं कि जीरो कहां पर है तो देखो उसने दे दिया जीरो पर है लाइज बिटवीन फाइव पॉइंट वन एंड फाइव पॉइंट फाइव ये जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो था ये कहीं यहां पर लाए कर रहा है देखो फाइव पॉइंट वन जीरो और 5.15 इसके बीच में वर्नियर का जीरो लाए कर रहा है तो बताइए मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 5.10 इसको क्रॉस कर चुका है ना 5.10 तो मेन स्केल की रीडिंग तो आ गई 5.10 सेंटीमीटर समझ गए जीरो से ही देखते थे ना हम जीरो जो भी क्रॉस कर गया है नाइनटीन क्रॉस कर गया है तो नाइनटीन वैल्यू है एमएसआर की

अब लीज काउंट आपका आएगा यहां से लीज काउंट आएगा कि आपको बोला गया है वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 साफ साफ दे दिया क्या बोल दिया कि 50 वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके बराबर हैं देखो लिखा हुआ है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 तो इससे आपको एक वीएसडी पता चल गया एक VSD कितना हो गया फिफ्टी तो से डिवाइड मारो कितना सेंटीमीटर ये कितना आएगा भाई तो पहले जीरो से डिवाइड कर देते तो टू हो गया अब पॉइंट टू फोर फाइव का आप क्या लोगे जीरो पॉइंट जीरो फोर नाइन सेंटीमीटर ये आएगा तो एक वी एस डी की वैल्यू आ गई आपके पास अब सवाल उठता है कि एक VSD तो आ गया लेकिन एक एमएसडी कहां से लाए अब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है तो देखो ये ऊपर मेन स्केल था ना ये ये मेन स्केल था और नीचे वाला वर्नियर स्केल था तो ये एक डिवीजन ही तो है मेन स्केल का ये एक मेन स्केल का डिवीजन बताओ कितना बड़ा है ये वन एम तो हुआ इन दोनों के बीच में तो एक एमएसडी हमें साफ साफ दिख रहा है ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर दिख गया बस अब तो लीस्ट काउंट आ जाएगा एक एमएसडी भी है एक बी भी है निकाल देते हैं काउंट बताओ कितना आ रहा है तो एक एमएसडी है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको ऐसे लिख देते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो और उसमें से एक वीएसडी घटा देते हैं बताओ क्या आया तो यहां से आया 0.001 सेंटीमीटर ये है आपका लीस्ट काउंट है कि नहीं 0.001 सेंटीमीटर दिस इज लीस्ट काउंट अब ये लीस्ट काउंट है तो बताइए रीडिंग क्या होगी तो रीडिंग अब आपके सामने है सब कुछ है आपके पास वी एस आर है एमएसआर है तो आंसर आ गया एडवांस का सवाल आपने सॉल्व कर लिया ऐसे टॉपिक के लिए जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता था रीडिंग क्या आ गई बताओ तो रीडिंग जो अब आपकी आ गई वो ये क्या है भाई एमएसआर यही फॉर्मूला यह फॉर्मूला लगा दो एमएसआर है फाइव पॉइंट वन ट्वेंटी फोर लीस्ट काउंट भैया लीस्ट काउंट अभी अभी तो निकाला जीरो पॉइंट जीरो जीरो निकाला लीस्ट काउंट ये सब सेंटीमीटर में तो प्लस टू फोर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है ये लो तो कौन सा ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आया मजा 0.05 कैसे वैष्णवी पूछ रही है ये देखो ये देखो यहां है ना ये मेन स्केल है ना देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है मेन मेन स्केल स्केल तो स्केल का ही तो ये डिवीजन आप मेन स्केल के डिवीजन में ही तो देखते हो कि उसका जीरो कहां लाए कर रहा है वर्नियर का जीरो यहां लाए कर रहा है मेन स्केल के तो वही दिखाया हुआ है कि मेन स्केल के इन दो के बीच में ये लाए कर रहा है तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हुई ये एक डिवीजन है मेन का ये एक मेन का स्केल का डिवीजन है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक करो 5.15 पॉइंट माइनस फाइव मैं चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं ये बेसिकली हमारा आया इन दोनों को सब ये गैप हमने निकाल ली कितनी गैप है तो यही गैप तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव है वहां से वन एम एस डी आया है ठीक है यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ओके थैंक यू वेरी मच देखिए बस आपको समझ आ जाए यही मेरा प्रयास है अब थोड़ा गला भी बैठने लगा है लेकिन कंप्लीट करके रहेंगे छोड़ेंगे नहीं चलो लेट्स मूव अहेड स्क्रू गेज पे आते हैं अब स्क्रू गेज को समझते हैं स्क्रू गेज कैसे काम करता है तो देखो भाई स्क्रू गेज को समझने के लिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है ठीक है अब विजुअलाइजेशन कर लेते हैं लेकिन पहले आ, दस मिनट का लेते हैं ठीक है दस मिनट का ब्रेक लें मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा मैं भी गला भी होने लगा है पानी पी लेता हूँ थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ है ना फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अभी भी कम से कम आप ये मान के चलिए आधा घंटे का भी बचा है आधा से एक घंटे का तो जाइएगा मत अभी आपको विजुअलाइज करवाऊंगा मैं देखो पूरा इसको बैठ के देखो और कुछ विजुअलाइज करो स्क्रू गेज को विजुअलाइज करो ठीक है चलो रुकिए दस मिनट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से तो दस मिनट में फिर से कंटिन्यू करते हैं आते हैं दस मिनट में है ना चलो तो जाइएगा मत दस मिनट तो कम ही टाइम है यहीं रहिए जाइए मत ओके okay, बच्चों तो आई होप तब रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए माना लेंदी है लेकिन हार नहीं मानेंगे डटे रहेंगे यही तो जे ही है, है ना राइट right. तो हार नहीं मानिएगा बस देखिए अब हम टारगेट अचीव करके रहेंगे स्क्रू गेज को अब तोड़ते हैं वर्नियर कैलिपर तोड़ के उखाड़ के फेंक दिया अब स्क्रू गेज को तोड़ने की बारी क्या है स्क्रू गेज अभी खोल देते हैं पीस पीस कर देते हैं तोड़ के फेंक देंगे लाओ चलो स्क्रू गेज की शुरुआत तो मैं तो नहीं थक रहा हूं आपकी एनर्जी मुझे थकने नहीं दे रही है आपको क्रेडिट जाता है ना सो यू एक्चुअली गेट क्रेडिट जो आप मोटिवेट करते हैं कि सर भले ही आठ घंटा हो गया है पढ़ाते पढ़ाते और खींच दो कोई दिक्कत नहीं हम हैं हम सुन रहे हैं सुनने वाला हो तो बोलने वाले को अपने आप जोश मिलता है समझ रहे होते हैं आप तो बड़ा अच्छा लगता है

स्क्रू so गेज में देखिए मूवेबल पार्ट यहाँ भी है दोनों में मूवेबल पार्ट होते हैं ध्यान से आप देखें अगर तो मूवेबल पार्ट इसमें भी है इसमें मूवेबल पार्ट ये जॉ है ये जॉ को मूव किया जाता है ये वाली ठीक है स्क्रू गेज में मूवेबल क्या है स्क्रू गेज में मूवेबल है ये वाला स्क्रू ये जो घूमता है और ये घूमता है ये मूवेबल पार्ट है इसके घूमने से ये जॉस टाइट होते हैं और लूज होते हैं इसको आप बाहर घुमाओगे तो लूज हो जाता है अंदर घुमाओगे तो टाइट हो जाता है आपने अगर क्लॉक स्क्रू को तो टाइट होता है और एंटी क्लॉक घुमाया तो लूज होता है ना आप स्क्रू ड्राइवर से ट्राई भी कर सकते हैं कस रहे हो अब लूज करते हैं चलो एंटी क्लॉक घुमाते हैं ये देखो एंटी क्लॉक घुमाया तो स्क्रू खुल गया और क्लॉक वाइज घुमाया तो स्क्रू टाइट हो गया तो ये बस ये स्क्रू है जिसको घुमाया जाता है इसको टाइट और लूज करने के लिए राइट दैट्स हाउ आप इसको कर सकते हैं अब जब स्क्रू घूमता है तो वो आगे पीछे बढ़ता है और ये विजुअलाइज कुछ लोगों को होता नहीं इसलिए मैंने देखो दो एनिमेशन आपके लिए डाले कि कैसे घूमने से स्क्रू आगे चलता है ये घूम रहा है तो आगे बढ़ रहा है है ना ये देखो ये घूम रहा है तो एक बॉल आपको दिख रही है आगे चलती जा रही है घूमने की वजह से और ये मैं विजुअलाइजेशन क्यों करवा रहा हूं आपको बिकॉज एक क्वांटिटी आती है पिच पिच ऑफ स्क्रू गेज ये पिच ऑफ स्क्रू गेज बस यही बताता है क्या बताता है कि ये जो हम घुमा रहे हैं ना ये जो अभी मैंने बताया कि इसको घुमाते हैं तो ये आगे पीछे जाता है टाइट करोगे तो आगे जाएगा लूज करोगे तो पीछे जाएगा तो पिच बस ये कहता है कि आप 360 डिग्री घुमाओ तो ये स्क्रू है मान लीजिए आपको यहां से ये स्क्रू दिखाई दे रहा है ऐसे टाइप का है ना और थोड़ा सा इसको बेटर इसकी ड्रॉइंग बनाते हैं तो स्क्रू ड्राइवर लग जाए उसके लिए ऐसा कुछ स्टार जैसा आपको दिखता है ना जिसमें स्क्रू ड्राइवर फंस जाता है और आप इसको टाइट कर पाते हो स्क्रू को ये स्क्रू दिख रहा है तो पिच के लिए क्या करना होता है आपको बस एक रोटेशन देना है वन रोटेशन वन रोटेशन यानी कितना होता है बच्चों 360 डिग्री 360 डिग्री घुमाओ स्क्रू को बस एक बार रोटेट करो ये देखो ये कई बार घूम रहा है इसमें तो मैं चाह रहा हूं कि आप बस 360 डिग्री घुमाओ और 360 डिग्री घुमाओगे तो भी कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगा ये देखो एक बार 360 भी घुमाएंगे तो कुछ डिस्टेंस मूव कर देगा तो मैं आपसे कह रहा हूं एक बार 360 डिग्री घुमाने पे देखो कि 360 डिग्री घुमा दे तो कितना चलता है ये बस एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मूव करता है बस ये नोट डाउन कर लो सो डिस्टेंस मूव स्क्रू इन वन रोटेशन बस यही पिच है आ गया समझ आपको पिच तो पिच है क्या तो पिच की और कोई परिभाषा नहीं है सिंपली यही है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन एक रोटेशन में जितना घूम जाए जितना नहीं एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस मूव कर जाए वो क्या होता है वो होता है पिच आसान सी भाषा क्या आपको समझ आया क्या पिच होता है तो पिच होता है एक रोटेशन होने पे देखो ये बॉल एक रोटेशन में कितना आगे चली इस स्क्रू को हम 360 डिग्री घुमाएंगे 360 में जितना आगे चलेगी वो हमारा पिच है क्लियर है ठीक है सो दैट्स हाउ यू कॉल एस पिच डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन आ गया पिच समझ में अब इसी को और तरीके से दिख लेते हैं अब आप खुद सोचो जब आप 360 डिग्री घुमाते हो तो स्क्रू चलता कितना है ये जो थ्रेड बने होते हैं स्क्रू पे वो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहां से लेके यहां तक जाता है आप 360 डिग्री जब घुमाते हो तो ऐसे करके यहां पहुंच जाता है तो कितना डिस्टेंस बेसिकली आगे चला तो ये यहां से लेके यहां तक चला ना एक थ्रेड एक थ्रेड मूव करता है तो बेसिकली पिच आप ये भी कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड जो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होती है वो भी पिच होती है तो या तो आप ये कह लो डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन या इसी को आप कह लो और थ्रेड के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड तो देखो दोनों परिभाषाएं लिखी है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड वो भी पिच होता है या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन दोनों ही क्या है दोनों ही पिच हैं आ गया समझ में विजुअलाइज हो पाया चलिए तो अब पिच निकालना कितना आसान है आपके लिए देखो इसी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि आपको बोला गया इफ द स्क्रू गेज एडवांसेज बाय फाइव मिलीमीटर इन टेन रोटेशन क्या बोल रहे दस बार रोटेट किया तो कितना चला है पांच मिलीमीटर mm. तो एक रोटेशन में कितना चला होगा तो टेन से डिवाइड कर दो फाइव बाय टेन चला होगा बस यही पिच है एक रोटेशन में जितना चलते हो वही तो पिच होता है तो पिच आ गया कितना आ गया पिच तो इस स्क्रू गेज का पिच हो गया देखो पॉइंट फाइव एम एम आ गया समझ तो सिंपल पिच mm. की वैल्यू आ गई तो हर बार यही कर लेना एक रोटेशन में स्क्रू कितना आगे बढ़ा है लकड़ी के अंदर जाता है ना आप जब घुमाते हो तो, तो एक बार स्क्रू को 360 घुमाने पे कितना लकड़ी में अंदर घुस गया वो पिच है तो बस सिंपल एज दैट अब आता है लीस्ट काउंट अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज का तो इसमें देखिए पिच की आवश्यकता होती है इसलिए पहले आपको पिच बताया लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड थ्रू पिच पिच लेते हैं और पिच को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन अब ये क्या है सर तो देखो जैसे वर्नियर स्केल और मेन स्केल थे यहां पर भी दो स्केल आपको दिख रहे होंगे कहां दिख रहे हैं देखो ध्यान से एक आपको दिख रहा होगा ये यहां पर ये ये मेन स्केल है देखो ये जो यहां यहां मार्किंग बनी हुई है ये इसके ऊपर ये वाली ये क्या है ये मेन स्केल है और देखो कुछ मार्किंग ये 90, 80, 70 ये सर्कल पे भी बनी हुई है जो घूमता है तो ये जो घूमता है उस पर भी कुछ मार्किंग है वो सर्कुलर स्केल है तो इसपे भी कुछ डिविजन है इसमें भी कुछ डिवीजन है तो हम मेजर करते हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल है ना सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन है हाउ मेनी डिविजन आर देयर तो देखो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन अब वो कैसे पता चलते हैं देखो जीरो दिख रहा है फिर पांच दिख रहा है दस दिख रहा है यहां घूम फिर के यहां तक फोर्टी फाइव आ गया है 46, 47, 48, 49, 50, 50 डिवीजन दिख रहे हैं आपको यहां पर मुझे 50 नजर आ रहे हैं इस वर्नियर इस स्क्रू गेज में क्या हर एक में फिफ्टी होते हैं नहीं किसी में हंड्रेड होते हैं किसी में टू हंड्रेड होते हैं हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं जैसे हमें दिया गया है कि मान लो टोटल कैप डिवीजन इज हंड्रेड तो आपका जो पिच आया ना अभी ये पिच को आप हंड्रेड से डिवाइड कर देना तो ये आपका पिच का फॉर्मूला हो गया तो बड़ा इजी है कि पिच निकालो और जितने भी डिवीजन हैं, उससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो ये होता है लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल तो जैसे हमने पिच तो पहले ही निकाल ली थी देखो पॉइंट फाइव और ये कह रहा है कि हंड्रेड डिवीजन है तो हंड्रेड से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया mm. तो देखो स्क्रू गेज का इजाद क्यों करना पड़ा वर्नियर कैलिपर काफी नहीं था क्या वर्नियर कैलिपर सेकेंड डिजिट तक मेजर करता था अब ये कहां तक कर रहा है तो तीसरी डिजिट तक चला गया तो इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं ये और भी प्रिसाइसली वैल्यू को मेजर कर सकता है दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ स्क्रू गेज कि स्क्रू गेज डेसिमल के तीन डिजिट तक भी वैल्यू मेजर कर लेता है लाइक like इसीलिए इसको जब कोई वायर का डायामीटर निकालना पतला सा वायर है कॉपर का तो उसको स्क्रू गेज में फंसाते हैं यहां पे और एक पाइप का डायामीटर निकालना हो तो मोटा पाइप है वो वर्नियर कैलिपर में फंसाते हैं है ना तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इनका यूज होता है तो चलिए यहां तक तो हमें समझ आया अब कुछ क्वेश्चन करते हैं देखो 2020 का ये क्वेश्चन है कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा एकदम लड्डू दे दिया हाथ में बोल दिया कि रोटेशन तीन एम एम चलता है साफ साफ लिख देते हैं रोटेशन में तीन एम चला और नंबर ऑफ डिवीजन भी दे दिए फिफ्टी डिवीजन और लीस्ट काउंट पूछ लिया सीधा सीधा हाथ में लड्डू तो पहले तो एक रोटेशन में देखो कितना है एक रोटेशन में हो जाएगा थ्री बाय सिक्स एम और एक रोटेशन में जो चलते हैं वही तो पिच होता है तो ये पिच आ गया तो पिच आ गया यहां से पॉइंट फाइव एम है ना पॉइंट फाइव एम तो पिच हो गया अब नंबर ऑफ डिवीजन एन दे रखे इसने साफ साफ बोला फिफ्टी डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे एन तो फिफ्टी हो गया तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दो क्या करना है पिच को एन से डिवाइड कर देना तो कर देते हैं चलो लीस्ट काउंट आ गया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न सर्कुलर स्केल बताओ कितना आया ये तो ये यहां से आंसर दिखाई दे रहा है हमें जीरो पॉइंट जीरो वन है ना जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम आंसर mm है क्या ये मैच कर रहा है कहीं जीरो सेंटीमीटर है लोग गलती से सी लगा देंगे सी गलत है ये सेंटीमीटर है और हमारे एम mm एम में आया है अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या करोगे तो दस से और डिवाइड करना पड़ेगा तो सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर जीरो पॉइंट जीरो जीरो ऑप्शन ए ऑप्शन है है ना तो लड्डू सवाल था बस कन्वर्जन में गलती मत कर देना कि एम mm एम और सेंटीमीटर में अंतर है ठीक है चलो अब बढ़ते हैं आगे लेट्स मूव द नेक्स्ट वन ये भी देखो 2020 में आया और इसमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया कि स्क्रू गेज का पिच दे दिया है नंबर ऑफ डिवीजन दे दिए तो सबसे पहले तो लीस काउंट निकाल लेते हैं इतने डेटा से कि लीस्ट काउंट क्या होगा तो काउंट होगा पिच अपॉन एन पिच कितना है बताओ तो पिच है सेंटीमीटर और कितना है फिफ्टी है ना तो डायरेक्टली दे रखा था इसने तो क्या आएगा बताओ तो ये आएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो और आपको उसके बाद क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करने पे भी पॉइंट वन आना चाहिए तो जीरो टू करेंगे ना? ये अब ये क्या बता रहा है कि ये लास्ट में इतनी लीस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है दिस इज द लीस्ट वैल्यू इट कैन मेजर जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू लीस्ट काउंट का मतलब ही होता है ना तो सर ये तो आ गया लेकिन ये क्वेश्चन कह क्या रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि सही वैल्यू क्या होगी इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं कौन सा डिवीजन क्या ये कैसे पूछ रहे हैं देखो ये लीस्ट काउंट पे आधारित क्वेश्चन है मैंने आपको कहा था ना आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो फिर उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन क्या आप कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो नहीं तो वैसे ही अब ये क्वांटाइजेशन हो गया ये लीस्ट वैल्यू है इसके बाद कौन सी आएगी इसके बाद इसमें एक और जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एड कर दो इतना आएगा फिर इसके बाद और क्या आएगा इसमें एक और बार एड कर दो सिक्स आएगा फिर इसके बाद एट आएगा ये क्वांटाइजेशन है आधा नहीं हो सकता ली 0.001 आ ही नहीं सकता तो 1 नहीं आ सकता तो 0.3 नहीं आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट सीधा 0.004 है तो लास्ट में इवन होना चाहिए और इवन लास्ट में एक में ही है और वो है बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में तो इसका आंसर था बी ऑप्शन बिकॉज़ लास्ट में इवन आना चाहिए और इवन एक में ही है ये देखो ये रहा बाकी सब ऑर्ड बता रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अब इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है वो देखते हैं जैसे वर्नियर में मैंने आपको रीडिंग लेना सिखाया था यहां रीडिंग लेना सिखाता हूं देखो यहां पर भी दो स्केल है जैसे मैंने आपको बताया था ये लीनियर स्केल है और ये सर्क्युलर स्केल है तो लीनियर ये दिख रहा है सर्क्युलर ये दिख रहा है सबसे पहले नोट डाउन द लीनियर स्केल रीडिंग सर लीनियर स्केल रीडिंग हम कैसे नोट डाउन करें जहां भी ये स्क्रू का आपको एंडिंग दिख रही है स्क्रू जहां पर भी हो सर ये तो जीरो पे होना चाहिए ना हाँ जीरो पे तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो अब मान लो आपने बीच में पेंसिल फंसा दी तो ये आगे बढ़ गया ना देखो दिखने लग गई रीडिंग्स ये पेंसिल फसाई तो यहाँ रीडिंग दिख रही है आपको मेन स्केल पे कुछ नहीं फंसाते ना तो ये पूरा कवर कर लेता है जीरो पे आ जाता है पर आपने क्योंकि कुछ फंसाया है बीच में तो ये पीछे खसक जाता है और कुछ रीडिंग आपको दिखती है तो वो कितनी रीडिंग दिख रही है पहले वो देख लो जैसे इस पिक्चर में देखो कहां दिख रहा है 10, दस साढ़े दस ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह यहां पर रीडिंग दिख रही है इलेवन पॉइंट फाइव तो ऐसे यहां पर देखो यहां पर कितनी दिख रही है जीरो से लेके फाइव फाइव पॉइंट फाइव सिक्स सेवन और ये सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव मुझे नजर आ रहा है तो सबसे पहले तो लीनियर स्केल की रीडिंग लिखना होती है जो कितनी आपको नजर आ रही है सेवन पॉइंट फाइव नजर आ रही है उसमें है mm, ना वो नजर आ गई फिर क्या करना है नाउ फाइंड द डिवीजन ऑफ नाइंडलर स्केल दैट इज विद एक्सिस एक्सिस कौन सी ये वाली इसी को एक्सिस कहते हैं ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली इस एक्सिस के साथ सर्कुलर का कौन सा डिवीजन आ रहा है अलाइंड एक्सिस के साथ देखो कौन सा ये डिवीजन है ट्वेंटी फोर्थ दिख रहा है क्या ये ट्वेंटी फोर्थ डिवीजन है ये 24th डिवीजन। वो एक्सिस से मिला हुआ है तो वो आपकी वर्णी ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई, गईसआर सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई ट्वेंटी फोर्थ अब ध्यान दीजिए एम MM एम नहीं ये भी काउंटिंग की तरह ये ट्वेंटी फोर्थ है तो सर फिर निकालेंगे कैसे फॉर्मूला लगा के है ना फॉर्मूला क्या है बिल्कुल वही जो आपने सोचा एल एस आर प्लस सी एस आर इंटू लीस्ट काउंट बिल्कुल वर्नियर की तरफ है ना तो लगा देते हैं चलो एल एस आर कितना सेवन पॉइंट फाइव सी एस आर कितना है? अभी हमने देखा चौबीसवा और लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट दिया हुआ ये देखो जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ये रहा अब बताओ क्या आ रहा है सेवन पॉइंट फाइव प्लस ये आ गया पॉइंट टू फोर जो कि आपका हो गया सेवन पॉइंट सेवन फोर इतना आंसर है सेवन पॉइंट सेवन फोर आपका आंसर आ जाएगा क्लियर हो गया समझ में आया है ना मजा आया ठीक है तो ये सिंपली आप इस तरीके से स्क्रू गेज की रीडिंग बड़े आराम से निकाल सकते हैं वही चीज होती है एक लीनियर होता, होता है एक पहले से करके निकाल लो। वर्नियर की तरह रहता है अब आ जाते हैं इनमें एरर्स में कई बार इन वर्नियर कैले स्क्रू गेज में एरर हो जाते हैं अब एरर को कैसे समझे देखिए एरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैसे समझे ये मैं आपको बता देता हूं देखिएगा दुकानों पे जनरली रहती है ना चीनी इस पे दे रहे तोल के दाल चावल इस पे तोल के वो आपको दे देते हैं और नीचे ये रीडिंग दिखाता है अब जब कुछ ना रखा हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जीरो एक्सपेक्ट करते हो ना कि कुछ भी नहीं रखा है और यहाँ जीरो होना चाहिए तो इसमें एरर नहीं होगा मान लो बिना कुछ रखे यहां कुछ दिखा रहा हो तो तो एरर है भाई साहब और उसी एरर की बात चल रही है कि आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में कोई ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं है आपने उसको ज्वाइन कर दिया है जॉस को या स्क्रू को पूरा टाइट कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ रीडिंग आ रही है वो ऐसे ही होगा जैसे तराजू पे कुछ नहीं रखा है और फिर भी ये कुछ रीड करे अब ये तो गलत हो जाएगा ना ये तो एरर हो जाएगा तो इसीलिए अब हम दो टाइप के एरर समझते हैं पहला पॉजिटिव एरर एनालॉजी से समझो कि बिल्कुल क्लियर नहीं तो लोग रटते हैं पॉजिटिव ऐड करते हैं नेगेटिव करते हैं ये वो कुछ ना कुछ रटते रहते हैं से समझो देखो अब आप गए दुकान पे आपको लेना है मान लीजिए दाल लेनी है ठीक है एक किलो आप दाल लेने गए और जैसे ही आप गए तो वो देखो ऐसे दिखा रहा है जैसे ही आप गए तो ये आपको रीडिंग दिखा रहा है जीरो पॉइंट जीरो टू अब ये ग्राम्स बोल रहा है इसको हम किलोग्राम कर लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो टू किलोग्राम कर लो इसको ये जीरो पॉइंट जीरो टू किलोग्राम आपको ऑलरेडी दिखा रहा है प्लस में तो सबसे पहले क्योंकि ये प्लस में दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव एरर हो जाएगा तो पॉजिटिव एरर क्या होता है जब बिना कुछ रखे कोई ना कोई रीडिंग आ रही हो यहाँ पर जरा भी अभी हमने दाल डाली भी नहीं है इसके ऊपर अभी हम दाल को वेट करने वाले लेकिन दाल डाले बगैर ही कुछ वेट दिखा रहा है 200 ग्राम तो देखिए या 20 ग्राम जो भी है जीरो पॉइंट जीरो इससे जो भी बनता है वो आप समझ लेना वो रीडिंग ये ऑलरेडी दे रहा है तो ये तो एरर आ गया अब आप सोचिए कि ऐसा जिसमें ऑलरेडी इतना वेट दिखा रहा है जीरो पॉइंट इस पर उसने दाल को डालना शुरू किया ना ही स्टार्टेड पुटिंग दल्स अब इस पे दाल के यहां पर डालना आपने शुरू किया जैसे ही आपने दाल को डालना शुरू किया ना वो कब तक डालता रहेगा दाल वो तब तक इस पे डालता रहेगा जब तक ये मीटर क्या ना दिखा दे एक किलो ना दिखा दे क्योंकि आपने उसको कहा था कि मेरे को एक किलो दाल दे देना तो उसने इतनी सारी इसमें दाल डाल दी कि जब तक एक किलो ना आ जाए एक किलो रीडिंग आ गई उसने उसको पॉलिथीन में भरा पैक करके आपको दे दिया बताइए आपका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है क्या आप वाकई में एक किलो दाल लेके गए अपने साथ आप अपने साथ एक किलो दाल नहीं लेके गए ये जो रीडिंग है भले ही रीडिंग भले ही वन के जी आ रही है रीडिंग इज वन के जी बट जो एक्चुअल दाल का आपके साथ वेट है वो कितना है एक्चुअल वेट वो आप कितना ले गए सोचो भाई बिना कुछ रखे ही वो 0.02 पॉइंट पहले ही दे रहा था आप एक्चुअली कितना ले गए अब 0.02 तो बिना दाल रखे ही आ रहा था दाल रखने के बाद 1 के आया यानी के 0.02 आपका खा गया आप एक्चुअली लेके गए हैं कितना 0.98 पॉइंट आप इतनी दाल अपने साथ लेके जा रहे हैं है ना समझ रहे हो स्कैम कर दिया ना आपके साथ ये दुकानदार ने आपके साथ स्कैम कर दिया जो एक्चुअल दाल है वो 0.98 है क्यों क्योंकि क्यों 0.02 तो बिना कुछ रखे ही था आर यू गेटिंग दिस जब यहां एक भी दाल का पीस नहीं रखा था एक दाना भी नहीं था तो भी रीडिंग आ रही थी तो ये तो आपके साथ चीटिंग है समझ में आ गई बात एवरीबॉडी इज क्लियर तो आप सिर्फ पॉइंट नाइन एट ले गए अपने साथ तो बताइए एक्चुअल रीडिंग लाने के लिए क्या करना पड़ता है वॉट यू आर सपोज टू डू इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल रीडिंग क्या आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो यहां पर पॉजिटिव एरर आप पॉजिटिव एरर क्या है पॉजिटिव एरर जो था वो यहां पर क्या था 0.02 पॉइंट जीरो टू और एक्चुअल रीडिंग लाने के लिए ओरिजिनल रीडिंग में से सबट्रैक किया आप देखो यही तो फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअल रीडिंग एक्चुअल वैल्यू कह लेते हैं रीडिंग तो क्या वैल्यू निकाल रहे हैं हम एक्चुअल वैल्यू विल बी जो रीडिंग दिखा रहा है डिवाइस उसमें से क्या करें उसमें से ये पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक करो सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव एरर तो इससे आपका एक्चुअल वैल्यू आती है क्या बताइए ये समझ आया कि पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं क्योंकि ये आपका नुकसान हो गया बिना कोई ऑब्जेक्ट के रखे ही पहले वो दिखा रहा था और अब आप एक किलो आपकी दाल लेके गए रीडिंग दिखा रही है तो वो एक्चुअली तो नाइन पॉइंट एट ही है तो ये एक्चुअल तभी आएगा जब रीडिंग में से आप एरर को सब करें तब जाके आएगा क्लियर हुआ इज दिस क्लियर तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव एरर मस्ट ऑलवेज बी सब्रैक्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है जैसे हमने यहां किया अब इसी केस में आप उल्टा देखिए अब उल्टा यह है कि यह पहले से ही नेगेटिव दिखा रहा है नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो टू के जी पहले से ही नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो टू के जी तो यहां पर किस तरह का एरर है? नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर कितना है? नेगेटिव एरर हमें दिख रहा है यहां पर आ, ध्यान से आप खुद देखो। नेगेटिव एरर इज एक्चुअली जीरो पॉइंट जीरो टू नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो टू के जी अब आपने फिर से कहा कि दाल दे दो एक किलो तो इसने फिर से वही चीज करी इसने यहाँ पर कंटेनर रखा इसमें दाल डालना शुरू करी ठीक है और ये तब तक देता रहा जब तक कि यहां पर रीडिंग वन के जी नहीं हो गई तो बताइए आपकी रीडिंग कितनी है यहाँ पर तो रीडिंग जो आपकी आ रही है रीडिंग अभी भी वन के जी आ रही है लेकिन मुझे बताओ आप कितनी दाल अपने साथ ले गए हो क्या कम ले गए हो कि ज्यादा इस बार ज्यादा ले गए इस बार दुकानदार का नुकसान है क्योंकि तो पहले से नेगेटिव था तराजू उसको जीरो लाने के लिए भी पहले जीरो पॉइंट जीरो टू के जी दाल डालना पड़ी होगी बीस ग्राम दाल तो उसने ऐसी डाली होगी इसको जीरो पे लाने के लिए तो बीस ग्राम दाल तो काउंट ही नहीं हुई क्योंकि बीस ग्राम दाल डालने में ये जीरो पे आया फिर उसके ऊपर एक किलो और समझ गए तो जीरो पॉइंट जीरो टू के जी का आपका फायदा हो गया बीस ग्राम दाल आपने ज्यादा उससे ले ली तो एक्चुअल अब बताइए एक्चुअल वेट कितना होगा अब एक्चुअल वेट जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं वो कितना है वो है 1.02 पॉइंट ठीक है ये समझ आया आप अपने साथ अब ज्यादा लेके जा रहे हैं दाल मजे ही मजे हैं, है ना आज टॉफी मिलेगी आज ज्यादा दाल खाना चावल के साथ क्योंकि <laughs> तो एक्स्ट्रा है तो जीरो करने के लिए ही कुछ दाल ऐसी वेस्ट हो गई बीस ग्राम ऐसी चली गई काउंट भी नहीं हुई सोचो ना बीस ग्राम डालने के बाद तो जीरो पे आया हो और फिर उसके ऊपर एक किलो और तो यहां पर हम क्या कहेंगे यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीट्यूड देखो मैग्नीट्यूड मस्ट बी एडेड ये मैग्नीट्यूड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव एरर को हमने ऐड किया लेकिन कैसे मैग्नीट्यूड को वरना नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो भी वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है इसलिए ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड लेना और ओरिजिनल रीडिंग में ऐड कर देना ठीक है तो मैं लिख रहा हूं एक्चुअल वैल्यू क्या होगी तो भाई एक्चुअल वैल्यू आपकी होती है रीडिंग रीडिंग में ऐड करो मॉड ऑफ है ना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एरर मॉड ऐड कर देना एक्चुअल नेगेटिव के साथ ऐड मत कर देना नहीं तो सब हो जाएगा तो उल्टा है बस उल्टा गेम है नेगेटिव एरर ऐड होता है पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होता है सिंपल एज दैट ठीक है सर बीस ग्राम चैरिटी में दे, दे देंगे बिल्कुल बीस <laughs> ग्राम आप चैरिटी में दे देना तो आ गया समझ में लॉजिक तो समझ आया ना अब एरर में कभी कंफ्यूज तो नहीं हो कि सर समझ ही नहीं आता था कभी वो ऐड करता था कभी सब्ट्रैक्ट करता था अब आज आपको लॉजिक समझ आ गया तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब यहां तो हम दाल नहीं खरीद रहे हैं यहां तो हम स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं अब इसमें कैसे दिखेगा यहां तो इलेक्ट्रिकली दिख गया कि इतना एरर है स्क्रू गेज में कैसे पता चलेगा एरर कितना है तो स्क्रू गेज का जीरो देखो जीरो जीरो से मिलना चाहिए तो नो एरर लेकिन जीरो जीरो से नहीं मिला है ये नीचे हो गया है या जीरो ऊपर हो गया है तो फिर क्या है फिर दिक्कत है क्यों दिक्कत है अब देखो ये ऑलरेडी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है जीरो इसका जीरो नीचे है ना सर्क्यूलर स्केल का जीरो नीचे आ गया है और आपको ये ऑलरेडी कुछ वैल्यू दे रहा है वन टू टू ऑलरेडी आपको दिखा रहा है यहां पर प्लस टू ये सेकंड डिवीजन ऑलरेडी मैच कर रहा है तो बिना कोई ऑब्जेक्ट फसाए वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव एरर हो गया ना तो पॉजिटिव एरर तब होता है जब सर्क्यूलर स्केल का जीरो नीचे हो ठीक है तो ये रीडिंग देता है क्योंकि हम ऐसे ही तो घुमाते हैं ऐसे ही घुमाते हैं इसको लूज करते हैं ना ऑब्जेक्ट जब फंसाते हैं तो लूज करते हैं तो लूज करने के लिए हम ऐसे ही तो घुमाते हैं तो हमने ऑलरेडी कुछ इसको लूज कर रखा है बिना ऑब्जेक्ट को रखे तो ये एरर है और इसमें देखो अब इसमें जब हम लूज करेंगे तो पहले तो हमें जीरो को नीचे लाना पड़ेगा ऑलरेडी हमारा देखो लॉस है कितने डिवीजन नीचे लाना पड़ेगा जीरो को एक दो तीन चार चार डिवीजन देखो जरा चार डिवीजन मुझे नीचे लाना पड़ेगा तब जाके जीरो तो जीरो से मिलेगा तो ये नेगेटिव एरर हो गया पॉजिटिव एरर हो गया। तो फिर वही बात होती है पॉजिटिव एरर ट्रैक करते हैं नेगेटिव को करते हैं तो करके देख लेते हैं तो ये दो देखिए 2020 का प्रश्न क्या बोल रहा है स्क्रू गेज है डिवीजन। एन तो आपका फिफ्टी हो गया द सर्क्यूलर स्केल इज फोर अहेड देखो सर्क्यूलर स्केल आगे है

तो पॉजिटिव एरर तो इसीलिए देखो तीन ऑप्शन पॉजिटिव एरर के दिए हैं और फिर पूछ क्या रहा है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल तो नेचर ऑफ जीरो क्या होगा अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन एक रोटेशन में कितना चलता है ये 0.5 mm बेसिकली पिच दे दिया आपको पिच कितना दिया है पिच दे दिया 0.5 mm आपसे पूछ रहा है नेचर बताओ जीरो एरर का और लीस्ट काउंट बताओ तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा नेचर तो पता चली गया पॉजिटिव अब लीस्ट काउंट कैसे आएगा पिच अपॉन एन तो पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टी बताइए तो ये कितना आया तो ये आपका हो गया देखिए इसको माइक्रोमीटर यहां दिख रहा है माइक्रो के लिए इसमें थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिली तो है ही बस थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो माइक्रो बन जाएगा तो बताइए कौन सा मैच कर रहा है फाइव हंड्रेड बाई फिफ्टी विच इज टेन तो बी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है हुआ क्लियर है ना चलो सो दिस इज क्लियर एक और देखते हैं 2022 का फ्रेश सवाल सब कुछ लिख के दे दिया ये बड़ा भला मानस था जो भी जिसने भी ये बनाया सारा एज इट इज आपको लिख के दे दिया बस फॉर्मूला लगाना था देखो कैसे दो हजार बाईस का प्रश्न देखो स्क्रू गेज मूव्स पॉइंट फाइव एम एम इन वन कंप्लीट रोटेशन तो क्या दे दिया आपको इस, भले मानुस ने? इस, भले मानुस ने इस, इस बार आपको पिच दे दिया कि बेटा ये लो पिच पॉइंट फाइव एम एम है याद रखना फिर एन की वैल्यू दे दी भले मानुस ने ये लो एन आ गया आपका फिफ्टी ठीक है जी मेन स्केल रीडिंग दे दी वर्नियर स्केल रीडिंग दे दी एरर दे दिया सभी दे दिया उसने पूरी कुंडली निकाल दी और बस लास्ट में बोल दिया आप तो रीडिंग बता दो यार इतना सब तुम्हें दे दिया है अब रीडिंग निकाल दो तो निकाल देते हैं सबसे पहले पिच और नंबर ऑफ स्केल है तो लीस काउंट आ जाएगा लीस काउंट कितना आएगा पिच अपॉन एन कितना लीज काउंट आया बताओ जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम इतना तो आपका लीस्ट काउंट आ गया ठीक है ये सबसे पहले अब रीडिंग ले लेते हैं रीडिंग क्या है तो रीडिंग निकालते हैं रीडिंग निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है एल एस आर प्लस सी एस आर इंटू काउंट यही फार्मूला है तो चलिए लगा देते हैं एल एस आर की रीडिंग उसने दी है टू पॉइंट फाइव मेन बोलो या लीनियर बोलो एक ही बात है दोनों एक ही चीज है. है तो बताइए क्या आएगा ये पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट नाइन फाइव है ना टू पॉइंट नाइन फाइव एम एम तो रीडिंग आ गई ये सबसे पहले तो रीडिंग है हमारी अब काफी बच्चे इसको मार्क भी कर देंगे शायद एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए था टू पॉइंट नाइन फाइव का नहीं है अच्छा है नहीं है वरना आधे लोग तो वही मार्क करते देखो ये रीडिंग आई है लेकिन एरर भी तो है पॉइंट थ्री एम एम का एरर है और किस तरह का एरर है नेगेटिव एरर नेगेटिव एरर क्या किया जाता है एड किया जाता है ना उल्टा रहता है पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव को एड करते हैं तो नेगेटिव को एड कर दो तो ये जो नेगेटिव एरर है पॉइंट जीरो थ्री का इसमें ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा एक्चुअल एक्चुअल हो जाएगा जो आपका टू पॉइंट नाइन फाइव प्लस ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री नेगेटिव एरर को ऐड कर दिया टू पॉइंट नाइन एट एम एम तो कौन सा आंसर सही बताइए सी ऑप्शन सही सी ऑप्शन इज करेक्ट तो नेगेटिव को ऐड करते हैं आ गया समझ क्लियर हो गया लो जी ये भी हो गया आपसे स्क्रू गेज होना आ गया आपसे ये भी एक मेन का, लेकिन ये होमवर्क दे रहा हूं मैं अब आपको हमने कर लिया ऑलरेडी ठीक है already, तो एरर के सवाल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं तो ये आपके लिए एक होमवर्क है इसको ट्राई करिएगा दिख रहा है सबको तरीका आ चुका है सो सेम चीज है वही जैसा अभी हमने किया ना सारी चीजें दी हुई थी एड सब करना था तो ये आपका होमवर्क है करिएगा जरूर अब आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर में जब एरर आते हैं तो तो वर्नियर कैलिपर में एरर कैसे होते हैं वही होते हैं आपने जॉर्ज को मिला दिया फिर भी रीडिंग दे रहा है तो पॉजिटिव एरर है आपने जॉज को मिला दिया और इसका जीरो लेफ्ट में आ गया आप देखो इसका जीरो वर्नियर स्केल का आगे निकल लेफ्ट में निकल गया है तो पहले तो हमें इसको इस जीरो से मिलाने के लिए थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा तो उतनी रीडिंग तो वेस्ट ही हो जाएगी जैसे तो बीस ग्राम दाल डालना पड़ी उसको जीरो पे लाने लाने के के लिए लिए इसको भी जीरो पे लाने के लिए आपको कुछ चलाना पड़ेगा पहले है ना और ये बिना चलाए पहले से इसमें गैप है तो ये पॉजिटिव एरर एरर ये नेगेटिव बात वही है पॉजिटिव को सब करना है नेगेटिव को ऐड करना है मैग्नीट्यूड अब इसमें आ जाते हैं जेई के कुछ स्पेशल प्रश्न जो मैं आपको कंटेंट में बताया था ना कि जेई एडवांस के स्पेशल सवाल जे एडवांस आपसे डायरेक्ट नहीं पूछती है जैसे मेन्स ने तो क्या पूरी कुंडली दे दी ये आपके सामने पूरी कुंडली लिख दी सीधा सीधा वैल्यू सब करना था एडवांस ऐसा नहीं करती और वर्नियर स्केल में एरर के क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर में एडवांस ही पूछता है उसका फेवरेट टॉपिक है ठीक है तो ये मैं लिख देता हूं एडवांस का फेवरेट टॉपिक और देखिए कुछ स्पेशल टाइप के सवाल एडवांस देती है इसके लिए ना एरर के लिए कैसे हैं वो सवाल देखते हैं पहला प्रश्न 2021 में आया हुआ देखो दिख रहा है आपको एरर देख के समझ आ जाएगा कौन सा एरर है ये बताओ ये नेगेटिव एरर दिख रहा है आपको दिस इज नेगेटिव एरर ये नेगेटिव एरर है वर्नियर में 2021 एडवांस का जस्ट पिछले साल का सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे ये बोल रहा है कि जब कुछ नहीं लगाया था तो ये सिचुएशन थी यानी कि एरर एरर दिख रहा है और फिर कह रहा है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फंसा दिया बीच में और इसको मूव करा तो देखो यह स्थिति दिखी अब यह सिचुएशन तो आपसे बोल रहा है कि बताइए अब इसमें बहुत सारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं मिस्टेक करते हैं मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है सबसे पहले तो वो क्या करते हैं जो रीडिंग है वो निकाल लेते हैं रीडिंग यहां से आएगी आपने सवाल तो पढ़ ही लिया है राइट यू हैव ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन ये है बिना ऑब्जेक्ट को लगाए और ये है ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद की स्थिति ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर तो तो आपसे बोल रहे हैं उसका बताओ तो जब आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया तो बताओ रीडिंग कितनी है तो रीडिंग के लिए सबसे पहले उसने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये एम एस डी की वैल्यू दे दी है एक एम एस डी कितना दिया है देखो जरा तो एक एम एस डी उस बंदे ने ऑलरेडी दे दिया हमें कितना दिया पॉइंट वन सेंटीमीटर तो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो एक एम है अब हमसे क्या बोल रहा है अब हमसे बोल रहा है टेन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू नाइन डिविजन ऑफ मेन स्केल टेन वी किसके बराबर है नाइन एम एस है ना ये जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही लिख रहा हूं टेन वी एस डी तो एक VSD कितना हुआ? 0.9 हो गया, ये लो, ठीक है? और एक MSD की वैल्यू देखो हमारे पास है, तो एक VSD की आ गई, कितनी आ गई? 0.9 into 0.1 सेंटीमीटर, which is 0.09 सेंटीमीटर, ये लो, एक VSD की वैल्यू। अब एक VSD भी आपके पास है, एक MSD भी आपके पास है। तो सब ट्रैक कर लो लीस्ट काउंट आ जाएगा कितना आया लीस्ट काउंट देखो ये है पॉइंट वन सेंटीमीटर माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेंटीमीटर तो बताइए क्या आ रहा है ये जीरो पॉइंट वन जीरो में से तो जीरो पॉइंट जीरो वन आ रहा है ना जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट तो इस वर्नियर कैलिपर का हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया दिस इज द लीस्ट काउंट अब देखिए क्या है अब हमें इसकी रीडिंग लेनी है यहां से रीडिंग लेते हैं क्या तरीका मैंने आपको बताया था रीडिंग का सिंपल वर्नियर कैलिपर का प्रॉब्लम है ट्विस्ट आएगा एरर में है ना ये रीडिंग तो हम निकाल ही सकते हैं क्या पहली स्टेप थी पहली स्टेप थी कि वर्नियर स्केल का जीरो देखो क्रॉस कर चुका है तो ये मुझे दिख रहा है ये थ्री है ये वन है वन को क्रॉस कर चुका है तो बताइए यहां से एमएसआर की रीडिंग आपको कितनी मिल रही है थ्री पॉइंट वन दिख गई सबको ये देखो वन को क्रॉस कर दिया है इस जीरो ने। फिर इसके बाद वी एस आर की कैसे निकालें तो वी एस आर की निकलेगी अब मैचिंग वाला ढूंढना है अब आप कह रहे थे ना कि सर मैचिंग दिया होगा कि हम निकाल सकते हैं आप देखो खुद ही क्या आपको और कोई मैचिंग दिख रहा है बस एक मैचिंग दिख रहा है ये वाला और ये कौन सा डिवीजन है ये पहला डिवीजन है वर्नियर का ये वर्नियर का पहला ही तो मैच कर रहा है तो बस वी एस आर की वैल्यू वन हो गई फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा है इट इज मैचिंग तब तो आपके पास एम एस आर है बी एस आर है लीस्ट काउंट है तो वैल्यू निकाले रीडिंग निकाले तो रीडिंग देखिए क्या आएगी तो रीडिंग जो है आपकी मैं यही लिख देता हूं चाहो तो, तो रीडिंग हमारी आएगी रीडिंग विल एक्चुअली बी एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट इज जीरो पॉइंट जीरो वन तो बताइए ये कितना हो गया ये हो गया थ्री पॉइंट वन वन सेंटीमीटर ये आ गई रीडिंग ये इसकी रीडिंग है अब काफी लोग बोलेंगे सर हो गया बी ऑप्शन इज दी आंसर गलत भाई ये सिर्फ अभी आपने रीडिंग निकाली है एरर भी तो है अब एरर को भी तो इसमें ऐड और सब करना पड़ेगा ऐड करेंगे सब नेगेटिव है तो इसमें सब करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी ज़रा बताओ एक्चुअल रीडिंग होगी जब नेगेटिव एरर को इसमें ऐड किया जाए तो नेगेटिव एरर को जब इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा तो अब आप बोलोगे सर एरर की वैल्यू बताओ कितनी है तो देखो भाई यहां से एरर की वैल्यू अगर हम ऐसे निकालने जाएं तो कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है आपको ये रहा सिक्स डिवीजन मैच हो रहा है तो सर सिक्स डिवीजन अगर मैच हो रहा है यहां पर तो इसमें जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एड कर देंगे तो थ्री पॉइंट वन सेवन आ जाएगा लेकिन ये गलत होगा थ्री पॉइंट वन सेवन गलत है यही एडवांस के क्वेश्चन का ट्विस्ट है इसलिए मैंने कहा था कि एडवांस सीधा सीधा नहीं पूछती है वो आपसे सोचने पे मजबूर करती है आपने यहां सिक्स यही एरर है अरे सोचो जरा एडवांस की परीक्षा है ये तो ये कुछ स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड लगता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स आप ये सोचिए कि आपको कैसे पता एरर सिक्स है आपने कैसे समझ लिया एरर इज सिक्स एरर तो बेसिकली होता है कि ये दो जीरो आपस में कितना दूर है ये कितनी गैप बनी हुई है ना यही तो एरर है तो एरर तो एक्चुअली ये दो जीरोस के बीच की गैप है और उसको देखो मैं अगले पेज में दिखा रहा हूं ये वाली दिख रहा है आपको ये मेन स्केल का जीरो ये वर्नियर स्केल का जीरो इनके बीच की जो गैप है वही तो एरर है वो ई से दिख रहा है नजर आ रहा है आपको ई से तो ये ई e हमें निकालना है आपको किसने कह दिया ये ई सिक्स है ये तो कॉइनसाइडिंग वर्नियर स्केल है ये ई e की वैल्यू थोड़ी हुई तो सर ई e की वैल्यू कैसे आएगी तो ई e की वैल्यू जो आएगी ना वो देखिए इस तरीके से आएगी सबसे पहले यहां से लेके जो भी आपका मैचिंग डिवीजन है उसकी वैल्यू देखो ये सिक्स वाला मैच कर रहा था है ना हम जानते हैं कि यहां पर ये सिक्स वाला मैच कर रहा है दिस डिवीजन, तो यहां लिख भी दिया देखो जीरो से लेके सिक्स तक ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये डिस्टेंस आपकी हो गई जीरो से लेके सिक्स तक ये वाली इसको एक्स बोल देते हैं इतनी डिस्टेंस एक्स है है ना? अब मुझे बताओ आप कि यहां से इस जीरो से लेके इधर तक ये डिस्टेंस कितनी होगी ये भी तो एक्स होगी यहां से ले अगर तो यहां से लेके वहां तक की डिस्टेंस वो भी तो एक्स होगी ये एक्स है तो वो भी एक्स है बराबर है ना तो आप देखिए ये जो एक्स है ये किसके बराबर है ई प्लस फाइव एमएसडी दिखा आपको क्या समझ में आ रहा है आपको ये जो एक्स है वो ई e और फाइव को मिला के बनाए एक्स इज ई प्लस फाइव एमएसडी बताइए क्लियर हुआ क्या ये छोटा सा एरर इसको फाइव में ऐड करो तो टोटल एक्स आ रहा है देख पा रहे हैं सब ये छोटा एरर इसके साथ मिलके पूरा एक्स बना रहा है है ना दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड और एक्स खुद क्या है एक्स खुद सिक्स वी डी है दिस एक्स इज नथिंग बट सिक्स वी डी तो आपको किसने कह दिया कि एरर सिक्स था एरर देखिए अब निकल रहा है एरर कितना आ रहा है सिक्स वी एस डी माइनस फाइव वी एस डी ये एरर है और ये एरर बताइए कितना आ रहा है <laughs> तो अब आपका देखिए कितना एरर आएगा तो अब जो एरर आएगा वो कितना है सिक्स VSD एक VSD की वैल्यू कितनी है एक VSD की वैल्यू हमने निकाली जीरो पॉइंट जीरो नाइन और एक एम एस डी की सॉरी ये एम एस डी है ठीक है अच्छा मैं चैट में देख रहा हूं कुछ बच्चे पहले से ही आंसर बता रहे हैं भाई ये सब आपने किया ही नहीं और आंसर दे रहे हो उसका सीधा से एक ही अर्थ है गूगल बाबा का आशीर्वाद है ना ये इतनी सोचने के बाद आंसर आता है कुछ लोगों ने तो क्या करा ये 3.11 निकाला ना उसके बाद ही बोल दिया 3.15 अरे आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि एरर 0.04 है जीरो पॉइंट जीरो फोर निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है गूगल के आशीर्वाद से नहीं होता एग्जाम में नहीं होता गूगल ठीक है चलो तो एक एम एस डी की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन रख दो तो अब यहां से ई e की वैल्यू आएगी कि एरर कितना है ये हुआ आपका सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर तो जीरो पॉइंट फाइव फोर ये आपका हुआ पॉइंट फाइव जीरो और यहां से देखिए एरर निकला है 0.04 सेंटीमीटर ये है वो नेगेटिव एरर जिसको हम ढूंढ रहे थे दिस इज द नेगेटिव एरर दिस स्मॉल एरर जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है पहले हम इसको 6 मान के काफी बच्चे 3.17 लगा देते हैं नहीं एक्चुअल एरर इज 0.04 वो छोटा सा गैप अब 0.04 इसमें ऐड करो तब एक्चुअल रीडिंग आएगी है ना तो मजा आया सवाल में हिला डाला ना सवाल नहीं अब एडवांस ऐसी होती क्या करें तो अब एक्चुअल क्या आएगा एक्चुअल होगा रीडिंग प्लस प्लस नेगेटिव एरर तो इस नेगेटिव एरर को ऐड कर देते हैं एक्चुअल हमारी रीडिंग आई थी थ्री पॉइंट वन वन और एरर अभी अभी हमने निकाला जीरो पॉइंट जीरो फोर क्या आंसर आएगा थ्री सेंटीमीटर एक्चुअल ये आंसर है तो एडवांस का यही मजा होता है बच्चों ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है एडवांस पूरा डिटेल में आपको मेजर करती है ठीक <laughs> है पूरा डिटेल में मेजर करती है आपको एकदम लास्ट तक कोर कोर बाल की खाल उतार देती है एडवांस ठीक है आया समझ में तो ये एरर वो वाली छोटी सी गैप थी जो निकालनी थी तो किस लेवल पे सोचिए एडवांस आपको सोचने को मजबूर करती है अब एक और एडवांस का करते हैं 2021 का नहीं ये 16 का एक्चुअली 21 का ये वाला था दिस वाज एडवांस 2021 अब ये 2016 का है ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जो बहुत बच्चों का बाद में डाउट रहता है और डाउट क्यों रहता है क्योंकि यहां पर दो वर्नियर कैलीपर दिए थे एडवांस ने और आप पाओगे हैरान होगे एक वर्नियर कैलीपर का जो है ना नेगेटिव काउंट आता है इस क्वेश्चन में तो ये बहुत बच्चों का डाउट हो जाता है तो देखिए क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़िए देर आर टू वर्नियर कैलिपर वन सेंटीमीटर को दस भाग में डिवाइड कर दिया है मेन स्केल पे यानी दोनों वर्नियर कैलिपर का आपको एम एस डी दे दिया है कि वन एम एस डी दोनों में एक सेंटीमीटर बटा दस पॉइंट वन सेंटीमीटर है बेसिकली भाई तो सेंटीमीटर है दोनों में इन दोनों वर्नियर कैलिपर। फिर सी टू का लीस्ट काउंट दे रहा है और फिर आपसे बोल रहा है वैल्यू बताओ अब जो सबसे ज्यादा आपको हैरानी होगी ना इसमें वो हैरानी ये होगी कि जब आप सेकंड वाले का लीस्ट काउंट निकालेंगे ना ये नेगेटिव आएगा नेगेटिव लीस्ट काउंट तो अब नेगेटिव लीस्ट काउंट वाले को कैसे डील करते हैं तो यहां पर भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगेगी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे लगेगी देखते हैं पहले जो सिंपल वाला है वो तो कर लें ये तो पॉजिटिव वाला ही है इसको कर लेते हैं और प्लस मुझे कैसे पता चला कि नेगेटिव लीस्ट काउंट है मैंने पहले किया आप जब क्वेश्चन देखोगे आपको तो पता नहीं चलेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव एरर है ना चलो नेगेटिव एरर नहीं नेगेटिव लीस्ट काउंट है चलो करके देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम होगा चिंता मत करो है ना सो so, जल्दी से देख लो क्या है तो इसमें अब ये है कि पहले वाले को अगर आप देखें पहले वाले के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है वर्नियर तो स्केल पहले जो पहला वाला है ना उसकी बात करते हैं पहले वाले में टेन वी एस डी किसके बराबर है टेन वी एस डी नाइन एम एस डी के बराबर है तो यही बिल्कुल नॉर्मल वर्नियर कैलिपर स्टैंडर्ड वाला इसमें एक वी एस डी पॉइंट नाइन एम एस डी है ना? फिर लीस काउंट निकालो पहले का तो पहले का लीस काउंट देखो क्या आ रहा है वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी कितना आ रहा है आपको देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आना ही चाहिए लीस काउंट पॉजिटिव ही होता है एक एम एस डी पॉइंट वन सेंटीमीटर है या ऐसे लिख देते हैं चलो कि सर ये आपका एक एम आपने लिख दिया और वर्नियर स्केल डिवीजन पॉइंट नाइन के बराबर है ये लो तो कितना आ रहा है इसका इसका आ रहा है पॉइंट वन एम कितना हो गया ये पॉइंट वन इंटू पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर ये लीस काउंट है पहले वाले का तो पहले वाले का लीस काउंट आपको दिख रहा है और लीज़ काउंट दिख रहा है तो यहां से वैल्यू भी आ जाएगी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है सी वन की तो C1 की वैल्यू अगर देखें तो देखो MSR MSR की रीडिंग कितनी है ये टू है ये टू पॉइंट फाइव हुआ टू पॉइंट सिक्स सेवन एट एट को क्रॉस कर चुका है ना इसका जीरो तो टू पॉइंट एट क्रॉस कर चुका है तो C1 में एम एस आर की रीडिंग कितनी है टू पॉइंट एट सेंटीमीटर ऑलराइट right. अब यहां पर वर्नियर में कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ये वाला ये कौन सा है ये वाला सर ये 5 है 6 है ये सेवंथ वाला कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है दिख रहा है सबको सेवंथ वन इज कोइंसाइडिंग तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे वीएसआर इज 7 सेवंथ डिवीजन तो बताओ पहले की रीडिंग कितनी आ गई तो यहां पर रीडिंग आ गई, आ गई आपकी वही फार्मूला एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट कितना है देखो uh, हमने निकाला अभी तो कितनी वैल्यू आई जरा बताइए टू पॉइंट एट सेवन सेंटीमीटर सर ये तो बढ़िया हो गया पहले वाले का आंसर तो आ गया इसीलिए तो बेटा देखो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यही आंसर दिया है ये एडवांस है इसमें ऐसा नहीं होता कि एक कोई सॉल्व करके आंसर आ जाए है ना इसमें सारे सॉल्व करने पड़ते हैं सिर्फ एक एलिमिनेट हुआ है अभी भी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2.87 है अब चलते हैं C2 पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है C2 में देखिएगा नेगेटिव लीस्ट काउंट आएगा कैसे आएगा जरा चेक करते हैं लेट्स सी अब बारी है C2 की तो लो भैया आप C2 पे चलते हैं है ना C1 की तो कहानी हो गई अब C2 देखें यहां मजा आने वाला है C2 का डेटा देखो वर्नियर स्केल ऑफ C2 टू हैज टेन डिविजन दैट करस्पॉन्ड्स टू इलेवन मेन स्केल डिविजन उल्टा हो गया 10 VSD किसके बराबर है देख रहे हो आप 10 VSD 11 इलेवन के बराबर है ये तो उल्टी गंगा बह गई अब एक VSD तो 1.1 MSD हो जाएगा और यहां फिर अगर हम लीस्ट काउंट निकालेंगे तो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं खुद ही देखो सर यहां तो वाकई में नेगेटिव आ रहा है एक MSD माइनस जब वी एस डी की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या रखोगे वन पॉइंट वन सर ये तो गजब ही हो गया कि नेगेटिव जीरो पॉइंट वन एम एस डी यानी कि ये आ रहा है नेगेटिव जीरो पॉइंट ये तो पहली बार देखा है कि लीस्ट काउंट नेगेटिव है ठीक है लीस्ट काउंट नेगेटिव क्या आज से पहले कभी देखा था नहीं देखा था तो सर क्या इसको बस नेगेटिव लेके लगा दें फॉर्मूला में नहीं अब आप इसको फॉर्मूला से नहीं लगा सकते जैसे ही लीस्ट काउंट नेगेटिव आया एक बात पक्की हो गई फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर्मूला नहीं लगा सकते अब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा ये वाला क्योंकि तो नेगेटिव लोगे तो सब हो जाएगा सब नहीं करते हैं ऐड करते हैं हम तो है ना वर्नियर रीडिंग भी ऐड होती है तो अब नॉर्मल पाथ बचा नहीं तो क्या करें नॉर्मल पाथ नहीं बचा तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सोचें कि रीडिंग बेसिकली आती कैसे वर्नियर कैलिपर में हम मेजर क्या कर रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ होता है तो सर जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो इसके जॉस के बीच में फंसा होता है यार बहुत पीछे जाना पड़ेगा बता देते हैं कोई नहीं समझाने के लिए कुछ भी ये जॉस के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट फंसा होता है ना जैसे तो मान लो यहां पर एक सिलेंडर फंसा दिया तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सिलेंडर का डायामीटर कितना है तो यही तो डिस्टेंस हुई इस जॉ से लेके इस जॉ के बीच की डिस्टेंस यानी के मेन स्केल के जीरो से लेके वर्नियर स्केल के जीरो तक ये जो बीच में गैप है यही तो रीडिंग होती है इसी को तो हम रीडिंग कहते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो और वही रीडिंग है तो इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो अब काम नहीं करेगा नेगेटिव लीस्ट काउंट आ गया है फॉर्मूला वर्क नहीं कर सकता तो चलो यहां वाले जीरो और यहां वाले जीरो के बीच में गैप निकालते हैं तो अब मेन स्केल का जीरो कहां होगा अब मेन स्केल का जीरो तो देखो दिख ही नहीं रहा है कहीं ना कहीं इधर होगा मेन स्केल का जीरो तो आ, यहां कहीं होगा ऐसे यहां कहीं वन होगा और यहां कहीं जीरो होगा इधर तो इस जीरो और इस जीरो के बीच में डिस्टेंस निकाल लो वही आपकी रीडिंग है सो व्हाट इज योर रीडिंग आपकी रीडिंग है यहां से लेके यहां तक यह आपको निकालना है तो ये कैसे निकालें? तो देखो इस रीडिंग को निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं ध्यान से देखिएगा तरीका एक काम करो आप सबसे पहले देखो मैचिंग कहां हो रही है मैचिंग यहां पर हमें कौन सा वाला दिख रहा है कोई दिख रहा है क्या मैच करता हुआ फाइव सिक्स सेवन हाँ सेवन वाला मैच करता हुआ दिख रहा है ये देखो सेवन वाला मैच कर रहा है ना ये दोनों लाइन एक तरफ है मैच कर रही है वो इनसाइडिंग वाला तो आप एक काम करो आप यहां से यहां तक की रीडिंग तो निकाल सकते हो यहां से लेके यहां तक की ये रीडिंग आ जाएगी मान लेते हैं ये एक्स है। वहां से वहां तक की और फिर जीरो से लेके यहां तक की भी निकाल सकते हो इसको वाई कह देते हैं, और जो आपको रीडिंग चाहिए वो बताओ फिर क्या हो जाएगी क्या वो एक्स माइनस वाई नहीं होगी है ना वोट दैट बी एक्स माइनस वाई एक्स में से जब वाई को कम कर देंगे तो वही तो रीडिंग आएगी जो जॉस के बीच का डिस्टेंस है समझ में आया ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स एडवांस थिंकिंग तो पूरे में से ये छोटा सा सब करना है तो हमारी रीडिंग आ जाएगी और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फॉर्मूला काम नहीं करेगा फॉर्मूला कैन नॉट वर्क बिकॉज लीस्ट काउंट नेगेटिव आ चुका है फॉर्मूला मत लगा देना तो चलिए ऐसे निकालते हैं बताइए है यहां पर मुझे कि इस x की वैल्यू कितनी है तो एक्स की वैल्यू गिन लेते हैं जीरो टू थ्री थ्री पॉइंट ये कौन सा डिवीजन है मेन का मेन का अगर ये डिवीजन देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिवीजन है मेन का सिक्स वाला मेन का है और सेवेंथ वाला वीएस का है तो सिक्स तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो मैं लिख देता हूं दैट एक्स इज थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अब y कैसे निकालें तो वाई बस ये वर्नियर स्केल का है ये देखो कितना है भाई ये वाई तो वाई सेवन डिवीजन तक है सो इक्वल टू सेवन वर्नियर स्केल डिवीजन जितनी सात वर्नियर स्केल की डिस्टेंस है डिवीजन की उतनी वाई की वैल्यू है और बी की वैल्यू है क्या देखो हमने निकाली है एक एमएसडी एम खुद, एम खुद पॉइंट वन है तो समझ आ रहा है आपको कि एक वीएसडी की वैल्यू कितनी हो गई एक वीएसडी की वैल्यू हो गई वन वन जीरो पॉइंट वन विच इज पॉइंट वन वन सेंटीमीटर एक वी एस डी पॉइंट वन वन सेंटीमीटर के बराबर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया ये ये आ गया जीरो खुद ही बता दो आपके सामने एक्स भी है आपके सामने वाई भी है तो क्या आंसर होना चाहिए खुद ही देख के बताएं वट शुड बी आंसर फॉर दिस केस तो देखिए जी साफ साफ दिख रहा है यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि माइनस वाई करना है रीडिंग के लिए रीडिंग के लिए x- माइनस वाई हमें कर देना है x है 3.6 और y है 0.77 तो बताइए कितना आ रहा है हाउ मच इट इज 60 में से 60 गया फिर 17 तो 17 ये दे रहा है 2.83 सेंटीमीटर आई की नहीं रीडिंग 2.83 आई कि नहीं x y क्यों किया समझ में आया क्योंकि हमने यहां से यहां तक का निकाला यहां से यहां तक का निकाला जो बीच में बचा वो रीडिंग है तो 2.83 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 2.83 इसका आंसर हो ये लॉजिक समझ आया कि इतना बड़ा पहले हमें पता है इतना सा पता है तो जो बीच के जॉज हैं जॉज के बीच की वैल्यू निकलेगी क्योंकि देखो इसके जॉज ऐसे रहेंगे ऐसे वर्नियर कैलिपर के जॉज हैं यहाँ पर तो हमने ये जॉज के बीच की गैप निकाल ली क्योंकि तो वही तो रीडिंग होती है जो जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट फंसा है वही रीडिंग होती है। आया मजा तो पूरा चैप्टर मैंने आपको कराया अब अगर आपको मेहनत पसंद आई कि हाँ सर कितने घंटे हो गए हमें करते करते आ, दस बज गई बच्चों आठ घंटे का लेक्चर हो चुका है तो अब अगर आपको मजा आया कि सर आठ घंटे की मेहनत वाकई में वी लाइक डिट तो बस ऐसी मेहनत हम बैचेस में भी करते हैं तो आप अपना पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो बैचेस के लिए तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं कोड इज अभिलाष जितनी बार आप ये यूज करेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक मुझे इसके थ्रू मिलेगा कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को पसंद आ रहा है सो देखिए कई सारे बैचेस हैं इलेवेंथ के लिए नर्चर बैच है जहाँ आप एनरोल कर सकते हैं यू कैन यूज द कोड अभिलाष दोनों यहां हम पढ़ाएंगे नर्चर में अभी इलेवंथ पढ़ाएंगे अगले साल ट्वेल्थ फिर इसके साथ साथ हमारे पास इवॉल्व बैच भी है जो ट्वेल्थ के बच्चों के लिए तो यहां पर भी अगर आप कोई एनरोल कर रहा हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल एज द पॉजिटिव फीडबैक और मेंटोरशिप का भी इसमें आपको एक फीचर रहता है जो कि मिल जाती है यूजिंग द कोड Then you have Achiever for droppers. अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर के लिए भी अचीवर टू पॉइंट इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर भी हम बड़े डिटेल में इलेवन टनों पढ़ा रहे हैं है ना दैट इज ऑलरेडी देयर और बाकी अनसेट है पंद्रह तारीख को अब सेकेंड इसका अटेम्प्ट होने जा रहा है तो स्कॉलरशिप भी आप उठा सकते हैं इसके लिए भी रजिस्टर कर लें अगेन सेम कोड विल गिव यू द डिस्काउंट इन दैट और जैसा मैंने कहा कि कोड यूज करने का एक और फायदा होता है कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप हो जाती तो जब आप ये कोड डाल के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप पर्सनल गाइडेंस वाला फीचर एक्टिवेट हो जाता है तो मेरे द्वारा आपको ये फीचर मिल जाएगा आइकॉनिक में ये मिलता है ये बेस्ट पार्ट है इसका है ना तो आइकॉनिक में टेस्ट एनालिसिस भी मिलते हैं स्टडी मटेरियल मिलता है सब मिलता है तो ये आप आके बैचेस का मजा ले सकते हैं बैचेस क्यों ले सर जब ऑलरेडी चल रहा है देखिए अगर आपको बहुत पर्सनलाइज वे में पढ़ना है आप चाहते हैं आप अपने डाउट्स पूछें आप चाहते हैं कि आ, एवरी डे दे डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास हो यहाँ तो वन शॉट है पूरा और मैं अपना डाउट पूछ पाऊँ मैं पर्सनली क्लियर कर पाऊँ तो फिर आप बैच का फीचर ले सकते हैं टेस्ट चाहिए स्टडी मटेरियल चाहिए डीपीपी चाहिए तो वो बैचेस में प्रॉपरली मिलती है ऑर्गेनाइज स्टडी आपकी बैचेस में होती है 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 ना ये उसका फायदा और प्लस तो देखिए है, है ही फिर प्लस में आपको टेस्ट और क्लासेस मिलती हैं लेकिन आइकॉनिक में ढेर सारे दूसरे भी फीचर मिल जाते हैं तो बस यही है रिमेंबर टू यूज दिस ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले एज वेल एज मेंटरशिप भी मिले आज का लेक्चर यही समाप्त होता है आई होप यू हैव इट तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो एंड uh, बस मिलते हैं बैचेस में किसी क्लास में कल सुबह ही इस बैच की क्लास है अचीवर की साढ़े ग्यारह बजे तो कल साढ़े ग्यारह बजे इसमें मिल रहे हैं हम लोग है ना तो लाइक बटन हिट कर देना सी यू देयर इन द दे बैच नोट्स की बात है तो मेरा टेलीग्राम आपको बता दिया है उसमें आप नोट्स ले लीजिएगा पहले ही बता चुके हैं आपको उसके बारे में है ना अभिलाष शर्मा आई आई टी जी उसकी यूजर आई डी है उसमें आप आ जाएं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे चलिए तो आज का फिर यहीं पर अंत करते हैं लेक्चर का मुझे उम्मीद है पूरा पसंद आया होगा सब लोगों को तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले बार नोट्स का मैं फिर से बोल रहा हूं देखिए इसको ज्वाइन कर लेना भाई कहा गया ये ज्वाइन कर लें और नोट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे तो इधर से आके आप नोट्स ले सकते हैं तो यूजर आईडी देख लीजिए अभिलाष शर्मा आईआईटी आई थोड़ा बड़ा यूजर आईडी है लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोट्स आपको बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर मिलेंगे ठीक है चलिए और कोई दिक्कत हाउ टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विद प्रैक्टिस उत्कर्ष प्रैक्टिस करोगे तो ही ऐसे क्वेश्चन होंगे मास्टरी करने पे ही इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपसे अगर पहली बार ना हो तो चिंता मत करो पहली बार इस तरह के क्वेश्चन हर किसी से होते भी नहीं है बहुत ज्यादा सोच विचारने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कहीं इस तरह के क्वेश्चन हो पाते हैं ठीक है चलिए कहाँ से सॉल्व करें तो सबसे पहले एच वर्मा सॉल्व करनी है आपको एच सी वर्मा जब हो जाए उसका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जब सब हो जाए तो फिर कोई दूसरी बुक पे जाइएगा फिर सिंगेज है आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी है ना बट पहले एच सी वर्मा फिनिश करें और क्लास के कराए हुए प्रॉब्लम दोबारा आपको करने ये बहुत जरूरी है ठीक है यू हैव टू डू देम अगेन द डन इन द क्लास दोबारा करिएगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मैंने मिस कर दिया मैं तो सोच रहा था ये है इसमें तो कुछ और निकला है ना ऑल राइट नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा देखिए नेक्स्ट चैप्टर ऑर्डर में हम चल रहे हैं है ना तो डायमेंशन के बाद तो सीधा काइनामेटिक्स आता है वो होगा कल अगर अचीवर की बात करूं ये मैं बैच की बात कर रहा था कि कल साढ़े ग्यारह बजे जो हम मिल रहे हैं ना वो एक्चुअली क्या ये सारे बैचेस में मैं क्लास ले रहा हूं कल नर्चर की भी क्लास है कल इवॉल्व की भी है अब इवॉल्व में देखो मैं ट्वेल्थ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आ, कल मैं लूंगा आ, ये आर एल सर्किट एल सी ऑसीलेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना वो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको ट्वेल्थ भी पढ़ना है तो आप इस बैच में आ सकते हैं है ना फॉर द इवॉल्व मेरे प्रोफाइल पे जाके आप सर्च करिएगा तो ये बैच आपको मिल जाएगा तो इसमें ट्वेल्थ के लेक्चर ऑलरेडी हैं बड़े डिटेल में जैसे आज आपने पढ़ा ऐसे बड़े डिटेल में हर एक चैप्टर ट्वेल्थ का भी यहाँ कवर हो रहा है आगे अभी ऑप्टिक्स भी आएगा अल्टरनेटिंग करंट आएगा ना, सब कुछ इसमें आएगा तो बैचेस का ये फायदा है और ड्रॉपर्स के लिए 2.0 हमने चला रखा है, उसमें कर रहे हैं। ठीक right. है? क्लियर है सबको मजा आया आठ घंटे की इस मेहनत में जुनून जोश के साथ सब लगे रहे बहुत अच्छा लगा ऐसे ही आप अपनी अटेंशन बनाए रखें लास्ट ईयर भी बाउंस बैक ने कईयों का उद्धार किया है ना बहुत से लोग अभी तक कहते हैं कि सर बाउंस बैक ने आईआईटी दिलवा दिया लोग कहते हैं इज इट इनफ एक बार-बार पूछा जाएगा इस बाउंस बैक इनफ बाउंस बैक इनफ बिल्कुल इनफ है मोर देन इनफ है लेकिन प्रैक्टिस कभी इनफ नहीं होती नेसेसरी होता है नेसेसरी के हिसाब से थ्योरी के हिसाब से सब कुछ है कांसेप्ट के हिसाब से सब कुछ है लेकिन मेहनत आपके हाथ में तो अब आप मेहनत करो जैसे आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा ठीक है तो करते रहिए मेहनत और जेई का हम ये टारगेट अचीव करके रहेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू मिलते हैं अगले बाउंस बैक के लेक्चर के साथ है ना और बैचेस में मिलते हैं कल कल सुबह इन दिस ड्रॉपर बैच गुड नाइट गुड बाय डीपीपी देखिए इसमें मिल जाएगी और बाकी टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा ऑल राइट गुड नाइट गुड नाइट